हेलो नमस्कार वनकम सस्रियाकाल आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रीन्स में मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास इलेवेंथ की फिजिक्स फिजिक्स तो पढ़ रहे हैं बट अब हम चालू कर रहे हैं अपनी पार्ट टू यानी कि बुक टू को वॉल्यूम टू को जिसका पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और वो क्या है भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखो वैसे आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़नी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स पढ़नी है जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपको देखना होगा फिर आप थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे फिर आपको पढ़ना होगा कायदे से तो ये सारी चीजें मुझे एक लाइन से पढ़ा देनी चाहिए बट हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे और छोटे छोटे जो उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं उस पर लेक्चर बनाते हुए चलेंगे ताकि आपको डिटेल में सारी चीजें समझ में आए हमारी जो पार्ट वन थी हमारी जो बुक वन थी वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस उसमें ज्यादा था ज्यादा न्यूमेरिकल बेस अपने अंदर वो रखती थी है ना उसमें मैकेनिक्स पार्ट ज्यादा था बट ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हमको थोड़ा थ्योरी पार्ट को भी डील करना पड़ेगा है ना थ्योरेटिकल पार्ट को भी हमको थोड़ा समझना पड़ेगा तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से पहले चैप्टर से जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स सॉलिड्स की बात करनी है और सॉलिड के अंदर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है हमको उन सब चीजों के बारे में बात करनी है देखो अभी तक हमने जो बॉडीज देखी वो हमने रिजिड बॉडीज देखी कैसी बॉडीज देखी रिजिड बॉडीज है और हमने आपको बोला कि रिजिड बॉडीज वो बॉडीज होती थी जिसमें अगर आप कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ कोई फोर्स लगाओ कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओ तो उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आता था कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आता था अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि भाई मान लीजिए ये कोई बॉडी है इस बॉडी में एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के पहले दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है मान लो यहां दस सेंटीमीटर ठीक अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लगा है ये एक रिजिड बॉडी है उसके बाद मैंने इस पर एक फोर्स लगाया एफ है ना और ये अच्छा खासा अमाउंट का फोर्स था काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड था इस फोर्स का लेकिन इस फोर्स के लगने के बाद भी जो ये ऑब्जेक्ट था आपका इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्ले जो दूरी थी वो अभी भी कितनी रही दस सेंटीमीटर मतलब कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं आया इन दोनों पॉइंट के बीच में फोर्स के एप्लीकेशन के बाद भी तो हम ये बोल रहे थे कि ये बॉडी डिफॉर्म नहीं हुई और फोर्स के एप्लीकेशन के बाद जब कोई बॉडी डिफॉर्म नहीं होती है तो आप जानते हैं कि उसको हम क्या बोलते आ रहे थे रिजिड बॉडी बोलते आ रहे थे बट आइडियली क्या कोई रिजिड बॉडी एग्जिस्ट करती है हमारी दुनिया में नहीं हाँ नियर टू रिजिड बॉडी हो सकती है है ना नियर टू रिजिड बॉडी हो सकती है बट आइडियली कोई बॉडी रिजिड हमारे लिए नहीं होती है. हम किसी भी बॉडी को किसी भी मैग्नीट्यूड के फोर्स से अच्छे खासे मैग्नीट्यूड के फोर्स से क्या कर सकते हैं डिफॉर्म कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ऐसा बोलना कि बॉडी एकदम आइडियली रिजिड है पॉसिबल नहीं है ये एक हाइपोथेटिकल चीज है जो हम अपनी स्टडीज के लिए यूज करते हैं आई बात समझ में हाँ। समझना ध्यान से समझना ये जो आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हो ना ये आगे जाके ये सब आगे जाके आपका एक सब्जेक्ट बनेगा इंजीनियरिंग में ये चीज आगे जाके आपका एक सब्जेक्ट बनेगा इंजीनियरिंग में जिसको आप बोलोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स ठीक है या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलोगे क्या बोलोगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड अभी जो आप रिजिड बॉडी में डील कर रहे हो बाद में जब आप इंजीनियरिंग करोगे उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल पढ़ोगे वहां जो भी बॉडी आप लोगे वो सारी की सारी नॉन रिजिड बॉडी होगी डिफॉर्मेबल बॉडीज होंगी यहां पर क्या थी डिफॉर्मेबल बॉडीज नहीं थी आइडियली रिजिड बॉडी थी अभी तक हम जो मैकेनिक्स पढ़ रहे थे उसमें नहीं आई बात समझ में हाँ सर अभी नहीं बात की बात कर रहा हूं बाद में ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो ना ये क्यों पढ़ाई जा रही है ये मैं बता रहा हूं आपको कि कल आपके दिन कल के दिन जब आप सोम पढ़ोगे तो उसके लिए जो बेस बन रहा होगा वो यहीं से बनना चालू हो गया है देख लो आप आप लिख कर ले लो मेरी बात यही चीज आप वहां जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह यार अच्छा हुआ मैंने इलेवेंथ में चीज पढ़ ली आज देखो मुझे कितने अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं इंजीनियरिंग में अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जाते हो तो ठीक है चलिए भाई आगे बढ़े और ध्यान से सुनते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अब हम धीरे धीरे चलते हैं आगे है ना धीरे धीरे आगे चलेंगे और एक एक टर्म एक एक टर्म को समझेंगे चलो तो पहला टर्म है हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स चल अभी तो आपने बोला कि कोई बॉडी डिफॉर्म नहीं होती है आइडली रिजेड होती है बाबा अब हम बात कर रहे हैं ऐसी बॉडीज की जो डिफॉर्म हो रही हैं। या ऐसा एक्सटर्नल फोर्स जो डिफॉर्म करने में हमारी क्या करेगा मदद करेगा आइए पढ़ते हैं पहले डेफिनेशन फिर इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे when force is applied in such a way that the body has no translation motion but molecules of the body are forced to undergo a change in their relative position dekho maine aapko bataya tha na molecules ke beech mein jo relative position hai wo change ho jayegi ab a b abhi bataya tha na a aur b ke beech mein 10 cm ka distance tha lekin aapne jaise hi force lagaya deforming force lagaya uske karan kya hua unki relative position change ho gayi theek hai is called deforming force as a result of this force the body may undergo a change in length volume or shape डिफॉर्मिंग नाम ही नाम ही क्या है डिफॉर्म करना है नाम ही क्या है डिफॉर्मिंग फोर्स तो उसका काम क्या है है ना उसका काम क्या है भाई डिफॉर्म करना ठीक है रोमियो नाम मेरा चोरी है काम मेरा जैसे गाना था ना वैसे ही है कि नाम ही डिफॉर्मिंग फोर्स है तो उसका काम ही क्या है भाई चीजों को डिफॉर्म करना आप देख सकते हैं जैसे कि आपने सा, आपके सामने एक जिफ है यहां पर एक प्लेट रखी हुई है उस पर एक फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स है सर ये एक्सटर्नल फोर्स है हाँ क्या यही डिफॉर्मिंग फोर्स है हाँ सर सर एक्सटर्नल फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स में कोई अंतर है नहीं नहीं ठीक है ये देखो ये डिफॉर्मिंग फोर्स है क्या कर रहा है इसको डिफॉर्म कर रहा है है ना ये बात अलग है कि जब इस फोर्स को हटाया गया तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया इसको भी कुछ बोलते हैं ये भी एक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की ठीक है हाँ सर तो डिफॉर्मिंग फोर्स आप समझे कि भाई कल के दिन हम जब भी कोई फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने के कारण कोई डिफॉर्मेशन आएगा हो सकता है हमको डिफॉर्मेशन भी कैलकुलेट करना पड़े अभी तक हम रिजिड बॉडी देख रहे थे रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन कंसिडर नहीं कर रहे थे बट अब हम बॉडीज को डिफॉर्म होते हुए देखेंगे

अभी हम पहली एंटिटी पढ़ रहे हैं बहुत छोटी सी यूनिट पढ़ रहे हैं जो कि क्या है ना मतलब वैसे ही इस इस टर्मिनोलॉजी है जिसको हमें समझना चाहिए ठीक है हम समझ गए सर कुछ भी ऐसा था ही नहीं इसमें हमको समझ में ना आए चलिए वेरी गुड फोर्स है फोर्स की ऐसा यूनिट आपको पता है क्या होने वाली है फोर्स की ऐसा यूनिट होती है भाई क्या होती है सर

द फोर्स कैन बी अपलाइड बाई फॉलोइंग वेज आप कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हो कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हो भाई ये इतने तरीके हैं जिनसे आप एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई कर सकते हो ठीक है वन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज अच्छा देखो जो वो बोल रहा है मैं वो ड्रॉ करने जा रहा हूं है जैसा जैसा वो बोलेगा मैं वही चीज ड्रॉ करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा देखिए मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका है ना ये कोई ऑब्जेक्ट है बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज फोर्स है ना इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ठीक टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अब इसमें क्या होगा देखो अगर मैं इस बॉडी के बीच से एक सेक्शन काट लू क्या करूं यहां से मैंने क्या किया एक सेक्शन काट लिया मैं अंदर देखना चाहता हूं क्या हो रहा होगा मैं अंदर देखना चाहता हूं कि क्या हो रहा होगा कोई ऐसी बॉडी है इस पेन को इस पेन के एंड पे, मैं पे मैंने यहां फोर्स लगाया यहां फोर्स लगाया दोनों एंड पे मैंने इक्वल अपोजिट फोर्स लगा और मैं देखना चाहता हूं कि पेन के अंदर, पेन के के अंदर अंदर क्या हो रहा होगा इस इस एरिया पे क्या हो रहा होगा सर्फेस बोल रहा हूँ इस क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या हो रहा होगा मुझे वो देखना है है ना काट के ऐसे काट के सेक्शन देखा मैंने तो मैंने ये देखा कि भाई जब मैं इसको दो पार्ट में तोड़ता हूं देखना ध्यान से देखना ओहो ओहो चलो ये हमने इसको बीच से तोड़ दिया ठीक है इसके एक एंड पे कितना फोर्स लग रहा था एफ फोर्स ये देखो इस एंड पे कितना फोर्स लग रहा था एफ फोर्स ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हम तो इसको तोड़ के एनालाइज कर रहे हैं ना ये टूटा नहीं है हम इसके बीच में झांक कर देखना चाहते हैं इसलिए हमने इसको बीच से कट करके देखा कि भाई इन फोर्स के लगने कारण यहां पर बीच में क्रॉस सेक्शन पे क्या हो रहा होगा तो आपने देखा कि भाई ये जो पॉइंट है ये यह क्रॉस सेक्शन है मान लो इसको आपने एक्सएक्स बोला है ना ये है ए बी और ये है ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे एक्स एक्स बनाएंगे ये जब ए बी और ए डैश बी डैश जुड़ेंगे तो क्या बना लेंगे भाई एक्सएक्स बना लेंगे है ना आप देखो कि इस पूरे एलिमेंट पे इस पूरे ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगा है तो क्या ये बीच से टूट उठ रहा है क्या नहीं टूट रहा है तो मैं देखना चाह रहा हूं ना कि यहां पर बीच में क्या हो रहा है तो मैंने देखा कि भाई बीच से एक रिएक्टिव एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है जिसको मैं बोल रहा हूं आर इधर और आर इधर ठीक ये आर एक दूसरे पे लगकर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये एक दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे एक्स एक्स सेक्शन वापस बना लेंगे मतलब मैं ये देख रहा हूं कि भाई इस एफ एफ फोर्स के लगने के कारण इस एलिमेंट के अंदर जो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स हैं पार्टिकल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं फोर्स जनरेट कर रहे हैं रिएक्शन फोर्स जनरेट कर रहे हैं ठीक है हाँ सर और समझते हैं दूसरे तरीके से आप कैसे लगा सकते हो वेन वन एंड ऑफ है अरे बाबा आपने वो देखा होगा ना अपने घर से जब आप निकलते हो कहीं जाते हो तो रोड रोड में वो लगे रहते हैं बोर्ड लगे रहते हैं डायरेक्शन के कि आगे से जाके राइट ले लेना है ना दिल्ली आगे से राइट मुंबई आगे से लेफ्ट घर सीधा ऐसा लिखा रहता है ना तो आपने देखा होगा साइड से एक पोल जाता है और इस पोल से वो बोर्ड लटका रहता है देखा होगा कि नहीं देखा होगा हाँ सर देखा है बिल्कुल देखा है है ना उसको हम क्या बोलते हैं कैंटी लेवर बोलते हैं ठीक है ठीके? चलो ऐसा देखता है वो ये देखो। हाँ ये देखो कि नहीं हमारी बीम हो गई ठीक है हाँ सर मान लो ये एक रॉड है है ना इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कर देता हूँ मान लीजिए हमने एक रॉड ले, ले ली है अब 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 अब, अब। इस पर मैंने लगा दिया यहां फ्री एंड पर एक एफ फोर्स इस फ्री एंड पर मैंने एफ फोर्स लगाया एफ फोर्स क्या करना चाहता है भाई इसको खींचना चाहता है लेकिन यह खींच नहीं रहा क्यों भाई खुद सोचो ना कि अगर यह पेन एक रॉड होती और इसको मैं अंदर दीवार पे कस देता दीवार पे एकदम ले जाके फिक्स कर देता और मैं इस पेन के एंड पे फोर्स लगा के खींचता तो मैंने एफ फोर्स लगाया बाहर की तरफ खींचा लेकिन ये बाहर क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया क्योंकि जहां से यह फिक्स है जिस एंड से यह फिक्स है वहां अपोजिट डायरेक्शन में एफ फोर्स के बराबर का रिएक्शन मिल रहा होगा तभी ये रॉड बाहर निकलकर नहीं आ रही अगर ये एफ फोर्स दीवार के दिए हुए रिएक्शन से ज्यादा हो गया अगर ये एफ फोर्स दीवार के द्वारा गए गए दिए रिएक्शन से ज्यादा हो गया तो ये रॉड निकलकर बाहर आ जाएगी पक्की बात है कि नहीं हा सर हाँ सर ठीक है तो वो वही बता रहा है जैसे हमने देखा इस एफ इस रॉड को जब हमने सॉरी इस एलिमेंट को जब हमने काटा बीच से तो हमने देखा इनके बीच में मॉलिक्यूल्स का जनरेट कर रहे हैं रिएक्शन फोर्स जनरेट कर रहे वैसे ही मैंने देखा कि भाई दीवार में जहां फिक्स कर दिया गया है इस रॉड को तो दीवार उसको क्या दे रही है एक रिएक्शन फोर्स दे रही है हाँ? आ, सर ठीक है पक्का हाँ सर चलो इसको बोलते हैं सेक्शन काटना ये आगे काम आएगा आपके ठीक है ना अभी तो बहुत बेसिक सी चीज मैं आपको बता रहा हूं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा बहुत बेसिक सी चीज है ठीक है हाँ सर आगे बढ़े आगे बढ़े सर क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड पॉइंट वेन फोर्स वेन फोर्स इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द बॉडी इनर्शिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल टू स्ट्रेच द बॉडी क्या बोल रहा चाह रहा है ये समझना देखो बहुत प्यार समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं देखो मान लीजिए कोई रॉड है एक सेकेंड रुकना बेटा मेरे इस पर मैंने लगा दिया एफ फोर्स ठीक है इसको ऐसे खींच के ले जाना चाह रहा है कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं सर क्यों परेशानी होगी भाई एफ फोर्स उसको खींच के ले जाना चाह रहा है हम्म hmm, इसकी इसकी लेंथ 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 ले ले लो लो भाई कुछ लेंथ ले लो, इसकी एक एल इस एफ फोर्स के कारण ये एल लेंथ की रॉड आगे खींची चली जा रही है कितना एक्सेलरेशन होगा अगर इसका मास एम है तो तो आप बोलोगे सर इसका एक्सेलरेशन होगा एफ बाय एम का मैंने बोला ठीक है फिर से पढ़ते हैं जरा अंग्रेजी क्या बोल रही है फोर्स इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द बॉडी द एनर्शिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल टू स्ट्रेच द बॉडी लेट अ बॉडी ऑफ मास एम इज सब्जेक्टेड टू फोर्स एफ एट इट्स फ्री एंड फोर्स आर एट एनी सेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बोल रहे हैं जो हम फोर्स आर जो रिएक्शन हम देख रहे थे ना जो हमने फिक्स रॉड के एंड पे देखा था कितना रिएक्शन आया है वैसे ही हम इस रॉड के किसी भी एंड पर किसी भी पॉइंट पर किसी भी सेक्शन पर रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे देखो आपसे बोला गया सुनो मेरी बात आपसे बोला है रॉड है उस पर एफ फोर्स लगाओ इतने एक्सेलेशन से चलने लगी बताओ यहां से एक्स डिस्टेंस पर इधर यहां से एक्स डिस्टेंस पर आपने एक सेक्शन लिया एक्स एक्स सेक्शन बताओ यहां पर कितना रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रहा होगा तो आपने बोला एक सेकेंड हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे इस रॉड को आपने दो पार्ट में काटा एक तो एक्स डिस्टेंस दूर एक रॉड ये बनी छोटी सी ठीक है ना हमको यहां देखना है ना तो हमको अलग करके देखना पड़ेगा ना भाई अगर पेट में कोई दिक्कत है डॉक्टर को देखना है है ना आपको पेट में कुछ हुआ है तो डॉक्टर क्या करता है यहाँ चीरा लगाता है ना यहाँ चीरा लगाता है चीरा लगा के देखता है कि अंदर क्या है भाई और वापस उसको सिल देता है तो बॉडी एज इट इज हो जाती है ना बॉडी अलग अलग थोड़ी ना होती है तो हम वही कर रहे हैं हम रॉड को हम रॉड को काट के देखेंगे झांकेंगे एनालिसिस करेंगे और उसके बाद सिल देंगे वापस रॉड वैसी की वैसी बन जाएगी ठीक है डायसेक्शन कर रहे हैं ठीक है हाँ सर ये कितने लेंथ की रॉड हो गई भाई एक्स लेंथ की यही आपको देखना था ठीक है हाँ यही देखना था चलो अब देखो बची रॉड एल माइनस एक्स लेंथ की बची एल माइनस एक्स लेंथ है कोई दिक्कत यहां तक आपको समझने में नहीं सर कोई दिक्कत नहीं देखो यहां पर जो भी रिएक्शन आएगा मान लीजिए रिएक्शन आ रहा है ऐसे तो यहां पर उसका अपोजिट ही आना चाहिए ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वापस पहले जैसी रॉड बन जाए समझ रहे हो कि नहीं हाँ कि ना अगर मान लो आपने ऐसा बोल दिया कि नहीं सर ये रिएक्शन यहां पर लगेगा ऐसा लगेगा तो ये दोनों रिएक्शन मिलकर तो टू आर बन जाएंगे टू आर बन जाएंगे मतलब ये टूट जाएगा है ना यहाँ पर तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा ना आपको दिख रहा है क्या को? कोई फोर्स नहीं सर कोई फोर्स नहीं दिख रहा तो पक्की बात है ना कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तभी तो फोर्स गायब होगा हाँ सर ये रिएक्शन देगा तो ये भी तो रिएक्शन देगा हाँ सर मेरी बात समझना तो हमने ये बोला कि भाई इस टोटल एल लेंथ की इस टोटल एल लेंथ की रॉड का मास क्या है एम है ठीक है तो ये बताओ ये बताओ इसका क्या हुआ लीनियर मास डेंसिटी कितनी हुई जिसको मैं के बोल देता हूं लीनियर मास डेंसिटी कितनी हुई तो आप बोलोगे मास पर यूनिट लेंथ है ना मास पर यूनिट लेंथ ठीक है पक्का चलो तो आप मुझे बताओ इस एक्स लेंथ की रॉड का मास कितना हुआ इस एक्स लेंथ की रॉड का मास मान लिया मैंने एम डैश हुआ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझाऊंगा इस एक्स लेंथ की रॉड का मास कितना हुआ मैंने माना m है ठीक है ये उसी रॉड से टूटी है इसी रॉड से टूटी है इसका k क्या होगा सेम होगा है ना चलो तो उसका अगर हमको निकालना है तो हम क्या लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट ही रहना है उसको तो ठीक तो m डैश कितना आ गया के एक्स आ गया m डैश कितना आ गया के एक्स आ गया और K की वैल्यू कितनी है? K की वैल्यू है m by l, ठीक है? तो m dash की वैल्यू कितनी आ गई? m by l into x इतना कुछ समझाने से अच्छा था मैं ये भी बोल देता कि अगर l लेंथ का मास m है, तो x लेंथ का मास कितना होगा? तो वो इतना ही होने वाला है, है ना? m dash is equals to m by l into x चल, अब ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना। भी कुछ एक्सेलरेशन होने वाला है क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आने वाली नहीं सर हमको तो नहीं रहा। कुछ भी नहीं आ रहा सर। बिल्कुल भी नहीं आ रहा यही तो फोर्स को आगे ले जाएगी। हाँ सर, हाँ सर। तो हम बोल सकते हैं पूरी रॉड एक ही एक्सेलरेशन से आगे जाएगी अलग अलग एक्सेलरेशन तो नहीं जाएंगी ना पूरी रॉड एक ही ठीक है हाँ सर तो हम बोल सकते हैं r इज नथिंग बट m डश इनटू a चलो r की वैल्यू कितनी आने लगी गई m डश कितना है m by l into x into a आई बात समझ में हाँ सर दिस इज द वैल्यू ऑफ r आपसे r कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है क्वेश्चंस में ठीक है अब देखो ये आपने निकाल लिया कि यहां से x डिस्टेंस पर कितना रिएक्शन फोर्स लगेगा ठीक है सेक्शन पे कितना लग रहा होगा रिएक्शन फोर्स आपने निकाल लिया अब मैं अगर आपको बोलूँ दिस इज एक्स इज इक्वस टू जीरो दिस इज एक्स इज इक्व टू एल तो यहाँ पर आप बता सकते हो क्या कि हर सेक्शन पे कितना रिएक्शन फोर्स होगा है ना अगर मैं आपको यहां पूछ लू एट एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू पर कितना होगा तो आप यहाँ क्या करोगे एक्स की वैल्यू पुट करते जाओगे एट एक्स इज टू जीरो रिएक्शन कितना जीरो आर इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो रिएक्शन फोर्स कितना जीरो एट जीरोक्शन कितना आएगा आर इज इक्व टू एक्स अगर आपने एल बाई टू रखा तो एल एल कट जाएगा एम बाई ट आ जाएगा आ जाएगा क्या हाँ सर अरे बताओ हाँ सर आ जाएगा एम ए किसके बराबर है एमए किसके बराबर है एफ के बराबर है तो एफ बाय टू आ गया रिएक्शन सेंटर पे कितना लग रहा होगा एक्स इजल टू एल बाय टू पे रिएक्शन कितना होगा एफ बाय टू होगा इसको आप क्या बोल सकते हो एफ बाय ठीक चल ये ऐसी चीजें नहीं है कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बहुत डर जाओ इसका यूज जहां होगा जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा मैं यहां बैठा हूँ मैं यहां खड़ा हूं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं अगर आपको बोलो एक्स इज टू एल पे बता दो तो लो भैया रिएक्शन बताओ एक्स इजल टू एल पे कितना होगा एल एल कट जाएगा एम ए तो भाई यहां पर जितना एफ लग रहा है उसी का तो रिएक्शन यहां जनरेट हो जाएगा देखो ना एफ लगा तो एक आर रिएक्शन जनरेट हो गया ठीक है तो ये आ गया कितना एफ के के बराबर बराबर एम ए क्लियर हंड्रेड परसेंट हाँ सर तो अब अभ, अभी हमने क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा है कि भैया डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होता है जिससे किसी भी बॉडी के दो पार्टिकल के बीच की रिलेटिव पोजिशन क्या हो जाए चेंज हो जाए डिफॉर्मेशन आ जाए

तो तीनों ही केसेस में हमको रिएक्शन फोर्सेस कैसे पता चलती हैं वो मैंने आपको बताई निकाल कर ठीक है इतना समझने के बाद अब हमें क्या करना है थोड़ा सा और आगे चलना है थोड़ा सा और अपने नॉलेज को एनहैंस करना है ठीक है चलो आ जाओ अरे नोट डाउन किया था कि नहीं सर आप तो करने ही नहीं देते बोलते बोलते ही गायब कर देते हो चलो नोट डाउन कर लो आओ आगे बढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी अरे वाह बहुत अच्छा डायग्राम है ये एनसीआरटी का डायग्राम है किसका डायग्राम है ये एन सी टी आर टी का अब देखो उनने बहुत कहानी समझाई है इसके पीछे तो मैं उस कहानी का सार आपके सामने लेकर आता हूं समझते हैं अभी हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इलास्टिसिटी को प्लास्टिसिटी की बात थोड़ी देर से करेंगे इलास्टिसिटी क्या होती है हम ऐसा समझते हैं ये एक थ्योरी है जो हमने जो हमको दी गई है एनसीआर में वो क्या है देखो ये सारे क्या है मॉलिक्यूल्स हैं ये एक मॉलिक्यूल वन ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ये क्या बना रहे हैं क्यूब बना रहे हैं है ना एक बिल्डिंग सेल बना रहे हैं है ना पूरी बॉडी का जो बॉडी बोल रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट होगा उसका एक ये बिल्डिंग सेल है जिसके बीच में क्या लगी हुई है एक स्प्रिंग लगी हुई है ये देखो स्प्रिंग्स लगी 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 हुई 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 बहुत सारी क्या लगी हुई है लगी हुई है स्प्रिंग और ये स्प्रिंग यहां पर जो शो हो रही है वो एक्चुअल में क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इंटरमोलिकुलर क्या है फोर्सेज है पक्की बात समझ में आई हाँ ये स्प्रिंग क्या बता रही है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इंटर मोलिक्युलर फोर्सेस ठीक समझना इतना आपको समझ में आया अब जरा इलास्टिसिटी पे आओ इलास्टिसिटी पे आओ और इलास्टिसिटी से आप क्या समझते हो वो मुझे बताओ कि अगर मान लो कोई स्प्रिंग है आपके पास ये क्या हो गया लाल कैसे हो गया पैनिक एकदम से यार है अभी तो काला चल रहा था मान लीजिए आपके पास कोई स्प्रिंग है ये है स्प्रिंग ये बढ़िया ऐसे अभी खाली पीली ऐसी लेटी हुई है ना आराम से वेली ऐसे लेटी हुई है मैं आया मेरा मन नहीं लग रहा था मैंने कहा क्या करें चलो स्प्रिंग को ही खींचते हैं बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो मैंने एफ फोर्स लगा दिया स्प्रिंग को पकड़ा और स्प्रिंग को क्या कर दिया खींच दिया खींचा तो क्या हुआ होगा स्प्रिंग हुई होगी इलोंगेट स्प्रिंग क्या हो गई भाई इलोंगेट हो गई ठीक है लंबी हो गई ठीक है अब भाई जैसे ही मैंने इस एफ फोर्स को छोड़ा इस एफ फोर्स को छोड़ा क्या होगी स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगी यही होगा कि नहीं होगा हाँ सर वापस स्प्रिंग क्या होगा अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगी तो जब भी मैंने इस डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ा है जब जब मैंने इस डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ा है ये क्या हुआ हां जब जब मैंने इस डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ा है इस स्प्रिंग ने क्या कोशिश की है अपनी ओरिजिनल पोजिशन को रीगेन करने की कोशिश की है क्या स्प्रिंग ही ऐसा करती है क्या और कोई चीजें ऐसा नहीं करती नहीं सारी चीजें ऐसा करती है हर बॉडी में थोड़ी ना थोड़ी इलास्टिसिटी होती है थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है ठीक है ना जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जांपल। बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊंगा भाई है ना आप तैयार है कि नहीं तैयार है सर हम बिल्कुल तैयार है देखो आपने मेटल फॉर्मिंग का नाम सुना है मेटल फॉर्मिंग का नाम नहीं सुना सर अरे बाबा मेटल फॉर्मिंग का मतलब ये है कि जब भी आपको मेटल को मेटल से कोई चीज़ को बनाना होता है ना जैसे आपको प्लेट बनानी गंजी बनानी गंजी तपेली जिसमें दूध ग्रह होता है पता है आपको कैसे बनता है देखो ऐसे बनता है उस उसमें हम एक प्लेट लेकर आते हैं है ना ऐसे डिस्क टाइप की प्लेट रहती है ठीक ऐसे डिस्क टाइप की प्लेट रहती है उसको हम क्या करते हैं उसको हम दो सपोर्ट के बीच में से रख देते हैं एक सपोर्ट ये एक सपोर्ट ये ठीक है ना ऐसे रख दिया दो सपोर्ट के बीच में ऐसे ही, प्लेट को ऐसे रख दिया दो सपोर्ट के बीच में ऊपर से क्या होता है कि वो मशीन आती है हाइड्रोलिक्स होते हैं ना जो हाइड्रोलिक्स वाली मशीन आती है ठीक वो क्या करती है इसको दबाती है ऐसे दबाती है आपने प्लेट को प्लेट को दो सपोर्ट के बीच में से रख दिया ऊपर से हाइड्रोलिक्स मशीन ऐसे आती है इसको दबाती है सपोर्ट क्या करते हैं सपोर्ट एंड को पकड़े रहते हैं लेकिन बीच वाले इस पर क्या लगता है फोर्स लगता है नीचे की तरफ तो ये प्लेट कैसी बन जाती है ये प्लेट ऐसी हो जाती है कैसी हो जाती है ऐसी हो जाती है आई बात समझ में ठीक तो जो प्लेट आपने ऐसे रखी थी अब वो क्या बन गई एक ऐसी बन गई जिसका प्लेट, जिसका प्लेट जिसका प्लेट जिसका बेस कैसा है सर्कुलर है और ये क्या बन गया एक तपेली बन गई क्या बन गई एक तपेली बन गई जब यहां से ये चीज़ पीछे हटती है तो हमको क्या मिल जाती है हमारी तपेली मिल जाती है ठीक है, आई बात समझ में हाँ अब सुनना ध्यान से अगर इसी डिस्क को मैं थोड़ा सा फोर्स दे के इसी डिस्क को मैं थोड़ा सा फोर्स देके छोड़ देता तो डिस्क क्या कभी यहां तक आ पाती नहीं वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन में चली जाती नहीं आया सर समझ में नहीं आया समझ में आओ देखते हैं ये भी देखते हैं देखो मान लो मेरे को एक ऐसे रॉड दे दी गई एक ऐसी पतली सी रॉड दे दी गई ठीक और मुझे बोला गया कि सुनो मुझे बोला गया कि सुनो मुझे एक मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है कैसा एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना के दो ठीक है तुमको इस रॉड से एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है क्या करना होगा क्या करना होगा इस पे ऐसे फोर्स लगाना होगा ताकि ये ऐसा बन जाए हाँ कि ना हाँ सर हाँ सर है ना मैं क्या करूंगा मैं यहां खड़ा हूंगा एक पैर यहां रखूंगा एक रखूंगा इस पे पकड़ लूंगा यही बात समझ में एक पैर यहां एक पैर यहां और साइड के दोनों एंड को पकड़ के ऐसे खींच लूंगा तो ऐसा यू-शेप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा हाँ आपने क्या किया आपने बोला चलो पहले फोर्स लगाता हूं मैं आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया और इसको ऐसे मोड़ा इतना मोड़ा ठीक है इतना मोड़ दिया आपने इसको हो हो, खोया खोया चांद इतना मोड़ा जैसे ही आपने इसको इतना बुरा और छोड़ दिया तो देखा आपने कि भाई ये ये रॉड तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई वाह ये, वा, ये रॉड तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई मतलब मतलब ये इलास्टिक नेचर शो कर रही है क्या शो कर रही है इलास्टिक नेचर शो कर रही है मतलब मैंने इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया ये अपनी पोजिशन से डिफॉर्म हुई लेकिन जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया ये अपनी पोजिशन में वापस जाकर बैठ गई इसको बोलते हैं इलास्टिक नेचर इसको बोलते हैं इलास्टिक नेचर अब ध्यान से सुनना मैंने अब बहुत ज्यादा फोर्स लगाया और मैंने क्या किया मैंने इसको इस तरीके से मोड़ दिया इस तरीके से ऐसे मोड़ दिया क्या ऐसा ही शेप बन गया क्या ऐसा ही शेप बन गया हाँ सर ऐसे ही शेप बन गया लेकिन मैंने अब जब यहां पर जाके यहां पर जाके फोर्स छोड़ दिया तो मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद देखो मैंने इसको इसको मोड़ा ऐसे मोड़ा यहां पे लाके से छोड़ दिया ऐसे रॉड को मोड़ा 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 यहां पे लाके से छोड़ दिया तो रॉड ऐसी तो आई लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स हटाया तो वो थोड़ी सी ऐसी हो गई कैसी हो गई देखो वो एक्चुअल में कैसी बन गई वो ऐसी बन गई लेकिन आपको कैसा चाहिए था शेप आपको शेप कैसा चाहिए था आपको शेप ऐसा चाहिए था ये इस पोजीशन से इस पोजीशन से ऐसी क्यों हो गई वापस ऐसी क्यों आ गई क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक नेचर था है ना इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैक क्या बोलते हैं स्प्रिंग बैक ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पीछे चली गई इसका मतलब यह है कि अब आपको क्या करना होगा थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा देखो आपको कैसा चाहिए ऐसा फिगर चाहिए है ना ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए बेटा हाँ सर ठीक मतलब है मतलब अब आपको रॉड को पता कैसे मोड़ना पड़ेगा ऐसे मोड़ना पड़ेगा ऐसे ऐसे क्योंकि जब आप इस पर ऐसे जोड़ मोड़ के इस पर ज्यादा फोर्स लगा के इसको छोड़ोगे ज्यादा फोर्स लगा के इसको छोड़ोगे तो ये कौन सी पोजिशन में आएगा सीधे वर्टिकल पोजिशन में आ जाएगा आई बात समझ में कॉमन सेंस बता रहा हूं आपको कॉमन सेंस बता रहा हूं ऐसा सब क्यों करते हैं हम इसलिए करते हैं क्योंकि इलास्टिसिटी और प्लास्टिक जैसी कोई चीज होती है अब देखो जब हम इसको यहां तक लाकर फोर्स लगाकर छोड़ेंगे तो ये वापस पीछे जाएगा थोड़ा सा और कैसा शेप बना देगा ऐसा शेप बना देगा ऐसा शेप बना देगा ऐसा जैसे हमें चाहिए था हाँ, बना देगा और आप देखो ये यह यहां से अपनी पोजीशन पर वापस नहीं जा रहा ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं जा रहा मतलब ये प्लास्टिक नेचर में आ गया है मतलब अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर सकता डिफॉर्मिंग फोर्स के हटाने के बाद अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा सर ये बात है हाँ यही बात है इसी चीज को हमको डिस्कस करना है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में अब जब आप किसी रोड को मोड़ रहे थे तो अंदर क्या हो रहा था एनसीआर में आपको यह बताया गया है तो ये भी भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं ठीक है ना मान लीजिए भाई इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ये डिस्टेंस है कितनी डिस्टेंस है? है? है भाई भाई दो के बीच की डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी कितनी है है आर ठीक है अब ये जो आर आर फोर्स या जो आर आर डिस्टेंस है ये मॉलिक्यूल्स के बीच की, भी, की डिस्टेंस हर जगह सेम है ऐसा मैं मान रहा हूं ठीक जब मैंने स्प्रिंग पर फोर्स लगाया था इस फोर्स को मैं क्या बोल रहा था भाई डिफॉर्मिंग फोर्स है ये ये मेरे मेरे लिए लिए क्या है है भाई फोर्स ठीक है ओके ओके ये मेरे लिए क्या है भाई फोर्स था बट आप ये बात समझो कि जैसे ही इसको मैंने खींचा होगा स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट हुआ होगा मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात नहीं सर नहीं मानेंगे क्यों माने सर हम आपकी बात सर आप हमारी कोई बात मानते हो अरे बाबा जब इसको डिफॉर्म करने के लिए फोर्स लगाया होगा तो इस पर अंदर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स आया होगा कि नहीं आएगा ये तो इसकी फितरत है ना किसकी फितरत है किसकी फितरत है तो स्प्रिंग की फितरत है भाई उसको आप डिफॉर्म करोगे तो वो एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करने ही वाली है ये पक्की बात है हाँ सर ये पक्की बात है ठीक तो अब आपको मैं यही समझाने वाला हूं कि जब आप जब आप इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को मानो आपने किसी पर्टिकुलर रॉड में जो मैंने आपको रॉड बनाकर दिखाई थी इस रॉड पे आपने फोर्स लगाया

मैंने इस पर एक ऐप फोर्स लगा दिया एफ फोर्स लगने के कारण ये अपनी पोजीशन से क्या हो गया हट गया डिफॉर्म हो गया ये एफ फोर्स क्या है मेरे लिए डिफॉर्मिंग फोर्स है लेकिन जैसे ही ये बाकी मॉलिक्यूल्स को पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन से हटके कहीं चला गया है तो भाई देखो इनके बीच में क्या है इंटर मोलिकुलर फोर्सेस ये स्प्रिंग लगी है स्प्रिंग जैसे काम कर रही है जो क्या करेंगी इसकी पोजीशन को रीगेन कराने में मदद करेगी

वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इसको आप इलास्टिक नेचर बोलो अब देखो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है क्या पढ़ी है सर पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ी है लेकिन ये स्प्रिंग वाली हमको याद नहीं है सर याद करने के लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा जाकर आप पुराने लेक्चर्स देखो जहां पर मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया है स्प्रिंग की और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अलग से लेक्चर डिस्कस किया है चैप्टर नंबर से वर्क पावर एनर्जी में वहां तो आप ये समझोगे कि देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को दबाता हूं पास पास लेकर आता हूं मॉलिक्यूल को तब भी तब भी तब भी क्या करेंगे एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेंगे और अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को खींच के बाहर ले जाना चाहता हूं तब भी एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे बिल्कुल अच्छा यहां पर एक बहुत बेहतरीन चीज है शायद ने आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में देखो बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बताने वाला हूं केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया हमारा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंटर इंटर इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस ठीक है ओके okay. ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है अगर आपने देखा हो तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनता है ठीक है आप यहां देखोगे कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है और यहां मिनिमम है ठीक है यहां मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है देखोगे आप मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मुझे बताओ कि स्टेबिलिटी तो हम बोलते थे कि वो वहां होगा जहां क्या होगी? होगी. याद है आपको हाँ हम जब इस मॉलिक्यूल इस को यहां से डिस्टर्ब कर रहे थे तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लग क्यों रहा था क्योंकि इसको स्टेबिलिटी चाहिए थी इसको इक्विलिब्रियम चाहिए था इक्विली ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है बाबा अगर आप इसमें से एक भी मॉलिक्यूल को हटाओगे इस डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसको बाहर निकालने की कोशिश करोगे उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करोगे तो उस पर री फोर्स लगेगा इंटर फोर्स लगेगा जो क्या करने की कोशिश करेगा वापस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करेगा स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा सिस्टम हाँ की ना ठीक है तो बस वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहीं पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा वहीं पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी ये तो हम वैसे भी जानते थे या तो हमने पढ़ा भी था नहीं पढ़ा था अरे बाबा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था जब हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे थे कि एक बाउल था उसके ऊपर हमने एक बॉल रखी हुई थी एक बाउल था उसमें हमने ऐसे बॉल रखी हुई थी हम बोल रहे थे भाई यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो ये बहुत अनस्टेबल कंडीशन में है यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो ये स्टेबल कंडीशन में यादा है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर हाँ कि ना हाँ सर पढ़ा था याद आया याद आया ठीक है भाई तो देखो हम जब इस क्यूब को दबाते हैं तो हम इस आर को कम करते हैं क्या करते हैं हम इस आर को कम करते हैं और जब हम इस क्यूब को खींचते हैं डिफॉर्म डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के तो इस आर को हम बढ़ाते हैं ठीक है इतनी बात आपको पता है चलिए अब इधर आइए ध्यान से देखिए जहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है मान लीजिए यहां पर है तो उसकी डिस्टेंस यहां से मैंने मान ली कि आर नॉट है क्या है आर नॉट है या आर है मान लीजिए इस आर डिस्टेंस पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और यहीं पर आपका सिस्टम क्या है सबसे ज्यादा स्टेबल है यहीं पर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपने अचीव की है ठीक है पक्का अगर आप आर को कम करने की कोशिश करो यानी कि अगर आप यहां से ऐसे दबाओ इस क्यूब को आर को कम करने की कोशिश करो तो देखो क्या होगा आर को जैसे ही आप कम करने की कोशिश करोगे ध्यान से देखना आर को जैसे ही आप कम करने की कोशिश करोगे देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी आगे ना आर को बढ़ाने की कोशिश करोगे आर को बढ़ाने की कोशिश करोगे इसको खींचोगे और आर को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो देखो क्या होगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी इधर भी बढ़ रही है इधर भी बढ़ रही है तो सिस्टम कैसा हो रहा है अनस्टेबल हो रहा है तो उसको स्टेबिलिटी की तरफ खींचेगा कौन इलास्टिक नेचर इलास्टिसिटी आई बात समझ में हाँ सर ये हमको समझ में आ गया है सर काफी अच्छे तरीके से ठीक है चलो आ जाओ आप कोई भी पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया गया है इस चीज को कि भाई एक डिफॉर्मिंग फोर्स को वापस रिस्टोर करने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है जो कि क्यों आता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं आई बात समझ में हां सर चलो इतना समझने के बाद आगे चलते हैं हम थ्योरी थ्योरी में है ना थ्योरी थ्योरी समझ चलिए इलास्टिसिटी चल। के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं देखो जैसे एक मटेरियल है उस पर उस आदमी ने पैर रखा ये नीचे गया है ना इसको डिफॉर्म किया गया डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसको ओरिजिनल शेप और साइज से डिफार्म किया गया लेकिन जैसे ही वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटता है इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है देखो 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 और अपनी ओरिजिनल पोजिशन में पहुंच जा रहा है सिमिलरली ये देखो ये देखा होगा या तो आपने हमेशा से देख रहे होंगे क्या हो रहा है इसमें ये देखो ये चल रहे हैं चढ़ रहे हैं इस रबर की इस रस्सी पे चढ़ता है उसका पैर फसलता है वो नीचे गिर जाता है है ना तो देखो डिफॉर्म होती है रस्सी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाती है रिस्टोर कर लेती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को हाँ कि ना हाँ सर है ना ये एग्जाम्पल तो हमने बचपन से देखा होगा और एक तो वो रबर 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 को आप फंसा के किसी को मारते थे है ना रबर को छोड़ते थे रबर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती थी ये सारे एग्जांपल हैं किसके इलास्टिसिटी के प्लास्टिसिटी की बात अभी हमने नहीं की है तो आप इस पे ध्यान अभी मत दीजिएगा प्लास्टिसिटी पे भी मैं आने वाला हूँ ठीक है चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं आ जाओ भाई अब देखो जो चीजें हमने अभी तक की हैं जो बातें की हैं वो अंग्रेजी में यहाँ आपके सामने है इस पर बेस में कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा तो हम उसको भी डील डि, डि, करेंगे अरे बाबा हाँ, क्लियर है, है ना कुछ इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं है नहीं सर कोई बात नहीं है इफ अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज और शेप अगर बॉडी अपना साइज और शेप रिगेन कर ले तो अच्छी बात है कि वो इलास्टिक थी नेचर में और ये उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको इलास्टिसिटी बोल दिया ठीक है बट अगर कोई बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन ना करे इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज सेट टू बी प्लास्टिक तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो कैसी है नेचर में प्लास्टिक ठीक है देखो ना मान लो अगर ये बॉटल है इस बॉटल को मैं से पिचका दूँ ये ऐसे पिचका दूँ ये देखिए ये, ये पिचका दिया मैंने है ना ये देखिए पिचकाने के बाद मैंने उसको छोड़ा तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ गई तो ये क्या हुआ वह इलास्टिक नेचर था इसके अंदर बात समझ में लेकिन डेंट पड़ जाए मैं इसमें और डेंट पड़ जाए तो हम बोलेंगे भाई ये तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आई ही नहीं फोर्स हटाने के बाद तो हम बोलेंगे कि भाई ये क्या है प्लास्टिक है क्या है ये प्लास्टिक है ठीक एंड उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे प्लास्टिसिटी बोलोगे क्या बोलोगे प्लास्टिसिटी बोलोगे नेक्स्ट इफ अ बॉडी देखो प्लास्टिसिटी का अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि हमने एक डिस्क को गंजी बनाया था क्या तपेली बनाया था जिसमें हम दूध गर्म करते हैं वो डिस्क था, डिस्क था को हमने प्रेशर लगाया तो वो क्या बन गई गंजी बन गई है ना अब आपने जैसे ही वो प्रेशर को हटाया फोर्स को हटाया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जा पाई मतलब वो प्लास्टिक नेचर में आ गई है क्या शो करने लग गई है प्लास्टिक नेचर शो करने लग गई है ना आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स कैसे बनती हैं ये जो बॉटल्स होती हैं ऐसे ऐसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है ऐसी वो कैसे बनती है इतनी छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं इतनी छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉटल होती है उसमें हवा बहुत तेजी से हाई प्रेशर से हवा मारी जाती है तो बॉटल बड़ी हो जाती है अब वो बॉटल अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में तो जा नहीं पा रही तो मतलब वो किस रेंज में आ गई है वो प्लास्टिक रेंज में आ गई है अब वो प्लास्टिक रेंज में आ गई है तो वापस अब वो अपने ओरिजिनल or और शेप ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाएगी ठीक है हाँ सर तीसरा पॉइंट को देखते हैं इफ अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप कंप्लीटली एंड इमीजिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स इट इज सेट टू बी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ठीक है इसको हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं अगर फोर्स लगाने के बाद फोर्स हटाने के बाद, लगाने के बाद बाद लगाने हटाना है हमको और हटाने के बाद हम देखते हैं कि कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप और साइज को वो वापस रिगेन कर लेती है तो हम बोलेंगे भाई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और अगर इसका उल्टा हो इफ अ बॉडी डज नॉट शो एनी टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज सेट टू बी परफेक्टली इलास्टिक बट इन प्रैक्टिस नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक एंड नो वन इज परफेक्टली प्लास्टिक यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बट इन प्रैक्टिस एक्चुअल कंडीशन में कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होती है क्लियर बात है हाँ सर क्लियर बात है देखो एक बहुत अच्छी बात इसमें की गई है अगर बॉडी के अंदर ऐसी टेंडेंसी है कि वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर ले तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक है वो ठीक है अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि रबर और स्टील में क्वेश्चन है मेरा आपसे कि रबर और स्टील में कौन ज्यादा इलास्टिक है रबर और स्टील में कौन ज्यादा इलास्टिक है आप ये बताओ तो आप बोलोगे कि सर रबर ज्यादा इलास्टिक है जब रबर ज्यादा इलास्टिक है बट ऐसा नहीं है स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है एज कंपेयर टू स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है एज कंपेयर टू रबर ना आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके लिए एक मॉडुलस ऑफ इलास्टि इलास्टिसिटी कर आएगा जिसमें स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रबर के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ज्यादा होगा क्यों भाई बाबा फोर्स लगा रहे हैं हम डिफॉर्म करने के लिए और डिफॉर्मेशन अगर होता है होने के बाद वो कितनी जल्दी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आता है वो भी तो इलास्टिसिटी ही है अगर आप सोचो आप स्टील की रॉड को स्टील की रॉड को हल्का सा बेंड कर दो हल्का सा बेंड करो और छोड़ो अरे पतली सी प्लेट नहीं आती पतली सी प्लेट आती ना आपने पतली सी प्लेट को ऐसे मोड़ा अपनी स्टील को छोड़ दिया तो फपड़ फपड़ करके वापस सीधी हो जाती है कि नहीं हो जाती हो जाती है लेकिन अगर आप रबर को खींचो और उसको छोड़ो तो रबर धीरे धीरे रबर है रबर को खींचा रबर धीरे 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 अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आएगी खिंच जाएगी आराम से लेकिन वो ओरिजिनल शेप साइज पहुंचने में भी थोड़ा टाइम लगाएगी लेकिन स्टील जो होगा स्टील की प्लेट को अगर आप मोड़ो हल्का सा आपने देखा पट वो वो नहीं आते पतरे पतरे स्टील के पतरे बोलते हैं जो दरवाजों पर चढ़ते हैं आपने देखा होगा वो स्टील के पत्रों को आप हल्का सा मोड़ो और छोड़ दो तो वो देखो तुरंत अपने ओरिजिनल शेप साइज में फटाफट फटफट -फटा -फटा करके आ जाएंगे अपने ओरिजिनल शेप और साइज को बहुत जल्दी रीगेन करता है स्टील क्लियर है तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो स्टील है हमारा जो स्टील है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है ना अभी नहीं पढ़ रहे अभी सिर्फ बता रहा हूं इसके कंसेप्ट से भी हम बोल पाते हैं कि स्टील ज्यादा इलास्टिक क्यों है हा? ये कंसेप्ट मैं आपको आगे जाकर भी बताऊंगा बस अभी ये बात याद रखो कि स्टील का स्टील की इलास्टिसिटी या मैं बोलू स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है एज कम्पेयर टू रबर एग्जाम्पल दूंगा समझाऊंगा अच्छे से ठीक है आगे चल के अभी हम स्ट्रेस स्ट्रेन को जानते नहीं है इसलिए मैं उस चीज़ से आपको कंफ्यूज करूंगा नहीं ठीक है आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये लो स्ट्रेस ही आ गया आपके सामने अब समझते हैं जरा स्ट्रेस क्या होता है सर स्ट्रेस तो सर मत बताओ सर पिंकी जो है ना सर पिंकी जो है सर वो राहुल से बात कर रही थी सर आप क्या जानोगे सर स्ट्रेस कितना है मुझे इतना स्ट्रेस है सर इतना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया ना सर मेरे ऊपर कि मैं अपना ओरिजिनल शेप और साइज तो रीगेन कर ही नहीं पा रहा मुझे पिंकी से उम्मीद नहीं थी कि पिंकी मेरे साथ ऐसा करेगी है ना ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है हाँ वो भी एक स्ट्रेस है मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है पिंकी ने अगर राहुल से बात कर ली नहीं करनी चाहिए थी वो भी एक टाइप का स्ट्रेस है लेकिन क्या करें यार वो तो पिंकी है ना पिंकी की मर्जी है पिंकी राहुल से बात करे पिंकी सत्यम से बात करे समझ रहे हो कि नहीं लेकिन उससे जो स्ट्रेस आपके अंदर आ रहा है वो हमको नहीं पढ़ना हमको कुछ और टाइप का स्ट्रेस पढ़ना है चलिए उसको समझते हैं है ना पढ़ाई का स्ट्रेस हो गया जीवन का स्ट्रेस हो गया नौकरी का स्ट्रेस हो गया छोकरी का स्ट्रेस हो गया ये भी स्ट्रेस होते हैं लेकिन उसके लिए कोई कैलकुलेशन अभी हमारे पास नहीं है ठीक है तो जिसकी है पैरा उसके बारे में बात कर ले आ जाओ अंग्रेजी पढ़ते हैं द इंटरनल इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ रेजिस्टिंग एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस एज द रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स देयर फोर अरे बापरे क्या लिखा है सर कुछ समझ नहीं आया मुझे भी नहीं आया इसलिए मैं आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आओ हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन टाइप की एक ऑब्जेक्ट है ठीक है एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्ट है ये ये, ये ये करके दिखाओ ये ये अरे ये करके दिखाओ चलो इस पर मैंने फोर्स लगा दिया एफ ये मैंने फोर्स लगाया है ना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है एसी ठीक है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये जो आपको दिख रहा है दिस इज दी क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कहीं भी काटोगे यहां से काट दो आप यहां से काट दो आप यहां से काट दो हर जगह आपको क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मिलेगा यही मिलने वाला है ठीक है हर जगह आपको क्रॉस सेक्शन एरिया यही मिलने वाला है ठीक है ना हाँ तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया अच्छा लिख देता हूँ भाई ताकि आप भूलो नहीं क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ठीक है हाँ ये है क्या भाई फोर्स अब देखो जब आपने इस ऑब्जेक्ट पर एक एफ फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट पर मान लो आपने एफ फोर्स लगाया है ना एफ फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ होगा एफ फोर्स लगाने के बाद अगर आप मटेरियल के अंदर देखोगे काट के तो आपको दिखेगा क्या दिखेगा देखो ध्यान से सुनना यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बहुत जीवन भर लोगों का कंफ्यूजन रह जाता है कि स्ट्रेस क्या है फोर्स क्या है प्रेशर क्या है कुछ समझ में नहीं आता है हर जगह फंसे रह जाते हैं ठीक है आओ समझेंगे देखो यहाँ पे एफ फोर्स लगा ठीक ये मैंने काटा है ये सेक्शन काटा है मान लो ये एक्स एक्स सेक्शन है ना मैं देख रहा हूं यहां झांक कर देख रहा हूं ये हमारा एक्सएक्स सेक्शन है मैंने काटा हुआ है ठीक मैंने देखा कि जैसे ही मैंने एफ फोर्स लगाया तो अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे अंदर जो ये छोटे 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 पार्टिकल्स थे मॉलिक्यूल्स थे ये इकट्ठे हो गए और इनने बोला कि भाई हम नहीं हटेंगे अपनी जगह से तो इनने एक रिएक्शन लगा दिया एक रिएक्टिव फोर्स लगा दिया क्या लगा दिया एक रिएक्टिव फोर्स लगा दिया इसको मैं एफ बोल देता हूँ है ना अभी के लिए एफ बोल देता हूँ एक रिएक्टिव फोर्स लगा दिया जो कि अपोजिट डायरेक्शन में था अप्लाइड फोर्स के और बोला जाता है 97 परसेंट या बोलूंगा मैं ज्यादातर केसेस में ये जो आपका रिएक्टिव फोर्स होगा ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा बस इसकी डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी है ना यहां पर केस आता है एक होती है अप्लाइड स्ट्रेस है ना या मैं बोलूं आपने जो फोर्स लगाया वो किस एरिया पे लगाया एसी पे लगाया ठीक है ना लेकिन अंदर के जो पार्टिकल थे उन्हें विद्रोह कर दिया और उन्होंने बोला कि जितना तुम लगाओगे उतना ही हम भी लगा देंगे तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा आई की नहीं बात समझ में हाँ अगर ये एफ फोर्स बढ़ता गया इससे ज्यादा बढ़ गया तो फिर क्या हो जाएगा डिफॉर्मेशन हो जाएगा टूट जाएगा हमारा पार्टिकल या मटीरियल हाँ तो हो रही है द द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया एरिया ऑफ रेजिस्टिंग पहले आपने लगाया एफ फोर्स इसके अगेंस्ट में एक रिस्टोरिंग फोर्स आया जिसको आपने बोला एक ये रिस्टोरिंग फोर्स है एक ये रिस्टोरिंग फोर्स है ये रिस्टोरिंग फोर्स ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया रेजिस्टिंग एरिया रेजिस्टिंग एरिया कौन सा है ये है है ना जिसको आपने इसी बोला है है ना इसी को आप क्या बोल रहे हो स्ट्रेस बोल रहे हो इसी को आप क्या बोल रहे हो स्ट्रेस बोल रहे हो ठीक स्ट्रेस को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो भाई स्ट्रेस को आप रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा से किससे सिग्मा से आई बात समझ में एक बात ध्यान रखना स्ट्रेस हमेशा इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है अप्लाइड फोर्स नहीं होता यह बात अलग है यह बात अलग है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादातर केसेस में तो हम अप्लाइड फोर्स के बराबर ही रीस्टोरिंग फोर्स को ले लेते हैं ठीक बट एक्चुअल में याद रखना स्ट्रेस इज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे कर सकते हो रिप्रेजेंट सिग्मा से स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सिग्मा ठीक है हाँ सर अच्छा स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है फोर्स अपॉन एरिया है फोर्स न्यूटन एरिया इज मीटर स्क्वायर तो इसकी यूनिट क्या होगी एस आई यूनिट इज एस आई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल रास्कल नहीं पास्कल ठीक ओके सर और क्या बात कर लें ये कैसी क्वांटिटी है तो देखो ये एक टेंसर क्वांटिटी है क्या है भाई ये एक टेंसर क्वांटिटी है इट इज अ टेंसर टेंसर क्वांटिटी Tensor, टेंसर क्वांटिटी सर ये टेंसर क्वांटिटी क्या होती है अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है मैं सिर्फ इतना बता देता हूं जैसे स्केलर को डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए वैसे ही टेंसर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और चाहिए प्लेन किस प्लेन पे वो एक्ट कर रहा है जब ये तीनों चीजें आप डिफाइन करते हो तब आप बोलते हो कि वो क्वांटिटी क्या है एक टेंसर क्वांटिटी है तो याद रखना स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी हम उसको स्केलर लेकर चलते हैं क्योंकि ये एडिशन स्केलर का ही फॉलो करते हैं अगर आपको स्ट्रेस को जोड़ना होगा मान लीजिए एक स्ट्रेस आपको दी है दस मेगा पास करके दूसरी स्ट्रेस आपको दी हुई है सिग्मा टू आपको दिया हुआ है दस मेगा पास करके तो आप जब सिग्मा टोटल निकालना चाहोगे तो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू कर सकते हो है ना सीधा सीधा एडिशन ये फॉलो कर लेती है इसलिए हम इसको स्केलर बोल के कभी सॉल्व कर लेते हैं है ना लेकिन एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि एक क्या है टेंसर क्वांटिटी है क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई हाँ सर हमको इतनी बात क्लियर हो गई है हमेशा स्ट्रेस जो होती है वो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है यहां पर भी आगे जाओगे जब आप अच्छे क्वेश्चंस करोगे तो स्ट्रेस बदलकर नॉर्मल स्ट्रेस बनेगी ट्रू स्ट्रेस बनेगी फलाना बनेगी बनेगी अभी उसको समझने की जरूरत नहीं square, सर, जो है वो भी सर न्यूटन पर मीटर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल होता है तो सर क्या पास्कल बाहर का नाम है स्ट्रेस घर का नाम है क्या जैसे हमारा बाहर का नाम अलग होता है घर का नाम अलग होता है नहीं 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 प्रेशर अलग चीज़ है स्ट्रेस अलग चीज़ है ध्यान से सुनना अगर मैं अगर मैं इस फोर्स से डिवाइड कर दूं इस क्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया को ठीक है तो वो कहलाएगा प्रेशर पी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए सी ठीक है ना दिस इज द प्रेशर दिस इज द प्रेशर प्रेशर हमेशा अप्लाइड होता है स्ट्रेस जनरेट होती है जब तक आप बाहर से कुछ नहीं लगाओगे जब तक आप डिफॉर्म करने की कोशिश नहीं करोगे स्ट्रेस जनरेट नहीं होने वाली है देखो मैंने डिफॉर्म करने की कोशिश की तब जाके इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ जब तक मैं डिफॉर्म नहीं करूंगा रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं होगा ये पक्की बात है है ना पक्का हाँ सर सर एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई मैं पूछ लूँ क्या आपसे हाँ सर पूछो हाँ हाँ बताओ बेटा क्या दिमाग में आया तो आपने बोला सर अगर ऐसा होता आपका ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता और इस पर इस तरीके से फोर्स लग रही होती इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए होता तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स कैसा होता सर देखो इस पर फिर रिस्टोरिंग फोर्स कैसा होता है यहां पर कैसा था जब आपने इसको बाहर खींचा था तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसा था देखो ऐसे खींच रहा था इसको ठीक है जब इसको आप दबाने की कोशिश करोगे जब इसको आप दबाने की कोशिश करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसा होगा अंदर क्रॉस सेक्शन पे कैसा होगा क्रॉस सेक्शन पे बाहर की तरफ कैसा होगा इस तरीके से ठीक है पक्का हंड्रेड परसेंट इसी को हम बोल देंगे भाई कि ये टेंसाइल स्ट्रेस है और वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है डायरेक्शन होती है इसमें भी डायरेक्शन होती है मैंने बताया ना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी होती है प्लेन भी होता है तो आपको टेंसाइल स्ट्रेस भी सुनने को मिलेगी जो टेंशन वाले नेचर की होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस भी सुनने को मिलेगी जो कंप्रेशन वाले नेचर की होगी ठीक है पक्का हंड्रेड परसेंट चलो ठीक है आगे बात समझ में आगे बढ़ते हैं इसको भी क्लियर कर दूं चलो हाँ सर आगे बढ़े आओ स्ट्रेस के बाद आपको पढ़ना है स्ट्रेन स्ट्रेन क्या होता है देखो यार स्ट्रेन पढ़ने के बाद मैं एक बहुत ही बड़ा दुनिया का एक जो अच्छा क्वेश्चन है वो आपसे पूछूंगा स्ट्रेन होता है व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी द बॉडी अंडर अ चेंज इन साइज एंड शेप सो स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रेन जिसको ये ई नहीं मैं तो इसको बोलता हूँ एप्सलन क्या बोलता हूँ मैं इसको एप्सलन बोलता हूँ यार है ना ऐसे ऐसा एप्सलन बोलता हूँ क्या बोलता हूँ एप्सलन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन समझते हैं इसको मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है एल है इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है भाई एल है है ना चलो मान लो यहाँ से फिक्स भी है इस पर मैंने एफ फोर्स लगाया और एफ फोर्स लगाने के बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया ज़रा देखना एफ फोर्स लगाया और एफ फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि ये जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था ये थोड़ा सा लंबा हो गया और यहाँ तक आ गया ठीक है ना कुछ ऐसा हो गया ये खिंच के कितना बढ़ गया डेल एल डेल एल इतना आगे बढ़ गया ठीक है तो अब आप मुझे बताओ क्या इसमें आप मुझे ओरिजिनल डायमेंशन बता सकते हो कितना है हाँ सर ओरिजिनल डायमेंशन एल है शुरुआती डायमेंशन इतना था चेंज इन डायमेंशन बता सकते हो कितना है हाँ सर डेल एल है ठीक है तो आप मुझे स्ट्रेन बता सकते हो यहाँ पर स्ट्रेन कितना होगा तो आप बोलोगे सर यहां पर स्ट्रेन होगा डेल एल बाय एल ठीक दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन ठीक चलो स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ चलो अब चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या होगी वो भी mm में होगी है ना अब मीटर में तो चेंज नहीं हो सकता अगर आपने इसको खींचा तो ऐसा नहीं कि एक मीटर खींच जाएगा थोड़ा सा डिफॉर्मेशन दिखाएगा थोड़ा सा आगे बढ़ेगा थोड़ी सी लेंथ लंबी होगी अगर इस पेन पर पे मैं बहुत तेज फोर्स लगाऊं तो यह पेन थोड़ा सा लंबा होगा तो डेल एल की वैल्यू एम एम में आने वाली है है ना तो mm, तो हम लेंथ नीचे भी किस में ले लेंगे एम mm एम में तो यूनिट कट जाएगी एम 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 तो भाई हमको समझ में आ गया कि स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी लेकिन कभी कभी आपको स्ट्रेन ऐसे लिखी हुई मिलेगी देखो ऐसे लिखी हुई जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स एम एम और एम एम है ना तो घबराना मत ये भी डायमेंशन लेस ही है डायमेंशन लेस ही है बाबा इसमें कोई डायमेंशन नहीं है इसके पास ठीक है हाँ सर समझ में आ गया अब देखो बहुत सारी चीज़ें होती है कि अगर हम इसको फोर्स से खींचेंगे तो हो सकता है इसका डायमेंशन ऐसे भी कम हो रहा हो ये पतली चौड़ी थी पतली हो रही हो वो बात की बात है अभी हम इसको वन डायमेंशन में कंसिडर कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वन डायमेंशन में कंसिडर कर रहे हैं कि बाकी किसी डायमेंशन में कोई भी शेप में चेंज नहीं आया है ऐसा मान रहे हैं है ना चलो अजम्पन्स है चलिए भाई इतना समझ में आया आपको हाँ सर हमको स्ट्रेस समझ में आया हमको स्ट्रेन समझ में आया अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ पहले स्ट्रेन आया या स्ट्रेस जैसे मुर्गी आई या क्या बोलते हैं मुर्गी आई या अंडा पहले क्वेश्चन है ना बहुत बड़ा वैसे ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले स्ट्रेस आता है कि पहले स्ट्रेन आती है मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा मुझे बताना मैं चाहता हूं इसका आंसर आप लोग दो मैं नहीं दूंगा आप दोगे इसका आंसर कॉमन सेंस से मुझे बता के कि पहले स्ट्रेन आया या पहले स्ट्रेस इसका आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लो उसको शेयर कर दो हर जगह अपने दोस्तों के बीच में हा ना इस क्वेश्चन को क्वेश्चन ऑफ द ईयर है कि पहले स्ट्रेन आया या स्ट्रेस ठीक है चलो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा पक्का कि इसका आंसर क्या है तब तक मैं आपके कमेंट बॉक्स में जवाब का इंतजार करूंगा आगे बढ़ते हैं आओ अब हमको टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन देखना है जितने टाइप की स्ट्रेसेस होंगी उतने ही टाइप के स्ट्रेन होंगे ठीक है जितने टाइप की स्ट्रेसेस होंगी उतने ही टाइप के स्ट्रेन होंगे आ जाओ स्ट्रेन मतलब वो स्ट्रेन नहीं जो भी कोरोना ओरोना के चल रहे हैं है ना वो स्ट्रेन नहीं चलो अप्लाइड ऑन बॉडी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन तीन टाइप के स्ट्रेसेज होते हैं और तीन टाइप की स्ट्रेन होती है पहला है डायरेक्ट और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेन डायरेक्ट स्ट्रेस है तो डायरेक्ट स्ट्रेन भी होगी क्या होती है डायरेक्ट स्ट्रेस में दो टाइप की स्ट्रेस होती है टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस अभी मैंने आपको बताया था देखो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मैंने एफ फोर्स लगाया अंदर देखा काट के मैंने क्या चल रहा है तो भाई बाहर की तरफ ये इसको खींचना चाह रहा, तो रहा, इस चा रहा है तो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लेकिन ये पार्ट कहीं जा थोड़ी ना रहा है ये तो वही रुका हुआ है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई बराबर होंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये वापस वैसे के वैसे बन जाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम है ठीक है ठीक है सर इस टाइप की स्ट्रेस को आप क्या बोलते हो देखो अगर आप इस एलिमेंट को देखो तो इस पर एक बाहर फोर्स लग रहा है और यहाँ देखो तो इस पर बाहर फोर्स लग रहा है लग रहा है कि नहीं लग रहा तो ये दोनों फोर्सेस क्या करना चाह रहे हैं खींचना चाह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को हाँ तो हम बोलेंगे कि ये टेंसाइल नेचर की स्ट्रेस है कैसी स्ट्रेस है टेंशन जनरेट करना चाह रही है तो ये टेंसाइल नेचर की स्ट्रेस है पक्की बात है हाँ सर दूसरा केस देखेंगे इसमें आप देखो कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो कैसा फोर्स लगा रहे हो दबाने की कोशिश कर रहे हो कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो जैसे ही आपने इसको कंप्रेस करने की कोशिश की तो ये देखो क्या कर रहा है अपोज कर रहा है इसको अपोज कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा देखो ये बाहर लग रहा था तो ये देखो बाहर इसको खींच रहा था है ना तो ये अंदर लग रहा है तो ये अंदर दबाने की कोशिश कर रहा है हाँ कि ना हाँ ठीक सिमिलरली यहाँ भी वैसा ही हो रहा है ना तो इसको हम बोलेंगे कि ये कैसा कैसी स्ट्रेस लग रही है ये लग रही है कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसी स्ट्रेस लग रही है ये कंप्रेसिव स्ट्रेस क्लियर पक्का हंड्रेड परसेंट हाँ सर हंड्रेड परसेंट है ना तो हमने डायरेक्ट स्ट्रेसेस के दो टाइप देख लिए एक तो टेंसाइल स्ट्रेस देख लिया और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस देख लिया एक बात याद रखना कि इसमें हम अभी वन डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं हम इसमें अभी वन डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं ऊपर के डायमेंशन में कोई भी चेंज हो हमें उससे लेना देना नहीं है पक्की बात है देखो ना लॉन्गिट्यूडनल तो लग रहा है देखो डायरेक्ट स्ट्रेस में हमेशा आपका जो फोर्स होगा वो लॉन्गिट्यूडनल लगेगा लॉन्गिट्यूडनल ठीक है अच्छा अगर मैं ऑब्जेक्ट ऐसा बना दूं ऐसा तो ये फोर्स लॉन्गीट्यूबनल बन जाएगा ये फोर्स क्या बन जाएगा लॉन्गीट्यूबनल तो आप फोर्स देखकर बता सकते हो कि कैसी स्ट्रेस जनरेट होने वाली है यहाँ पर कैसी स्ट्रेस जनरेट होगी यहाँ पर जनरेट होगी टेंसाइल स्ट्रेस और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में ऐसा फोर्स लगा दूँ तो ऐसा फोर्स लगा दूँ ये देखो तो कैसी स्ट्रेस जनरेट होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस हर बार सेक्शन काट काट के देखने की जरूरत नहीं है आप लगे हुए फोर्स को देखकर बता सकते हो कैसी स्ट्रेस जनरेट होने वाली है देखो ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगे हैं तो क्या जनरेट हुई टेंसाइल अंदर की तरफ लग रहे हैं तो क्या जनरेट हुई कंप्रेसिव स्ट्रेस ठीक यूनिट वही है यूनिट में कोई भी अंतर नहीं है चलो अब ये हो गई कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस की बात मैं आपसे पूछता हूं क्या ऐसे ही आप स्ट्रेन के बारे में बता सकते हो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं डायरेक्ट स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट स्ट्रेन में आपके ऑब्जेक्ट पर मान लो ये एफ फोर्स लगा ऐसा ही सेम ऑब्जेक्ट वही सेम ऑब्जेक्ट देखो वही सेम ऑब्जेक्ट एफ फोर्स लगाया आपने एफ फोर्स लगाने के बाद उसमें चेंज इन लेंथ आ गई क्या गई चेंज इन लेंथ आ गई बढ़ रहा है इसमें लेंथ बढ़ेगी कि घटेगी बढ़ेगी सर बढ़ेगी ये एल लेंथ थी एल लेंथ बढ़ के क्या बढ़ गई भाई डेल एल लेंथ आगे बढ़ गई ये देखो इतना लंबा हो गया खींच गया आगे है ना तो हम बोलेंगे ये टोटल एल प्लस डेल हो गया टोटल लेंथ अब कितनी हो गई एल प्लस डेल हो गई हाँ सर चलो तो हम बोलेंगे कि बताओ इसमें स्ट्रेन कितना है तो आप बोलोगे सर इसमें डायरेक्ट स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ लेंथ अपॉन ओरिजिनल की ठीक है और इसमें चेंज इन लेंथ क्या है पॉजिटिव है इसमें चेंज इन लेंथ क्या है पॉजिटिव अगर हम इस केस को देखें इस केस में आप क्या कर रहे हो ऑब्जेक्ट पर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो तो बताओ क्या होगा तो सर कंप्रेसिव फोर्स लगाने से पता है आपको क्या होगा कंप्रेसिव फोर्स लगाने से कुछ ऐसा होने वाला है देखिए सर ये आपके पास रॉड है इस पर आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया ये एफ ये एफ थोड़ी देर बाद मैं ये देखूंगा सर कि ये जो रॉड है ना सर जिसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी थोड़ी देर बाद वो इतनी हो जाएगी थोड़ी देर बाद वो इतनी बचेगी और ये कितनी होगी एल माइनस डेल एल होगी कि नहीं होगी हाँ सर तो क्या आप इसमें मुझे स्ट्रेन बता सकते हो कितना होगा तो आप बोलोगे हाँ सर इसमें मैं स्ट्रेन स्ट्रेन बता सकता होगा सर इसमें चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लेंथ चेंज इन अपॉन ओरिजिनल लेंथ तो ये हो L L. ये होगा माइनस डेल एल एल अपॉन नेगेटिव आएगी कैसी आएगी भाई नेगेटिव आने वाली है पक्का हंड्रेड परसेंट हाँ सर नेगेटिव आने वाली ये बताएगी कि आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया था इसलिए आपकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ से कम आ चुकी है और कितना चेंज आया है उसमें देखो कितना चेंज आएगा एल माइनस डेल एल माइनस एल ये कट जाएगा इससे तो बचेगा ये माइनस डेल एल अपॉन एल ये भी क्या है भाई हमारी डायरेक्ट स्ट्रेन क्लियर पक्का हंड्रेड परसेंट फोर्स कैसे है अभी भी लॉन्गिट्यूडनल है चलो सर समझ में आ गया बिल्कुल सर समझ में आ गया कोई भी दिक्कत इसमें हमको नहीं है चले तो जैसे डायरेक्ट स्ट्रेस पढ़ी वैसे ही हमने डायरेक्ट स्ट्रेन पढ़ी आओ आगे चलते हैं <laughs> अब देखो नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अब देखो इसको समझने की कोशिश करो हम आगे जाके पास्कल लॉ पढ़ने वाले हैं हम आगे जाके हाइड्रोस्टैटिक पढ़ने वाले हैं हम ये जानते हैं कि जब भी पानी में कोई ऑब्जेक्ट डाला जाएगा उस पर चारों तरफ से एक एक यूनिफॉर्म फोर्स लगेगा एक जैसा फोर्स लगने वाला है आई बात समझ में मान लो एक ऑब्जेक्ट है पास्कल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो एकदम सच है ये बात सुनो मेरा नाम ही सत्यम है मैं झूठ नहीं बोलूंगा ठीक है सर कैसी बात करते हो आपने इतना झूठ बोला होगा पहला ही सबसे बड़ा झूठ आपने बोल दिया कि आपका नाम सत्यम है और आप झूठ नहीं बोलते क्या सर सर क्या सार? चल। ये एक टैंकर था इस टैंकर में हमने क्या किया वाटर भरा और इस वाटर वाले टैंक में हमने क्या डाल दिया भाई एक ऑब्जेक्ट डाल दिया हमारा है ना आगे जाके हम इस चीज को पढ़ेंगे प्लीज है ना इसको दिमाग में मत ले लेना ले कि अरे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं है आगे जाके पढ़ेंगे तो देखो इस पर क्या होगा हर जगह से एक ऐसा फोर्स लगने वाला है एफ फोर्स सेम फोर्स हर जगह से लगेगा सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन देखो किस नेचर का है कंप्रेस तो कर रहा है कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है देखो दबाने की कोशिश कर रहा है हाँ तो 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 कि ना हाँ सर और आप ये भी देखो कि ये जो फोर्स लग तो रहा है ये हर छोटे छोटे डी एरिया में लग रहा है किस एरिया में लग रहा है हर छोटे छोटे डी एरिया में लग रहा है लग रहा है कि नहीं हर देखो हर छोटे छोटे एरिया में लग रहा है ठीक है ना हम जानते हैं हम जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है प्रेशर कहलाता है प्रेशर क्या होता है भैया प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है प्रेशर क्या होती है भाई एक स्केलर क्वांटिटी होती है देखो स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है बाबा डायरेक्शन की इसकी बात हम करते नहीं अगर मैं आपसे बोलूंगा कि इस बोर्ड पर प्रेशर लगाओ तो आप क्या करोगे सीधे हाथ लगा के दबा दोगे आपको मैंने बोला कि दबाओ इसको मैंने तो बोला प्रेशर लगाओ प्रेशर के साथ एक डायरेक्शन ऑलरेडी फिक्स्ड है दबाने की इसलिए हम बोलते हैं कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन और कुछ हो ही नहीं सकती अगर मैं इस बोर्ड पर बोर्ड को खींचने की कोशिश करूंगा तो प्रेशर थोड़ी ना लगा रहा हूं प्रेशर तो मैं हमेशा ऐसे दबा के लगाता हूं ठीक है प्रेशर क्या है स्केलर क्वांटिटी अब देखो ये फोर्स पर यूनिट एरिया ये फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स पर एरिया हर जगह मिलकर क्या बनाएगा एक प्रेशर बनाएगा क्या बनाएगा प्रेशर बनाएगा ठीक और इसके कारण क्या होगा इसके कारण ये होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसका शेप कुछ इस तरीके से कम हो जाएगा है ना ये उसका इनिशियल शेप था आई और ये उसका फाइनल शेप हो जाएगा कम हो गया क्यों कम हुआ क्योंकि चारों तरफ से उस पर एक यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा था देखो ये देखो ये देखो ये ऑब्जेक्ट है V वॉल्यूम का उस पर हर जगह से देखो F F F F F, F लगा उसका देखो शेप चेंज नहीं हुआ उसका शेप चेंज नहीं हुआ क्योंकि हर जगह से लगने वाला फोर्स एक जैसा था ना शेप चेंज नहीं हुआ हाँ ये बोल सकता हूं कि वो शेप वैसे का वैसे ही होकर कम हो गया कम हो गया तो उसका वॉल्यूम क्या कर गया गिर गया वॉल्यूम क्या कर गया गिर गया हाँ, ना? हाँ। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये कैसी स्ट्रेस हुई बाबा? कैसी स्ट्रेस स्ट्रेस हुई हुई बाबा जो नॉर्मली ऐसे लग रही है। पक्का फोर्स अपॉन एरिया अभी जो एफ फोर्स है इसके कारण एक रीस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट हुआ होगा तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस इज री फोर्स पर यूनिट एरिया इट इज नॉर्मल स्ट्रेस ठीक थीक। थीक। सर क्या डायरेक्ट स्ट्रेस एक नॉर्मल स्ट्रेस नहीं हो सकती बिल्कुल हो सकती है क्या डायरेक्ट स्ट्रेस एक नॉर्मल स्ट्रेस नहीं हो सकती बिल्कुल हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है आपके पास देखो ऑब्जेक्ट ऐसा है उस पर आपने ये फोर्स लगाया तो क्या ये इस सरफेस पे नॉर्मल नहीं है बिल्कुल नॉर्मल है इस सरफेस पे क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या ये नॉर्मल नहीं लग रही है बिल्कुल नॉर्मल लग रही है तो इसके द्वारा जो स्ट्रेस जनरेट होगी सिग्मा इज इक्वल्स टू

चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम तो मैं यहां लिखना चाहता हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से एप्सिलन वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ठीक है ओरिजिनल वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम चलो

ठीक अ बॉडी इज प्लेस्ड इन साइड फ्लुइड इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर फ्रॉम ऑल अराउंड है ना ये fluid की बात कर रहा है जब आप उसको फ्लूड में डालोगे तो क्या करेगा भाई यूनिफॉर्म प्रेशर पे होगा हर जगह से यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा होगा तो प्रेशर आप लिख सकते हो एफ ए ठीक और आप एपसिलन एप्सिलन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या लिख सकते हो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ठीक है ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ चलिए खुद ही लिख के बता दिया मैंने तो कोई जरूरत नहीं है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड टाइप का स्ट्रेस और थर्ड टाइप की स्ट्रेन थर्ड टाइप का स्ट्रेस है शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन ठीक है देखो नॉर्मल स्ट्रेस था लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस था तो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन थी नॉर्मल स्ट्रेस था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन थी और हमारे पास अब आ गया है शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन ठीक चलिए जब आप हुक्स लॉ पढ़ोगे ना तो हुक्स लॉ में मैं आपको इस चीज़ को और अच्छे से रिलेट करके बताऊंगा कि अच्छा ऐसा ये होता है इसमें ये होता है इसमें ये होता है अभी बस ओवरव्यू चल रहा है तो अभी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो ये सारी चीजें आपके सामने घूमकर फिर से आगे आने वाली हैं चलो वेन फोर्स एक्ट इन सच अ वे दैट इट चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी चलो अंग्रेजी ठीक है अच्छा लिखा हुआ है यार एग्जाम्पल देखो मान लीजिए एक एक बुक है क्या है एक मोटी सी बुक है बुक रखी है क्या यहाँ पर नहीं चलिए अभी यहाँ मोटी सी बुक नहीं है तो कोई बात नहीं मान लीजिए चलो ये आप इसको इसको एक बुक मान लीजिए ठीक है ना ये रखी हुई है किसी सरफेस पे मैंने इसको इसे फिक्स कर दिया है सरफेस पे फिक्स कर दिया है और इस पर ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ क्या लगा रहा हूँ टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या होगा देखो ये रखी हुई है एक बुक इस पर मैंने क्या किया ये फोर्स की डायरेक्शन गलत लगी हुई है भैया ये फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल सरासर गलत है हम इस फोर्स को नहीं देखेंगे हम यहाँ देखेंगे ये जो टेंजेंशियल फोर्स लगा हुआ है कहाँ लगा हुआ है टेंजेंशियल सरफेस से टेंजेंट छूते हुए छूते जाते छू कर जाते हुए ये देखो एफ फोर्स लगाया एफ टी फोर्स बोलूंगा मैं इसको ये सरफेस पर लगा यह क्या कर रहा है डिफॉर्म कर रहा है देखो ये क्या कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के शेप को डिफॉर्म कर रहा है पहले ऐसा था क्यूब अब देखो रेक्टेंगल है ये तो हमारा क्यूबॉइड ऐसा था और इसके बाद वो ऐसा हो गया उसका जो ये वाला फाइबर था ये वाला जो फाइबर था वो ऐसा चला गया देखो आप ये फाइबर ऐसा था मान लो उसका नाम दे देते हैं ओ ए तो ये ओ ए डैश बन गया है ना ये फाइबर ऐसा था ये फाइबर ऐसा हो गया तो कितना एंगल हो गया ये मान लिया हमने फाई एंगल इसी को हम बोलते हैं क्या इसी को हम आगे जाके बोलेंगे शेयर स्ट्रेन क्या बोलेंगे हम इसको शेयर स्ट्रेन चलिए बात की बात है वो तो पहले शेयर स्ट्रेस समझे क्या है तो देखो बाबा शेयर स्ट्रेस मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोला जाता है इसको शेयर स्ट्रेस को आप क्या बोलते हो टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हो शेयर स्ट्रेस को आप क्या बोलते हो टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हो टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हो है ना हाँ ठीक है क्यों बोलते हो क्योंकि इसमें टेंजेंशियल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ना तो शेयर स्ट्रेस को आप बताते हो से और वो होता है एफ टी अपन जिस एरिए वो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा हो तो वो किस एरिए लग रहा है वो इस एरिए लग रहा है देखो ये है दिस इज दी दिस इज दी तो शेयर स्ट्रेस इज नथिंग बट एफ टी बाय एसी पक्का हाँ सर इसकी यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट भी होने वाली है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है शेयर स्ट्रेस लगने से किस टाइप का स्ट्रेन आएगा शेयर स्ट्रेन आएगा और वो कैसा है वो ऐसा है देखो डिफॉर्मेशन जो हुआ है ना फाइबर में जो डिफॉर्मेशन हुआ है ये फाइव शेयर स्ट्रेन पक्का हाँ सर देखो फाइव ठीक है फाइव जो है शेयर स्ट्रेन है हमारा या आप इसको बोल सकते हो इज शेयर स्ट्रेन शेयर स्ट्रेन जिसको आप कैसे निकाल सकते हो टेन फाइव इज इक्वल टू टेन फाइव टू perpendicular upon base dl upon l dl l upon l this is the total length l ठीक है dl upon l tan phi is equals to change in length upon l clear समझ में आया हाँ सर समझ में आ गया अच्छा ये जो phi आपको मिलेगा ये किस में मिलेगा भाई रेडियन में किस में रहेगा ये रेडियन में हाँ जो पुट करोगे आप तो याद रखना आपको किस में पुट करना है रेडियन में पुट करना है पक्की बात है सर पक्की बात है चलो तो यहां हम समझ गए सबसे अच्छी बात कि तीन टाइप की स्ट्रेस है हमारे पास और तीन टाइप की स्ट्रेन है हमारे पास ठीक है ना एक है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है ना इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में आपके टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाती है ठीक है उसके बाद क्या था भाई उसके बाद हमने देखा कि हमारे लिए एक नॉर्मल स्ट्रेस भी था है ना? उसको आप प्रेशर बोल रहे थे वहाँ पर, क्योंकि वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की हमने बात कर ली एंड थर्ड हमने बात कर ली शीयर स्ट्रेस एंड शीयर स्ट्रेन की

आपका फाइबर कैसे था पहले ऐसे था ये देखो ये फाइबर था है ना इस पर आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो फाइबर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से खिसक कर डिफॉर्म होकर कुछ फाइव एंगल बना रहा था कि ना मतलब वो बेस से क्या था बेस से फिक्स था उसका जो नीचे वाला फेस था वो उन्हें फिक्स कर दिया था और ऊपर वाला फेस उसका आगे जा रहा है देखो ऐसे आगे जा रहा है मान लो मेरे पैर फिक्स कर दिए और मैं ऐसे आगे जा रहा हूँ ठीक मेरे पैर ऐसे फिक्स कर दिए और मैं ऐसे आगे जा रहा हूँ मैं ऐसे आगे जा रहा हूँ मैं ऐसे आगे जा रहा हूँ आई बात समझ में हाँ सर तो वही चीज़ मुझे याद आई कि ऐसा तो मैंने कहीं देखा है तो देखो भाई ये देखो आप कौन भाई साहब देखो क्या कर रहे हैं ये हो रहा है शीयर स्ट्रेन देखो ये फाइबर था ओरिजिनल फाइबर आ? नहीं आ है नहीं आया समझ में अभी आएगा देखो ये देखो ये देखो ये था ओरिजिनल फाइबर और ये है आपका देखो, देखो 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 ये है आपका डिफॉर्म्ड फाइबर ये क्या बना फाइव हा कि ना हाँ तो लाइफ में हर जगह आप देखोगे ना तो आपको फिजिक्स दिखाई देगी माइकल जैक्सन साहब को ही नहीं पता होगा कि शेयर स्ट्रेन है भैया शियर स्ट्रेन आ रहा है वो खुद ही नहीं जानते होंगे चलिए भाई कोई बात नहीं नहीं जानते थे तो हम तो जान गए हैं आगे बढ़ते हैं अब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी की हमको बात करनी है बाबा मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है हमको तो यही नहीं पता अच्छा आपको यही नहीं पता तो अभी आपने हुक्स लॉ नहीं पढ़ा हाँ आप पढ़ोगे तो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी को जान जाओगे चलो तो मैं आपको यहां पर एक ब्रीफ इंट्रो इंट्रो दे देता हूं कि देखो जो स्ट्रेस होती है अरे पीले कलर का पेन कैसे दिखेगा सर हमको लाल पेन दिखाओ लाल पेन देखो चलो आओ तो मैंने आपको ये बताया कि जो स्ट्रेस होती है ना बाबा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन क्यों सर बाबा जितना ज़्यादा स्ट्रेन आप लेकर आओगे जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन आप लेकर आओगे मटेरियल उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा उतना ज़्यादा री फोर्स जनरेट करेगा तो उतने ज्यादा री फोर्स पर यूनिट एरिया को आप स्ट्रेस बोलोगे तो जितना ज़्यादा आप स्ट्रेन लाने जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करोगे मुझे जितना ज़्यादा मेरे हाथ को आप खींचोगे मुझे उतना ज़्यादा दर्द होगा समझ रहे हो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है दोनों चीज़ें ऐसा बोलते हैं कि भाई आप जितना ज्यादा अपने आप को लटका के रखोगे वॉलीबॉल खेलोगे तो आप लंबे हो जाओगे ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि लटको बहुत ज्यादा लटका करो तो उससे आप लंबे हो जाओगे बोलते हैं आपके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा आप लंबे हो जाओगे हाँ हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने आप जब लंबे हुए तो आपने आपके अंदर स्ट्रेन आया आया कि नहीं आया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ आया कि नहीं आया स्ट्रेन आया और जब आपके अंदर स्ट्रेन आ रहा था तो आप जब लटकते थे तो आपके हाथों में दर्द होता था हाँ सर होता था वो क्या था वो स्ट्रेस था आपके जॉइंट्स पर स्ट्रेस आता था क्योंकि आप लटकते थे आई मेरी बात समझ में, में आप लंबे हो रहे हो आप में स्ट्रेन आ रहा है और स्ट्रेन आने के कारण क्या जनरेट हो रहा है स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पहले स्ट्रेन आती है या पहले स्ट्रेस तो आंसर है हमेशा पहले स्ट्रेन आती है और स्ट्रेन को रजिस्ट करने के लिए स्ट्रेस आता है याद रखना पहले स्ट्रेन आती है और स्ट्रेन को रोकने के लिए क्या आता है स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और हुक्सलो जब हम लगाएंगे तो हम बोलेंगे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से इसको हम एप्सलन से तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सलन है ना और जब हम ये प्रपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे इक्वलिटी का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा इज इक्वल्स टू ई एप्सलन ठीक है ये जो ई e है ये जो कैपिटल ही है इट इज मॉड्यूलस ऑफ इट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स इलास्टिसिटी ये बोल सकते हैं ये बोलना। ना? ये ब्रीफ इंट्रो है जब ह्लॉप आपको लेकर चलूंगा तो और अच्छे से बताऊंगा बस आप इतना समझ गया कि दिस इज यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी और यह स्टील का ज्यादा होता है कि रबर का ज्यादा होता है यह स्टील का ज्यादा होता है बता चुका हूँ मैं आपको ठीक है चलो बात करते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी बाई तीन टाइप की स्ट्रेसिस थी

है ना मैं इसको ई भी लिख देता हूँ कई कई बुक्स में आपको ई वाई भी लिखा हुआ मिलेगा है ना तो डरने की बात नहीं है आप जो चाहो वो प्रोनाउंस कर सकते हो तो चलो ई बोलो या वाई बोलो इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यार बाज मान लो आपके पास एक रॉड है और वो ऐसे छत से लटक रही है रॉड है और ये छत से लटक रही है लटकते लटकते लटते एक साल हो गया इसको एक साल से लटकी हुई थी मैंने एक साल बाद देखा तो ये रॉड इतनी लंबी हो गई ठीक है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें लगातार इसका वेट एम जी एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ हाँ सर नीचे की तरफ इसमें एम जी एक्ट कर रहा होगा जिसके कारण डिफॉर्मेशन आया होगा ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि ये फोर्स ये फोर्स इसको अगर आप बोल दो ये फोर्स इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर मैं डिवाइड करूँ देखो इस फोर्स के कारण क्या हुआ होगा मटेरियल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट हुआ होगा तो एक स्ट्रेस जनरेट हुई होगी की ना? हाँ, सर. तो इसलिए मैं, यहां पर की क्या दूंगा? दूंगा, मैं बार बार बता चुका हूं ठीक है ये बन गई क्या स्ट्रेस कैसी स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है कैसी स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करें स्ट्रेन आएगा क्या बिल्कुल आएगा ओरिजिनल दिस इज दी ओरिजिनल ये क्या है दिस इज चेंज इन लेंथ दिस इज चेंज इन लेंथ तो आप स्ट्रेन भी बता सकते हो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ करके दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन स्ट्रेन में आप सिर्फ और सिर्फ अलोंग द लेंथ डिफॉर्मेशन देखते हो हो सकता है कि लंबा होने के बाद लंबा होने के बाद ये जो रॉड है पतली भी हो गई होगी क्योंकि वॉल्यूम कंजर्वेशन होता है भाई कोई चीज अगर लंबी हुई है तो मटेरियल कहां से आया होगा वो रॉड चौड़ी से पतली हुई होगी इसलिए लंबी हुई है वॉल्यूम कंजर्वेशन लेकिन हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं हम बोल रहे हैं कि थोड़ा कम ही डिफॉर्मेशन आया है थोड़ा कम ही लंबी हुई है हमारी रॉड इतनी कम लंबी हुई है कि कोई उसमें कोई उसमें पतलापन नहीं हुआ होगा आई बात बात समझ में तो जब भी आप स्ट्रेन की बात करते हो आप उसके शेप में चेंज नहीं लाते आप सिर्फ उसकी लेंथ लेंथ में द चेंजेस को देखते हो ठीक है तो चलो मेरी बात वापस आ जाता हूं अपनी बात पर कि मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन यहां पर जो मैंने आपको बातें बताई थी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ये जो मैंने आपको बताया था ये लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस था ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था ठीक है पक्की बात हां सर चलो ओके ये हमको समझ में आ गया इससे हमको क्या मिलता है मॉड्यल ऑफ इलास्टिसिटी अच्छा यूनिट क्या होती है तो सर देखो आपने बोला स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन स्ट्रेस की यूनिट आप बोलते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है सर स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं हाँ सर लिख सकते हो स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस हो सकता है होता है तो ई e की यूनिट क्या आएगी सिग्मा अपॉन एप्सलन के बराबर इसकी तो कोई यूनिट नहीं है तो हम बोलेंगे ई e की वही यूनिट होती है जो स्ट्रेस की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि मेगा पास्कल सॉरी पास्कल है ना न्यूटन पर मीटर पक्का 100 परसेंट ये एक कांस्टेंट है व्हाट दिस इट अ प्रपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चलो <coughs> बात हो गई किसकी भाई यंग्स ऑफ इलास्टिसिटी की आगे बढ़े हाँ सर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है बल्क मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे रिप्रेजेंट करते कि e ओ, 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 e नहीं बोला कब बोला जब लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस लग रहा था लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन होती थी ठीक है अब केस बदल गया है अब अब केस ऐसे बदला है कि बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी में आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूड के अंदर डाल दोगे किसी लिक्विड के अंदर डाल दोगे क्या होगा आपको पता है उस उस लिक्विड लिक्विड को, को ऑब्जेक्ट जो सराउंड करेगा, वो हर जगह तो प्रेशर आ जाएगा ठीक डिवाइडेड बायोगिट्यूडल स्ट्रेस था लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन थी यानी कि डेल एल बाय था हाँ की ना हा कि ना हाँ सर यहां पे यहाँ पे क्या आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा ठीक आई आए बात समझ में बाबा आपने ऑब्जेक्ट को डाला है पानी के अंदर फ्लूड के अंदर लिक्विड के अंदर तो वहाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा ना मैंने अभी आपको बताया था हाँ सर तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम और एक बात बताओ जब ऑब्जेक्ट पर आप बाहर से यूनिफॉर्म प्रेशर लगाओगे तो ऑब्जेक्ट का शेप साइज कम होगा ना कि बढ़ेगा कम होगा तो ये डेल्वी क्या आने वाला है नेगेटिव आने वाला है तो नेगेटिव के पहले मैं एक नेगेटिव लगा दूंगा तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि हमको कॉन्स्टेंट पॉजिटिव चाहिए क्योंकि हमको कॉन्स्टेंट क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए नहीं आई बात समझ में फिर से समझाता हूँ इलास्टिक मॉडल यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी होता था सिग्मा अपॉन एप्सल ठीक सिग्मा की जगह क्या आपने रखा सिग्मा की जगह आपने प्रेशर रखा नॉर्मल स्ट्रेस आ गई प्रेशर आ गया ठीक है तो आपने उसकी जगह क्या रखा प्रेशर रखा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जगह यहां पर क्या आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्योंकि आपने उसको लिक्विड के अंदर रखा है उसका शेप साइज चेंज शेप चेंज नहीं होगा लेकिन उसका साइज कम हो जाएगा छोटा हो जाएगा छोटा हो जाएगा हर जगह से यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है छोटा हो जाएगा कि नहीं हाँ तो वॉल्यूम उसका कम होगा वॉल्यूम क्या ये डेलवी की वैल्यू क्या आने वाली है नेगेटिव आने वाली है लेकिन भैया ये कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू नेगेटिव थोड़ी ना ले सकते हैं तो हम पहले से एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए तो ये होता है ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहां होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आप क्या लिख सकते हो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम पहले से एक माइनस लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा बल्क ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉड्यस ऑफ इलास्टिसिटी आई बात समझ में हाँ सर अब समझ में आया तो दिस इज बल्क मॉड्यस ऑफ इलास्टिसिटी क्या यूनिट होती है इसकी के की यूनिट भी होती है भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों क्योंकि ये तो डायमेंशन है पक्का हाँ सर अब, अब देखो क्या होता है एक चीज होती है कंप्रेसिबिलिटी बीटा एक होती है कंप्रेसिबिलिटी बीटा बीटा क्या होता है बीटा इज नथिंग बट वन अपॉन के बीटा इज नथिंग बट वन अपॉन के ये देखो कंप्रेसिबिलिटी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडिलस ऑफ द मटीरियल ऑफ द बॉडी है ना कोई बॉडी कंप्रेसिबल है या नहीं है ये आपको किससे पता चलता है कंप्रेसिबिलिटी से किससे पता चलता है कंप्रेसिबिलिटी से सॉलिड के लिए कंप्रेसिबिलिटी एकदम बहुत, बहुत 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 नहीं कम होती है बिल्कुल नहीं होती कंप्रेसिबिलिटी गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है हाँ कि ना हाँ सर पक्की बात है पक्की बात है सर तो आप देखो कि जब आपकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होगी तो बल्क मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगा है ना मतलब अगर आपसे पूछूँ स्टील की कंप्रेसिबिलिटी बताओ तो आप बोलोगे स्टील की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है अब दूसरे ऑब्जेक्ट के देखोगे तो उसकी जैसे गैस की लोगे तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी उसका बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा आई बात समझ में ठीक है सर ठीक है सर ओके आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पे आपने दो देख लिया भाई एक देख लिया आपने यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ई और एक आपने देखी लिया बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी के दोनों की यूनिट है सेम चलो थर्ड हम देखते हैं शियर मॉडल यानी कि जी इसको आप रिप्रेजेंट करते हो जी से ठीक है इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो जी से इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन इसको मैं बोलता हूँ फाइव क्या बोलता हूँ इसको मैं फाइव फाइव इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन यानी कि टाउ अपॉन सॉरी सॉरी इसको मैं बोलता हूँ जी और इसको मैं बोलता हूँ फाइव ठीक है तो जी इज नथिंग बट टाउ अपॉन फाइव अब यहां पर एक चीज आपके सामने आएगी आंखों के सामने तीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसको आप शेयर मॉडुलस भी बोलते हो जब आप हुक्स लॉ पढ़ोगे ना जब आप हुक्स लॉ पढ़ोगे ध्यान से देखना जब आप हुक्स लॉ पढ़ोगे तो आपके सामने ये रिलेशंस आएंगे देखो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन लोंगिट्यूडनल स्ट्रेस लोंगिट्यूडनल स्ट्रेन ठीक और 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 पी इज इक्वल्स टू के डेल वी अपॉन वी माइनस के साथ माइनस डेल वी अपॉन वी ठीक है पक्की बात है या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं एप्सलन वी भी तो लिख सकता हूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ना यह हमारा कॉन्स्टेंट हो गया यह हमारा कॉन्स्टेंट हो गया और तीसरा क्या बचा तीसरा हमारा बचा टाउ इज इक्वल टू फाइव टू जी हा कि ना ठीक है ना अब यह मत सोचना कि यहां माइनस क्यों आ रहा है क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नेगेटिव आने वाली थी इसलिए यहां पर पहले से माइनस लगा दिया गया है ठीक है पक्का हाँ सर ये सब आप कहाँ पढ़ोगे ये सब आप पढ़ोगे जब आप हुक्स लॉ देखोगे क्या देखोगे जब आप हुक्स लॉ देखोगे है है ना अभी आपने पढ़ा नहीं है। हुक्स लॉ इसलिए मैं पहले से नहीं बताना चाहता ये सारी चीजें आप समझ जाओ कि हुक्स लॉ से आने वाली है ठीक है हाँ सर चलिए तो हमने देखो बेसिक बेसिक नॉलेज तो गेन कर ली है कि क्या होता है कौन सा क्या होता है शेयर स्ट्रेस क्या होता है स्ट्रेस क्या होता है स्ट्रेन कितने टाइप के शेयर स्ट्रेसेस होते हैं सॉरी कितने टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं कितने टाइप के स्ट्रेन होते हैं कैसे देखना है कैसे निकालना है <kutak> कितने टाइप के मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं मैं आपको जब स्ट्रेस ट्रेन कर पढ़ाऊंगा ना जब माइल्ड स्टील का यू पर हम टेस्ट करेंगे वॉट इज यू सर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक मशीन दिखाई थी उसमें क्या बना हुआ था एक मशीन बनी थी उसके बीच में हम एक स्पेसिमेन फंसाते हैं स्टील का और वो खींचता है उस स्पेसिमेन को है ना तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का हम क्या बनाते हैं डायग्राम बनाते हैं वहाँ मैं बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉलिड पजेस ऑल द थ्री मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है ना सॉलिड के पास तीनों टाइप के ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं दूसरी पॉइंट पॉइंट दूसरा point ये पतला ला, 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 पतला क्यों हो गया है मुझे चाहिए मोटा पहला पॉइंट हो गया दूसरा लिक्विड एंड गैसेस ओनली बल्क मॉड्यस जो लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बल्क मॉडुलस होता है ठीक है फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विल बी जीरो देखो पता है हमको कि कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड अगर है तो उसमें स्ट्रेन नहीं आ सकता उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आ सकता तो उसका स्ट्रेन क्या होगा जीरो होगा ठीक है ऑफ इलास्टिसिटी विल बी जीरो विल बी विल बी विल बी विल बी विल बी नहीं जीरो नहीं बाबा देखो अगर हम बात करें मॉडलॉस ऑफ इलास्टिसिटी की तो अगर आपका स्ट्रेन जीरो हो जाए स्ट्रेन जीरो हो जाए तो आपकी मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी एक्सट्रीम इन्फिनिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी बिल्कुल अरे बाबा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू ये देखो अगर स्ट्रेन जीरो हो गया तो ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी इनफनाइट हो जाएगी हाँ सर ठीक है थर्ड पॉइंट शेयर अकर्स इन केस ऑफ ट्विस्टिंग कटिंग एंड टीयरिंग जब भी आप ट्विस्ट करोगे किसी चीज को कट करोगे और क्या करोगे टीयर करोगे तो क्या आने वाला है भाई शेयर आने वाला है ना पक्की बात है हाँ सर पक्की बात है ठीक चलो नेक्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल गेट अफेक्ट बाई देंट पॉइंट है पूछा जा सकता है क्वेश्चन में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि इलास्टिसिटी मटेरियल की किन किन चीजों से अफेक्ट होती है तो भाई हैमरिंग करने करने से रोलिंग से इंक्रीज होती है अगर आप बात करो इलास्टिसिटी की हैमर करो हैमर करो उसको रोलिंग में रोलर्स के बीच से निकाल के ले जाओ तो उसकी क्या हो जाती है इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है दूसरा एनलियंग करो एनलियंग प्रोसेस होती है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है क्या होती है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है एनलिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट चेंजेस द फिजिकल And sometimes also the chemical properties of material to increase ductility and reduce the hardness. Ductility को increase करने के लिए hardness को कम करने के लिए क्या करते हैं हम annealing करते हैं इससे क्या होता है crystals form होते हैं Large बड़े बड़े crystals form होते हैं और इससे क्या हो जाती है elasticity decrease हो जाती है Next point प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज अगर आपका मटीरियल बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज से मिलकर बना है तो भी उसकी इलास्टिटिस क्या हो जाती है डिक्रीज जाती है या इंक्रीज भी हो सकती है भाई इंप्योरिटी हमेशा गंदी नहीं हो सकती होती हो सकता है कोई ऐसा मटेरियल आपने मिला दिया जिसके कारण उसकी इलास्टिसिटी बढ़ इलास्टिसिटी बढ़ गई बट तब भी वो क्या कहलाएगी इम्प्योरिटी कहलाएगी क्योंकि वो मटेरियल ना बाहर से आई हुई है ठीक है तो इम्प्योरिटी क्या कर सकती है इंक्रीज भी कर सकती है डिक्रीज भी कर सकती है ज्यादातर केसेस में डिक्रीज करती है ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द मिक्सिंग मटीरियल आप कैसा मटेरियल मिक्स कर रहे हो अगर वो अच्छा खासा इलास्टिक मटीरियल जिसको आपने मिक्स कर दिया है तो इलास्टिसिटी को बढ़ा देगी इम्प्योरिटी चलो नेक्स्ट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलास्टिसिटी ऑफ मोस्ट द मटेरियल इंक्रीजेस अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इलास्टिसिटी मोस्ट ऑफ द मटेरियल की क्या करती है डिक्रीज कर जाती है सॉरी क्या कर जाती है डिक्रीज कर जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से इलास्टिसिटी डिक्रीज कर जाती है पक्का हंड्रेड परसेंट हाँ सर हंड्रेड परसेंट देखिए ये जो न्यूमेरिकल है इसको मैं एक क्वेश्चन तो ठीक है आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया गया लेकिन ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला भी है क्या है भाई ये ये एक फॉर्मूला भी है तो आप प्लीज इसे अपनी कॉपी में या अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे है ना ये एक फॉर्मूले की तरह इमर्ज होगा और आपको हर जगह यूज होगा ठीक है ना आर्टिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको कि आपको हर जगह काम आएगा क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द एक्सटेंशन इन अ वायर ऑफ लेंथ मैं वायर नहीं लूंगा मैं रॉड लूंगा वायर रॉड एक ही बात है मतलब फॉर्मुला एक ही रहेगा फाइंड एक्सटेंशन इन अ रॉड ऑफ लेंथ एल एरिया ए मास एंड एंड यंग्स इलास्टिसिटी डेंसिटी रो अंडर इट्स ओन वेट बाबा आपको मॉड्यस ऑफ इलास्टिसिटी गामा के फॉर्म में भी दी जा सकती है ना तो घबराना नहीं मैं उसको मैं उसको ई लेकर चलता हूँ यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी को चलिए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सॉल्व क्या करने से पहले पहले कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो समझेंगे मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले ये एक रॉड है आपकी है ना ये रॉड है ठीक है नहीं सर अच्छी नहीं बन रही इसको आप पतले पेन से ही बनाओ तो काम की रहेगी चलो तो मैं ये रॉड बना रहा हूं देखो ठीक है ओके ये यहाँ से क्या है भाई फिक्स जैसे लटकी हुई है कोई रॉड है आपने उसको सीलिंग से क्या कर दिया है लटका दिया है लटकाने के बाद आप छः महीने बाद आए आपने रॉड को लटका दिया लटकाने के बाद आप छः महीने बाद आए आपने देखा कि यार आप तो कोई फोर्स लटका आप तो कोई फोर्स इस पर लगा नहीं रहे थे लेकिन छह महीने बाद जब आप आए तो इस रॉड की लेंथ अपने आप बढ़ गई है भले ही थोड़ी बड़ी होगी लेकिन बढ़ गई है इतनी बढ़ गई है कि आप अगर नापोगे तो आपको एरर पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ, इतना ज्यादा इसमें सिग्निफिकेंट चेंज आ गया है आपको दिखेगा तो आपने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि ऐसा क्यों हुआ है इस पर और कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा था फिर आपने सोचा कि अरे हाँ इस पर एक कंटिन्यूस फोर्स तो लगातार लग रहा है जो इसका खुद का क्या है वेट है जो इसका खुद का क्या है भाई वेट है ठीक है ना वेट डब्ल्यूज इक्वल्स टू एम जी

सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो सिग्मा फॉर स्ट्रेस बाबा है ना स्ट्रेस स्ट्रेस बाबा नहीं स्ट्रेस एंड एप्सलन स्टैंड फॉर स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ठीक है सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो सिग्मा को आप लिख सकते हो एफ फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हो कि नहीं फोर्स अपॉन एरिया ठीक है इज इक्वल्स टू ई इंटू एप्सलन को आप क्या लिख सकते हो डेल एल अपॉन एल डेल एल अपॉन एल देखो ध्यान से सुनना डेल एल इज नथिंग बट डिफॉर्मेशन या extension, या elongation, या एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है चेंज चेंज इन इन लेंथ लेंथ है है दिस इज यानी कि ये डिफॉर्मेशन इसको मैं डेल लेता हूं क्या लेता हूं डेल से रिप्रेजेंट करता हूं कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है तो चलो मैं डेल एल को क्या लिखता हूं डेल ठीक दिस इज डिफॉर्मेशन दिस इज चेंज इन लेंथ है ना यहां पे ड्रॉ करके आपको बता दूं क्या मैं चलिए ड्रॉ करके बता देता हूं ये इतना इतना इलोंगेट हो गया ठीक है दिस इज वॉट दिस इज डेल डेल इज नथिंग बट डेल एल एंड दिस इज ओरिजिनल लेंथ एल आई बात समझ में ठीक है सर तो यहां से आप देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितना डिफॉर्मेशन आया कितना इलॉन्गेशन आया कितना कॉन्ट्रैक्शन आया आपको डेल निकालने को पूछा जाए तो इसका एक फॉर्मूला बनता है देखो आप क्या डेल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए ई बना कि नहीं बना हाँ सर बना ना और अच्छे से बना ये देखो डेल इक्वी फॉर्मूला बना मतलब इससे आप किसी भी बॉडी पर लगने वाले फोर्स से उसमें कितना बॉडी में इलांगेशन आया या कंप्रेशन आया निकाल सकते हैं कैसे देखो अगर मैं आपको एक रॉड दे दूं ऐसे देखिए ध्यान से देखिए रॉड का एरिया ए है लेंथ एल है मॉडल ई e है ठीक इस पर मैंने फोर्स लगा दिया एफ और आपसे पूछा कि बताओ एफ फोर्स लगाने के बाद इसमें कितना इलांगेशन आया होगा तो आप बोलोगे एलोंगेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है सर हमारे पास एफ एल अपॉन ए क्या है एफ एल अपॉन ए ठीक है पक्की बात है हाँ सर पक्की बात है लेकिन ये आप तभी लगा सकते हो जब आपकी जो बार हो वो क्या हो प्रिजमेटिक हो कंटिन्यूस हो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ के साथ चेंज ना हो ठीक है ना

इतना अगर आपको समझ गया आ गया हो तो हम आगे बढ़े हाँ सर आगे बढ़िए डिफॉर्मेशन <coughs> निकालने के लिए आप फोर्स की वैल्यू पुट करो लेंथ रखो एरिया रखो और क्या रखो मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी रखो आपको डिफॉर्मेशन मिल जाएगा ठीक है ठीक है जैसे ही मैंने आपको यह बताया आपका दिमाग चलने लगा आपने बोला कि सर 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 यहां भी आप देखिए ये रॉड है इसकी लेंथ एल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है इसका मास एम दिया हुआ है इस पर देखिए फोर्स लग रहा है एम का वेट जो है वो एक टाइप का फोर्स ही तो है वेट जो है सर वो यहां पर एक लौता एम लग रहा है वो फोर्स ही तो है तो हम उससे सीधे सीधे एलोंगेशन निकाल सकते हैं ना सर ये डेल्टा एल निकाल सकते हैं डेल निकाल सकते हैं मैंने कहा कैसे तो आपने बोला डेल निकलेगा सर सीधे सीधे डब्ल्यू एल यानी कि डब्ल्यू की, की वैल्यू है एम जी एल बाय से मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो यार इसमें तो गलत नहीं है कुछ भी फोर्स इंटू एल अपॉन ए फॉर्मूला तो वही था है ना बार भी है फिर भी ये आंसर एकदम गलत है अगर आप ये आंसर जल्दी जल्दी में मार देते हो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आता ही आता है बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये आंसर आपका गलत हो जाएगा क्यों सर अभी तो आपने बताया था उसी हिसाब से तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया मेरी बात ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना जब मैं आपको प्रिजमेटिक बार दे रहा था जब मैंने आपको ऐसी एक सिलेंड्रिकल बार दे दी थी और उस पर एफ फोर्स लगा दिया था यहाँ से एक एफ फोर्स यहाँ से एफ फोर्स इसकी लेंथ थी कितनी टोटल एल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था ए मॉडल ऑफ इलास्टिसटी ई यहां पे जो एफ फोर्स है ये एक्चुअल में कांस्टेंट फोर्स है कैसा फोर्स है कांस्टेंट कांस्टेंट फोर्स 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 है नहीं है 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 वेरिएबल नहीं सर यहां भी भी तो ये ये लगातार लग रहा है. ये बात भी सही है. लेकिन आप ध्यान से सुनना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं मुझे बताओ कि इस अगर सिलेंड्रिकल बार को हम देखें जो ये लटकी हुई है छत से इसमें अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूं इतने पार्ट को देखूं मुझे बताओ इतने पार्ट में जो एलोंगेशन आएगा वो क्यों आएगा इतने पार्ट में इलोंगेशन क्यों चलो मैं इधर नहीं करता मैं बाजू वाले में करता हूं ठीक है ना इतने पार्ट में इलोंगेशन क्यों आएगा इतने पार्ट में अगर ये इतना पार्ट इलोंगेट हुआ है तो क्यों हुआ होगा क्योंकि सर उस पर नीचे वाला जो मास है इतना इतना जो मास लटका हुआ है वो इतने पार्ट को खींच रहा होगा इतने पार्ट को इतना सारा मास खींच रहा होगा तो यहां इलोंगेशन आया होगा बात समझ में आई हाँ सर ठीक है अच्छा अगर मैं आपसे कि इतने पार्ट में अगर मैं देखूं। इतने पार्ट में जो इलाशन आया है वो क्यों आया है तो क्यों आया होगा गया गया क्योंकि उसके नीचे इतना मास।, हुआ हुआ है। देखो, इतना, इतना मास लटका हुआ है तो आप मुझे बताओ इस वाले पार्ट में जो इलांगेशन आया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इतना सारा मास है और यहां जो इलांगन आया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इतना सा मास है तो कहां ज्यादा इलांगेशन आएगा ऊपर या नीचे तो आप बोलोगे सर ऊपर ज्यादा इलांगेशन आना चाहिए क्योंकि ऊपर वाले पार्ट को इलांगेट करने के लिए ज्यादा मास रिस्पॉन्सिबल है नीचे वाले पार्ट को इलांगेट करने के लिए कम मास रिस्पॉन्सिबल है मतलब मतलब यहां पूरे पूरे बार में इलागेशन अलग अलग आ रहा है आई मेरी बात समझ में पूरी बार में इलागेशन अलग अलग आ रहा है यहां पर एफ क्या कर रहा है वेरी कर रहा है आई मेरी बात समझ में यहां एफ क्या कर रहा है भाई वेरी कर रहा है अच्छा 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 भाई बात समझ में यहाँ पर एफ क्या कर रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है भाई इलोंगेशन सॉरी इलोंगेशन वेरी कर रहा है यहाँ इलोंगेशन कम यहाँ ज्यादा यहाँ ज्यादा इसलिए क्योंकि इसको इलांगेट करने के लिए इतना वाला मास लटका हुआ है है ना अब आप सोचो ना इसको इलोंगेट कराने के लिए इतना सारा मास रिस्पॉन्सिबल है इसको इलोंगेट कराने के लिए इतना ही मास रिस्पॉन्सिबल है मतलब पूरी लेंथ में इलोंगेशन एक जैसा नहीं है अलग अलग है हर x की डिस्टेंस पर हर एक्स डिस्टेंस पर आप जाओगे तो आपको इलांगेशन अलग दिखेगा x1 पे अलग दिखेगा x2 पर अलग दिखेगा x3 पर अलग दिखेगा तो ऐसे अलग x एक्स, एक्स डिस्टेंस पर आपको इलागेशन अलग अलग मिलने वाला है अच्छा 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 यहां क्या हो रहा था यहां ऐसा नहीं हो रहा था यहाँ कॉन्स्टेंटली लॉन्गेशन हर पार्ट पे आप जहां भी जाओगे वहां आपको छोटा छोटा एक जैसा एलॉन्गेशन थोड़ा थोड़ा मिलने वाला है अच्छा ठीक है सर ठीक है सर तो मतलब आपने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था डेल्टा निकालने के लिए एम जी एल बाई ए ई से उसमें जो एम वाला फोर्स था वो सिर्फ आपने यहाँ कंसिडर किया था बस यहाँ पे आपने लगा के सीधे पी एल बाई ए निकाल दिया और आपने देखा ही नहीं कि इसके ऊपर भी लॉन्गेशन वेरी कर रहा है तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन क्या लगाना पड़ेगा भाई इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा ठीक है तो चलो आओ इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं कि कैसे हम निकालेंगे इस फॉर्मूले को ये, इसके आंसर को देखो जब हमारा डिफ्लेक्शन एक्स के साथ वेरी करता है तो हमारा जो ये फॉर्मूला है एफ एल अपॉन ए ये बन जाता है एक्स डिस्टेंस के साथ एफ एक्स अपॉन ए, ए क्या बन जाता है सॉरी एफ डी एक्स अपॉन ए, -ए। नई बात समझ में आई बात समझ में अच्छा कोई बात नहीं आओ देखते मैंने आपसे ये बोला मैंने आपसे ये बोला कि भाई मुझे हर एक्स डिस्टेंस पर जाकर अब देखना पड़ेगा हर एक्स डिस्टेंस पर जाकर मुझे देखना पड़ेगा एलोंगेशन कितना है और हर एक्स के साथ एलोंगेशन जो आएगा उसको मैं बाद में ऐड कर दूंगा और मेरा फाइनल डिफॉर्मेशन निकल कर टोटल आ जाएगा तो मैं क्या करूं मैं यहां से चलता हूं एक्स डिस्टेंस ऊपर कितना ऊपर एक्स डिस्टेंस ऊपर चलता हूं और वहां एक एलिमेंट ले लेता हूं एलिमेंट काट लेता हूं कितना बड़ा छोटा सा है ना दिखाने के लिए बड़ा रख रहा हूं डी एक्स का एक्स डिस्टेंस ऊपर क्या काट लेता हूं एक एलिमेंट काट लेता हूं डीएक्स का और उसको स्टडी करता हूं कि कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है फिर मैं एक्स की वैल्यू कहां से कहां वेरी करा दूंगा एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इज इक्व टू एल तक वेरी करा दूंगा मैंने कहा फेयर इनफ बढ़िया है कुछ गलत नहीं कहा आपने चलो तो हमने बोला <coughs> जब प्रिज्मेटिक बार थी जब कॉन्स्टेंट फोर्स था प्रिज्मेटिक बार थी तो हमने F वाला जो फोर्स लगाया था वो पूरी प्रिज्मेटिक बार L पर लगाया था इसलिए आपका फॉर्मूला क्या आया एफ एल बाय ए आया एफ एल अपॉन ए, ए, ए आया ठीक है हाँ सर अब यहां पर हमारा जो एलिमेंट हो गया है वो बहुत छोटा सा हो गया है क्या हो गया एलिमेंट हमारा बहुत छोटा सा हो गया है देखो एलिमेंट मान लिया हमने ये छोटो सा एलिमेंट ये काटा इसको उठाकर लेकर आए ठीक है ना ऐसे काट के ऐसे उठा कर लेकर आए हमें चलो ऐसे मत उठाओ आप ऐसे उठा ले लो ये लेंथ का है ना चलो अब इसके नीचे इसको इलोंगेट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई इसको कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? है. है. है, है. तो है कि इस वेट के कारण ही इस वेट के कारण ही इसमें इलांगन आएगा आपने बोला हाँ बिल्कुल सही है हम जानते हैं इसकी लेंथ कितनी है भाई जो मास लटका हुआ है इसकी लेंथ है एक्स कितनी ठीक है ओके इसका आप इसका आप वजन निकाल सकते हो इसका वेट निकाल सकते हो डब्ल्यू डैश निकाल सकते हो कितना होगा हाँ सर निकाल सकते हैं कैसे सर हम जानते हैं मास इज इक्वल टू रो वी जी ए, मास बोल रहा हूँ मास इज इक्वल टू रो इंटू वी होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है है ना एंड वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है सर यानी कि रो वी इंटू जी होगा कहा बिल्कुल सही कह रहे हो वेट जो होगा वो रोवी जी होगा मास जो होगा वो रोवी होगा मैं आपसे इसका वेट पूछ रहा हूँ कितना पार्टी इस, इस, के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो है कितनी रो तो ये लिख दिया मैंने रो ठीक इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा एरिया आपको है, देखो एरिया तो क्रॉस सेक्शन सेम है अना? तो एरिया कितना है इसका इसका एरिया है एक्स तो वॉल्यूम कितना बना ए इंटू एक्स ठीक इतने ही पार्ट का वॉल्यूम चाहिए आपको तो ए इंटू एक्स बना हाँ सर ए इंटू एक्स बना ठीक है तो रो इंटू वी इंटू जी यह कर दिया हमने जी से मल्टीप्लाई तो हमारे पास उतना वेट आ गया जो रिस्पॉन्सिबल है इस डीएक्स लेंथ में इं, इलोंगेशन कराने के लिए हां सर ठीक है पक्की बात पक्की बात हां सर तो ये वेट आ गया आपके पास जो इलोंगेशन करा रहा है कितनी लेंथ में डीएक्स लेंथ में ठीक तो आपके पास देखो फोर्स आ चुका है वेट क्या है एक टाइप का फोर्स ही है अब वो एल लेंथ में लॉन्गेशन नहीं करा रहा अब वो डीएक्स में करा रहा है तो एल की जगह क्या रखेंगे डीएक्स रखेंगे ठीक है चलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट है ई e क्या है कॉन्स्टेंट है तो आओ हम निकालते हैं तो हम निकालने वाले हैं भाई डेल्टा एक्स एक्स के साथ जो वेरी कर रहा है वो क्या होगा वो होगा एफ डी एक्स अपॉन ए इंटीग्रेशन जो भी लिमिट आप पुट करोगे ठीक है चलो तो ये हो जाएगा यहां भी इंटीग्रेशन हम लगा देंगे तो ये टोटल टोटल डिफॉर्मेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन से कहा तक? 0 से L तक, 0 से L तक 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 एफ कितना है किसके बराबर बराबर है F बराबर है है के ना इस रो इंटू ए इंटू एक्स इंटू जी इंटू डी एक्स अपॉन अब देखो ए से ए कट गया रो कांस्टेंट जी कांस्टेंट ई e कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ठीक है आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा <laughs> कहा सॉल्व करूं यहां सॉल्व करता हूं तो टोटल डिफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू जीरो से लेके एल तक बाहर क्या क्या निकल जाएगा रो जी अपॉन ई तो रो जी अपॉन ई बाहर निकला एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जीरो से एल तक एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा तो टू भी आ जाएगा एक नीचे एक्स स्क्वायर और लिमिट चढ़ जाएगी कितनी लिमिट्स चढ़ जाएगी कितनी जीरो से लेके एल तक ठीक है तो ये हो जाएगा एल स्क् माइनस जीरो तो एल स्क् तो यहाँ फाइनल वैल्यू आपकी कितनी आ गई रोजी रोजी एल स्क्वायेर बाय टू ई रोजी एल स्क्वायेर बाय टू ई तो यहाँ पर फाइनल फार्मूला आपके पास आ गया है सेल्फ वेट के कारण किसी बॉडी का अगर आपको टोटल डिफॉर्मेशन निकालना हो तो वो होता है डेल्टी टोटल डिफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू रोजी एल स्क्वायेर अपॉन 2e ठीक पक्का अब आपको मैं कभी भी ऐसा बोलूं कि एक रॉड लटकी, लटकी हुई है प्रिज्मेटिक बार लटका हुआ है तो बताओ उसमें टोटल डिफॉर्मेशन सेल्फ वेट के कारण कितना आएगा तो आप बोलोगे ro g l स्क्वायर 2e ठीक ध्यान से सुनना इसमें कुछ कैच है क्या कैच है समझना देखो। देखो 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 देखो, देखो 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 अरे देखो 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 इसको तो क्लियर तो करना है ना भाई चलो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जब आपने प्रिज्मेटिक बार लटकाई जब आपने कोई कोई को, को, रॉड कोई किसी भी चीज को ऐसे लटकाया तो प्रिज्मेटिक थी नेचर में में ठीक तो आपने शुरू में बोल दिया था कि इसका वेट है एम के बराबर इसकी टोटल लेंथ है एल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी है ई e, तो जो टोटल डिफॉर्मेशन आएगा वो आपने क्या बोल दिया था एम जी एल अपॉन ए यही बोला था कि नहीं बोला था ये बोला था कि नहीं बोला था है ना जो कि क्या हो गया था गलत हो गया था अभी जो आपने फॉर्मूला निकाला है टोटल डिफॉर्मेशन का ड्यू टू सेल्फ कितना निकाला है रो जी एल स्क्वायर बाय अब ये फॉर्मूला के बीच में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन रिलेशन है कैसे देखना जरा मैं क्या कर रहा हूं देखना ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं वी से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं वी से ठीक रोवी जी क्या बनेगा रोवी जी क्या बनेगा एम जी यानी कि एम जी एम जी वेट बनेगा वेट बनेगा ठीक वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं एरिया इन लेंथ लिख सकता हूं हाँ एल से एल कट जाएगा तो टोटल डिफॉर्मेशन बोलूंगा टोटल इलांगेशन बोलूंगा कितना आया एम जी एल अपॉन टू ए फॉर्मूला देखो एम जी एल अपॉन ए और एम जी एल अपॉन टू ए क्या अंतर है आपने जो सीधे सीधे एम जी एल अपॉन ए लगा दिया था एक्चुअल में डिफॉर्मेशन उसका आधा है है ना तो आपने जो रैंडम डिफॉर्मेशन निकाला था रैंडम डिफॉर्मेशन निकाला था एम जी एल अपॉन ए या मैं बोलू इसको एम जी को डब्ल्यू बोल दू एम जी को डब्ल्यू बोल रहा हूं ठीक है तो डब्ल्यू एल अपॉन ए ये आपने रैंडमली देख के निकाल दिया था है ना और एक्चुअल में जो डिफॉर्मेशन आया डिफॉर्मेशन यानी कि इलांगेशन या कंप्रेशन बोल रहा हूं भाई अगर ये लंबी हो रही है जितना लंबी हो उतना हम डिफॉर्मेशन मान लेंगे जितना कम होगी उतना हम डिफॉर्मेशन मान लेंगे ठीक है ना तो रैंडम डिफॉर्मेशन आपका आया डब्ल्यू एल अपॉन ए और जब आपने एक्चुअली उसको सॉल्व किया तो वो कितना आया डब्ल्यू अपॉन टू टाइम्स ऑफ ए यानी कि रैंडम का आधा रैंडम का आधा पक्की बात है हाँ सर पक्की बात है तो ये गलती आपसे हो जाती है एग्जाम में आप सीधे सीधे लगा देते हो एफ एल अपॉन ए और अपॉन ए लगा के सीधे रैंडम निकाल लेते हो जबकि एक्चुअल में क्या आता है आधा आता है अपॉन आता है उसका आधा आता है अब मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए क्या वेरिएशन आ जाए मैं बोल दूं कि भाई एक रॉड लटकी हुई है और इस रॉड पर मैंने एक एफ फोर्स लगा दिया है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है मॉडिलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है और इस पर मैंने एक एफ फोर्स भी लगा दिया अब आप देखो कि ये जो रॉड है ये सेल्फ वेट के अंडर में भी इलागेट होगी और एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया है उसके उसके कारण भी लॉन्गेट होगी ठीक है तो इस केस में इस केस में आप टोटल डिफॉर्मेशन क्या लिखोगे आप टोटल डिफॉर्मेशन लिखोगे एफ एल अपॉन ए प्लस रो जी एल ए आई बात समझ में या डब्ल्यू एल अपॉन टू ए डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ठीक है ना तो ये हो जाती है चीज गलत और ये हो जाती है चीज एकदम सही ठीक है फॉर्मूला याद रहेगा याद रखना ही है याद रखना ही है चाहे आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से याद करो चाहे रोजी एल स्क्वायर बाय स्क् से याद करो ठीक है ना एक ही चीज है पक्की बात है पक्की बात है इसमें थ्योरी क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो कोई एक रॉड है जो सेल्फ वेट के कारण इलांगेट हो रही है और एक रॉड है वही सेम रॉड है उस पर मैंने एफ फोर्स लगा दिया है तो आप बताइए आप बताइए डब्ल्यू वेट लगा दिया है तो आप बताइए दोनों के बीच में जो इलागेशन है उसमें क्या रिलेशन होगा तो मैं बोलूँगा भाई आधा होगा डब्ल्यू ए एक जो है डब्ल्यू आपने वेट लगाया उसका होगा डब्ल्यू एल अपॉन ए और अगर आपने सेल्फ वेट किया तो उसका आधा हो जाएगा तो आपको रेशो निकालना पड़ेगा तो वन बाई टू या टू रेशो आ जाता है ठीक है समझ में आई बात हाँ सर तो फार्मूला आज से आपको याद रहेगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि कैसा है प्रिजमेटिक है और वो लटक रहा है सीलिंग से सेल्फ वेट के कारण उसमें आपको एलोंगेशन निकालना है सेल्फ वेट के कारण तो एलोंगेशन ही आएगा सेल्फ वेट के कारण एलोंगेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला है रोजी एल स्क्वायर बाई टू ई या डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ठीक है बढ़िया सर बढ़िया 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 आगे बढ़े हाँ सर आगे बढ़िए बहुत आगे बढ़िए चलो इसको सॉल्व कर इसको मिटा दूँ मिटा, दू। मिटा दीजिए सर आ जाइए

इस से लटका है एक दो के जी का मास दो के जी का मास और इससे मैंने लटका दिया है एक चार के जी का मास ठीक है ना दोनों एक ही स्ट्रिंग से लटके हुए हैं। अब बोल रहा है कि ये वाली जो वायर है ये वाली जो वायर है इसका आप मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया बताओ मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया बताओ इस वायर की जो स्ट्रेंथ है इस वायर के पास जितनी क्षमता है स्ट्रेस को झेलने की वो कितनी है भाई इसका मैक्सिमम स्ट्रेस आपको दे दिया है टू इंटू टेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैक्सिमम क्षमता है इसकी झेलने की मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इन दोनों मासस के कारण जितना वजन आएगा जितना फोर्स आएगा इन दोनों मासेस के कारण जितना फोर्स इस वायर पे आएगा उसको हम इस वायर के एरिया से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेस बन जाएगी वो जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए तो हमारी बात बन जाएगी ये बात समझ में फिर से रिपीट करता हूँ इन दोनों मासेस के कारण जो टोटल फोर्स आएगा किस पे इस वायर पे उस फोर्स को मैं इस वायर के अगर एरिया से डिवाइड कर दूं तो स्ट्रेस आ जाएगी हाँ सर स्ट्रेस आ जाएगी वो जो स्ट्रेस आएगी अप्लाइड स्ट्रेस उसको मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए क्योंकि ये तो मैक्सिमम परमिसेबल वैल्यू है अगर ये उससे ऊपर चली गई तो टूट जाएगी वायर हमारी नहीं यही बात समझ में आ गई सर ये बोल रहा हूं कि हमारी जो भी अप्लाइड स्ट्रेस होगी वो क्या होगी फोर्स ऑन द वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ द वायर है ना और ये जो अप्लाइड स्ट्रेस है ये क्या होना चाहिए ये कम होना चाहिए मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेस से तो आपकी वायर सेफ रहेगी तो आपकी वायर सेफ 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 रहेगी है ना कंडीशन कंडीशन अरे अगर आप इसमें साइन लगाओगे तो जो अननोन वैल्यूज हैं वो आपको फाइंड आउट हो जाएंगी ठीक है चलो देखते हैं <coughs> अब सिग्मा अप्लाइड निकालने के लिए आपको पहले तो टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा कि वायर पे कितना आ रहा है चलो उसकी तरफ चलते हैं तो हम जानते हैं भाई कि इस पर इस पर एक वेट नीचे की तरफ लगेगा टू जी इस पर लगेगा नीचे की तरफ फोर जी ऊपर आएगा टेंशन टी टेंशन टी और इधर आ जाएगा भाई टी वन ठीक है पक्का हाँ सर, पक्का सर तो हम यहां से देख रहे हैं भाई यहाँ हम देख रहे हैं कि ये टी किसके बराबर होगा टू जी के बराबर होगा और ये टी ये फोर जी के बराबर होगा है हाँ ना यही कहना चाह रहे हो आप पागल हो क्या भूल गए हो क्या सब कुछ पुरानी चीजें सब भूल गए क्या हम्म चलो इसमें हमको लगाना पड़ेगा क्या भाई वही एक्सेलरेशन वेक्सेलरेशन वाला खेल खेलना पड़ेगा क्या खेलना पड़ेगा देखो फोर जी माइनस टीवल टू जी इज इक्वल टू ये कितना होगा फोर ए यह होगा टू इसको अगर आप जोड़ दोगे सीधे सीधे तो ये t से t कट जाएगा है ना सीधे सीधे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा फोर माइनस टू इज टू जी और फोर टू जा एट ए नहीं सॉरी चार और दो सिक्स ए टू टू थ्री जा सिक्स तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी बाय थ्री आ जाएगी इस ए की वैल्यू को आप पुट कर यहाँ पुट कर दो कहां पुट कर दो? यहां पुट कर दो तो आपको टी मिल जाएगा है ना तो टी कितना टी इज इक्वस टू टू जी बाय थ्री प्लस टू जी कितना होगा ये थ्री टू जिक्स सिक्स प्लस टू एट जी बाय थ्री है ना एट जी बाय थ्री टेंशन कितना आ जाएगा भाई एट जी बाय

है ना ये फोर्स आ गया जो इस वायर पर लग रहा है जो इस वायर को खींच रहा है है ना और यही वो फोर्स है जिसको मैं अगर एरिया ऑफ क्रॉस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करूं तो मुझे अप्लाइड स्ट्रेस मिल जाएगी हाँ सर ठीक 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 ओके सर ओके 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 आगे बात समझ में हाँ, सर, बात समझ में लो तो हमको हम निकालना है सिग्मा अप्लाइड बहुत शानदार तरीके से आ जाएगा सिग्मा अप्लाइड इज अपलाइड टू टी वन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर तो हमको नहीं पता ठीक है टी वन कितना है T1 है ये तो सिक्सटीन जी अपॉन थ्री इन टू ए सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू टू इंटू टेन टू द पावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है तो आप क्या करो ए को इधर लग, इधर से इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा थ्री ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा टू इंटू टेन टू द पार फाइव न्यूटन मीटर स्क्वायर टेन की वैल्यू क्या कर दो जी की वैल्यू को क्या कर दो टेन पुट कर दो ठीक है आपकी ए की वैल्यू आपको आ जाएगी कि इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए इससे कम हुई तो पक्की बात है कि क्या हो जाएगी वायर टूट जाएगी क्यों भैया क्योंकि वायर का एरिया जितना पतला करोगे इतना जितना कम करोगे वायर उतनी पतली हो जाएगी और हम जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया जितना एरिया कम करोगे स्ट्रेस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और अप्लाइड स्ट्रेस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी वो मैक्सिमम से अगर ऊपर निकल गई या मैक्सिमम के बराबर भी आ गई बराबर से थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो तुरंत वायर क्या कर जाएगी टूट जाएगी ठीक है आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे आपको ए की वैल्यू मिलेगी आई थिंक आंसर है बी वन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है एक बार सॉल्व करिएगा आपको समझ में आ जाएगा चलिए आगे बढ़ें चलिए तो यहां पर जो है अच्छा ये 1.66 नहीं मेरे ख्याल से ये 2.66 आएगा ठीक है कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपको ये वाली वायर की दे देगा ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना तो वैसे भी सेम ही सॉल्व होगा क्वेश्चन कुछ अंतर नहीं आएगा हाँ बस ये है फिर आपको टी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है ठीक है फिर आप टी बाई से सॉल्व करोगे जो मैंने यहाँ पे आ, टी से किया है वो आप सीधे टी से करोगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर बाबा जो जो दे रहा है ना फटाफट लिख लो ये तो क्या सब भूल भाल जाएंगे डायमीटर ऑफ 0.25 सेंटीमीटर इसको चेंज कर रहा हूं मैं किस में मीटर में किस में चेंज कर रहा हूँ मीटर में है ना तो जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू ट्वेंट माइनस फोर मीटर स्क्वायर

यंग्स मॉडल इज ये एंड ये अरे रे सबके यंग्स मॉडल्स भी अलग से लिखो भाई अब स्टील का कितना दिया है स्टील का दिया है टू इंटू टेंट नाइन वन जीरो पॉइंट नाइन टेंट टू दिलेवन पासकल कंप्यूट द इलांगील एंड ब्रास वायर कम्प्यूट दील एंड ब्रास वायर लो भाई स्टील एंड ब्रास वायर तो हम पहले स्टील के लिए कैलकुलेट करते हैं किसके लिए स्टील के लिए कैलकुलेट करते हैं इलांगेशन इन स्टील है ना ये डिफॉर्मेशन इन स्टील है मैं इसको डेल्टा बोलता हूँ फॉर्मूला क्या है एफ एल अपॉन ए ई ये डेल्टा के अपॉन में अगर एल आएगा तो ये स्ट्रेन बन जाएगा भैया है ना ये ये क्या है ये डेल एल है ध्यान रखना बार बार ठीक है चलो स्टील के लिए चलो फोर्स कितना दिया हुआ है भाई स्टील के लिए फोर्स कितना होगा चलो पहले ब्रास के लिए निकाल लेते हैं यार पहले ब्रास के लिए निकाल लेते हैं पहले ब्रास के लिए निकाल लेते हैं ब्रास के लिए फोर्स कितना होगा ब्रास के लिए फोर्स कितना होगा सिक्स जी यानी कि सिक्सटी न्यूटन सिक्सटी न्यूटन होगा हाँ फोर्स कितना होगा इसका सिक्सटी न्यूटन एल कितना है मीटर मीटर है एरिया कितना है ब्रास वायर के लिए एरिया कितना है ब्रास वायर के लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा भैया और वो कैसे निकलेगा पाए बाय फोर डी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन कैसा होता है सर्कुलर होता है हाँ तो ब्रास वायर के लिए डायमीटर कितना है दोनों का ही डायमीटर सेम है तो जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू टेंट द पार माइनस फोर टेंट द पार माइनस फोर का स्क्वायर ये हुआ एरिया और ई e कितना है ब्रास का ई e है जीरो पॉइंट नाइन वन तो बहुत बड़ी वैल्यू चली जाएगी इंटू टेंट द पार वन ठीक है यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका इलोंगेशन ब्रास के लिए किसके लिए ब्रास के लिए चलो सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करोगे आप सॉल्व करोगे सॉल्व करोगे तो इसका डिफ्लेक्शन या इसका सॉरी डिफॉर्मेशन कितना आ जाएगा इलोंगेशन कितना आ जाएगा 1.32 समथिंग एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज कैलकुलेट करके 1.32 पॉइंट कर के आसपास कुछ हो सकता है थ्री वन हो थ्री थ्री हो ऐसा भी हो सकता है लेकिन हाँ ऑलमोस्ट इतनी ही वैल्यू आपके सामने आएगी ठीक है क्लियर है आगे बढ़े पक्का हाँ सर चलो अब हमको निकालना है स्टील के लिए स्टील वायर के लिए भाई स्टील के लिए भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा एलोंगेशन इन स्टील वायर इज एफ एल अपॉन ए ई एफ की वैल्यू कितनी होगी अब स्टील के लिए एफ की वैल्यू कितनी होगी भाई 6 के जी ए चार के जी ए टोटल हो जाएगा दस के 10 के जी यानी कि 10 इंटू टेन हंड्रेड न्यूटन ठीक लेंथ कितनी है भाई लेंथ है वन मीटर स्टील वायर की देखो एरिया सेम यही पाए बाय फोर डी स्क्वायर जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू टेंट माइनस फोर का स्क्वायर इलेवन टू इंटू टेंट दिलवन पास कर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां पर आपको इलांगेशन ऑफ स्टील मिलेगा कितना वन पॉइंट फाइव इंटू टेंट द पार माइनस फोर मीटर ठीक है ब्रास के लिए आपको 1.32 पॉइंट थ्री टू इंटू टेंट पर माइनस फोर मीटर मिल गया स्टील के लिए आपको 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टें पर माइनस फोर मीटर मिल गया अच्छा यहां पर वायर में आपका कोई भी मास नहीं है बाबा है हाँ ना वायर में कोई भी मास नहीं है वायर जो आपको दिया है वो मास लेस है ठीक क्लियर आगे बढ़े कर लीजिए इसको नोट डाउन फिर हम आगे बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अच्छा लो भाई शेयर स्ट्रेस पे क्वेश्चन आ गया आपके सामने द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब आर टेन सेंटीमीटर लॉन्ग भाई क्यूब दे दिया है तो सारी एज किसके बराबर होगी दस सेंटीमीटर के बराबर ही होगी तो हम क्या करते हैं एज को ले लेते हैं लेंथ एल ठीक है ना दस सेंटीमीटर दी है माइनस टू ये हो गया मीटर में ठीक है ना चलो टेन टेन इंटू टेंट दोपार माइनस टू मीटर आपको ये लेंथ दे दी गई है ये कर कर दिया दिया गया है, एक face fix कर दिया है, एक और बोला है ये पे क्या लगा दिया भाई? 100 kg का मास लटका दिया, भाई, का लटका तो कितना वेट बना वो थाउजेंड न्यूटन का वेट बन गया ठीक है ना ऐसे करके क्यूब को आपने क्या कर दिया एक फेस फिक्स कर दिया और दूसरे वाले फेस से आपने क्या लटका दिया सौ के जी का मास लटका दिया जो हजार न्यूटन का वेट बना जिसको इस तरीके से खींच रहा है तो डिफॉर्म हो रहा है देखो देखो डिफॉर्म हो रहा है कि नहीं अपने शेप से हो रहा है सर यहाँ पे शेयर स्ट्रेन आएगी कि नहीं आएगी आएगी सर यहाँ कैसा फोर्स लग रहा है इस फेस पर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है तो क्या शेयर शे... 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 स्ट्रेस आएगी बिल्कुल आएगी शेयर फोर्स आएगा बिल्कुल आएगा टेंजेंशियल फोर्स आएगा बिल्कुल आएगा एक ही चीज़ होती है आपसे बोला है द शेयर मॉडल ऑफ एल्यूमिनियम यानी कि जी आपको क्या दे दिया है मॉडल ऑफ रिजिडिटी दे दी है कितनी है ट्वेंटी फाइव यानी कि ट्वेंटी फाइव इंट 9 अरे टेन लिख दिया है चलो नाइन पास्कल क्या हो गए भाई गीगा पासकल में आपको दी हुई थी तो आपने उसको पासकल में चेंज कर दिया ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंट नाइन पासकल में व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन ऑफ द फेस यानी यानी कि आपसे वो क्या पूछ रहा है डेल्टा एल पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है डेल्टा एल पूछ रहा है क्या इसमें आप पी एल बाई ए लगा दोगे क्या नहीं पी एल बाई ए नहीं सॉरी एफ एल बाई ए नहीं लगेगा ठीक है एफ एल बाई ए नहीं लगेगा ठीक है क्योंकि यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो टेंजेंशियल फोर्स है 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 ना टेंजेंशियल फोर्स वहां नॉर्मल होता था एकदम प्लेन के नॉर्मल जाता था ठीक है ना तो आप वहां पर लगाते थे यहां भाई स्ट्रेस कहीं ना कहीं आएगी मुझे इस बात की नॉलेज है और मैं जानता हूं कि जो शेयर स्ट्रेस होती है वो होती है फोर्स टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया कि ना बिल्कुल सही कहा आपने तो शेयर स्ट्रेस आप निकाल सकते हो एफ टी की वैल्यू कितनी है भाई थाउजेंड न्यूटन एरिया आपको दिया है क्या एरिया आपको दिया है क्या हाँ एरिया आप निकाल सकते हो भाई एरिया आप कैसे निकाल सकते हो क्यूब है हर साइड क्या होगी दस सेंटीमीटर की ही होगी देखो तो आप ऊपर ऊपर वाले फेस का एरिया क्या होगा से आप देखोगे तो आपको एक स्क्वायर ही दिखाई देगा ना ऐसा स्क्वायर दिखाई देगा तो ये दस ये दस ठीक है तो टेन इंटू टेन सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना हो तो टेंटू तो पार माइनस फोर मीटर स्क्वायर ठीक है हाँ ठीक है तो लो भाई इसको हम सॉल्व करते हैं टाउ इज इक्वल टू एक दो एक दो दस डिवाइडेड टेन टू द पार माइनस फोर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टू द पार फोर प्लस में और ये हो जाएगा टेंट टू पावर फाइव न्यूटन मीटर चलो टेंट दो पावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर

है ना यहाँ कहीं भी टॉर्क आपको नहीं दिख रहा है यहाँ कहीं टॉर्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो आप टाउ से कन्फ्यूज हो जाओ हम छोटे बच्चे नहीं है कि आप कोई हम सेवेंथ एट्थ में है कि हमको एक जैसी दो चीज़ दिख जाएगी तो हमको पता नहीं चलेगा बाबा हम जानते हैं कि कब टाउ टॉर्क बनेगा कब टाउ शेयर स्ट्रेस बनेगा आई बात समझ में हाँ सर चलो जी की वैल्यू आपको दे दिया कितनी ट्वेंटी फाइव इंटू द पार नाइन मेगा पास नाइन पास कल इंटू फाइव आपको अगर फाइव मिल जाए ना तो आप टेन फाइव लगा, एल एल लगा के सीधे क्या निकाल सकते हो डल निकाल सकते हो चलो तो फाइव की वैल्यू कितनी आएगी फाई की वैल्यू आएगी भाई अपॉन तो द पार 9 तो 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 ये हो जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर इंटू टेंट लेस होता है आपको अब हमको क्या निकालना है भाई डेल एल निकालना है ठीक है दिमाग हमारा बहुत तेज है हम जानते हैं कि कैसे डेल एल निकल कर आएगा इसको हटा देता हूं इसको हटा देता हूँ हम जानते हैं भाई टेन टू डेल तो एल अपॉन एल एल आपको पता पावर माइनस सिक्स रेडियन इज इक्वल टू तो डेल एल अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर दूं एल से एल कितना है भाई दस सेंटीमीटर है दस को मल्टीप्लाई किया टें पावर माइनस टू से हाँ मीटर में आ गया इज इक्वल्स टू आ जाएगा डेल एल और डेल एल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास फोर इन टू टेंट द पावर माइनस सेवन मीटर दिस इज वैल्यू जिससे आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिला देखो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन है ना ये क्या है वर्टिकल डिफ्लेक्शन है डिफ्लेक्शन को आप डलेल बोल सकते हो डिफॉर्मेशन बोले इलांगेशन बोले कंप्रेशन बोले डिफ्लेक्शन बोले सब आपके लिए क्या है डल है या डेल है ठीक है तक की बात है चलिए

ओ बल्क मॉडल कि आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है के का फॉर्मूला क्या होता है के का फॉर्मूला होता है सर पी अपॉन डेल वी अपॉन वी माइनस में ठीक है चलो तो अब यहां देख रहे हैं कंप्यूटर पर इनिशियल वॉल्यूम आपको दे दी है प्रेशर इंक्रीज आपको दे दिया है यानी कि आपको प्रेशर चेंज दे दिया है कोई दिक्कत नहीं है प्रेशर चेंज ले लो ठीक है प्रेशर चेंज आपको 100 एटमॉस्फेयर दिया है 100 इंटू एक एटमोसफियर कितने के बराबर है 1.013 पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेंट दोपहर फाइव पास करके बराबर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम चलो अब आपको देखो फाइनल वॉल्यूम दी है इनिशियल वॉल्यूम दी है इनिशियल वॉल्यूम है हंड्रेड फाइनल है हंड्रेड तो फाइनल माइनस इनिशियल इज डेलवी अपॉन इनिशियल वॉल्यूम कितनी है हंड्रेड लीटर लेकिन ये लीटर में है लीटर में है लीटर को अगर आपको मीटर क्यूब में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा टेंट दो पार माइनस नहीं अरे बाबा बताओ ना, 10 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वन लीटर उफ़, लाल कलर का पेन क्यों चल जाता है बाबा लाल कलर का पेन क्यों चल जाता है वन मीटर क्यूब इज इक्व टू टू द पार थ्री लीटर या थाउजेंड लीटर ठीक है हम बोल सकते हैं कि जो एक लीटर है वो पार माइनस थ्री मीटर क्यूब के बराबर है तो था यहां पर हमको इतने लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो हम पार माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दे रहे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर तो केन पॉइंट जीरो माइनस हंड्रेड कितना आएगा पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव बाई हंड्रेड पॉइंट फाइव बाई हंड्रेड पॉइंट हटा दो बचेगा फाइव फाइव बाय थाउजेंड इंटू टेंट दवार माइनस थ्री टेंट द पार माइनस थ्री ये हो जाएगा टेंट द पार माइनस सिक्स फाइव इंटू टेंट द पार माइनस सिक्स ठीक है है ना ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टेंट सिक्स ठीक है ये कट जाएगा इससे बीस पंचे सौ के की वैल्यू कितनी आएगी ट्वेंटी इंटू वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेंट द पार इलेवन ठीक है तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी भाई के की वैल्यू मिल जाएगी अच्छा क्या यूनिट आएगी भाई ये यूनिट किस में है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में किसमें है भाई ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नीचे क्या यूनिट आएगी नीचे यूनिट लेस होगा अरे नीचे यूनिट लेस होगा अरे यार यूनिट लेस होगा हाँ सर आप सही तो बोल रहे हो अगर यूनिट लेस ही होना था सर तो आपने ये क्यों मल्टीप्लाई किया बिल्कुल सही कह रहे हो ये मुझसे ये मुझसे मैंने थोड़ा मुझे ध्यान देना चाहिए था मैंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया अच्छा हुआ आपने बोला और मैंने पकड़ लिया कि नीचे वाली क्वांटिटी तो यूनिट लेस होनी है ना उसको हम क्यों फिर चेंज करें किसी में भी ऊपर भी लीटर नीचे भी नीचे भी लीटर कट जाएगा बाबा ऊपर भी लीटर यूनिट आएगी नीचे भी तो लीटर यूनिट आएगी कट तो जाएगा ना हाँ सही बात है सही बात है सही बात है सर तो फिर के कितना आने वाला है के आने वाला है सर ओके 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 प्रेशर इंक्रीज हुआ है हंड्रेड मॉस्ट के फाइनल हुई है फाइनल माइनस इनिशियल ठीक है यहाँ पे माइनस की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी बाबा देखो यहाँ पे फाइनल ज्यादा है ऑलरेडी ज्यादा है वॉल्यूम बढ़ा है कम नहीं हुआ है अगर वॉल्यूम कम हुआ होता तो हम यहाँ पर क्या करते माइनस ला के उसको पॉजिटिव कर देते ठीक है ना लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या है वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी चलिए तो ये हुआ हंड्रेड इंटू वन पॉइंट जीरो लगता है सर आपको नशे हो गए हैं पढ़ाई के हैं आपसे माइनस प्लस सब इधर उधर हो रहा है हैं हाँ ये बात तो है भाई हंड्रेड पॉइंट फाइव माइनस हंड्रेड इज पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड अब चलेगा क्या हाँ अब चलेगा तो ये हो जाएगा फाइव इंटू टेंट दोपहर माइनस थ्री फाइव इंटू टेंट दोपहर माइनस थ्री माइनस थ्री ऊपर जाएगा प्लस थ्री बनेगा तो ये हो जाएगा एट ये कटेगा इससे ये हो जाएगा ट्वेंटी अब सही ये ये आ गई है ट्वेंटी इंटू वन पॉइंट ऑफ बल्क मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर कोई भी परेशानी हमको नहीं चलिए इसको यू नोट डाउन करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो चलो भाई आगे बढ़े बढ़े हो सर बढ़ जाओ बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बाबा क्या होता है जैसे मान लीजिए कभी कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है जैसे कैसे बताऊं मैं आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे कि वायर है कोई वायर है ठीक है ना वायर में आपने देखा होगा जब आप वायर को खींचते हो आप, आप तो नहीं खींच पाओगे लेकिन किसी मशीन के द्वारा अगर आप दोनों एंड को पकड़ो किसी वायर के और उसको खींचो तो वायर खींचेगी 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 और आप क्या करोगे अपने उस फोर्स को जिससे आप खींच रहे थे जब उसको छोड़ोगे तो वायर कभी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाएगी ओरिजिनल अपनी पोजिशन को गेन नहीं कर पाएगी है ना तो इसका क्या मतलब है कि आपने वायर को इतना ज्यादा खींच दिया वायर को इतना ज्यादा खींच दिया कि वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन तक पहुंच ही नहीं पाई मतलब आपने वायर को उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा खींच दिया है अगर आप वायर को थोड़ा सा खींचते और डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ देते तो वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो हाँ सर समझ रहे हैं। लेकिन भाई आपने इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि उसकी कोई इलास्टिक लिमिट लिमिट होगी ना बाबा Elast, हर चीज की एक होती है ना आपके गुस्से की एक लिमिट है भाई कल के दिन मान लो भैया लॉकडाउन चल रहा है आपके घर में बाई नहीं आ रही कपड़े वाले कपड़े धोने वाले नहीं आ रहे आप आप अपना बर्तन धो रहे हो ठीक है रोज बर्तन धो रहे हो 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 डेढ़ महीने दो महीने तक आप रोज बर्तन धो रहे हो सुबह भी धो रहे हो खाने के बाद रात में भी धो रहे हो खाने के बाद तो भाई महीने में एक दिन तो ऐसा आएगा जब आपका दिमाग आउट हो जाएगा आप बोलोगे यार ये क्या चल रहा है ये क्या जीवन चल रहा है, है? रोज मैं एक बर्तन ही धो रहा हूं यही एक काम कर रहा हूं बर्तन 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 है ना तो आप क्या हुआ गुस्सा आपको कब आया जब आपकी लिमिट रीच हो गई वैसे ही इलास्टिसिटी की भी एक लिमिट होती है इलास्टिसिटी क्या होता है आपको पता है भाई जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं और वापस छोड़ देते हैं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है हाँ कि ना हाँ लेकिन अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा रहा है, इसका मतलब यही है कि आपने उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा उसको स्ट्रेच कर दिया है है पक्की बात सर क्या इलास्टिसिटी इलांग्रेशन में ही आती है क्या कंप्रेशन में नहीं आती कंप्रेशन में भी आती है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करोगे और फोर्स छोड़ दोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन में पहुंच जाएगी है ना ऐसा नहीं है कि इलास्टिसिटी सिर्फ और सिर्फ इलांगेशन में आए कंप्रेशन में ना आए दोनों तरीके से आती है ठीक है चलिए अंग्रेजी पढ़ते हैं द मैक्सिमम स्ट्रेस विच बॉडी कैन रीगेन बॉडी कैन रीगेन इट एट विच बॉडी कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल वैल्यू जिस पर आप जिस स्ट्रेस को आप हटाओ जब तो बॉडी अपना ओरिजिनल साइज और शेप क्या कर ले क्या कर ले रीगेन कर ले आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट ठीक है समझ में आ गया इफ बॉडी एक्सीड एक्सीड दिस लिमिट अगर बॉडी इस लिमिट को एक्सीड कर जाती है इट विल नॉट गेन

चलिए तो इसको हम बोलते हैं उसकी इलास्टिक लिमिट अब आप देखिए यहां पर आपके सामने एक है देखो इस पे फोर्स लगाया देखो देखो, देखो कंप्रेस किया कंप्रेस कंप्रेस किया कम्प्रेस किया उसको छोड़ दिया देखो ये ऊपर गया तो देखो वापस अपने इसने ओरिजिनल शेप और साइज गेन कर लिया इसका क्या मतलब है आपने इस पर जो ये कंप्रेसिव फोर्स लगाया है ये इसकी इलास्टिक लिमिट से कम में लगाया है कि ज्यादा पे लगाया है बताओ मुझे ये जो फोर्स इस पे लग रहा है रबर पर यह इसकी इलास्टिक लिमिट से कम पे लग रहा है तभी यह अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर रही है है ना अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा के इसको यहां तक कंप्रेस कर दूं और छोड़ दूं तो पता चला कि भाई जब मैंने फोर्स को हटाया तो रबर अपनी ओरिजिनल शेप और साइज पर तो गई ही नहीं वैसे रबर के केस में ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा उसको कंप्रेस कर दोगे तब भी वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगी क्योंकि रबर इलास्टोमर में आती है किस में आती है इलास्टोमर में आती है वो थाउजेंड टाइम्स तक ज़्यादा कंप्रेस और इलांगेट हो सकती है तब भी उसकी इलास्टिसिटी बरकरार रहती है ठीक है ठीक है सर ओके आगे बढ़ते हैं देखो भाई लॉ आ गया अब ये काम की चीज़ है क्या है भाई ये काम की चीज है हुक्स मोहल्ले की वो आंटी है जिनको सब जानना जरूरी था मोहल्ले की आंटी नहीं होती है कि आप कहां जा रहे हो रात में कितने बजे आ रहे हो आपके कितने दोस्त आपसे मिलने आ रहे हैं उनमें से कितनी लड़कियां हैं जो आपसे मिलने आ रही हैं सब पता रहता है मोहल्ले की आंटी को पता रहता है कि नहीं बस तो वही है ये हुक्स साहब हुक्स साहब को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मन कर रहा था कि वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करें ठीक है

पोर्शनैलिटी लिमिट है ठीक है स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली आपको बताई है क्या बिल्कुल है. सिग्मा, सिग्मा e epsilon, जिसमें सिग्मा क्या है स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है लो भाई मैं लिखता हूं बार बार लिखूंगा मरते दम तक लिखूंगा आपको जब तक समझ ना आ जाए लॉन्गी स्ट्रेस स्ट्रेस एंड एप्सलन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ठीक है हाँ और ई क्या है यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी ई क्या है यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी वायो यू एन जी एस यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है चले अब देखो जब हमने प्रपोर्शनैलिटी लिमिट की बात की तो देखो आपको ग्राफ में प्रपोर्शनैलिटी लिमिट दिखेगी जब मैं इलास्टिक लिमिट की बात करूंगा तो आपको ग्राफ में इलास्टिक लिमिट दिखेगी सर कौन सा ग्राफ अभी आगे आपको समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं ठीक है चलिए यहां पर ही यह क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ एंड इज नोन एज ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है भाई ओके 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 आगे बढ़ते हैं पहला पॉइंट हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द लिमिट ऑफ प्रपोर्शनलिटी पक्की बात है हाउ एवर फॉर माइल्ड स्टील प्रपोशनैलिटी लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट आर ऑलमोस्ट इक्वल इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे स्टील के लिए प्रपोशनैलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट ऑलमोस्ट इक्वल होती है देखेंगे अभी है ना बट फॉर अदर मेटल्स इलास्टिक इलास्टिक लिमिट मे भी हायर देन दी प्रपोशनैलिटी लिमिट एग्जाम्पल रबर रबर के लिए प्रपोशनैलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट क्या हो सकती है हाई हो सकती है बहुत है ना इलास्टिक लिमिट में भी हायर देन प्रपोर्शनलिटी लिमिट फॉर एग्जाम्पल रबर अच्छा अगर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूंगा तो लाइन ऐसी सीधी सीधी बनने वाली है है सर लाइन 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 ऐसी डॉट होना होना चाहिए होना चाहिए एरो नहीं ठीक है? यहां तक खत्म हो जाएगी स्ट्रेट बननी चाहिए हाँ सर एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन में पहले स्ट्रेस आता है कि स्ट्रेन आती है हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था मुर्गी और अंडे वाला क्वेश्चन है उसका आंसर भी मैंने आपको दिया था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में पहले स्ट्रेन आती है आप जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो आप चाहते हो कि डिफॉर्मेशन आए तभी तो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था भाई अगर आपको मेटल की प्लेट को या मैं आपको बोलूं अगर आपको स्टील का ऐसे मैं दे दूं ब्लॉक दे दूं क्या दे दूं स्टील का ब्लॉक दे दूं देखो नीला स्क्रीन आ गया है मुझे नीला स्क्रीन नहीं मुझे सफेद स्क्रीन चाहिए हाँ मैं आपको बोलू भैया कि लो एक स्टील का ब्लॉक ले लो ठीक क्या ले लो भाई एक स्टील का ब्लॉक ले लो भाई ये ले लिया मैंने स्टील का ब्लॉक ठीक है और मैंने इसको क्या बोला कि भाई मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें एक पतली सी शीट में किसमें कन्वर्ट करना है भाई इसको एक पतली सी शीट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे इसको बताओ मुझे अगर इसको शीट में कन्वर्ट करना है आप भाई दिमाग से दिमाग से मतलब बहुत तेज लोग हो है ना साइंस ली हुई है आपने तो मुझे बताइए कि अगर इस लॉग को इस ब्लॉग को पूरा पूरा ऐसे पतले से पेपर या पतली सी शीट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा तो आप बोलोगे सर मैं इस पर ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा ऐसे नीचे और ऊपर से इस पर क्या लगाऊंगा कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा और कंप्रेसिव फोर्स लगा लगा के क्या कर दूंगा भाई इसको पतला शीट में कन्वर्ट कर दूंगा ठीक है आपने बोला हाँ बढ़िया ये काम हमारा हो गया ठीक है भाई अब देखो आपने जब शीट पे फोर्स लगाया शीट पे फोर्स लगाया क्या है डिफॉर्मिंग फोर्स है दिस इज वॉट दिस इज डीफॉर्मिंग फोर्स आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपको दिमाग एकदम कहीं और चला जाए और आपको एकदम से होश आए कि अरे मैं पढ़ रहा था और मैं जो लाइन अभी चार लाइन पढ़ी है इसको तो मैं समझना ही भूल गया ऐसा होता है क्या जैसे आपने पढ़ना चालू किया कोई पैराग्राफ आपने दो लाइन पढ़ी आपको समझ में आई अगली पांच छह लाइन आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और चल रहा है और जैसे ही आपका दिमाग वहां से वापस आया तो उसने बोला कि भाई जो ऊपर की पांच लाइन पढ़ी है उसका तो मतलब ही नहीं समझ में आया होता है क्या कभी ऐसा बिल्कुल होता है सर बहुत बार होता है गाड़ी चलाते रहते हैं बाइक चलाते रहते हैं साइकिल चलाते रहते हैं चलाते चलाते कहीं खो जाते हैं फिर याद आता है कि अरे हम तो साइकिल चला रहे हैं ध्यान रखना है सड़क पर तो वैसे जब मैं कोई चीज समझाते रहता हूँ ना तो समझाते समझाते इतना खो जाता हूँ कि मैं यही भूल जाता हूँ कि मैं क्या समझा रहा था है चलिए तो वापस आते हैं कि जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो हमारा एम क्या था स्ट्रेस जनरेट करना नहीं हमारा एम था कि हम इस ब्लॉक को किस में चेंज कर दें शीट में चेंज कर दें मतलब हम क्या ले आए स्ट्रेन ले आए हमारा एम क्या था हमारा एम था स्ट्रेन लाना चेंज लाना डिफॉर्मेशन लाना ये हमारा एम था लेकिन जब हम स्ट्रेन लाना चाह रहे थे तब मटेरियल हमको क्या क्या दे 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 रहा 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 था 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 एक एक क्या दे रहा था? Restoring force दे रहा था, एक रिस्टोरिंग फोर्स फोर्स रिएक्शन जो पर यूनिट एरिया से क्या बन रहा था स्ट्रेस बन रहा था मेरी बात समझे कि नहीं समझे इसलिए स्ट्रेस से स्ट्रेन नहीं आता स्ट्रेन लाने के कारण स्ट्रेस जनरेट होता है ठीक है इसलिए जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट करते हो तो स्ट्रेन हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है स्ट्रेस हमेशा वाई एक्सिस पे होता है आपको पता है ना जो इंडिपेंडेंट चीजें होती हैं वो एक्स एक्सिस पर हम ज्यादातर रखते हैं ज्यादातर क्या रखते ही हैं जो इंडिपेंडेंट चीजें होती हैं वो ज्यादातर हम यहाँ एक्स एक्सिस पे रखते हैं और जो डिपेंडेंट होती है वो हम वाई एक्सिस पे रखते हैं है ना ये बहुत बेसिक सी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बताई नहीं जाती है ठीक है क्लियर हंड्रेड परसेंट ठीक है दूसरी चीज ए लाल पेन क्यों चल जाता है दूसरी चीज ये जो लाइन आपने बनाई है ये जो लाइन आपने बनाई है इसका आप स्लोप निकाल सकते हो क्या इसका आप स्लोप निकाल सकते हो टेन टू स्लोप और वो क्या होगा y एक्स है x एक्सेस है तो y, -y होगा, होगा क्या अच्छा y एक्सेस पे क्या है स्ट्रेस और x एक्सेस पे क्या है स्ट्रेन तो जब आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करते हो तो आपको क्या मिलता है स्लोप मिलता है इस लाइन का क्या मिलता है स्लोप मिलता है और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है बाबा अगर मैं यहां देखूं तो मैं जानता हूं सिग्मा बाय एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू कैपिटल ई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो, तो याद रखना जो आपको tan थीटा है ग्राफ का वो क्या देगा आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा ठीक है पक्का हंड्रेड परसेंट बहुत ज्यादा हंड्रेड परसेंट ठीक है ये बात याद रखना आपको ऐसे ग्राफ्स आ जाएंगे ग्राफ में वो बोलेगा कि लाओ ऑफ इलास्टिसिटी निकाल कर बताओ ठीक तो आप क्या करोगे लाइन का स्लोप निकाल लोगे ठीक है लेकिन ये इलास्टिक ये इलास्टिकलिटी लिमिट तक ही होगा बाबा देख लो हुक्स लॉ वैलिड है कहां तक प्रपोशनैलिटी तक बस टू द लिमिट ऑफ प्रपोशनैलिटी वहीं तक आप टेन थीटा लगाकर ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हो

कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोशनिटी विच इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे कुछ एरर आ गई है मुझे ऐसा लगता है कुछ मैनुअल एरर है द स्लोप ऑफ स्ट्रेस ट्रेन कॉल्ड ऑफ इलास्टिसिटी दस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अप द स्ट्रेन है ना आपको अगर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोशनलिटी निकालना है वो क्या होता है विच इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन सीधी बात है अंग्रेजी है अंग्रेजी ये बोलना चाह रही है इज नथिंग बट दस मॉडल स्ट्रेस ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो है ये डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है क्या ये डायमेंशन लेस है बाबा डायमेंशन लेस है सिर्फ यहां पर डायमेंशन किसके पास है स्ट्रेस के पास है तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का होने वाला है पता था सर पहले से चलो बढ़िया अच्छा कुछ अजम्पन्स होते हैं भाई हुक्स ने अपनी चीजें डिराइव करने से पहले ये होता था पुराने जमाने में अभी भी होता है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो ना तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप बता देते हो कि हमने क्या मान कर ये एक्सपेरिमेंट किया है इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमने ये 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 ये, ये चीजें मानी थी है ना पक्की बात है हाँ सर पक्की बात है इसलिए ये सारी चीजें अजम्पन में आ जाती हैं तो हुक्स ने जब अपने एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट हमको बताए तो उसने अजम्पन ये माना कि मटेरियल जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए अब ये होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है तो होमोजीनिटी एक प्रॉपर्टी होती है होमोजीनियस मटेरियल का मतलब ये होता है कि मटीरियल में कहीं भी आप देखो कहीं भी आप देखो सारे पॉइंट पर प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए ठीक मान लो डेंसिटी है आपने कोई मटेरियल ले लिया मटेरियल के एक कोने में आप थोड़ा सा पार्ट काटो मटेरियल का आपको पता चला भाई वहां तो बढ़िया डेंसिटी है है ना जैसे मान लो ये कोई एक कोई ऑब्जेक्ट है ये आपके पास कोई एक ये स्फीयर है ठीक है ना सॉलिड स्फीयर है मैंने इसका इतना पोर्शन काटा तो मैंने देखा भाई यहाँ तो बढ़िया मॉलिक्यूल पास पास है एकदम सॉलिड है एकदम पास पास मॉलिक्यूल है उसकी यहाँ डेंसिटी एकदम बढ़िया है परफेक्ट डेंसिटी है अच्छी अच्छी डेंसिटी है भाई ठीक है फिर मैंने बोला यार ये वाले पार्ट में चेक करो वाले पार्ट में जब आपने चेक किया तो देखा आपने कि भाई यहां तो हल्का है यहां तो पोर पोर ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं हैं उसको ऐसे पोर्स है, छिद्र हैं छोटे छोटे इसमें हवा भरी हुई है तो ये वाला पार्ट क्या है लेस डेंस है यहां डेंसिटी कम है तो भाई यहां डेंसिटी ज्यादा यहां डेंसिटी कम तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये होमोजीनियस है ये मटेरियल जो है वो होमोजीनियस है नहीं क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी हर पॉइंट पर अलग अलग हो गई है यहां पर डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी डेंसिटी अगर इज द प्रॉपर्ट आप इस पॉइंट पर डेंसिटी देख रहे हो तो बढ़िया दिख रही है यहां देख रहे हो तो कम हो जा रही है तो ये क्या बात हुई भाई हर लोकेशन पर थोड़ी ना सेम है प्रॉपर्टी तो हर लोकेशन पर अगर प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो ये मटेरियल होमोजीनियस नहीं है तो भाई पहले ही उसने बोल दिया कि मैं जो मटेरियल लूंगा वो होमोजीनियस होना चाहिए मतलब हर पॉइंट पर प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट उसने बोला मटीरियल इज आइसोट्रोपिक मटीरियल इज आइसोट्रोपिक अच्छा आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है प्रॉपर्टीज़ आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट ना हो डायरेक्शन डिपेंडेंट ना हो जैसे 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 आपने वो रबर देखी है मिटाने वाली रबर जो होती है मिटाने वाली रबर हाँ सर देखिए उस मिटाने वाली रबर को ऐसी लंबी सी होती है कि नहीं होती है हाँ सर लंबी सी होती है उसको जब आप ऊपर से ऐसे खींचोगे तो आराम से खींचती है देखा है कि नहीं आपने कितना बढ़िया ऊपर से खिंचती है ऐसे खींचोगे तो लंबी लंबी रबर अलोंग द लेंथ उसको खींचोगे तो अच्छे से खींचेगी लेकिन अगर आप उसकी अलोंग द ब्रेथ खींचना चाहोगे तो वो उतने अच्छे से नहीं खींचती जितने अच्छे से वो लेंथ के अलॉन्ग खींचती है देखा होगा कि नहीं हाँ सर देखा है तो ऐसी कोई भी मटेरियल जिसमें प्रॉपर्टी डायरेक्शन पर डिपेंडेंट हो यहां जो मैंने रबर का आपको एग्जांपल दिया उसमें आप देखो इस डायरेक्शन में आराम से खिंच रही है वो अलॉन्ग द लेंथ आराम से उसमें इलास्टिक elastic, आपको इलास्टिसिटी दिख रही है लेकिन अलॉन्ग द ब्रेथ उसमें उतना खिंचाव नहीं है जितना अलॉन्ग द लेंथ था तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है यहाँ पर जो इलास्टिसिटी थी वो अलॉन्ग लेंथ बढ़िया थी लेकिन अलॉन्ग द ब्रेथ उतनी अच्छी नहीं थी तो क्या हुआ डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गई कि नहीं हो गई प्रॉपर्टी हाँ सर डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गई बिल्कुल डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गई सर तो जब भी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के हिसाब से अपनी वैल्यू चेंज कर ले तो आप बोलोगे वो मटेरियल आइसोट्रोपिक नहीं है आइसोट्रोपिक मटेरियल में हर पॉइंट पर हर डायरेक्शन में हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या होती है सेम होती है ठीक है तो आइसोट्रोपिक वो मटेरियल होते हैं जो जिनमें प्रॉपर्टीज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है क्या होती है डायरेक्शन इंडिपेंडेंट और ऐसी प्रॉपर्टीज ऐसे मटीरियल जिनमें प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट हो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें ऐसा ऐसा मटीरियल जिसमें प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट हो क्या बोला मैंने फिर से रिपीट करता हूं ऐसा मटेरियल जिसमें प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट हो उनको एनाइसोट्रोपिक मटीरियल बोलते हैं क्या एनाइसोट्रोपिक यहां लिखता हूं मैं आइसोट्रोपिक मटीरियल आइसोट्रोपिक में प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टीज आर भी बोल सकते हो प्रॉपर्टी इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट मटेरियल में प्रॉपर्टी इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी है, और एन मटेरियल होता है मटेरियल, एन आइसोट्रोपिक मटीरियल होता है प्रॉपर्टी इज डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी इज डायरेक्शन डिपेंडेंट ओ नाइस प्रॉपर्टी इज डायरेक्शन डिपेंडेंट क्या दिक्कत है कोई परेशानी है नहीं आ गया सब समझ में सर ठीक है तीसरा जो एजम्शन है वो है मटीरियल इज इलास्टिक तो भैया वो तो लेना ही पड़ेगा ना आप इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहे हो और मटीरियल को इलास्टिक नहीं मानोगे तो एजम्सन तो फेल हो जाएंगे ना सारे ठीक 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 सर ओके 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 है ना चलिए भाई अगर प्रूफ करना है जैसे मान लो अगर ये प्रूफ करना है कि मैं सच्चा आदमी हूं मेरे को अगर प्रूफ करना है कि मैं सच्चा आदमी हूं तो ये मानना पड़ेगा ना कि मैं सच बोलता हूं अगर मैं यही मान लूँ कि मैं हमेशा झूठ बोलता आया हूँ तो आप कैसे प्रूव करोगे कि मैं सच्चा आदमी हूँ सर आप कैसी बातें कर रहे हो सर कुछ भी बोल रहे हो अरे नहीं सही बात है ऐसे ही होते हैं जमशन बाबा अजमशन होते हैं वरदान जो पहले मांगे जाते हैं कि भाई मैं, मैं ऐसे प्रकार मैं ऐसे प्रैक्टिकल करूंगा मैं ऐसे प्रैक्टिकल करूँगा मेरी ये कंडीशन होनी चाहिए मेरी वो कंडीशन होनी चाहिए जैसे आप जब बाइक लेते हो आपने मानो प्लेटना खरीदी प्लाटिना में उसने बोल दिया भाई एक लीटर पेट्रोल पे आपकी प्लेटना 92 किलोमीटर पर आ नाइन्टी किलोमीटर देगी एवरेज अच्छा आपको सुनने में बहुत अच्छा लगा लेकिन जब आप प्लेटना खरीद कर लेकर आए और आपने चलाया तो पता चला आपको एवरेज मिल रहा है सेवेंटी किलोमीटर्स का सेवेंटी फाइव किलोमीटर्स का तो आप जब जाके उससे पूछोगे कि आपने तो बोला था भाई नाइन्टी टू किलोमीटर का एवरेज देगी तो वो बोलेंगे कि लेकिन हमारी कंडीशन है कि रोड इतनी होनी चाहिए रोड में इतना फ्रिक्शन होना चाहिए रोड खाली होनी चाहिए उस उसमें कोई ट्रैफिक नहीं होना चाहिए मोड़ नहीं होना चाहिए स्पीड इतनी होनी चाहिए हवा बहुत तेज नहीं होनी चाहिए गर्मी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऐसे पचास तरीके का जम्शन वो आपको बता देंगे अगर ये पचास अजम्पन आप मान लेते हो तो आपकी जो प्लेटना है वो भी नाइनटी टू किलोमीटर एवरेज देगी समझ में आई मेरी बात हाँ ये होता है अजम्पन का मतलब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडल बाय सीरियल्स मेथड अभी इस डायग्राम को आप मत देखिएगा इस डायग्राम पर हम आएंगे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जब स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम जब स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम प्लॉट किया गया जब बताया हुक्स ने कि भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है जब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है तो उसने यह भी बताया कि लिमिट तक होता है तो लोगों को यह जागरूक इच्छा अंदर से एक इच्छा जागरूक हुई जागरूकता बढ़ी बढ़ी उनकी क्यूरियोसिटी कि भाई चलो लिमिट तक तो हुक्स ने बात कर दी अब प्रपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद क्या प्रपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद क्या तो सीरियल ने क्या किया सीरियल भाई साहब ने क्या किया एक मेटेलिक रॉड या मेटैलिक वायर लिया ठीक एक मेटेलिक वायर लिया भाई ऐसे मोटा मोटर यार लाइन yes, क्या लिया एक मेटालिक वायर लिया ये ले लिया भाई मुरे? हाँ। अब मेटालिक वायर लिया और इस पर क्या लटका दिया यहां पर वेट लटका दिया कोई अच्छा खासा वेट एम कैपिटल एम लटका दिया अब कैपिटल एम लटकाने के बाद भाई क्या हुआ उसने बोला कि भाई ये स्ट्रेस जनरेट कर रहा है तो इसमें स्ट्रे, इस स्ट्रे, स्ट्रेन जनरेट कर रहा है तो स्ट्रेस आ रही है इसमें ठीक है लेकिन ये तब तक ही लीनियर थी जब तक हुक्स ने बताया था प्रपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद थोड़े टाइम के बाद मैंने देखा कि जिस स्पीड से स्ट्रेन बढ़ रही है पहले तो नहीं बढ़ रही थी पहले तो धीरे 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 करके लीनियरली स्ट्रेन बढ़ रही होगी लेकिन बाद में जब बहुत टाइम तक इसको लटकाया गया मास को तो हमने देखा या हमने इस मास के ऊपर एक मास और लटका दिया मान लो स्मॉल एम कर दिया बढ़ा दिया और मास को हमने तो देखा कि भाई अब स्ट्रेन ज्यादा आ रही है अब मैं देखूंगा कि भाई खिंचते खिंचते वा, मेटालिक वायर जो पहले इस लेंथ का था वो धीरे धीरे लंबा हो गया पतला भी हो गया और लंबा हो गया देखो ऐसा हो जाएगा अरे लाल कलर नहीं चाहिए काला कलर चाहिए ठीक ऐसा हो गया आपका वायर कैसा हो गया ऐसा हो गया तो पहले अच्छा खासा मोटा था अब पतला हो गया तो भाई ऐसा बोला गया ऐसा बोला गया ध्यान से सुनना आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट शोज अ मेटल वायर सब्जेक्टेड टू अली इंक्रीजिंग लोड ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो लोड को आप पहले एम था फिर एम में थोड़ा सा एम बढ़ाया फिर और बढ़ाया फिर और बढ़ाया आप धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या कर रहे हो लोड को इंक्रीज कर रहे हो इट इज फाउंड दैट द स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस अप टू अ सर्टेन लिमिट जो कि हुक्स ने आपको बता दिया है प्रपोशनलिटी लिमिट वहां तक तो जो हुक्स बोल रहा था वो एकदम सही था है ना ओनली एंड बियॉन्ड दैट रिलेशन इज अ नॉन लीनियर रिलेशन मतलब जब आप

स्पेसिफिन समझते हो ना कि एक चीज लेकर आओ एक सैंपल लेकर आओ सैंपल पे आप टेस्ट करो और उससे एक डायग्राम प्लॉट करो और जैसा जैसा डायग्राम बताएगा आपको आप वैसा वैसा समझना कि मटेरियल के अंदर हो रहा होगा ठीक है अब आते हैं काम की बात पे ये तो थी बातचीत अब काम की बात पे आते हैं है ना हेलो अंकल नमस्ते चल लो काम की बात पे आते हैं अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं बस इतना बस जितना आपकी बेटी एक महीने में उड़ाती है बस 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 सर बस बस बस

टीएम जो मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको यहां पे साइड में बनी होगी दिखा होगा ठीक है ना यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम जब आप कॉलेज में जाओगे ना इंजीनियरिंग करोगे अगर और कॉलेज में जाओगे तो आपको ये चीज सब प्रैक्टिकल करवाई जाएगी दिखाया जाएगा कि देखो स्पेसिमेन कैसा है क्या हो रहा है कितना फोर्स लगा कितना स्ट्रेस जनरेट हुआ और से टूट गया ठीक है तो यहाँ पे ऐसे लिवर लगा होता है उससे आप फोर्स बढ़ाते होते हो बढ़ाते आते हो बढ़ाते आते हो तो चलो बात की बात है चलो ये स्पेसिमेन मैंने लगाया जब मैं स्पेसिमेन लेकर आया था तो देखो स्पेसिमेन मैं बता दूं आपको कैसा था स्पेसिमेन ऐसा था एकदम बढ़िया स्पेसिमेन था ये ऐसे साइड में जॉ में फंसाने के लिए ये बने हुए थे ठीक एकदम बढ़िया चकाचक पीस आप लेकर आए आपने इसको क्लैम कर दिया क्लैम करने के बाद जब आप फोर्स बढ़ाओगे ना बाबा जब आप इसको खींचोगे तो ये क्या होगा पतला हो जाएगा क्या हो जाएगा ऐसे ये पतला हो जाएगा ठीक है ठीक है सर ऐसे पतला हो जाएगा पहले मोटा था पतला हो जाएगा फिर आपने आप हार नहीं माने आपने बोला और फोर्स बढ़ाओ ठीक आपने और फोर्स बढ़ाई तो देखो क्या होगा देखना ये कुछ ऐसा हो जाएगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा ऐसा कप एंड कोन स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा ऐसा ये, ये, ये ऐसा होने लगेगा ठीक है डायग्राम अभी आपको दिखाता हूं मैं ठीक है ये यह यहां से ऐसे पतला होने लगेगा यह देखो, यह देखो, देखो हो है ना ये ये देखो आप ठीक है तो ये प्रोसेस देखोगे ना सामने तो आप ऐसे ऐसे और आपको में कोई खास अंतर नहीं दिखाई देगा हाँ इस से एक ग्राफ जुड़ा होता है जो आपको क्या बताता है यहां पे गेज लगा होगा जो आपको बताएगा कितना एक्सटेंशन आता जा रहा है कितनी लंबी होती जा रही है रोड है ना वो आपको वही ग्राफ में पता चल जाएगा मशीन आपको सब बताती रहेगी आखिरी में जब आपको दिखेगा वो ये दिखेगा कि क्या हो गया आपका स्पेसिमेन ब्रेक हो गया ठीक है किस स्ट्रेस पे ब्रेक हुआ क्या हुआ ये सब आपको एक ग्राफ से पता चलता है जिसको आप क्या बोलते हो <coughs> इसको आप क्या बोलते हो टेंसाइल टेस्ट डायग्राम ठीक है चलिए भाई आगे बढ़े हाँ सर चलिए तो हम चलते हैं अब अपने टेंसाइल टेस्ट डायग्राम पे जिसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोला जाता है क्या बोला जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्म मैं आपको बता दूं कि हर मटेरियल के लिए अलग अलग बनता है यहां पर जो हम डायग्राम पढ़ने वाले हैं वो जनरली माइल्ड स्टील के लिए होता है किसके लिए होता है माइल्ड स्टील स्टील के लिए होता है steel, steel लिए होता है ना अब आप जानते हो कितने भतेरे हमारे पास मटेरियल है एल्यूमिनियम अलग है कॉपर अलग है है ना सारी चीजें कास्ट आयरन अलग है ब्रिटल मटीरियल होता है कोई डक्टाइल मटीरियल होता है उसकी बात अभी हम करने वाले हैं तो सबका ये डायग्राम अलग बनता है ये कोई यूनिवर्सल डायग्राम नहीं है हाँ एक यूनिवर्सल माइल्ड स्टील को हमने मान लिया है ताकि हम उसको क्या ले लें रेफरेंस ले लें ले। क्योंकि माइल्ड स्किल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है चलो एक रेफरेंस डायग्राम की तरह चलिए हम स्ट्रेस ट्रेन कर देखते हैं आप समझे ये कर्व बना कैसे ये कर्व बना इससे ये कर्व बना इससे जैसा जैसा यहाँ पर हो रहा था वैसे वैसे वो ग्राफ प्लॉट करता जा रहा था कौन इस मशीन से जुड़ा हुआ एक एक ऐसी वो होती है जैसे वो नहीं होता ईसीजी मशीन होती है उसमें से लाइन आती रहती है है ना वैसे ही वो मशीन होती है वो ग्राफ बनाती चलती है चलो अब आप देखो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट किया हमने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम ठीक है अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या, क्या क्या हुआ होगा आप ये जानते हो कि ओ से लेके ए तक ओ से लेके ए तक डायग्राम आपको क्लियर है क्या हाँ सर ओ से लेके ए तक आप देखो लाइन एकदम सीधी सीधी चली लाइन एकदम सीधी सीधी चली है. तो ये तो हमको ऑलरेडी पता था किसने बताया था हुक्स ने बताया था कि प्रपोर्शनैलिटी लिमिट तक प्रपोर्शनैलिटी लिमिट तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगी किसके स्ट्रेन के यहां तक ए तक आप देखो क्या हो रहा है समझने की कोशिश करना कि हुआ क्या होगा मैं आपको एक बार समझा दूंगा आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है डायग्राम कि इसमें हुआ क्या होगा कलर कलर चेंज कर लेता हूं देखो ए पॉइंट तक ओ से लेके ए पॉइंट तक आप देखो आप देखोगे ओ से लेके ए पॉइंट तक कि भैया छोटे से स्ट्रेन के लिए भी आपको काफी स्ट्रेस देना पड़ रहा है काफी फोर्स लगाना पड़ रहा है सर आपको कैसे पता ये देखो लाइन को ध्यान से देखना है ना मैं यहाँ लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ चलो अलग पेज में बनाता हूँ और अच्छे समझ में आएगा आओ देखो लाइन कुछ ऐसी बनी हुई है जे है आपका स्ट्रेस और जे है आपका स्ट्रेन भैया ठीक है लाइन बनी हुई है ऐसी लाइन बनी हुई है ऐसी है ना किसके तरफ झुका हुआ है लाइन किसके तरफ झुकी हुई है देखो आप देखोगे किसकी तरफ झुकी हुई है लाइन स्ट्रेस की तरफ झुकी हुई है स्ट्रेस की तरफ झुकी हुई है ठीक मतलब प्यार से देखना बहुत प्यार से देखना कि अगर आपको इतना सा स्ट्रेन लाना है कितना स्ट्रेन लाना है यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रेन लाना है इतना इतना स्ट्रेन अगर आपको लाना है तो आपको देखो इतनी स्ट्रेस देनी पड़ेगी फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ाना है अगर तो उसके लिए आपको देखो इतनी स्ट्रेस बढ़ानी पड़ रही है तो देखो थोड़े से गैप के लिए आपको स्ट्रेस कितनी बढ़ानी पड़ रही है आई बात समझ में कि नहीं नहीं आई सर नहीं आई देखो ये पॉइंट देखो दिस इज योर पॉइंट ए ठीक एंड दिस इज योर पॉइंट बी ठीक है ना मैं पतले पेन से इसलिए बना रहा हूं ताकि दिखे क्लियरली दिखे ए पॉइंट से देखो और बी पॉइंट को मैंने नीचे गिराया ठीक है ओहो हाँ ए पॉइंट को मैंने नीचे प्रोजेक्ट किया बी पॉइंट को मैंने नीचे प्रोजेक्ट किया तो देखो कितनी स्ट्रेन में कितना स्ट्रेन आया देखो इतना स्ट्रेन आया इतना गैप है जो ठीक है इतना इतने से स्ट्रेन के लिए आपको स्ट्रेस की वैल्यू कितनी बढ़ानी पड़ी ये देखो स्ट्रेस कितनी बढ़ानी पड़ी कितना फोर्स आपको बढ़ाना पड़ा आपको फोर्स बढ़ाना बढ़ाना पड़ा इतना सारा गैप देख रहे हो स्ट्रेन इतनी सी स्ट्रेस इतना ज़्यादा स्ट्रेन इतनी सी स्ट्रेस इतना ज़्यादा तो आप देखोगे पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक जहां तक लाइन सीधी सीधी चल रही है और वो झुकी हुई है स्ट्रेस की तरफ तो आप जानोगे कि भैया प्रपोर्शनैलिटी लिमिट या ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको बहुत स्ट्रेस देना पड़ रहा है स्ट्रेन लाने के लिए हाँ हा सर हाँ सर, ठीक है ओके ये बात ये बात आपको समझ में आई हाँ सर समझ में आई ठीक आइए वापस डायग्राम पे चलते हैं तो आपको ये समझ में आया कि भैया छोटी सी स्ट्रेन के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा है ध्यान रखना सिग्मा अपॉन एप्सलन होता है ई e के बराबर ठीक है ना ठीक है ठीक है बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप जब लगा रहे हो थोड़ी सी स्ट्रेन आपको मिल रही है इससे क्या होगा मुझे बताओ इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब यह है ऐसे मटेरियल जिसमें आप थोड़ी सी स्ट्रेन लाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाते हो बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो ध्यान से सुनना मेरी बात ऐसे मटीरियल जिसमें आप थोड़ी सी स्ट्रेन लाने के लिए थोड़ा सा डिफॉर्मेशन लाने के लिए ज्यादा स्ट्रेस लगाते हो वो मटेरियल का यंग्स ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है हाँ कि ना नहीं यही बात समझ में बाबा देखो ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं मान लीजिए इसी डायग्राम में इसी डायग्राम में मैं एक दूसरी लाइन बनाता हूं देखिएगा यह है दूसरी लाइन यह है आम जिंदगी ये है मिनटॉस जिंदगी अब आप देखिए इसमें प्यार से एकदम क्या देखेंगे प्यार से आप दो पॉइंट लेता हूं मैं फिर से एक ये पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी ठीक ए को प्रोजेक्ट किया नीचे बी को प्रोजेक्ट किया नीचे कितना भाई कितना स्ट्रेन लाए आप इतना स्ट्रेन लाए इसके लिए आपको कितना स्ट्रेस चाहिए पड़ा कितना स्ट्रेस में चेंज आना पड़ा इतना स्ट्रेस में चेंज आना पड़ा तो आप देखोगे ये गैप ये गैप और, और ये गैप ऑलमोस्ट क्या है सेम है है ना तो सेम स्ट्रेन के लिए आपको जितना आपने स्ट्रेन में डिफॉर्मेशन लाया उसके लिए आपको स्ट्रेस की वैल्यू भी देख रहा हो उतना ही लाने उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी है ना तो आप देखो इस लाइन के लिए इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए इस लाइन के लिए आप देखोगे कि ई की वैल्यू कम होगी और इस लाइन के लिए आप देखोगे

ये बहुत बड़ा बड़ा डाउट आपका अभी क्लियर कर देगा जिस भी मटेरियल में आपको डिफॉर्मेशन लाना हो अगर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन लाने के लिए उस उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तो आप यह समझ जाओ कि उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उसकी मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी अच्छी खासी होगी लेकिन अगर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन लाने के लिए आपको थोड़ा ही फोर्स लगाना पड़ रहा है तो आप यह समझ जाओ कि उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा आई बात समझ में हाँ सर समझ में आई बात अब आती है बात स्टील और रबर की मैंने आपसे बोला था कि हम ये बात दोबारा करेंगे मैंने आपसे पूछा था कि स्टील और रबर में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज्यादा होता है कौन ज्यादा इलास्टिक होता है तो हमने आपको आपने बोला था कि भाई रबर होना चाहिए लेकिन मैंने आपको समझाया था नहीं होता है कौन स्टील क्यों क्योंकि स्टील में थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन अगर आपको लाना है थोड़ा सा भी स्ट्रेन अगर आपको जनरेट करना है कम स्ट्रेन भी जनरेट करना है तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है इसलिए स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होती है बट अगर रबर में आपको स्ट्रेन लाना हो तो थोड़ा सा फोर्स लगाओ बढ़िया स्ट्रेन आ जाएगा तो उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है लेकिन उसका मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी कम है आई बात समझ में हाँ सर हाँ सर सर बहुत अच्छे समझ में आया बहुत अच्छे समझ में आया याद रखना याद रखना अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं देखो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप इसका जवाब दे पाओगे दो मटेरियल है आपके सामने मैं दो मटेरियल दे रहा हूं एक मटेरियल है ए और एक मटेरियल है बी ठीक है ना मटेरियल ए पर भी मैंने सिग्मा स्ट्रेस लगाई मटेरियल बी पर भी मैंने सिग्मा स्ट्रेस लगाई मटेरियल ए पर भी मैंने सिग्मा स्ट्रेस लगाई मटेरियल बी पर भी मैंने सिग्मा स्ट्रेस लगाई या फोर्स लगाया जिसके कारण सिग्मा स्ट्रेस जनरेट हुई ऐसा मान लो

मतलब जो डिफॉर्मेशन ए मटेरियल में आया है जो डिफॉर्मेशन ए मटेरियल में आया है वो बी मटेरियल के मुकाबले ज्यादा है तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से किसकी मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी किसकी मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो आपको जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट को यहां लगाओ कि दोनों पर स्ट्रेस कितना आया है सिग्मा सिग्मा बट स्ट्रेन जो ए पर आया है वो ज्यादा है स्ट्रेन जो ए पर आया वो ज्यादा है लेकिन बी पर जो स्ट्रेन आया वो कम है तो कम स्ट्रेन लाने के लिए आपको इतनी स्ट्रेस की जरूरत पड़ी जबकि उतने ही स्ट्रेस में इसमें ज्यादा 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 स्ट्रेन आ गया तो हम बोलेंगे भाई ऑफ इलास्टिसिटी किसकी है है बी की क्योंकि यहां पर सिग्मा तो कॉन्स्टेंट है ये देखो सिग्मा अपॉन एप्सलन इज इक्वल टू ई होता है ठीक है अगर सिग्मा कॉन्स्टेंट है तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सलन है, है कि नहीं जिसका एप्सलन ज्यादा उसका मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कम जिसका एप्सलन ज्यादा अगर सेम स्ट्रेस है तो अगर सेम स्ट्रेस आपने लिया है तो जिसका एप्सलन ज्यादा उसकी मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कम अब आपको समझ में आया इसलिए स्टील में हम ये बोलते हैं कि भाई स्टील में थोड़ा सा भी स्ट्रेन लाने के लिए थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन लाने के लिए आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होती है इसलिए मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज्यादा है स्टील का ज्यादा है बहुत ही शानदार चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब देखो डिफरेंट डिफरेंट ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है ये मशीन ने प्लॉट करके दिया अब हमको उसको समझना है तो हमने देखा भाई ओ से ए तक लाइन सीधी थी और स्ट्रेस की तरफ झुकी हुई थी मतलब थोड़े से स्ट्रेन लाने के लिए आपको अच्छा खासा स्ट्रेस देना पड़ रहा था ठीक है इन दिस रीजन ओ से ए तक इन दिस रीजन द स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन ये तो हमको भी पता है ओ से ए तक स्ट्रेस जो है वो प्रपोर्शनल है स्ट्रेन के सीधी लाइन बन रही है आप देखो ये हमको किसने बता दिया था हुक्स ने बता दिया ठीक है अप टू ए एंड हुक्स लॉ इज यूनिट ऑप्टेड लॉ वैलिड हुआ है ओ से लेके ए तक पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रपोशनल लिमिट पॉइंट ए इज कॉल्ड लिमिट ये देखो पॉइंट ए को आप बोलते हो प्रपोशनल लिमिट ये लिखा हुआ है यहां पर ठीक पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रपोशनल लिमिट नेक्स्ट स्लोप ऑफ लाइन ओ ए गिव्स यंग्स मॉडिल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर या मटेरियल ऑफ लॉड जो आपने लिया है ठीक है ठीक भाई इसका आप स्लोप निकालोगे ये थीटा आपके पास है टेन थीटा निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यंग्स ऑफ इलास्टिसिटी देखो ना पर पर आपको कोई पर आपको कोई स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी स्ट्रेन भी मिलेगा ठीक ठीक अब देखो ओ से ए तक देखा गया कि जितना स्ट्रेन आया है टोटल आएगा जो टोटल खींचने में जितना स्ट्रेन आएगा उसका एक परसेंट से भी कम ओ से ए तक आता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर आता है और वो क्या है अगर यहां पर मैं फोर्स छोड़ू यहां पर मैं अगर फोर्स छोड़ दूं डिफॉर्मिंग फोर्स तो क्या होगा बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगी ये बात याद रखना ओ से ए तक प्रपोर्शनैलिटी लिमिट में जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे तो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा क्योंकि अभी वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है चलो आगे बढ़ते हैं रीजन देखते हैं ओ से बी ओ से बी रीजन ये देखो ध्यान से देखना इसको हटा देता हूं मैं ओ से बी ए से बी सॉरी ए से बी ये जो बी पॉइंट है इस बी पॉइंट को आप बोलते हो इलास्टिक लिमिट प्रपोर्शनैलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट में बहुत अंतर है हो सकता है कई कई मटेरियल में ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास दिखे आपको जैसे माइल्ड स्टील है माइल्ड स्टील में ए और बी बहुत पास पास होते हैं प्रपोर्शनैलिटी लिमिट आई और खटाक से इलास्टिक लिमिट आ जाती है चलो समझते हैं पहले क्या है ए बी फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेन इज नॉट प्रपोर्शनल टू स्ट्रेस अब यहाँ क्या दिक्कत फंस गई दिक्कत ये फंस गई कि ए से बी तक ग्राफ ने आपको बताइए मैं नहीं बोल रहा ये मैंने नहीं किया ये आपको मटेरियल ने बताया है, ये आपने जो एक्सपेरिमेंट किया ना ये वाला ये जो एक्सपेरिमेंट किया आपने, इसके द्वारा ये हुआ है।, तो में जो हुआ है उसको हम समझ रहे गया उसमें। टाइप है ना तो भाई हमने बोला भाई यहां तो stress, यहां तो स्ट्रेस इज डायरेक्ट स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है यहां तो इस केस में स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेस है ही नहीं मतलब यहां हुक्स लॉ वैलिड नहीं है यहां क्या है हुक्स हुक्स लॉ लॉ इज़ नॉट वैलिड इलास्टिक लिमिट में हुक्स लॉ ए से बी के बीच में ठीक है ना हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड मैंने कहा बढ़िया ठीक है समझ में आ गया आगे पढ़ते हैं बट इफ द लोड इज रिमूव लेकिन अगर आपने इस केस में लोड रिमूव कर दिया आप ए तक लोड लगाते गए 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 लगाते गया, लगाते स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था <coughs> ए से जैसे ही आप ऊपर गए आपने बोला लाइन सीधी नहीं है हुक्स लॉ वैलिड नहीं है तो कई लोगों ने बोला कि अगर हुक्स लॉ वैलिड नहीं है तो इलास्टिसिटी नहीं होगी आप इलास्टिक नहीं होगा अब आपका मटेरियल तो हमने बोला ये तो हम तब पता करेंगे जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद भी आपका मटेरियल ओरिजिनल पोजीशन ओरिजिनल शेप और साइज में चला गया मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर है हा कि ना तो हमने क्या किया ए से बी के बीच में पहुंचकर अपने फोर्स को हटा दिया डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया छोड़ दिया तो हमने देखा कि अरे भैया हमारा मटेरियल तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया किस में आ गया अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया इसका मतलब यह हुआ कि मटेरियल अभी भी इलास्टिक लिमिट में ही है ए से बी के बीच में मटेरियल अभी भी इलास्टिक ही है इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है हाँ बस वो हुक्स लॉ को फॉलो फौल, नहीं कर रहा ए से बी के बीच में ठीक है पक्का हंड्रेड पर तो जरूरी नहीं है कि अगर मटेरियल इलास्टिक हो तो वो हुक्स लॉ को फॉलो करे लेकिन अगर हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो मटेरियल इलास्टिक होगा याद रखना मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है जरूरी नहीं है कि मटेरियल अगर इलास्टिक है तो हुक्स लॉ को फॉलो करे लेकिन अगर हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो मटेरियल इलास्टिक होगा डंके की चोट पर स्टेटमेंट कहीं लिखा हुआ नहीं है यहां पर लेकिन यह सच है इसको ऐसी चीजों को आपको लिख लेना है नोट बना लेना है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो हमने बोला बट इफ द लोड इज एट एनी पॉइंट पॉइंट बिटवीन ओ ओ एंड बी बी और B के बीच में आपने अगर किसी भी पर लोड को हटाया द कर्व विल बी रिट्रेस्ड द कर्व विल बी रिट्रेस्ड एंड द रीट्रेस्ड विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल लेंथ और अपने ओरिजिनल शेप और साइज पर वो वापस आ जाएगा क्योंकि अभी भी आपका मटीरियल इलास्टिक लिमिट के अंदर था ए से बी के, के बीच में लेकिन अब आप आपको अंदर से बहुत ज्यादा वो थी आपने और फोर्स बढ़ा दिया आपके हाथ में तो रेगुलेटर है ना मशीन का आप तो जितना चाहो उतना तो फोर्स बढ़ा सकते हो आपने और रेगुलेटर घुमाया और फोर्स बढ़ाया स्ट्रेस बढ़ने लगी स्ट्रेस बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी और आप बी पॉइंट को क्रॉस कर गए अब आप बी पॉइंट को क्या कर गए क्रॉस कर गए तो आप ध्यान से देखो दिस इज योर बी पॉइंट खत्म इलास्टिक खत्म इलास्टिक लिमिट तोड़ दिया आपने बी पॉइंट को जैसे ही आपने क्रॉस किया इलास्टिक लिमिट को क्या कर दिया आपने खत्म कर दिया ठीक है हाँ सर यार एक चीज जरा ध्यान से सुनना यहां पर मैं ग्राफ जरा अपना काला वाला काले पेन से अलग बना लू थोड़ा अच्छे से समझ में और आपको आएगा देखो स्ट्रेस hmm. स्ट्रेन पहले स्टार्टिंग में आपने लोड लगाना चालू किया स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हुआ ठीक है ये देखो स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हुआ ये आपका प्रपोर्शनैलिटी लिमिट हुआ ए लिमिट ए इसके बाद आपका मटेरियल इसके बाद लाइन कैसी हो गई थोड़ी सी आपको शो कर दी शो करने के बाद देखो क्या होगा ऐसा कुछ बनेगा दिस दिस इज इज योर योर पॉइंट पॉइंट बी एंड सी ये जो यहां पर डायग्राम बना हुआ है ये थोड़ा सा सही नहीं है मुझे ऐसा लगता है सी पॉइंट को बी पॉइंट के थोड़ा सा नीचे आना चाहिए थोड़ा सा नीचे आना चाहिए कोई बात नहीं ऐसा बना है तो थोड़ा सा ना ज्यादा नहीं थोड़ा सा नीचे तो so, यहां पर आएगी आपकी इलास्टिक लिमिट ठीक ये होता है आपका आगे जाके बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा ये तो आप फिर वो अपने बीच का वो टूट जाएगा क्या बोलते हैं इसको टूट जाएगा चलो हाँ ये मेरा डायग्राम है ठीक है ना आओ अब मैंने ये बोला ए से बी तक मैंने एनालिसिस कर लिया आगे बढ़ते हैं ए से बी के बाद क्या होगा देखो बियॉन्ड बी अब हमको देखना है भैया बियॉन्ड बी बियॉन्ड बी क्या होगा सुनना अब आपने बोला भाई मेरे हाथ में रेगुलेटर है मैं और फोर्स बढ़ाऊंगा और स्ट्रेस आगे देखूंगा क्या होता है आप बी के ऊपर चलेगा जैसे ही आप बी के ऊपर गए तो इलास्टिक लिमिट खत्म हो चुकी है अब अगर आप अपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जा पाएगा मटीरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जा पाएगा ठीक है ठीक है सर पढ़ते हैं बियॉन्ड बी इफ द वायर इज लोडेड फर्दर यहाँ वायर लिखा हुआ है या रॉड भी हो सकता है भाई ठीक है ना द वायर इज लोडेड फर्दर मैंने जो प्रैक्टिकल्स किए हैं मैंने जो खुद प्रैक्टिकल किए हैं उसमें वो रॉड के माध्यम से किए रॉड रॉड की rod, rod मदद से किए ठीक है ना तो मेरे आंखों देखा प्रैक्टिकल है सही है कोई दिक्कत नहीं है द स्ट्रेन इंक्रीजेज रैपिडली देन द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस अब जैसे ही आपने बी पॉइंट को क्रॉस किया जैसे ही आपने बी पॉइंट को क्रॉस किया आपने देखा कि सुनो स्ट्रेस उतनी नहीं बढ़ रही जितनी स्ट्रेन बढ़ रही है देखो आप ना खुद देखो यह देखो ये देखो ध्यान से देखो स्ट्रेस इतनी इतनी बढ़ रही है ये स्ट्रेस है फिर ये स्ट्रेस थी फिर ये स्ट्रेस थी फिर ये स्ट्रेस थी आप सी तक पहुँचे लेकिन यहाँ देखो स्ट्रेन ये थी फिर ये स्ट्रेन थी फिर ये स्ट्रेन थी फिर ये स्ट्रेन थी यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेन बढ़ गई लेकिन स्ट्रेस देखो इतनी सी ही बढ़ी सॉरी तो आपने टेढ़ी लाइन बना दी अरे बाबा ये देखो सीधी लाइन बना देता हूँ इतने से स्ट्रेस बढ़ाने के बाद देखो स्ट्रेन कितनी ज्यादा बढ़ी है पॉइंट बी को जैसे ही आपने क्रॉस किया आपका मटेरियल खिंचने लगा स्ट्रेन ज्यादा आने लगी स्ट्रेस कम हो गई कम स्ट्रेस कम स्ट्रेस को बढ़ाने के बाद आपका स्ट्रेन ज्यादा आया है पहले क्या हो रहा था पहले छोटी सी स्ट्रेन के लिए ज्यादा स्ट्रेस लग रही थी लेकिन जैसे ही आपने बी पॉइंट को क्रॉस किया थोड़ी सी स्ट्रेन ज्यादा सी स्ट्रेन के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है उल्टी चीज हो गई नया नया ऐसा फिर से बताता हूं जब आप प्रपोशनलिटी लिमिट के अंदर थे यानी कि जब आप ओ से ए तक बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको छोटी सी भी स्ट्रेन लानी है तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ रही है देखो है ना इतनी सी स्ट्रेन लाने के लिए आपको इतना स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है ये ए तक चला है ना ए से बी तक आपकी इलास्टिक लिमिट थी लेकिन आपने जैसे ही बी पॉइंट को क्रॉस किया आपने देखा बी पॉइंट को आपने क्रॉस किया तो आपने देखा इतनी सी स्ट्रेस बस बढ़ाई मैंने और स्ट्रेन कितना बढ़ गया स्ट्रेन इतना बढ़ गया स्ट्रेन इतना ज़्यादा आ गया

द वायर डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप मान लो हमने सी पॉइंट पर आके ही सी पॉइंट पर आके ही क्या कर दिया अपना डिफॉर्मिंग फोर्स खींच लिया हटा लिया तो क्या होगा द वायर द रॉड डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ बट ट्रेवर्सिज द डॉटेड लाइन सी ई बट द डॉटेड लाइन सी अब इसे समझने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है देखो जब आप सी पॉइंट पर पहुंचे जब आप सी पर पॉइंट पॉइंट पर पहुंचे और आपने यहां से लोड रिमूव किया तो अब पार्टिकल अब आपका मटेरियल जो है सॉरी पार्टिकल नहीं अब आपका जो मटेरियल है वो ओरिजिनल लाइन को रिट्रेस करके ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आएगा है ना वो क्या करेगा एक नई लाइन डॉटेड लाइन बनाएगा ऐसी सी ई -E. ठीक है ना कैसी लाइन बनाएगा एक डॉटेड लाइन बनाएगा सी ई देखो सी ई -E, ठीक नहीं ई e नहीं बोलता ई e ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट है तो उसको मैं बोल देता हूँ सी ओ ठीक सी से ओ वो भी है यार वो भी है वो यहाँ है इसको बोला है हमने इसको ओ डैश बोल देते हैं तो जब आपने सी पॉइंट्स अपने लोड को रिमूव किया तो वो क्या करेगा वो अपने ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करके रिट्रेस करके अपने ओरिजिनल शेप और साइज पे नहीं पहुंचेगा वो इस लाल लाइन को डॉटेड लाइन को सी ओ डैश को फॉलो करते हुए यहां तक पहुंचेगा यहां आ जाएगा वो स्ट्रेस आपने जीरो कर दिया आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया स्ट्रेस हो गई जीरो लेकिन ये क्या है ये आपको क्या देखने को मिला वॉट इज दिस दिस इज परमानेंट डिफॉर्मेशन दिस परमानेंट डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन समझ में आई बात मतलब आपने उसको पांच सेंट, चार सेंटीमीटर तक खींचा पहले लोड हटाया वो वापस दो सेंटीमीटर पर आ मतलब आपके पास मान लो कोई एक स्पेसिमन है जो दो सेंटीमीटर का है आपने उसमें फोर्स लगाया तीन सेंटीमीटर तक पहुंचा आपने फोर्स हटा दिया वो वापस दो पर आ गया आपने चार तक खींचा फोर्स हटाया वो वापस दो तक आ गया लेकिन जैसे ही आप चार के ऊपर गए मतलब जैसे ही आपने उसको पाँच सेंटीमीटर तक खींचा और फोर्स लगाया और स्ट्रेस जनरेट की और आपने फोर्स को हटाया तो हो सकता है वो पाँच से दो तक तो नहीं आए वो पाँच से चार पर आके रुक जाए उसमें क्या होगा उसमें क्या होगा डिफॉर्मेशन आ जाएगा परमानेंट क्या जाएगा आ जाएगा परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा दो परसेंट का परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा ये वही चीज़ है देखो आपने सी पॉइंट पर आके लोड रिमूव किया तो स्ट्रेस जीरो करने पर स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ कुछ स्ट्रेन है उसके अंदर इतना स्ट्रेन है उसको आप क्या बोल रहे हो परमानेंट सेट बोलते हैं या परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं ठीक है ठीके? पक्का अरे नहीं समझ में आया बाबा दो सेंटीमीटर का स्पेसिमिन था पहले दो से आपने उसको खींचा चार तक दो से तीन तक खींचा ये था दो सेंटीमीटर आपने उसको दो से तीन खींच दिया

आपने और फोर्स लगाया और इसको कर दिया पाँच सेंटीमीटर का कितना कर दिया भाई इसको कर दिया पाँच सेंटीमीटर का पाँच सेंटीमीटर करने के बाद आपने लगा डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओ अब आप जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे ये पाँच सेंटीमीटर से हो सकता है कितने हो का हो जाए वापस चार सेंटीमीटर का हो जाए तो इसमें कितने का परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया दो सेंटीमीटर का परमानेंट डिफॉर्मेशन है ये देखो ये देखो दो सेंटीमीटर का परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया ठीक क्लियर बात है हाँ सर अब समझ में आया सर अब समझ में आया अब एकदम हमको समझ में आ गया है चलो भाई आगे बढ़ते हैं पॉइंट क्योंकि ऑलरेडी है ना ओ ई डैश इज लेफ्ट इन द वायर एंड द मटेरियल इज सेट टू परमानेंट सेट अब आपका परमानेंट सेट हो गया है मटेरियल कुछ नहीं कर सकते चलिए वेरी गुड आ जाओ अब बियॉन्ड सी चलते हैं सी पॉइंट के ऊपर जाते हैं अभी हम नहीं माने अभी भी हम और लगा रहे हैं फोर्स देख रहे हैं और क्या होता है तो आपने जैसे ही सी पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाना चालू किया अब आपने देखा कि भैया स्ट्रेन तो कैसी धड़ाधड़ बढ़ रही है सी से डी तक देखो स्ट्रेन कैसा फटाफट बढ़ रहा है स्ट्रेस देखो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है लेकिन स्ट्रेन कितनी बढ़ रही है देखो स्ट्रेन कितनी भयानक बढ़ रही है थोड़े से स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है ना तो अब पगला गया है आपका मटीरियल क्या हो गया आपका मटीरियल पगला गया है अरे आपने वो देखी है शादी में ज़रूर आना पिक्चर है शादी में जरूर आना में वो देखता है देखा करबंदा छोड़ जाती है तो आई एस बन जाता है पगला नहीं जाता वो एकदम इतनी पढ़ाई करता है इतनी पढ़ाई करता है कलेक्टर ही बन जाता है एकदम और फिर उसी को मिलने आती है वो होता है कि नहीं तो भाई यहाँ तक बहुत कृतिकरबंदा क्रित, के पीछे मटेरियल चला सीधे सीधे बढ़िया खूब खुश रहा है ना बढ़िया बी तक भी खुश रहा सी तक भी चलो मान लिया कृति करबंदा के पीछे पागल रहा प्यार में वो शादी करने के लिए लेकिन सी पॉइंट पर कृति करबंदा छोड़कर चली गई अब जैसे ही कृति करबंदा छोड़कर गई राजकुमार राव को वो पगड़ा गया और सी से डी तक उसका पागलपन चढ़ा चला वो अपने पीक पॉइंट पर पहुंच गया यहां जाकर वो क्या बन गया कलेक्टर बन गया समझे तो सी से डी के बीच में आपका मटेरियल हो जाता है पागल उसको थोड़ा सा भी स्ट्रेस दे रहे हो आप तो वो भयानक तरीके से बढ़ रहा है खिंचा चला जा रहा है खिंचा चला जा रहा है देखो 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 ये देखो, ये 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 डायग्राम 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 वाला जो एकदम से खिंच रहा है ना मटेरियल लंबा हो रहा है ये वही पॉइंट है सी से डी वाला पॉइंट कौन सा तो तो पॉइंट पॉइंट है वो सी से डी वाला जब ये मटेरियल पतला हो रहा है देखो लंबा खिंच रहा है है ना तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सी से डी में आपका मटेरियल पगला चुका है उसको थोड़ी सी भी स्ट्रेस दे रहे हो आप तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से खिंच रहा है एकदम पतला होता जा रहा है ठीक है पक्का तो यहाँ इस रीजन को बोलते हैं सी से डी वाले रीजन को बोलते हैं जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे ना तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन अगर मैं आपको यहाँ समझाऊँ इसके बीच में भी एक दो पॉइंट आते हैं लेकिन हमको उसको जानने की जरूरत नहीं है बस इतना जानने की ज़रूरत है कि सी से डी में आपका मटेरियल बहुत ज़्यादा स्ट्रेन शो करता है छोटे से स्ट्रेस के लिए एकदम पानी की तरह बहने लगता है मटेरियल मटेरियल फ्लो करने लगता है एकदम धागे ऐसा खिंचता जाएगा खिंचता जाएगा खिसता जाएगा स्ट्रेस थोड़ी सी रहेगी लेकिन स्ट्रेन बहुत ज़्यादा रहेगा ये कहाँ होता है सी से डी में चलो सी द वायर इज लोडेड बियॉन्ड सी अ लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन इज अंटिल पॉइंट डी टी पॉइंट तक बहुत ज्यादा स्ट्रेन आपको देखने को मिलती है देखो ना आप खुद देखो यार ये देखो इतना सा स्ट्रेस है इतना सा स्ट्रेस आपने बढ़ाया स्ट्रेन कितनी बढ़ी स्ट्रेन इतनी बढ़ी है ये देखो इतना ठीक ठीक अगर आपका मटीरियल पॉइंट डी तक पहुंच गया है तो यह मानकर चलो कि उसमें फेलियर अब आएगा ही आएगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो आप अगर आप तो रेगुलेटर से बढ़ाया जा रहे हो बढ़ाया जा रहे हो स्ट्रेस बनता जा रहा है बनता जा रहा है तो आपने पीक पर पहुंचा दिया अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं ये कहलाती है हमारी अल्टीमेट स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस यहां तक पहुंच जाता है आपका मटेरियल अब अल्टीमेट है भाई अब कुछ नहीं हो सकता ठीक है ना इस रीच एड विच फ्रैक्चर प्लेस फ्रॉम बी टू डी फ्रॉम बी टू डी द मटेरियल इज सेट टू अंडर गो प्लास्टिक फ्लो अब ये क्या बोलना चाह रहा है अभी आपको बताऊंगा बी से ले तक बी से लेकर डी तक बोला जाता है कि आपका मटेरियल प्लास्टिक फ्लो में आ गया एकदम प्लास्टिक जैसे ऐसे फ्लो कर रहा है ना समझाता हूँ अभी आप विच इज़ इरिवर्सिबल जो कि इ रिवर्सिबल है अब आप अगर लोड हटा दो अब आप चाहे डिफॉर्मिंग इन फोर्स हटा भी दो अब कुछ नहीं हो सकता अब तो बेटा मटीरियल जितना डिफॉर्म हो गया है वो रहेगा उतना ही है अब तो गया अब वापस ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ सकता वो चीज़ इिवर्सिबल है ठीक है हाँ सर ठीक है आ गया समझ में सर ठीक है अब क्या हुआ जैसे ही आपने डी पॉइंट अचीव कर लिया मैक्सिमम स्ट्रेस दे दी उसको अब क्या होगा जैसे ही ये पॉइंट पहुँचेगा ना ये पॉइंट उसके पास ही होता है बस यहां दिखाने के लिए ई थोड़ा दूर बना है लेकिन ई इसके पास ही होता है यहां कहीं होता है जैसे ही आप डी तक पहुंचे एकदम से थोड़ा और मटेरियल आगे खट फ्रैक्चर देखो ना ये देखो डायग्राम ये देखो जिफ में देखो ये देखो ये लंबा हुआ 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 खट टूट जाएगा ये देखो ये खट तुरंत फ्रैक्चर आया ठीक है ना तो वो कहलाती है हमारी फ्रैक्चर स्ट्रेस क्या कहलाती है भाई ये फ्रैक्चर पॉइंट है एंड दिस इज कॉल्ड फ्रैक्चर स्ट्रेस ये This is your तो ये था भाई हमारा मटेरियल जैसे जैसे उसने अपना बिहेवियर दिखाया उस पर हमने ग्राफ को देख देख के समझा कि अच्छा ये बिहेवियर शो करना चाह रहा था हमारा मटेरियल। आओ आपको कुछ और दिखा दूं जरा फटाफट देखो इसमें जो ओ से लेके इसमें जो ओ से लेके बी तक का पो, पोर्शन था ये वाला है ना इसको आपने बोला है इसको आपने बोला है इलास्टिक लिमिट क्या बोला है आपने इसको इलास्टिक लिमिट ठीक अब बी पॉइंट के बाद तो मटेरियल बी पॉइंट के बाद तो मटेरियल इलास्टिसिटी खो देता है परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लगता है तो बी से लेके बी से लेके डी तक आप बोलते हो कि भैया ये प्लास्टिक लिमिट है ये क्या है भाई प्लास्टिक लिमिट है सर ई e तक क्यों नहीं है क्योंकि ई पॉइंट डी के बहुत पास ही होता है ज्यादा दूर नहीं होता बिल्कुल पास में होता है वो दिखाने के लिए मैंने क्या किया है थोड़ा दूर बनाया ठीक है ना अगर आप चाहो तो ये पॉइंट भी ले सकते हो लो कोई गलत नहीं है इसमें कुछ भी गलत नहीं है यहां तक मटेरियल क्या होता है ये कौन सा रीजन है दिस इज प्लास्टिक रीजन दिस इज प्लास्टिक रीजन, रीजन। है ना पक्की बात पक्की बात बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें ये प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा होता है बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनमें प्लास्टिक रीजन बहुत कम होता है बहुत सारी मटेरियल होता है इसमें प्लास्टिक रीजन होते ही नहीं है ना तो ऐसे मटेरियल जिसमें प्लास्टिक रीजन ज्यादा हो है ना प्लास्टिक रीजन ज्यादा हो जिसमें प्लास्टिक रीजन ज्यादा हो उसको हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल क्या बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल है ना ऐसा भी बोला जाता है जिसमें स्ट्रेन पांच परसेंट से ज्यादा हो क्या हो जिसमें स्ट्रेन क्या हो पांच परसेंट से ज्यादा हो तो हम उसको बोलते हैं क्या डक्टाइल मटेरियल ठीक है ना चलो अगर किसी किसी में में प्लास्टिक रीजन कम कम हो हो मतलब प्लास्टिक रीज़न मतलब ये वाला ये वाला एरिया पोर्शन कम हो तो हम उस मटेरियल को बोलते हैं भाई कि ये ब्रिटल मटेरियल होगा क्या होगा भाई मटेरियल ब्रिटल होगा जैसे हमारी लकड़ी हो गई ग्लास हो गया ये सब क्या है भाई ब्रिटल मटेरियल है कास्ट आयरन हो गया ये सब क्या है भाई ब्रिटल मटेरियल है ठीक है और भाई कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ इलास्टिक लिमिट होती है इलास्टिक लिमिट के बाद वो सीछे सीधे क्या हो जाते हैं भाई ब्रेक हो जाते हैं मतलब उसमें प्लास्टिक रीजन नहीं होता क्या नहीं होता प्लास्टिक रीजन नहीं होता तो हम बोलते हैं भाई वो इलास्टोमर्स हैं जैसे रबर हो गई क्या हो गई रबर हो गई है ना ये क्या है भाई इलास्टोमर्स हैं रबर

आप बोलोगे सर प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं है तो ब्रिटल मटेरियल क्यों नहीं है भाव ब्रिटल में थोड़ा सा प्लास्टिक रीजन होता है थोड़ा सा ही हो लेकिन होता है कम होता है फट से टूट जाएगा वो है ना चलिए भाई तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए बहुत अच्छे समझ गए कि ये होता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बहुत काम आता है भाई जो लोग आगे जाके एम टेक करते हैं जो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ते हैं जो मटेरियल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं है ना या मटेरियल साइंस पढ़ते हैं वो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डील में डिस्कस करते हैं है ना हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको इतना जरूरी नहीं है है ना चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा तो इसको मैं कर दूं क्लियर भाई ये 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 सारी चीजें हम क्या कर चुके हैं भाई पढ़ चुके हैं अब आप देखोगे स्ट्रेन यहां तीस तक भी है बाबा एक प्रॉपर्टी होती है मेलियबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी डक्टिलिटी से आप किसी मटेरियल को वायर बना सकते हो ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की जिससे उसको खींच के टेंसाइल फोर्स लगा के टेंसाइल फोर्स लगा के उसे वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है उसे डक्टिलिटी बोलते हैं ऐसे मटेरियल जिन पे कंप्रेसिव फोर्स लगा के आप उसे शीट में कन्वर्ट कर पाओ किसमें कन्वर्ट कर पाओ शीट में पतली सी शीट में कन्वर्ट कर पाओ उसको बोलते हैं कि वो मटेरियल मेलीएबल मटेरियल है है ना मेलीएबिलिटी तब होती है जब कोई मटेरियल के अंदर स्ट्रेन कितनी हो जाए 26% 25% से ऊपर चली जाए है ना 25% से ऊपर चली जाए 5% से ऊपर हो तो डक्टाइल होता है मटेरियल 25% से ऊपर हो तो मटेरियल क्या हो जाता है भाई

तो अब आप इसमें कैसे प्रपोशनलिटी लिमिट बताओगे कैसे इलास्टिक लिमिट बताओगे तो इसके लिए अलग प्रोसेस होती है यहां पर एक प्रूफ स्ट्रेस की बात होती है नहीं जानना हमको है ना कास्ट आयरन का ये डायग्राम है और हाई कार्बन स्टील का ये डायग्राम है है ना चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर द हार्ड मटेरियल लाइक हाई कार्बन स्टील कास्ट आयरन पॉइंट्स ए एन बी आर इनडिफरेंशियबल पॉइंट्स ए एन बी आर इनडिफरेंशियबल जो ब्रिटल मटीरियल है कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटीरियल तो पॉइंट ए और बी जो है वो इनडिफरेंशियबल है कोई आपको पता नहीं चलेगा कि पॉइंट ए और बी में कोई सिग्निफिकेंट दूरी आपको दिखाई नहीं देगी ठीक है द मटीरियल विथ लार्ज रीजन बी डी द मटीरियल विथ लार्ज रीजन बी डी कहाँ गया बी डी लार्ज रीजन बी डी ठीक है जिन मटेरियल में लार्ज रीजन बी डी होता है विल बी मोर डक्टाइल एंड स्मॉल रीजन ऑफ बी डी मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसमें जितना प्लास्टिक रीजन होगा वो मटेरियल उतना ज़्यादा डक्टाइल होगा ये चीज़ बता दे रहा हूँ मैं प्लास्टिक रीजन ज़्यादा बता चुका हूँ शायद है ना अब लिख दिया है, तो लिख देता हूं प्लास्टिक रीजन ज्यादा जितना ज्यादा डक्टाइल मटेरियल उतना ज्यादा या डक्टिलिटी उतनी ज्यादा डक्टिलिटी उतनी ज्यादा डक्टिलिटी आप समझिए ना क्या प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिस पर टेंसाइल फोर्स लगा के आप उसे वायर बना पाओ ठीक है मतलब अगर आपको मैं आ, एक प्रोसेस होती है ड्राइंग ड्राइंग प्रोसेस बोलते हैं जिससे आप वायरस बनाते हो है ना उसमें क्या होता है आप डालते हो पीछे से अपने मटेरियल uh, को और वो पतला सा होल होता है उससे मटेरियल वायर बन के निकलता है है ना तो वो क्यों हो पाता है क्योंकि उसमें प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा होता है ठीक है चलिए एंड स्मॉल रीजन ऑफ बी डी इज कॉल्ड ब्रिटल मटीरियल बता चुका हूं मैं आपको सेकंड पॉइंट हो गया फर्स्ट पॉइंट हो गया थर्ड पॉइंट रबर पजेस लार्ज अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रबर पोजेस लार्ज अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होती है उसमें बट इट डज नॉट ओबे हुक्स लॉ वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करती है। ठीक है तो मैंने वहां पर जो रबर का बनाया था रबर का कुछ ऐसा बनेगा यार है ना स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा बनता है रबर का है ना कुछ ऐसा बनेगा सीधी लाइन नहीं आएगी उसमें सीधी लाइन नहीं आएगी ऐसा बनना चाहिए ठीक है ना चलो तो अब रबर हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता ये कैसी बात कर दी रबर हुक्स लॉ फॉलो क्यों नहीं करता इसके पीछे यार अपनी अपनी थ्योरी है एक थ्योरी होती है रोटेशन की एक थ्योरी होती है स्ट्रेचिंग की वो मटेरियल जिसमें इलास्टिसिटी स्ट्रेचिंग के कारण आती है वो सब हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं बट रबर क्या है एक टाइप का पॉलीमर है इलास्टोमर है उसमें जो भी इलोंगेशन आता है वो रोटेशन के जो हमारे उसके बीच के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में रोटेशन होता है और उसके कारण क्या आता है उसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन आता है तो इस थ्योरी के कारण इस थ्योरी के कारण वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करती है जानना जरूरी नहीं है लेकिन मैं आपको कहानी की तरह समझा रहा हूं ठीक है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया ये भी आप समझ गए अच्छे से आगे बढ़ते हैं कुछ और नोट पॉइंट इलास्टिसिटी से रिलेटेड द बॉडी विच रिक्वायर्स ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स अब देखो अब देखो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि एक मटीरियल ए है एक मटीरियल बी है दोनों पर स्ट्रेस दोनों दोनों ही मटेरियल पर स्ट्रेस कितनी जनरेट हुई है सिग्मा बट इसमें स्ट्रेन आया है एपसेलन ए इसमें आया है एप्सिलन बी और एप्सिलन एप्सिलन बी से ज्यादा बड़ा है तो बताओ कि इसमें मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी क्वेश्चन पूछा था वही नोट है द बॉडी विच रिक्वायर्स ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स टू प्रोड्यूस सर्टेन चेंज इन इट्स डायमेंशन जिस मटेरियल में सर्टेन चेंज लाने के लिए मान लो एक सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन लाना है कोई एक मटेरियल है उसमें एक सेंटीमीटर का चलो यही समझाता हूं मैं को, बहुत प्यार से समझ में आएगी अब चीज आपको देखो ये ए मटेरियल है ए मटेरियल में एक सेंटीमीटर डिफॉर्मेशन लाने के लिए आपको दस मेगा का स्ट्रेस जनरेट करना पड़ जाता है ठीक है ना एक सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन आने से इतना स्ट्रेस जनरेट होता है एक बी मटेरियल है उसमें एक सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन लाने के लिए आपको 20 मेगा पास का स्ट्रेस जनरेट करना पड़ता है तो बताओ किसकी मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो आप बोलोगे इसकी मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी पढ़ते हैं द बॉडी विच रिक्वायर्स ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स टू प्रोड्यूस अ सर्टेन चेंज अ सर्टेन चेंज इन इट्स डायमेंशन इज सेट टू बी मोर इलास्टिक एग्जाम्पल आइवरी एंड स्टील बॉल्स आर मोर इलास्टिक देन रबर आई बात समझ में क्योंकि भाई स्टील बॉल्स और आइवरी में आपको जो डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन लाना लाना है लाना है उसके लिए आपको बहुत स्ट्रेस लगेगी इसलिए उसका ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है लेकिन भैया अगर आप रबर की बात करोगे रबर की बात करोगे तो रबर में अगर आपको एक सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन लाना है तो इतने स्ट्रेस की जरूरत थोड़ी ना है वो तो थोड़े से फोर्स से ही आ जाएगा तो वो इलास्टिसिटी ज्यादा है लेकिन उसमें मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी कम है ठीक है चलो अब आपको समझ में आया कि सिग्मा अपॉन एप्सलन से हम पता लगाते हैं कि किसका ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी और जितना ज़्यादा स्लोप होगा ये बात देखो कितनी प्यारे तरीके से आपको समझ में आएगी कि जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ये लाइन स्ट्रेस के पास झुकेगी और उतना ही कम स्ट्रेन के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस लगेगी कम स्ट्रेन के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लगेगी तो उतना ज़्यादा मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी बनेगी वेरी गुड यार वाह कितना प्यारा है ना कितने प्यारे तरीके से कनेक्ट होती हैं सारी चीज़ें नेक्स्ट पॉइंट क्योंकि ये प्रैक्टिकलिटी है हमने देखा है इसको इसलिए समझ, समझने में बहुत आसानी होती है आइए वेन इक्वल डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडीज सेम डिफॉर्मिंग फोर्स आप दो डिफरेंट बॉडीज पर लगा रहे हो द बॉडी विच शोज लेस डिफॉर्मेशन इज मोर इलास्टिक वही बात है वही बात है सेम डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया सेम डिफॉर्मेशन फोर्स लगाने के बाद जिसमें हमको डिफॉर्मेशन कम दिखा वो ज्यादा इलास्टिक है ठीक है एग्जाम्पल फॉर सेम लोड मोर इलाशन इज प्रोड्यूज इन रबर वायर देन इन स्टील वायर स्टील इज मोर इलास्टिकॉल्यूम चेंज इन वाटर इज लेस फॉर सेम अप्लाइड प्रेशर जानते हैं हम आप वाटर और वॉटर और एयर को कंप्रेस करने की कोशिश करो तो वॉल्यूम वॉटर में वॉल्यूम उतना चेंज नहीं होगा जितना एयर में हो जाएगा तो वॉटर ज्यादा इलास्टिक माना जाता है ठीक है चलिए द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलाय ऑफ इलास्टिसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इन स्ट्रेन अब ऐसा नहीं है कि 20 मेगा पास्कल से 30 मेगा पास्कल कर दू अगर मैं स्ट्रेस तो भाई मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी बदल जाएगा वो एक कांस्टेंट है जो मटेरियल पे डिपेंड करता है ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस ज्यादा लगाया जैसे मान लो आपने माइल्ड स्टील की मोटी सी रॉड बनाई और आपने माइल्ड स्टील का वायर बनाया मटेरियल सेम है अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई वायर को तोड़ने के लिए तो कम फोर्स लग रहा है रॉड को तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होना चाहिए रॉड की नहीं मटेरियल तो सेम है ना अब आप उस मटेरियल से चाहे वायर बना लो चाहे उस मटेरियल से आप रॉड बना लो मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी वही रहेगी ठीक है वही पॉइंट लिखा है द वैल्यू ऑफ मॉड्यर मॉड्यूर इलास्टिसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ़ द बॉडी नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी ठीक है चलिए बहुत ही प्यारे तरीके से हमने यह भी बात समझ ली आगे बढ़े स्क्रीन लेना हो तो आप ले सकते हो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे इलास्टिक अंग्रेजी छोड़ेंगे मतलब समझेंगे हिस्टेरिस का मतलब होता है भैया लैगिंग बिहाइंड क्या मतलब होता है हिस्टेरे का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड देखो मेरी बात ध्यान से सुनना जब भी आप किसी मटेरियल पर डिफॉर्मेशन के लिए कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो ऑब्वियस ही बात है डिफॉर्मेशन करने के बाद आप क्या करोगे भाई डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लोगे अब भैया मान लीजिए इलास्टिक लिमिट के अंदर थी आपकी बॉडी क्या थी आपकी बॉडी पर जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स जब तब तक लगाया जब तक वो इलास्टिक लिमिट के अंदर थी वैसे तो हम बात करते हैं ज़्यादातर ये इलास्टोमर्स के बारे में किसके बारे में बात करते हैं इलास्टोमर्स के लिए तो आपको पता है भाई लास्ट उमर में तो बहुत आप हजार रबर का मैंने आपको बताया ना थाउजेंड टाइम्स तक आप उसको स्ट्रेन कर दो तब भी वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाती है ठीक बात सुनिए का ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मान लीजिए कोई बॉडी है ठीक कोई बॉडी है सिंपल सी बात कोई बॉडी है इस पर आपने क्या किया कोई मास लटका दिया डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया भाई है ना अच्छा खासा हैवी मास लटका दिया अच्छा खासा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जिसके कारण क्या हुआ भाई ये इलोंगेट हुआ क्या हुआ भाई ये इलोंगेट हो गया ठीक है इलांगेट हो गया इलांगेट होके वो यहां तक आया ठीक है ना चाहिए यहां तक डिफॉर्मेशन हुआ सॉरी यहां तक डिफॉर्मेशन हुआ यहां तक ठीक है ना दिस इज डिफॉर्मेशन जिसको मैं डेल भी बोलता हूं यह है टोटल लेंथ एल अब भाई एल से डेल एल आ एक डिफॉर्मेशन हुआ मैंने क्या किया मैंने इसको अनलोड कर दिया अब हटा दिया इस मास्क को तो इस पर लगने वाला फोर्स हो गया खत्म तो ये क्या होगा वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन में चला जाएगा बट मैंने तो वर्क कर दिया ना मैंने तो वर्क कर दिया मैंने उस पर फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका डिफॉर्मेशन आया तो भाई मैंने तो उस पर वर्क कर दिया जो मैंने उस पर वर्क किया वो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के नाम पर उसमें सेव होता रहा और जैसे ही मैंने उस फोर्स को रिलीज किया हटाया तो भाई उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो अनलोडिंग साइकिल के समय एज अ फॉर्म ऑफ एज अ फॉर्म ऑफ हीट रीट एज अ फॉर्म ऑफ हीट रिजेक्ट हो गई यानी कि जब भी आप कभी किसी बॉडी पर लोडिंग करके अनलोडिंग करते हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होता है लॉस होता है ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन इंटरनल फ्रिक्शन के कारण जो भी आपने उस पर वर्क परफॉर्म किया था जो भी एनर्जी सप्लाई की थी वो क्या हो जाती है लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू द रीजन ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ठीक है ये बात याद रखना अब जैसे मान लो ये जो मैं लोडिंग अनलोडिंग कर रहा था लोडिंग अनलोडिंग कर रहा था उसको जब मैंने कर्व के फॉर्म में देखा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में तो मैंने देखा अब जैसे ये कर्व बना है ना ये किसके लिए बना ये बनाया इलास्टोमर के लिए किसके लिए, किस लिए? इलास्टोमर्स के लिए यहां पर मैंने इलास्टोमर नहीं लिया यहां पर मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि क्या होती है लोडिंग और क्या होती है अनलोडिंग अगर मैं इलास्टोमर्स की बात करूं स्पेलिंग में ई होता है इलास्टोमर है ना अब जैसे मान लो रबर की मैं बात करूं तो भाई मैंने उसमें लोडिंग की तो वो लोडिंग जो हुई वो किस पाथ को फॉलो करते हुए उसके बाद मैंने जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था उसको हटा लिया अनलोडिंग कर दी मैंने क्या कर दी भैया अनलोडिंग कर दी ठीक जब मैंने अनलोडिंग करी तो मैंने देखा कि भाई अनलोडिंग जो हुई है वो सेम पाथ से नहीं हुई वो बी ए सी बी ए से वापस भी आ सकता था लेकिन वो बी ए से वापस नहीं आया वो किस पाथ से वापस आया बी सी ओ से किससे वापस आया भाई वो बी सी ओ से क्या ये दोनों पाथ सेम है नहीं ये दोनों पाथ सेम नहीं है और ऐसा होने के बाद मैंने ये भी देखा क्या देखा भाई मैंने ऐसा होने के बाद कि भाई मान लो जाए स्ट्रेस की एक वैल्यू है सिग्मा वन इस सिग्मा वन पे मैंने देखा एक तो स्ट्रेन की वैल्यू ये है भाई एक तो स्ट्रेन की वैल्यू ये है एफसेलन वन और एक वैल्यू भैया इसी स्ट्रेस पर क्या है ये है तो यहां पर एक ही स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन की कितनी वैल्यू दिखी मुझे दो वैल्यू दिखी ठीक है तो आप बोलते हो यहां स्ट्रेन इज लैगिंग बिहाइंड स्ट्रेस क्या बोलते हैं उसको लैगिंग बिहाइंड कौन लैगिंग lag बिहाइंड कौन कर रहा है भाई स्ट्रेन कर रहा है स्ट्रेन इज लैगिंग बिहाइंड स्ट्रेस स्ट्रेन इज लैगिंग हाइंड स्ट्रेनि बात समझ में आई हां समझ में ही. अब भैया आपने जो इस पे वर्क परफॉर्म किया था है ना आपने जो इस पे वर्क परफॉर्म किया था वो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के नाम पर अभी आपको समझ में आएगा क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा देखो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जब भी आप एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम निकालते हो तो वो आपको स्ट्रेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देता है आगे जाके समझेंगे अभी आपने पढ़ा है नहीं है तो उसको दिमाग में बिल्कुल भी जोर मत डालो मैं जो बता रहा हूं उसको समझो कि जब आपने लोडिंग की और अनलोडिंग की तो आपने देखा कि एक इनक्लोज कर्व बन रहा है क्या बन रहा है कि एरिया आ रहा है आपके पास है ना लोडिंग और अनलोडिंग मिलकर आपको एक एनक्लोज एरिया दे रहे हैं ये एनक्लोज एरिया जो है ये जो एनक्लोज एरिया है दिस एनक्लोज एरिया दिस एनक्लोज एरिया गिव्स यू वस यू स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम रिलीज एट एज हीट रिलीज एज हीट हीट के फॉर्म में क्या हुई है ये रिलीज हुई है यह एरिया आपको बता रहा है अब मान लो कभी आपके पास मैं एक एग्जाम्पल दूं के आपने देखा होगा ड्रिलिंग ड्रिलिंग मशीन देखी आपने ड्रिलिंग जहां ड्रिल होता रहता है ऐसे बहुत बड़े बड़े कारखाने होते हैं इंडस्ट्रीज होती है जहां लगातार ड्रिलिंग चलती रहती है मान लो एक तीन माले की बिल्डिंग है तीन माले की बिल्डिंग है फर्स्ट फ्लोर पे किसी का शोरूम है किसका ए का फ्रिज का वॉशिंग मशीन का एक पूरा ऐसा शोरूम है टी वी लगी हुई है सेकेंड फ्लोर पे किसी आदमी ने ड्रिलिंग की वर्कशॉप खोल ली मतलब एक साथ वहां मान लो पचास ड्रिलर चल रहे हैं ड्रिल चल रहे हैं एक गड़गड़ गड़गड़ के बहुत सारे ड्रिल्स हो रहे हैं तो भाई नीचे वाला जो फ्लोर नीचे वाले फ्लोर पे जो आदमी है ग्राउंड फ्लोर पे वो तो यही बोलेगा ना कि यार दिन भर आवाज़ आती रहती है यहाँ वाइब्रेशन फील होते रहते हैं धूल जड़ती रहती है ऊपर से तो वो बोलेगा कुछ करो यार तो क्या करेगा इंसान जो फर्स्ट फ्लोर पे है जिसने ड्रिलिंग की वर्कशॉप खोली है वो नीचे ज़मीन पर मोटे मोटे ऐसे रबर के मोटे मोटे थिक रबर के क्या बिछा देगा पैड बिछा देगा वो पैड क्या करेंगे वो पैड वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करेंगे वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करेंगे और क्या होगा जब अनलोडिंग होगी तो वो उस एब्जॉर्ब एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या कर देंगे रिलीज कर देंगे समझे मेरी बात इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या कर देंगे रिलीज कर देंगे क्लियर है तो यहां पर जो आपको एनर्जी यहां पर जो आपको एरिया दिख रहा है वो वही स्टोर्ड एनर्जी दिखा रहा है जो पर यूनिट वॉल्यूम पे होगी और जो क्या होगी एज अ फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो जाएगी ठीक है चलो तो इसके एरिया के थिकनेस से यानी कि अगर आपको ये एरिया बड़ा दिखे तो आप समझ जाना कोई हैवी ड्यूटी काम हो रहा है अगर आपको ये एरिया कम दिखे तो आप समझ जाना कि छोटा काम हो रहा है ज़्यादा बड़ा काम नहीं है ठीक है हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई यही होता है हिस्टेरिसिस हिस्टेरिसिस का मतलब होता है हमेशा स्ट्रेन क्या करती है स्ट्रेस के स्ट्रेस के पीछे छूट जाती है स्ट्रेन लैग्स बिहाइंड स्ट्रेस अंग्रेजी पढ़ते हैं सम मटेरियल्स लाइक रबर कैन बी स्ट्रेच टू ओवर सिक्स टू सेवन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ पता है हमको ठीक है दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड इलास्टोमर्स पता है हमको वेन अनलोडेड जब मटेरियल को अनलोड किया जाता है द मटीरियल इज री स्टोर टू इट्स ओरिजिनल एन पता है हमको <laughs> सब पता है हमको बट एनी स्टेज ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग किसी भी स्टेज पर लोडिंग एंड अनलोडिंग किसी भी स्टेज पर स्ट्रेन इज नॉट प्रपोर्शनल टू स्ट्रेस क्यों क्योंकि ये इलास्टोमर है भाई इलास्टोमर के लिए हुक्सलॉ की वैलिडिटी नहीं होती है ना हाँ ठीक है द फैक्ट दैट स्ट्रेस ट्रेन करव इज नॉट रीट्रेस्ड ऑन अनलोडिंग इज नोन एज इलास्टिकसिस जो लोडिंग और अनलोडिंग कर्व होते हैं वो सेम पाथ को ट्रेस नहीं करते हैं। उनके बीच में गैप आ जाता है एरिया आ जाता है और उसी एरिया को इनक्लोज उस एरिया को जब आप निकालते हो तो आपको पता चलता है कि इट इज़ इट इज एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिलीज एज हीट ठीक है अच्छा इसको बोलते हैं भाई एक साइकिल ओ ए बी से लेके बी सी ओ इसको एक साइकिल बोलते हैं लोडिंग अनलोडिंग को एक साइकिल बोलते हैं ठीक है ना तो इसका एरिया आपको एक साइकिल में एक लोडिंग साइकिल में स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिलीज एज हीट आपको बताएगी आई बात समझ में ठीक है सर ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं आइए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट द स्ट्रेन पर इवन स्टीवन वेन द स्ट्रेस इज रिमूव एंड दस लैग्स बिहाइंड द स्ट्रेस बता चुका हूँ आपको स्ट्रेन नेक्स्ट पॉइंट द स्टील इज हाईली इलास्टिक मटीरियल इट इज मोर इलास्टिक देन रबर बता चुका हूँ क्यों क्योंकि सेम डिफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लगती है किसमें स्टील में अगर आपको इलास्टिक रबर अगर आपको रबर में एक सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन लाना है आपको स्टील में एक सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन लाना है किसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा किसमें ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगी स्टील में इसलिए स्टील का इलास्टिक मॉडल या मैं बोलूँ मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है नेक्स्ट रबर रिमेन्स इलास्टिक इवन फॉर अ स्ट्रेन ऑफ ऑर्डर ऑफ थाउजेंड मतलब थाउजेंड की भी स्ट्रेन आ जाए तो भी आपकी रबर क्या रहती है इलास्टिक रहती है आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओ रबर अपनी ओरिजिनल शेप साइज में वापस आ जाएगी ठीक है नेक्स्ट यंग मॉड्यूल डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर बता चुका हूं मैं आपको कि जब यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी को आप टेम्परेचर दोगे तो वो कम होने लग जाती है ठीक है एज राइज राइज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन जनरल वीकनिंग ऑफ द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ठीक है पता है हमको एंड फॉल इन टेम्परेचर रिजल्ट इन देयर स्ट्रेंथनिंग आप ठंडा करोगे तो उसकी स्ट्रेंथनिंग होने लगेगी इलास्टिक मॉडल्स की मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की यंग्स मॉडल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ और रेडियस ऑफ वायर बाबा अगर स्टील का वायर है या स्टील की रॉड है इतनी मोटी दोनों का मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होगा ऐसा नहीं है कि भाई पतली सी वायर है तो उसका ई कम कर दो मोटा सा रॉड है उसी मटेरियल का तो उसकी ई ज़्यादा कर दो ना 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 भाई मटेरियल डिपेंडेंट है वो ये रेडियस ऑफ वायर या लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है चलो नेक्स्ट सॉलिड्स आर द मोस्ट इलास्टिक एंड गैसेस आर द लीस्ट इलास्टिक आपको वही लगता है सोच के कि भैया गैस को ज्यादा इलास्टिक होना चाहिए लेकिन गैस में डिफॉर्मेशन लाना आसान है गैस में डिफॉर्मेशन लाना आसान है उसके लिए कम स्ट्रेस लगती है लेकिन सॉलिड में उतना ही डिफॉर्मेशन लाने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस लगती है इसलिए सॉलिड ज्यादा इलास्टिक है दिमाग में रखना बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है इंटरव्यूज में पूछी जाती है नेक्स्ट यंग्स मॉडल्स इज डिफाइंड फॉर सॉलिड्स बट नॉट फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस पता है हमको यंग्स मॉडल्स जो है वो किसके लिए डिफाइंड है सॉलिड्स और सॉलिड्स के लिए बस लिक्विड्स और गैसेस के लिए नहीं the द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडल्स इंक्रीजेस या ये इंक्रीज नहीं होना चाहिए यहाँ होना चाहिए मे इंक्रीज यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसटी बढ़ सकती है अगर आप किसी मटेरियल में इंप्योरिटी डालो अब वो कैसी इम्प्योरिटी है अच्छा मतलब अगर वो इलास्टिक इम्प्योरिटी है तो भाई वो बढ़ा देगी यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी अगर नहीं है तो गिरा देगी ठीक है लास्ट लास्ट ये जो पॉइंट है इसको हम पढ़ेंगे एक पूरा टॉपिक है हमारा ये जिसको हम जिसमें हम डेरिवेशन करेंगे करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल क्या द द द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम मैंने आपको क्या बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में आपको एक ग्राफ प्लॉट करो और उसका एरिया निकालो तो आपको वो वो आपको वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बताता है ठीक है ना जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम रिलीज डायज हीट होती है ठीक है

हाँ सर तो आओ देखते हैं भाई ये प्रोपोर्शनल लिमिट है ये देखो पी पी किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है किसका थीटा ज्यादा दिख रहा है ये थीटा वन है ये थीटा टू है तो आप देखकर ही बता दोगे कि थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू ओहो वेयर इज रबर थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू ये आप देख ही बता दोगे हाँ तो यहां से समझ में आ गया कि मटेरियल स्लोप ऑफ मटीरियल ए स्लोप ऑफ मटीरियल ए टीरियल बी इसका क्या मतलब है कि जो यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिस है ए का वो बी से ज्यादा है भाई मैं ई e से रिप्रेजेंट करता हूँ गामा से नहीं करता मॉडल्स ऑफ इलास्टिटी मैं ई e से बताता हूँ गामा से नहीं बताता कन्फ्यूज मत होना तो पहला आंसर हमने कर लिया भाई सेकेंड वेच मटीरियल इज मोर डिमे प्लास्टिक रीजन ज्यादा होगा वो मटीरियल ज्यादा डक्टाइल होगा मैंने आपको पढ़ाया है बिल्कुल बताया है किसमें प्लास्टिक रीजन ज्यादा है ये देखो ये ये देखो डी वन ये देखो डी टू तो हम बोलेंगे मटीरियल ए इज मोर डक्टाइल ही पूछ रहे ना हाँ मटेरियल ए इज मोर इज मोर डक्टाइल कुछ गलत कहा मैंने

विच इज मोर ब्रिटल वो पूछी रहा लो. पूछ ही कौन ज्यादा ब्रिटल है टू इज दटीरियल इज द स्ट्रांग मटीरियल बाबा स्ट्रांग मटीरियल आप देखते हो अल्टीमेटी स्ट्रांग मटीरियल आप कैसे जज करते हो ग्राफ में देखकर अल्टीमेट स्ट्रेस से किससे अल्टीमेट स्ट्रेस क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेस तक पहुंचा है तो फिर तो ब्रेक होना ही होना है अब आप देखो इसमें अल्टीमेट यहां कहीं आएगा ठीक है थोड़ा सा पहले आएगा फ्रैक्चर के है ना ये थोड़ा नीचे जाना चाहिए ये ये अल्टीमेट है थोड़ा नीचे जाना चाहिए तो आप देखो कि दोनों ही ग्राफ को अगर आप मिलाओगे तो अल्टीमेट स्ट्रेस किसकी ज्यादा हाइट है इसकी ज्यादा हाइट है ये देखो है ना तो हम बोलेंगे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम बोलेंगे मटीरियल बी इज मोर स्ट्रांग ठीक मटेरियल बी इज मोर क्यों मैं आपको बता रहा हूं जिसमें अल्टीमेट स्ट्रेस ज्यादा हो हाइएस्ट पॉइंट पीक जिसमें सबसे ज्यादा होगा आप उसी को बोलोगे कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल है पक्की बात है हंड्रेड परसेंट हाँ सर ठीक है इसमें आप देखो पीक ज्यादा ऊपर इसका है इसका पीक कम है है ना हाँ सर चलो भाई ये चारों हमने अपने सूझ समझ से बूझ और समझ से क्या कर लिए खत्म कर लिए क्वेश्चन आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रबर आर फाउंड टू है स्ट्रेस एंड करोड इन द फिगर दो अलग अलग रबर के हमने स्ट्रेस इन कर प्लॉट किए द एरिया ऑफ द स्ट्रेस इन करल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन इन लोडिंग द मटीरियल एंड देन अनलोडिंग इट पता है आपको कि इसके अंदर जो एरिया आएगा वो आपको क्या बताता है बहुत अच्छी चीज़ यहाँ लिखी हुई है द एरिया ऑफ द स्ट्रेस इन करव ऑफ मटीरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन इन लोडिंग मटीरियल एंड देन अनलोडिंग इट कितना आपने वर्क किया है लोड और अनलोड करने में वो बताता है आपको ना, और बाद रिलीज भी करना है इस बात को। Next, भाई किसको आप यूज करोगे कार टायर बनाने के लिए बताओ भाई कार टायर और दूसरा ऑप्शन सुननावी मशीन इज टू बी इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री टू एबजॉर्व वाइब्रेशन ऑफ द मशीन भाई किसमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा किसमें ज्यादा वर्क लगेगा कार पे या जो एक हैवी इंडस्ट्री है उस पर तो आप बोलोगे जो हैवी इंडस्ट्री है जहाँ ड्रिलिंग हो रही है कटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा उधर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आएंगे तो उधर आपको ऐसी रबर इंस्टॉल करनी पड़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके हीट के फॉर्म में रिलीज करता जाए क्योंकि उस पर वर्क तो बहुत ज़्यादा हो रहा है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहे हैं है ना तो मैं बोलूँगा भाई जो ये रबर बी है वो हैवी मशीन्स के लिए यूज़ होनी चाहिए जो रबर बी है वो हैवी मशीन्स के लिए यूज़ होनी चाहिए क्योंकि भाई उसका एरिया ज़्यादा है है ना ज्यादा वर्क होगा ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी और एज अ फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होगी लेकिन कार पर उतना वाइब्रेशन नहीं आना कार पर उतना इंपैक्ट नहीं आना जितना आना है हेवी मशीनरी के कारण तो कार के लिए आप ये वाली रबर यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें कम उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा जितना हैवी मशीनरी के कारण आएगा ठीक है तो आप रबर ए यूज करोगे इसके लिए रबर ए इसके लिए और रबर बी इसके लिए क्लियर हाँ सर क्लियर एकदम परफेक्ट क्लियर है सर आगे बढ़े चलो आगे बढ़ चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला अच्छा है अच्छा क्वेश्चन है जेई का क्वेश्चन है पूछा जा चुका है जेई में है ना थोड़ा स्मार्ट बन गए हैं वो कोई बात नहीं देखो डायग्राम नहीं बना हुआ है डायग्राम में बना देता हूँ क्या हुआ है ना क्वेश्चन में हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बहुत अच्छे से जानते हैं है ना जिसमें हमारी स्ट्रेन होती थी एक्स एक्सएस पे और स्ट्रेस होता था वाई एक्सेस पे अब उनने क्या किया उन्हें बोला भाई कि स्ट्रेन आप ले लो वाई एक्सेस पे और स्ट्रेस आप कर दो एक्स एक्सेस पे डायग्राम उल्टा बना पलटा दिया पलटा दिया और बोला उस पर दो ग्राफ बन रहा है भाई बड़ी सुंदर दिखती हो ऐसे करके ग्राफ बना दिया ठीक है ना ऐसा ऐसा अरे हाँ नहीं ऐसा सीधी लाइन ये और क्या हो रहा है पेन को ऐसा करके एक डायग्राम बना दिया पैन क्यों अटक रहा है अरे क्या हो गया पैन महाराज गुस्सा हो गया हमसे ठीक ऐसे करके एक डायग्राम बना दिया यह है हमारा पी ठीक है ना यह है हमारा पी और एक ऐसा बना दिया है क्यू ठीक है ना ये ऐसा क्यू बना दिया अब उसने पूछा है भाई आपसे चार पांच क्वेश्चन एक के बाद एक सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख करके आपसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं तो भाई अब आपको क्या करना है भाई जवाब देना है उसका ठीक है तो दे दो तो भाई जवाब दे दो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है वो पूछ रहा है P has more tensile strength, P is more ductile, P is more brittle. Modulus of elasticity of P is more than that of Q. एक एक चीज करके डिस्कस करते हैं P has more tensile strength. Tensile strength मतलब उस पर टेंशन का फोर्स लगा के उसको वायर बनाया जा सकता है मतलब बात हो रही है डक्टिलिटी की किसकी बात हो रही है यहां पर बात हो रही है डक्टिलिटी की मुझे आप बताओ मुझे आप बताओ कि कौन ज्यादा डक्टाइल है पी या क्यू आपको दिखेगा आराम से कि पी पे पी में प्लास्टिक रीजन ज्यादा है ज्यादा प्लास्टिक रीजन है पी के लिए तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि पी हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ ये बात एकदम क्या है करेक्ट है ये बात क्या है एकदम करेक्ट है? है ठीक नेक्स्ट पॉइंट पी इज मोर ब्रिटल इज मोर ब्रिटल पी इज मोर सॉरी पी इज मोर डक्टाइल हाँ भाई ज मोर डकटाइल भाई टेंट्रेन ज्यादा है हम जानते हैं कि इसलिए क्या होगा डा होगा। भी सही कही है, इसके पास क्या है भाई? Plastic तो पी फिर ब्रिटल नहीं होगा ठीक नेट ऑफ क्यू भाई ऐसे देखो डायग्राम को यहां से देखो आपको किस लाइन का स्लोप ज्यादा दिख रहा है अगर स्ट्रेन यहाँ होता स्ट्रेस यहां होती तो यह डायग्राम अलग बना होता है आप मान लो आप ऐसे देख रहे हो डायग्राम को तो आपको इस लाइन की स्लोप ज्यादा दिखेगी क्यू वाले की हां कि ना हाँ क्यू की आपको स्लोप ज्यादा दिखेगी स्लोप ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पी देख के लगा आपको देख के दिख रहा है नहीं समझ में आया अगर तो चलो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं देखो इस डायग्राम का अगर आपसे मैं पूछूं स्लोप क्या होगा स्लोप ऑफ दिस डायग्राम क्या है स्लोप क्या होगी इस केस में वाई बायक्स होती है तो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस होगी

तो मैंने बोला आपको किस लाइन की स्लोप ज़्यादा दिख रही है तो आप बोल रहे हो अब मुझे पी की स्लोप ज़्यादा दिख रही है जब मैं इधर से झांक रहा था तो मुझे क्यू की स्लोप ज़्यादा दिख रही थी देख के सॉल्व करने वाला तरीका बता रहा था अब हम चल रहे हैं कंसेप्ट से हम स्लोप निकाल रहे हैं इस ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम का जिसमें हमारा ये वाई एक्सिस पर है और ये हमारा एक्स एक्सिस पर है तो हम जानते हैं स्लोप स्लोप जो होता है वो वाई बाय एक्स होता है मतलब स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस है मतलब वन अपॉन ई है जब हमने सामने से देखा अब इस डायग्राम को तो हमने पूछा आपको किस लाइन का स्लोप ज्यादा लग रहा है तो आपने बोला अब हमको स्लोप ऑफ क्यू ज्यादा लग रहा है ये तो हमको स्लोप ऑफ पी ज्यादा लग रहा है ये तो हमने जब साइड से देखा था तब की बात थी ठीक है ना एक बार में क्वेश्चन सोल्व हो गया था अब हटाओ इसको यहां से मैंने बोला अब सामने से देख के तो मुझे लग रहा है कि स्लोप ऑफ पी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ क्यू स्लोप ऑफ क्यू ठीक है इसका मतलब यह है अगर इसका स्लोप ज़्यादा है पी का स्लोप ज़्यादा है तो उसका ई e कम होगा देखो ना अगर यह स्लोप ज़्यादा है किसी चीज़ का तो उसके लिए ई e क्या होगा कम होगा और अगर किसी के लिए स्लोप कम है किसी लाइन के लिए स्लोप कम है तो उसके लिए मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए देख के तो यही समझ में आ रहा है इनवर्स रिलेशन है ना स्लोप और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का क्या हो गया अब रिलेशन इनवर्स हो गया ठीक तो चलो हमने यहां से देखा स्लोप पी का ज़्यादा है इसका मतलब ये है मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी

सर जब भी कोई जब भी कोई बीमार पड़ता है उसे बुखार आता है तो उसे बहुत टेंशन हो जाती है सर तो बुखार के कारण टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो स्ट्रेस आती है आपको सर उसको थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो हैं मजाक कर रहे हो सर के साथ लेकिन बिल्कुल सही सोच रहे हो टेम्परेचर बढ़ा तो पेशेंट के दिमाग में स्ट्रेस आने लगा कि भैया अरे मेरे दिमाग क्यों खरा मतलब मुझे बुखार बुखार सा क्यों लग रहा है उल्टी मुझे उल्टी ऐसा क्यों लग रहा है वैसे ही मटेरियल के साथ भी होता है मटेरियल में आपने मटेरियल को आपने रूम टेम्परेचर में रखा तो बढ़िया मटेरियल आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा लेकिन अगर आपने मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाना या घटाना चालू किया क्या मटेरियल को आपने घटा मटेरियल uh, का टेम्परेचर आपने घटाया या मटेरियल का टेम्परेचर आपने बढ़ाया बस फिर तो खत्म बात फिर तो आपसे वो सवाल जवाब करेगा तो हमें पता है हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि अगर आप किसी मटेरियल को गर्म करते हो तो वो अपना साइज चेंज करने लगता है मतलब वो एक्सपैंड करने लगता है उसमें इलॉन्गेशन आने लगता है और अगर आप उसका टेम्परेचर कम करते हो तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है पढ़ा होगा आपने कि नहीं पढ़ा होगा बिल्कुल पढ़ा है सर तो हमने उसी की बात करनी है आज के लेक्चर में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को हम अंग्रेजी पढ़ते हैं थर्मल स्ट्रेस इज मैकेनिकल स्ट्रेस क्रिएटेड बाय एनी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल जब मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात करता हूं तो चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव भी हो सकता है यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ा भी रहे बढ़ा भी सकते हो और चेंज इन टेम्परेचर में टेम्परेचर को घटाना भी आता है कूलिंग करना भी आता है ठीक है ना तो दोनों ही केस की बात हम यहां पर करने वाले हैं अच्छा जब भी आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो मटेरियल क्या करता है हम अभी एक केस लेकर चलते हैं क्या केस ले रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूं एक ही चीज की बात कर रहा हूं अभी केस एक ही बात कर रहा हूं वेन वेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर वेन वी इंक्रीज दैन वी इंक्रीज द टेम्परेचर टेम्परेचर वैन वी इंक्रीज द टेम्परेचर मैं इसकी बात कर रहा हूं ठीक है ना बार बार मैं बोलूंग भाई टेम्परेचर कम है या ज्यादा है तो अभी मैं बता दू कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करने में हम समझेंगे उसी कंसेप्ट को हम टेम्परेचर डिक्रीज करने में भी लगा देंगे इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि डेल्टा टी क्या है पॉजिटिव है डेल्टा टी क्या है भैया पॉजिटिव चेंज है है ना ठीक है बढ़िया ओके वेरी गुड चलो <coughs> मेरी बात ध्यान से समझना ये एक आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट है कोई मेटालिक रॉड मान लो है ना एक ये मेटालिक रॉड आपके पास रखी हुई है मैंने बोला यार तुम खाली क्यों बैठी हुई हो आओ तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए तो मैंने क्या किया अब क्योंकि हम थर्मल पढ़ रहे हैं टेम्परेचर यहां इन्वॉल्व है सर टेम्परेचर क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस जब भी आप टच करके बताते हो तो वो होता है टेम्परेचर है ना आगे जाके पढ़ेंगे टेंशन मत लो हीट वीट टेम्परेचर वेम्परेचर सब हमको पढ़ना है चलो लेकिन हम ऐसे इतने छोटे बच्चे नहीं रह गए कि हमको यही ना पता हो कि टेम्परेचर क्या होता है ठीक है ना आप ये भी जानोगे कि में कि टेम्परेचर इतनी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होने के बाद भी जब फर्स्ट लॉ आ गया तब तक हमको नहीं पता था कि टेम्परेचर ऐसी कोई चीज होती है है ना बताऊंगा कहानी आपको पूरी तो देखिए मैंने यहाँ पर एक लैंप रख दिया है ना और क्या कर रहा हूँ मैं इस मेटेलिक रॉड को अब हीट कर रहा हूँ ठीक है ना ठीक है अब जैसे ही मैंने इसको हीट किया मैं जानता हूँ मुझे पता है कि ये क्या करेगी ये एक्सपैंड करेगी क्या करेगी भाई ये एक्सपैंड करेगी ठीक है ना सर ये ऐसे भी तो एक्सपेंड कर सकती है ये ऊपर भी तो जा सकती है हाँ बिल्कुल जा सकती है ये पूरा एक्सपेंड कर सकती है बिल्कुल कर सकती है लेकिन अभी हम इसका लीनियर एक्सपेंशन ही देख रहे हैं लीनियर एलोंगेशन ही देख रहे हैं अभी हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं ठीक या मैं बोल दूं टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं ठीक है ना ये याद रखना हमने लीनियर एक्सपेंशन ही यहाँ पर क्या किया है बस <coughs> क्या लिया है अपने कैलकुलेशन में लिया है ठीक है सर ओके okay, समझ में आ गया सर हम ये जान रहे हैं कि इस मेटेलिक रॉड का लेंथ जो है वो एल है और जब इसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये डेल एल लेंथ आगे बढ़ गया इतना इसमें क्या हो गया एक्सपेंशन हो गया लीनियर एक्सपेंशन हो गया सर ये लीनियर एक्सपेंशन क्या इसी डायरेक्शन में होगा क्या इधर नहीं हो सकता अरे हो सकता है हो सकता है हो सकता है थोड़ा इधर बढ़े थोड़ा इधर बढ़े लेकिन मैंने अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यह मान लिया कि एक्सपेंशन इस डायरेक्शन में पूरा हो गया ठीक है चलो ये एक्सपेंशन हुआ क्यों सर ये होता है मुझे पता है लेकिन हुआ क्यों इसके बारे में जरा बात करिए तो देखो एक होती है चीज कोइफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है को ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो होता है ऑफ ऑफ थर्मल थर्मल एक्सपेंशन हाँ सर नाम सुना है हमने इसका ये क्या बताता है आपको ये बताता है आपको चेंज इन चेंज इन डायमेंशन हम लीनियर की बात कर रहे हैं बाबा ना तो जब मैं जब मैं डायमेंशन बोलूं तो आप समझ जाना कि लीनियर डायमेंशन की बात हो रही है है ना length की बात हो रही है। तो थर्मल एक्सपेंशन आपको ये बताता है कि कितना आपके dimension में change आया ओरिजिनल डायमेंशन चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन कब ये चेंज कब आया सुनना मेरी बात ध्यान से कितना डायमेंशन में इंक्रीज हुआ या चेंज हुआ कितना डायमेंशन में चेंज हुआ पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन पर यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने से पर यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने से आई बात समझ में नहीं आई सर अरे बाबा कितना लीनियर डायमेंशन में चेंज आया पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने से ठीक है हाँ सर ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके ये होता है हमारा अल्फा ठीक है ठीक है इसकी यूनिट क्या होती है पर यूनिट डिग्री सेल्सियस और पर यूनिट केल्विन ठीक है ना कैलविन में ये ऐसा डिग्री नहीं लगती है याद रखना चलो ये इसकी यूनिट होती है क्योंकि देखो डेल एल डेल एल तो सेम यूनिट हो गए टेम्परेचर आप जिसमें रखोगे चाहे कैलविन में रखोगे के, रखो तो यहाँ आएगा पर यूनिट कैलविन अगर डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो आएगा पर यूनिट डिग्री सेल्सियस ठीक है हां सर अच्छा आओ आगे बात करते हैं यहां से मैंने दिमाग बताया क्या चलाया मैंने दिमाग यह चलाया कि यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से डेल एल का एक्सपांशन हुआ है अच्छा हाँ

इसको मैं हीट अप कर रहा हूं अप कर रहा हूं अप कर रहा हूं बस ऐसे रखा है और हीट करता जा रहा हूं हीट करता जा रहा हूं और ये बढ़ना चाहता है तो मैं इसको बढ़ने से नहीं रोक रहा मैं बोल रहा हूं बढ़ो भाई ये क्यों बढ़ना चाहता है क्योंकि मैं इसको हीट कर रहा हूं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ इसके पास क्या है अल्फा का कोफिशेंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन है तो ये तो लीनियरली क्या करेगा एक्सपैंड करेगा इलांगेट करेगा ठीक है सर लेकिन क्या मैं इसको इलांगेट होने से रोक रहा हूं क्या मैं ये डेल्टा एल आने से रोक रहा हूं क्या मैं ये डिफॉर्मेशन आने से रोक रहा हूं नहीं सर आप नहीं रोक रहे बिल्कुल नहीं रोक रहे मान लो ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है वो सरफेस भी मैंने क्या बोल दिया कि फ्रिक्शन सरफेस है अगर फ्रिक्शन होता तो भाई वो रोकता इसको बढ़ने से है ना लेकिन अभी फ्रिक्शन नहीं है फ्रिक्शन लेस सर्फेस है म्यूजिक तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है इस इसपे मेटालिक रॉड पे ठीक है तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो डेल एल हुआ है मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो डेल एल हुआ है एक्चुअल में ये ये फ्री एक्सपेंशन हुआ है फ्री इलोंगेशन हुआ है बोल सकता हूं क्या हुआ ये फ्री लॉन्गेशन हुआ फ्री इलाशन मतलब समझना कि मैं इसको बढ़ने से रोक नहीं रहा मैंने बोला जा सिमरन जा तू जी ले अपनी जिंदगी जब मैंने ये बोल दिया सिमरन को कि तू जा तू जी ले अपनी जिंदगी तो मैं उसे किसी काम से रोकूंगा नहीं तो जब मैं सिमरन को किसी काम से रोक ही नहीं रहा सिमरन जो करना चाहती है मैं उसे वो करने दे रहा हूं तो मुझे यह बताओ कि सिमरन को किसी बात का स्ट्रेस होगा जब मैं उसे कोई काम करने से रोक ही नहीं रहा तो सिमरन को किसी बात का स्ट्रेस होगा नहीं बाबा नहीं नहीं सर सिमरन को स्ट्रेस कब होता जब सिमरन के पापा सिमरन को काम करने से कोई भी काम करने से बार बार टोकते रोकते तब सिमरन को स्ट्रेस होता कि यार मेरे पापा तो मुझे कुछ करने ही नहीं दे, दे रहे मेरी बात समझ में आई वैसे ही मटेरियल को जब मटेरियल एक्सपैंड होना चाहता था इलांगेट होना चाहता था टेम्परेचर बढ़ने के कारण तो मैंने उसको रोका नहीं मैंने बोला जा सिमरन जा तू जी ले अपनी जिंदगी जितना तुझे एक्सपैंड होना है तू हो जा ठीक है मान लो मैंने तीस डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा दिया पहले दस डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर था मैंने अब रूम का टेम्परेचर चालीस डिग्री सेल्सियस कर दिया या मैंने इसको हीट कर दिया पहले इसका टेम्परेचर दस डिग्री सेल्सियस था दस डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था इसको हीट करके मैंने इसका टेम्परेचर कितना कर दिया भाई दस डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर के फोर्टी डिग्री सेल्सियस कर दिया तो कितने का चेंज आ गया डेल्टा टी कितना हो गया भाई डेल्टा टी हो गया तीस डिग्री सेल्सियस का ठीक तो तीस डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद मैंने देखा कि इसमें फ्री कितना एलोंगेशन आ गया डेल्टा एल का उसके बाद और एलोंगेशन नहीं आ रहा और एलॉन्गेशन नहीं आ रहा मतलब अपनी मर्जी से ये मटेरियल हीट अप होने के बाद कितना एलॉन्गेट हुआ इतना एलॉन्गेट हुआ एल अल्फा डेल्टा टी फ्रीली एलॉन्गेट हुआ है फ्री एलॉन्गेशन है बिना किसी रोक टोक के मतलब आज के बाद याद रखना कि जब भी मैं मटेरियल को हीट करूंगा मटेरियल अपनी मर्जी से फ्रीली कितना एलॉन्गेट होगा l अल्फा डेल्टा t कितना एलॉन्गेट होगा l अल्फा डेल्टा t ठीक है याद रखना जब भी पूछूंगा कि अपनी मर्जी से अगर मैं मटेरियल को फ्री छोड़ दूं और उसे हीट करूं तो मटेरियल कितना इलांगेट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा तो वो हो सकता है सर एल अल्फा डेल्टा टी ठीक है सर ठीक है सर बात समझ में आ गई अच्छा अब जब मैं इस मटेरियल को यार मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना ये पूरी कहानी है जो एक के बाद एक चलेगी अब एक बार बताओ जब मैं इस मटेरियल को बढ़ने से रोक मतलब रोक ही नहीं रहा मैं उसको बोल रहा हूं तुमको जितना बढ़ना है तुम बढ़ते जाओ एक सेकेंड मैं इसका डायग्राम बना लूँ जब मैं मटेरियल को बढ़ने से रोक ही नहीं रहा मैं बोल रहा हूँ भाई तुमको जितना बढ़ना है तुम उतना बढ़ जाओ तो क्या मटेरियल में कोई स्ट्रेस आएगा मुझे बताओ ये एल लेंथ थी इनिशियली ये डेल्टा एल बढ़ गया ठीक है ना जिसको आपने क्या बोला फ्री इलोंगेशन बोला फ्री इलोंगेशन बोला जिसकी आपने वैल्यू कितनी निकाली एल अल्फा डेल्टा टी क्यों हुआ ऐसा क्योंकि okay, आपने इसको क्या किया था हीटअप किया था है ना ठीक है मैंने इस मटेरियल को बढ़ने से रोका ही नहीं मैंने बोला कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है इसका ऑफ ऑफ इलास्टिसिटी ई है इसका मॉड्यूलिटी थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है लेंथ एल है आपको पता है ठीक है ना मैंने कितना टेम्परेचर इसका बढ़ाया है ना एग्जाम्पल लिया था तीस डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भाई इतना फ्रीली इलांगेट हो गया मैंने इसको रोका ही नहीं बढ़ने से मैंने इसको रोका ही नहीं तो जब मैं किसी भी चीज को रोकता नहीं हूं है ना देखो स्ट्रेस कब आता है जब आप स्ट्रेन देते हो उसको आई मेरी बात समझ में जब आप स्ट्रेन देते हो किसी मटेरियल को खींचना चाहते हो डिफॉर्मिंग फोर्स लागे तो उसमें स्ट्रेस आना चाहता है स्ट्रेस, स्ट्रेस आने लगता है मटीरियल अपोज करता है लेकिन मटीरियल तो यहाँ खुद बढ़ना चाहता है ना क्योंकि आप उसके पास अल्फा है और आपने उसको दे दिया टेम्परेचर तो वो बढ़ जाएगा भाई अगर कोई आदमी भूखा है तुम उसको बिरयानी दोगे तो वो क्या करेगा बताओ अगर कोई आदमी भूखा है और तुम उसको बिरयानी दोगे तो वो क्या करेगा बिरयानी को बेच देगा या बिरयानी खा लेगा बताओ सर अगर वो भूखा है तो बिरयानी खा लेगा ठीक है और अगर उसका पेट भरा है और आदमी बिजनेस मैन है और तुमने बिजनेस मतलब तो उसका माइंड बिजनेस वाला है और आपने उसको बिरयानी दी तो वो खाएगा नहीं वो बेच देगा उन्होंने कहा भूखी नहीं है अगर आप किसी ऐसे इंसान जो जिसके पास कपड़े नहीं है पहनने को उसको कपड़े दोगे तो वो कपड़े पहनेगा ना जिसने कुछ कपड़े नहीं पहने उसको अगर आप कपड़े दोगे तो वो कपड़े पहनेगा वैसे इस मटेरियल को बढ़ना था इसके पास को ऑफ लीनर एक्सपांशन था थर्मल का तो आपने उसको टेम्परेचर दिया तो वो फ्रीली बढ़ गया ना हाँ सर बढ़ गया आप आगे की बात करो ठीक अब देखो इतना मैंने बार बार इसलिए समझाया कि जब मैंने उसको फ्रीली इलांगेट होने दिया है तो यहां पर स्ट्रेस नहीं जनरेट होगी स्ट्रेस तब जनरेट होती जब मैं इसे बढ़ने नहीं देता ये बढ़ना चाहता लेकिन मैं इसे बढ़ने नहीं देता सिमरन जाना चाहती थी कहीं मैं उसे अगर नहीं जाने देता तो सिमरन को स्ट्रेस होता लेकिन अगर सिमरन वो सारी चीजें कर पा रही है जो वो चाहती है और मैं उसे नहीं रोक रहा मैं उसे नहीं रोक रहा तो भाई उसको स्ट्रेस जनरेट स्ट्रेस उसे बिल्कुल भी नहीं होगा अब यहां आ गई काम की बात क्या कि जब फ्रीली इलांगेश इलोंगेशन हुआ फ्रीली इलांगेशन हुआ या मैं यहां पे पॉइंट बना के लिखता हूं वेन हेयर हेयर मटीरियल इज इलोंगेटेड हेयर मटीरियल इज इलांगेटेड फ्रीली without any restriction without any restriction without any restriction it is a case of free expansion any restriction it is a case of it is a case of free expansion case of free expansion where where अब यहां पर फ्री एक्सपांशन हुआ है वेयर स्ट्रेस है ना वेयर स्ट्रेस इज जीरो वेयर स्ट्रेस सिग्मा इज जीरो स्ट्रेस इसलिए जीरो है क्योंकि हम इसको फ्रीली बढ़ने दे रहे हैं इसको कोई भी काम करने से रोक नहीं रहे हैं एंड एंड स्ट्रेन इज एंड स्ट्रेन इज स्ट्रेन कितना होगा स्ट्रेन इज स्ट्रेन कितना है अब आउ स्ट्रेन की बात करते हैं स्ट्रेन की बात करते हैं स्ट्रेन क्या होगा सर हम स्ट्रेन जानते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन यानी कि डेल एल अपॉन एल होगा डेल एल अपॉन एल होगा ठीक है कुछ गलत लिखा मैंने नहीं सर कुछ भी गलत नहीं लिखा ठीक है. अब आप जानते हो कि डेल एल की वैल्यू किसके बराबर है एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर है कि नहीं है हां सर यहां से आप डेल एल बाय एल निकाल सकते हो सर आंख बंद करके निकाल सकते हैं डेल एल बाय एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी ये डेल एल बाय एल ही तो स्ट्रेन होता है एप्सिलॉन होता है हाँ कि ना लेकिन ये जो स्ट्रेन आया है ये क्यों आया है टेम्परेचर बढ़ाने के कारण तो क्या मैं इसे थर्मल स्ट्रेन बोल दूँ क्या मैं इसे थर्मल स्ट्रेन बोल दूँ बिल्कुल बोलिए सर आपकी बात कुछ गलत हो ही नहीं है नहीं हो तो सकती है बेटा ऐसा नहीं है इंसान तो मैं भी हूं हाँ लेकिन ये बात गलत नहीं है एकदम सही बात है कि ये जो स्ट्रेन आई है ये टेम्परेचर बढ़ाने के कारण आई है इसलिए मैं यहाँ पर इसको थर्मल स्ट्रेन बोल देता हूँ ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल है बाबा यह कभी गलत नहीं हो सकता लेकिन हाँ अल्फा डेल्टा टी तब लगेगा जब आप थर्मल स्ट्रेन की बात करोगे ठीक है तो हम समझ गए यहाँ पर जो स्ट्रेस आया है फ्री एक्सपेंशन के कारण क्योंकि फ्रीली एक्सपैंड हुई है आपकी रॉड या आपका वायर तो उस पर स्ट्रेस नहीं जनरेट होगा स्ट्रेन कितना आया है स्ट्रेन आया है अल्फा डेल्टा टी अल्फा डेल्टा ठीक है यूनिटलेस यूनिटलेस अल्फा होता है पर यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रखोगे कट जाएगा यूनिटलेस क्वांटिटी होगी पता है आपको स्ट्रेन क्या होती है डायमेंशन लेस होती है चलो वेरी गुड ये आ गया भाई आपके पास स्ट्रेन का फॉर्मूला और स्ट्रेस कितनी है यहां पर जीरो है क्योंकि ये केस किसका है फ्री एक्सपेंशन का है अच्छा चलो अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं मान लो मैं आपको ऐसी मेटालिक रॉड दे दूँ देखो ये है मेटालिक रॉड इस मेटेलिक रॉड की लेंथ है एल एरिया है इसका ए अल्फ़ा और मॉडल ऑफ अपलास्टिसिटी ई मैं अगर इसको हीटअप करता हूँ मैं यहाँ पर एक लैम्प लगा देता हूँ ऐसा और मैं इसको हीट करता हूँ क्या होगा बताओ क्या केस है क्या होगा इसमें आप बोलोगे सर ये क्या करेगा ये ऐसे एलॉन्गेट कर जाएगा क्या कर जाएगा ये इलागेट कर जाएगा मैंने बोला हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ये होगा डेल एल लेकिन मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या यह फ्री इलांगेशन का केस है क्या यह फ्री एक्सपेंशन का केस है सर नहीं सर हमको नहीं लग रहा यह फ्री एक्सपेंशन का केस है क्योंकि इसकी ये वाली जो साइड है वो फिक्स सपोर्ट से रोकी गई हुई है मतलब ये साइड भी बढ़ना चाहती होगी जब हमने इसको गर्म किया होगा तो ये भी बढ़ना चाहती होगी लेकिन वो बढ़ नहीं पाई सिर्फ इतना पार्ट बढ़ पाया तो हम बोलेंगे कि यहां पर फ्री एक्सपेंशन नहीं है बट ऐसा सोचना गलत है ये जो मेटेलिक रॉड थी वो इधर से भी बढ़ना चाहती थी लेकिन इस फिक्स सपोर्ट ने इसको बढ़ने नहीं दिया तो जो पार्ट यहां बढ़ना चाहता था वो इधर ना बढ़ के किधर बढ़ जाएगा इधर ही बढ़ जाएगा भाई भाई जिसको जहां से जगह मिलेगी वो वो रॉड वहां से बढ़ेगी ना अगर इधर से उसका रास्ता बंद है तो जहां से रास्ता खुला खुलाएगा वहां से जाएगा वहां से इलांगेट होगा अच्छा अच्छा सर ठीक है तो ये केस भी किसका है फ्री इलाशन का किसका केस है ये भी फ्री इलाशन का केस है आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ ये डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होगी तो आप बोलोगे सर ये होगी अल्फा एल, अल्फा एल डेल्टा टी इतना एक्सपेंड कर जाएगा स्ट्रेन पूछूंगा बताओ तो थर्मल स्ट्रेन होगी सर अल्फा डेल्टा टी थी। ठीक है सर ओके ये थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद जो आपको समझने हैं याद तो मत ही करो समझ लोगे तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आगे बढ़ू आगे बढ़ू अब हमारा दिमाग चल रहा है कि भाई स्ट्रेस क्यों जीरो है स्ट्रेस क्यों जीरो है हमको स्ट्रेस भी चाहिए तो तो मैंने कहा अगर तुमको स्ट्रेस चाहिए तो इस ट्रेन को रोको इसको फ्रीली एक्सपैंड मत करने दो समझ रहे हो ना कई पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं जब अमलीश पुरी ने जा सिमरन जा बोला था तो उससे पहले वो बहुत स्ट्रिक्ट था वो क्या करता था वो आजादी चाहता नहीं था वो फ्री अलोंगेशन चाहता ही नहीं था अपनी बेटी की तो इसलिए इसीलिए वो क्या करता था अपनी बेटी के फ्री इलांगेशन को रोकता था उसकी आज़ादी को रोकता था तो बेटी में स्ट्रेस रहता था बेटी डरी हुई रहती थी शाहरुख खान से शाहरुख खान से उनका वही नहीं हो पा रहा था रिलेशन ही नहीं चालू हो पा रहा था अमरीशपुरी के चक्कर में हाँ कि ना हाँ सर तो अब हम बोल रहे हैं कि चलो इस स्ट्रेन को रोकते हैं अब अमरीशपुरी बनते हैं भैया अब सिमरन को बोलेंगे नहीं तुम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते आओ अब तुम फ्री नहीं हो आओ अब तुम अपने पापा के अंडर में रहो जो स्ट्रिक्ट पापा है तुम्हारे ठीक है चलो समझेंगे आगे इतना आप लिख लो इतना लिख लो जे लिख लो जे एन जे फॉर्मूले याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले ठीक है ये और ये स्क्रीन ले लिया होगा इसको लिखे रहने देता हूँ इसको मिटा देता हूँ ठीक है आओ 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 और इनके सर की के नीचे जन्नत होगी हाँ चलो अब ये मेटालिक रॉड थी वही जो पहले फ्री थी अब मैंने क्या कर दिया बाबा इसके दोनों साइड को क्या कर दिया फिक्स सपोर्ट से बांध दिया मैंने बोला अब तो बेटा तुम इलागेट होकर बता दो ठीक है यहाँ पर जो हमारी रॉड थी उसकी लेंथ कितनी ली थी हमने एल लेंथ ली थी ठीक एल लेंथ ली हुई थी अगेन वही करना है हमको क्या करना है इसको हीट अप करना है इसको हीट अप करो क्या करो इसको पूरा हीट अप करो ठीक है ना इसकी इसका एरिया है ए इसका मॉड्यूल ऑफ लास्टिसिटी है ई e, और इसका कोई इफिशेंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा ठीक हीट अप किया क्या हुआ समझना हीट अप किया क्या हुआ बढ़ना चाहता था भाई मटेरियल को क्या पता कि उसको आपने बांध दिया है दोनों साइड से मटेरियल के अंदर तो अल्फा है आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके अंदर की जो वो है वो है ना उसकी क्या बोलते हैं उसको गुदगुदी उसको होगी फील होगी कि अरे भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है अब मुझे एलोंगेट करना है लीनियर एक्सपेंशन करना है मुझे ठीक है ना जैसे ही उसने लीनियर एक्सपेंशन करना चाह वो नहीं कर पाया क्यों क्योंकि ये दोनों साइड से क्या है फिक्सड है दोनों साइड से उसका सपोर्ट क्या है भाई फिक्स कर दिया है इन दोनों को ड्यूटी दी गई है कि आप इसको बढ़ने नहीं दोगे ठीक है अब इसको समझते हैं मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा उसके जवाब आप मन में ही देना ठीक है ना अगर हो तो कमेंट में भी लिख देना पॉज करके <coughs> जब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो आपको ऐसा नहीं लगता ध्यान से सुनना मैं बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा आ, कौन सा कलर यूज कर लूँ कौन सा कलर यूज कर लूँ ब्लैक ही यूज कर लेता <coughs> मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जब ये बढ़ना चाहता था जब ये बढ़ना चाहता था तो ये फ्रीली कितना ज्यादा बढ़ता है ना कोई एक एंड मान लेते हैं हम चलो इधर एंड मान लेते हैं किस है? इस एंड को मान लेता हूँ मैं इस एंड को देखता हूँ कि अगर ये बढ़ना चाहता तो कितना बढ़ता फ्रीली अगर मैं इसको एक्सपैंड करने देता तो ये कितना बढ़ता तो आप बोलते हैं सर ये बढ़ता डेल एल और ये डेल एल कितना होता सर ये डेल एल होता एल अल्फा डेल्टा टी मेरी बात समझ में आई कि नहीं अगर बढ़ने देता फ्रीली तो हाँ लेकिन अभी तो ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर क्या है फिक्स सपोर्ट है ये बढ़ना चाहता था यहां तक आना चाहता था लेकिन मान लो ये पॉइंट ए है ये कहां तक आना चाहता था ये बी तक आना चाहता था ए से पॉइंट बी तक आना चाहता था एलोंगेट होकर लेकिन वो हो नहीं पाया क्यों क्योंकि फिक्स 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 सपोर्ट 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 लगाया तो ने ने क्या किया ने क्या किया किया होगा होगा देखो आपको ऐसा नहीं लगता कि फिक्स सपोर्ट ने ऐसा फोर्स लगा दिया होगा है ना ऐसा इधर भी हुआ होगा मैंने आपको बोला ना मटेरियल तो दोनों तरफ से बढ़ना चाहता है वो तो हम समझने के लिए मान लेते हैं कि एक साइड इतना बढ़ गया ठीक ठीक है हाँ सर तो हमने बोला जो टोटल एल अल्फा डेल्टा टी है वो टोटल इलांगेशन होगा वो थोड़ा सा इधर होगा थोड़ा सा इधर होगा दोनों को मिला के एल अल्फा डेल्टा टी होने वाला है ये बात आपको पता है हाँ सर ठीक है ओके 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 ठीक तो हम ये बोलते हैं इधर से भी बढ़ना चाहता था तो फिक्स सपोर्ट ने क्या किया इधर से भी फोर्स लगा दिया एफ का और इधर से भी फोर्स लगा दिया एफ का क्या ये बात गलत है क्या ऐसा कंप्रेसिव फोर्स लगाया होगा तभी तो उसको बढ़ने से रोका होगा मेरी बात समझ में सर। ये एफ जो फोर्स है ये कैसा है भाई कंप्रेसिव है नेचर में कैसा है नेचर में ये कंप्रेसिव है ठीक है ना कंप्रेसिव फोर्स है ठीक तो जब ये रॉड थी ये बढ़ना चाहती थी इस पर हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो स्ट्रेस कैसे जनरेट होगी वेन वेन रॉड या मेटेलिक uh, रॉडी थी ना वेन रॉड वॉन्ट्स टू इलोंगेट

वेन रॉड वॉन्ट्स टू इलांगेट जब रॉड इलांगेट होना चाहती थी द सपोर्ट प्रोवाइड कंप्रेसिव फोर्स है ना सपोर्ट ने क्या प्रोवाइड किया कंप्रेसिव फोर्स देन द स्ट्रेस जनरेटेड द स्ट्रेस जनरेटेड विल बी कंप्रेसिव इन नेचर द स्ट्रेस जनरेटेड विल बी कंप्रेसिव इन नेचर कंप्रेसिव इन नेचर ठीक है

थोड़ा सा नहीं सर पूरा ही लगा दो अरे पूरा लगा देंगे तो ख़त्म हो जाएगा सर दिमाग नहीं है दे रहा ये फ्रीली कितना इलांगेट होना चाहता है ये रॉड फ्रीली कितना इलांगेट होना चाहती थी एल अल्फा डेल्टा टी लेकिन ये फोर्स इसको इलांगेट नहीं होने दे रहा टोटल इलांगेशन कितना है इसमें यहां पर टोटल इलांगेशन कितना होगा जीरो टोटल स्ट्रेन कितनी आएगी जीरो क्योंकि भाई इस इस मेटालिक रॉड को दो सपोर्ट के बीच में रखा हो गया है अगर वो बढ़ना चाहेगी भी तो ये कंप्रेसिव फोर्स लगा के इसको बढ़ने नहीं देगा तो इस केस में क्या होगा इस केस में नो नो स्ट्रेन स्ट्रेन है ना ये नो no स्ट्रेन का केस है इसमें कोई भी स्ट्रेन जनरेट नहीं होगी बट अब आप सोचो अब आपने आजादी छीन ली सिमरन की अब आपने उसको फ्रीली एक्सपैंड नहीं होने दिया तो क्या आएगी स्ट्रेस आएगी है ना नो स्ट्रेन स्ट्रेस ज नॉट इक्वल टू जीरो अब यहां स्ट्रेस आएगी ठीक है ना यहां स्ट्रेन जीरो है बट स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू जीरो है यहां पर स्ट्रेन जीरो है बट स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू जीरो बट स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है हाँ सर ये बात समझ में आ गई चलो हम यह चाहते हैं कि टोटल इलोंगेशन हम यह बोले कि टोटल इलोंगेशन रॉड में कितना होगा तो आपने बोला जीरो टोटल इलांगेशन कितना होगा रॉड में टोटल इन द रॉड या टोटल इलांगेशन ऑफ द रॉड इज इक्वल टू जीरो बढ़ने किसने नहीं दिया इस फोर्स ने बढ़ने नहीं दिया ठीक है ना अगर हम इस पर ये एफ फोर्स नहीं लगाते यानी कि ये सपोर्ट नहीं लगाते तो ये कितना बढ़ जाता ये बढ़ जाता टोटल एल अल्फा डेल्टा टी ये फ्रीली तो इतना ही बढ़ता है हम जानते हैं ठीक हम क्या चाहते हैं कि ये इतना ना बढ़े इस पर हम क्या लगा दें इस पर हम कुछ नेगेटिव डिफॉर्मेशन कर दें मतलब ये जिस तरफ बढ़ना चाहता था उसको हम अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसका डिफॉर्मेशन जीरो कर दें नेट डिफॉर्मेशन कितना आ जाए जीरो नया ही बात समझ में नहीं सर नई बात समझ में देखो ये एल अल्फा डेल्टा डी बढ़ना चाहता था हाँ आपने फोर्स लगाया आपने फोर्स लगाया ये आपको दिखेगा नहीं मैं आपको अंदर की प्रोसेस बता रहा हूं कि सपोर्ट पर क्या हो रहा होगा इस एफ फोर्स ने इसको दबाने की कोशिश की इसको दबाने की कोशिश की और नेट डिफॉर्मेशन कितना कर दिया, टोटल कोई चेंज इन लेंथ हुआ ही नहीं ठीक मतलब हम यह बोल सकते हैं कि माइनस यहां पर आपने कोई नेगेटिव डिफॉर्मेशन कर दिया होगा आई मेरी बात समझ में इस फोर्स की मदद से आपने कोई नेगेटिव जिस डायरेक्शन में एल अल्फा डेल्टा टी होना चाहता था आपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई डेल्टा कर दिया होगा कोई डिफॉर्मेशन कर दिया होगा या डेल एल कर दिया होगा ये बोल दो आप इस फोर्स की मदद से जब टोटल इलांगेशन हुआ होगा जीरो नहीं आई बात समझ में नहीं सर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा सर थोड़ा थोड़ा सा टफ है थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा रॉड इलोंगेट होना चाहती थी मैंने फोर्स लगा के उस इलोंगेशन को जीरो कर दिया रॉन्ग रॉड इलोंगेट होना चाहती थी मैंने उस पर फोर्स लगा के एलोंगेशन जीरो कर दिया ये फ्रीली कितना इलांगेट हो सकती थी अगर यहां पर सपोर्ट नहीं होता तो रॉड कितना फ्रीली एक्सपेंड होती सर एल 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 अल्फा 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 डेल्टा 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 टी 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 लेकिन मैंने फोर्स लगा के इस को जीरो कर दिया टोटल इलांगेशन कितना कर दिया जीरो कर दिया ठीक तो वही चीज मैंने आपको बताई कि यह फ्रीली एक्सपेंड हो सकता था इतना इस फोर्स ने कुछ अपोजिट डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन किया डेल्टा को मैं क्या बोलता हूं आपको पता है ना डेल्टा को मैं बोलता हूं डिफॉर्मेशन ठीक है जो कि क्या होता है डेल एल के बराबर भी होता है जिसको आप डेल एल बोलते हो मैं उसको डेल्टा बोल देता हूं ठीक है ना चलिए एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल इज इक्वल्स टू जीरो हाँ सर देखो ध्यान से सुनना टी माइनस ये जो डिफॉर्मेशन है ये कौन ला रहा है वो ये फोर्स ला रहा है नेगेटिव क्यों लगाया क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपकी रॉड बढ़ना चाहती थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगा है तो इस डायरेक्शन में डिफॉर्म किया इसने है ना कितना किया होगा कितना किया होगा अब आती है यहां पर आपके कंसेप्ट की बात देखो इसको मिटा रहा हूं मैं अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने जब आपको बताया था कि एक रॉड है प्रिजमेटिक बार है ना इस पर मैंने एफ फोर्स लगाया इस पर मैंने एफ फोर्स लगाया ये देखो इसकी लेंथ एल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी ई है मैं इसमें पूछता हूं कि आपकी ये डिफॉर्मेशन हुई है ना इसको आप बोल रहे हो डेल और डेल या फिर इसको आप डेल्टा एल बोल दो जो बोल है ना है तो मैंने आपको डेल का फॉर्मूला बताया था डेल इज इक्वल टू डेल्टा एल का एक फॉर्मूला बताया था वो क्या था इस केस में वो था सर एफ एल अपॉन ए ई कि ना इस फोर्स के कारण कितना इलांगेशन आया कितना डिफॉर्मेशन आया एफ एल अपॉन ए अब यही रॉड है यही रॉड है इस रॉड पे मैंने फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में देखो कंप्रेसिव फोर्स लगाया है, कैसा फोर्स लगाया कंप्रेसिव एरिया ए है मॉडल ई e है लेंथ इसकी एल है क्या होगा क्या होगा सर ये कंप्रेस हो जाएगी ये क्या हो जाएगी कंप्रेस हो जाएगी है ना चलो तो कितनी कंप्रेस हुई कितनी कंप्रेस हुई ये मैंने बोल दिया डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें डेल की वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे सर डेल जो है वो होगा माइनस एफ एल अपॉन ए क्यों क्योंकि आपने डिफॉर्मेशन कंप्रेस किया है डिफॉर्मेशन नेगेटिव किया है आपने छोटी की है उसकी लेंथ पहले एल थी बाद में लेंथ कितनी हो जाएगी एल माइनस डेल एल इतनी हो जाएगी लेंथ तो आपने माइनस किया है ना ये तो ये डेल्टा एट क्या है डिफ्लेक्शन ये क्या है नेगेटिव में आना चाहिए ना माइनस होने के लिए हां कि ना हाँ फोर्स कंप्रेसिव था तो आपने क्या किया माइनस एफ एल बाई ए किया चलो अब ये बात आपको समझ में आई चलो यहां पर भी तो आप ये देखो यही कर रहे हो आप इस फोर्स की मदद से अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो रॉड खिसक के यहां पर आ जाती आ जाती कि नहीं आ जाती लेकिन इस फोर्स ने क्या किया है इसको दबा के इसको दबा के इसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले गया है तो इसने कितना डिफॉर्मेशन किया होगा इस फोर्स इस फोर्स ने कितना डिफॉर्मेशन किया होगा रॉड पे तो आप बोलोगे सर माइनस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है एफ एल बाय एज इक्वल टू जीरो आई बात समझ में हाँ सर हां सर आई बात समझ में ये इतना बढ़ना चाहता था लेकिन फोर्स ने उसको नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगा के इतने इतनेगेशन को जीरो कर दिया नेट करके आई बात समझ में है है ना ठीक इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपकी रॉड इतना बढ़ना चाहती थी लेकिन आपके फोर्स ने इतना डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया इतना डिफॉर्मेशन जो इसके बराबर था तभी तो टोटल इलोंगेशन जीरो होगा है ना ये इधर जाएगा तो इसके बराबर ही तो आ जाएगा हां कि ना हाँ सर ठीक है चलो तो अब देखना अब ध्यान से समझना मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं देखो एल अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एफ एल वाई ए ई लिख सकता हूं। लिख सकता हूं हूं लिख लिख क्या बिल्कुल लिख सकते हो ठीक है एफ बाय ए को आप क्या लिख सकते हो स्ट्रेस एल अल्फा डेल्टा टी एफ बाय ए को आप लिख सकते हो स्ट्रेस ये स्ट्रेस किसके कारण आ रही है टेम्परेचर बढ़ाने के कारण तो क्या इसको थर्मल स्ट्रेस बोल दूं सिग्मा टी ठीक है इन टू एल अपॉन ई बोल सकता हूं कि नहीं एल से ये एल कट गया तो सिग्मा टी की वैल्यू कितनी आने लगी सिग्मा टी की वैल्यू आई अल्फा डेल्टा टी इन ई अल्फा डेल्टा टी इन ई आई कि नहीं आई आई कि नहीं आई बाबा कितनी इंपॉर्टेंट चीज आपकी आंखों के सामने आ गई आपको भरोसा भी नहीं होगा ये सिग्मा टी थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपके पास आ गया है थर्मल स्ट्रेस इज़ इक्वस टू अल्फा डेल्टा टी इन टू अब इसको ध्यान से देखना अल्फा डेल्टा टी को आप क्या बोलते हो थर्मल स्ट्रीम ई क्या है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है कि नहीं हाँ सर तो आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो ये एक्सप्रेशन आपको ऐसा नहीं दिख रहा सिग्मा टी इज टू

दूसरा केस हमने देखा कि जब हमने इसको रोक दिया एक्सपैंड होने से इलांगेट होने से इसमें स्ट्रेन नहीं आने स्ट्रेन नहीं आने दी हमने जब हमने स्ट्रेन को रोका तो उसमें क्या जनरेट हो गई थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो गई इस केस में स्ट्रेन जीरो है जीरोन आ, आ रही है बात समझ में आ गई क्लियर है हंड्रेड परसेंट हाँ सर हंड्रेड परसेंट क्लियर हो गया चलो आगे बढ़े इसको नोट डाउन कर लो बहुत काम की चीजें मैंने आपको यहां पर समराइज कर दी है अब देखो कुछ कैसे केसेस ऐसे भी होते हैं कैसे देखो कुछ केसेस आपको ऐसे देखने मिलेंगे मान लीजिए मान लीजिए ये ऐसा सपोर्ट है ठीक ये ऐसा सपोर्ट है ठीक ये है ना फिक्स्ड सपोर्ट है है ना ये फिक्स्ड है यहां पर एक रॉड रखिए रॉड है मेटालिक रॉड है एक और सपोर्ट है यहां पे ठीक है ना बट ये जो सपोर्ट है ये मूवेबल है क्या है ये ये मूवेबल है या मैं बोलू इट कैन अप यू इट कैन यू वन एम एम मतलब मतलब ये कितना पीछे खिसक सकता है ज्यादा से ज्यादा ये पीछे खिसक सकता है कितना एक एम mm एम तक बस एक एमएम mm के बाद ये भी क्या बन जाएगा फिक्स सपोर्ट बन जाएगा नहीं यही बात समझ में बाबा ये जो सपोर्ट है ये मूवेबल है मतलब ये यील्ड कर सकता है यह खिसक सकता है लेकिन कितना खिसकेगा ज्यादा से ज्यादा एक एम mm एम खिसक सकता है ठीक है पक्की बात है अब आपने क्या किया भाई इसका एरिया आपको दे दिया गया ए e दे दी गई मॉडल एक्सपेंशन अल्फा दे दी गया लेंथ एल दे दी गई और इसको क्या कर दिया हीट कर दिया पूछेगा कि बताओ स्ट्रेस कितनी जनरेट होगी तो आप बोलोगे देखो ये फ्रीली एक्सपैंड कितना कर सकता था ये फ्रीली एक्सपैंड कर सकता था एल अल्फा डेल्टा टी इतना करना चाहता है वो इतना करना चाहता है ठीक है लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट सपोर्ट जैसे ही इसको एक एम mm एम खिसका लेगा उसके बाद तो यह भी फिक्स सपोर्ट बन जाएगा ये इस पर फोर्स लगाने लगेगा कंप्रेसिव फोर्स लगाने लगेगा है ना क्या लगाएगा लगाएगा कंप्रेसिव फोर्स का F e का डिफॉर्मेशन होगा और ये, है, ये कितना है ये क्या है ये भाई ये टोटल इलोंगेशन है जो आ सकता है अगर यह फिक्स्ड सपोर्ट होता तो मैं यहां जीरो लिख देता क्योंकि फिक्स्ड सपोर्ट इसको बढ़ने ही नहीं देता लेकिन यहां पर सपोर्ट खुद खिसक सकता है कितने एम mm? एम एक एमएम mm खिसक सकता है तो नेट डिफॉर्मेशन कितना होगा एक एम mm एम का बात समझ में। आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना एल अल्फा डेल्टा टी ये फ्रीली एक्सपैंड कर सकता था फोर्स ने इसको इतने से क्या कर दिया रोक दिया फोर्स ने इतना डिफॉर्मेशन करके इसको रोक दिया यहां पर आएगा आपका डेल्टा नेट नेट डिफॉर्मेशन यहां लिख देता हूं मैं नेट

कर दी है आगे बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं है ना क्वेश्चन आप करोगे तो और अच्छे से आपको समझ में चीजें आएंगी आओ mm. क्वेश्चन से लिख लो सोलूशन ब्लैक कलर की पेन आ जाओ फटाक से लेंथ हाँ. दे दी है सिक्स मीटर डाया दे दिया कितना ट्वेंटी एम mm, तो ट्वेंटी इंटू टेन टू दाइनस थ्री मीटर इस फिक्स्ड एज शोन मैं बता दूंगा अभी आपको फिगर बना के इफ टेम्परेचर राइज बाय 80 डिग्री सेल्सियस आपको डेल्टा टी कितना दे दिया है 80 डिग्री सेल्सियस ओके फाइंड द स्ट्रेस इन द रॉड इफ ई इज इक्व टू टू हंड्रेड जी पी एफ ईज इक्व टू टू हंड्रेड जीपीए गीगा पासकल एंड को इफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा दिया है आपको ट्वेल्व इन टू टेन टू माइनस सिक्स पर डिग्री सेल्सियस है ना पर डिग्री सेल्सियस चलो रॉड बनाता हूं स्टील रॉड है स्टील रॉड है इसको फिक्स कर दिया गया है ठीक इसकी लेंथ दे दी है आपको सिक्स मीटर और इसको हीट किया गया है कितना टेम्परेचर बढ़ाया गया है इसका डेल्टा डी आपको दिया है एट्टी डिग्री सेल्सियस ठीक वो पूछ रहा है कि बताओ कितना स्ट्रेस जनरेट होगा पहली बात तो ये बताओ कि नेचर कैसा होगा स्ट्रेस का पहली बात ये बताओ कि नेचर कैसा होगा स्ट्रेस का भाई इसको हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी है ना इस पर लगेगा दोनों तरफ से क्या कंप्रेसिव फोर्स ये कंप्रेसिव फोर्स क्या जनरेट करेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट करेगा इस रॉड में ये बात तो आपको पक्का समझ में आई होगी हाँ सर हाँ वो पूछ रहा है <laughs> <laughs> क्या पूछ रहा है फाइंड द स्ट्रेस आपको स्ट्रेस निकालनी ठीक यहां मुझे बताओ कि कितना इलांगेट होगा ये अगर दो फिक्स सपोर्ट के बीच में रॉड रखी है तो यहां पर नेट डिफॉर्मेशन नेट डिफॉर्मेशन डेल्टा एल नेट कितना अलाउड है कितना हो सकता है आप बोलोगे जीरो यहां पर तो कोई भी इलोंगेशन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही सपोर्ट कैसे हैं फिक्स सपोर्ट है क्या आपको ऐसा कहीं दिया है कि कोई सपोर्ट एक, एक एम तक दो एम तक खिसक सकता है नहीं दिया हुआ है ठीक है ओके अगर ये ये सपोर्ट नहीं होते तो ये रॉड कितना एक्सपांड करना चाहती इसका मन कितना करता एल अल्फा डेल्टा टी इतना बढ़ने का मन करता लेकिन इसको इतना बढ़ने कौन नहीं दे रहा ये फोर्स लग रहा है एफ एल बाई ए का इसको आप क्या बोलते हो फॉर्मूला याद है ना आपको ये डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला है आप ऐसा बोल सकते हो एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल इज इक्व टू डेल्टा नेट और ये डेल्टा नेट कितना है इस केस में जीरो है ना ठीक है जिस डायरेक्शन में एल एलअल्फा डेल्टा टी होना चाहता था उसको दबा के एफ एल बाई डिफॉर्मेशन ने जीरो कर दिया ठीक है इज इक्वल टू जीरो आई बात समझ में हाँ सर ठीक है चलो जो जो वैल्यूज आपको दी है जल्दी फटाफट पुट कर दो एल की वैल्यू आपको दी है सिक्स मीटर अल्फा की वैल्यू आपको दी है ट्वेल्व इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स डेल्टा टी आपको दिया हुआ है अस्सी डिग्री सेल्सियस ठीक माइनस अच्छा आपको स्ट्रेस चाहिए है इसको ले जाता हूं उधर एफ बाय ए को आप स्ट्रेस लिख सकते हो थर्मल स्ट्रेस इनटू एल बाय ई एल की वैल्यू कितनी है एल की वैल्यू कितनी है एल की वैल्यू कितनी है एल की वैल्यू है, है सिक्वेंस से तो ये कट सकता है चलो कोई बात नहीं एल अपॉन ई की वैल्यू कहाँ है 200 जीपीए 200 जीपीएस इसको पास्कल में चेंज करना है तो 200 10 टू द पावर 9 पास्कल ठीक है ना इस सिक्स को इस सिक्स से काट दो ठीक है ना अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इससे आपको सिग्मा टी की वैल्यू मिलेगी जो कि क्या है थर्मल स्ट्रेस है सिग्मा टी इज इक्वल टू बारह इंटू टू द पार माइनस सिक्स इंटू टू हंड्रेड इंटू टेंट द पार नाइन टू हंड्रेड इंटू टेंट द पार नाइन इंटू एटी सही लिखा है कि नहीं बारह अस्सी दो सौ ठीक है ठीक है ठीक है चलो तो सिग्मा टी इज इक्वल टू टू द पार माइनस सिक्स है इससे कटा तो क्या बचा टू द पार थ्री बचा है ना चलो ये हुआ बारह दुनी चौबीस बारह दुनी चौबीस एक जीरो इंटू एटी इंटू टेंट तो द तो तो पार थ्री सब कर लिया ना यूज़ मैंने एट्टी भी कर लिया दो जीरो भी यूज़ कर लिए चौबीस सौ में बारह भी चला गया टेंट दो तो पार थ्री भी लिख लिया सब लिख लिया है ना तो सिग्मा टी कितना आ रहा है भाई सिग्मा टी हो जाएगा आठ 2 बत्तीस दो तीन आठ दुनी सोलह तीन उन्नीस ठीक एक एक दो तीन इंटू टेंट द पार सिक्स पास करें इतनी स्ट्रेस जनरेट हो रही है बहुत ज्यादा स्ट्रेस जनरेट हो रही है ठीक है क्लियर है इसको में में लिख लो, किलो पास्कल में लिख लो लो जिससे लिखना है उसमें लिख लो ताकि छोटा दिखे आंसर आपके सामने आ गया है कुछ भी नहीं करना था आप समझ गए इसके बहुत अलग अलग वेरिएशन बन सकते हैं अगले क्वेश्चन में आपको यह बोल देगा कि यह वाला जो सपोर्ट है वो दो एम एम खिसक सकता है तो डेल्टा नेट की जगह जो आपने यहाँ पे जीरो रखा है यहाँ पे आपने जो जीरो रखा है उसको आप कितना रखोगे दो एम एम रख दोगे यहाँ कितनी रख दोगे वैल्यू दो एम एम ठीक है स्ट्रेस आती रहेगी क्लियर पक्का हंड्रेड परसेंट हाँ सर बहुत बढ़िया चलो आगे बढ़ते हैं क्लियर अरे आप लिख पाए कि नहीं लिख पाया तो मैं फटाक से मिटा देता हूँ भाई स्क्रीन ले लिया करो जब मैं पढ़ाता हूं जैसे साइड होता हूँ आप स्क्रीन ले लिया करो मैं इसलिए बीच बीच में साइड होता रहता हूँ ठीक है चलो बहुत बढ़िया आ जाओ देखिए एक बात आप समझिएगा वॉल्यूम कंजर्वेशन एक ऐसी चीज होती है जिसके कारण अगर मैं मैं पास आ जाता हूं थोड़ा कैमरे के मान लीजिए ये पेन है अभी देखिए कितना मोटा है कि नहीं है ना अगर इस पेन को मैं खींचता जाऊं खींचता जाऊं खींचता जाऊं तो ये, ये पेन क्या होगा थोड़ी देर बाद आपको एक पतला पेन और एक लंबा पेन दिखाई देगा है ना एक पतला और एक लंबा पेन दिखाई देने लगेगा क्यों क्योंकि आपने उस पर क्या लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया ठीक यही पेन आगे जाकर एक पतला और लंबा पेन बना हाँ हाँ सर ठीक है तो आप ये बात समझिए कि जब आपने इस पेन को खींचा तो यहां दो तरीके की डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिले एक तो लीनियर डिफॉर्मेशन और एक लैटरल डिफॉर्मेशन क्या बोला मैंने देखिए अब जो मैं आपको समझा रहा हूं समझिएगा ये सब चीजें जो मैं आपको बताऊंगा तो सब पढ़ते हैं है ना बस समझना बहुत जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं देखिए ये थी भाई ओरिजिनल लेंथ एल और ओरिजिनल वेथ बी ठीक आपने इस पर फोर्स लगाया एफ का एफ का फोर्स मैं दूसरे कलर से लगाता हूँ नहीं तो समझ नहीं आएगा सब एक जैसा लगने लगेगा ये है भाई विथ बी इस पर आपने फोर्स लगाया एफ का एफ़ का फोर्स लगाने के बाद आपने देखा कि भाई ये जो रॉड थी ये लंबी हो गई भैया रॉड क्या हो गई लंबी हो गई बट लंबी, हो गई। लंबी होने के होने के साथ साथ पतली भी हो गई ऐसा कुछ हो जाएगा हाँ सर तो अब इसकी नई विथ क्या बन गई अब इसकी नई विथ्थ बन गई बी डैश है ना और नई लेंथ हो गई इसकी क्या एल प्लस डेल्टा एल सही समझे कि नहीं समझे बिल्कुल मतलब ये जो रॉड अभी तक हम क्या कर रहे थे अभी तक हम हम सिर्फ लीनियर डिफॉर्मेशन देख देख रहे 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 थे थे स्ट्रेन क्या कर रहे थे दूसरे डायमेंशन को अभी तक नहीं देख रहे थे लेकिन अब हमको दूसरा डायमेंशन भी देखना है हम जानते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है अगर किसी भी ऐसी रॉड को खींचा जाए तो वो पतली होगी और लंबी होगी पतली होगी और लंबी होगी है ना ऐसा क्यों होता है क्योंकि भाई वॉल्यूम कंजर्वेशन एक चीज होती है बाबा ये जो ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है इसका जितना वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इस वॉयलेट कलर के उसमें मटेरियल में भी होगा ऑब्जेक्ट में भी होगा नहीं अरे बाबा इससे ही तो ये बनाया ना मटेरियल कहीं गया थोड़ी ना जब आपने इस पेन को खींचा तो पेन लंबा हुआ और पतला हुआ लेकिन मटेरियल कहीं गया थोड़ी ना मटेरियल तो अभी भी इसी पेन का है ना इसी पेन में है ना हाँ तो जो वॉल्यूम उस पतले पेन उस पतले और लंबे पेन का होगा वही वॉल्यूम इस ओरिजिनल पेन का भी होगा आई मेरी बात समझ में हाँ ठीक है ये बात आपको समझ में आई हाँ इसके बारे में और आगे हम जाकर बात करेंगे अब आप समझना कि ये जो डेल एल आया है इसको मैं बोलता हूं इसको मैं बोलता हूं लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन है ना और बी माइनस बी डैश अगर मैं करूंगा बी माइनस बी डैश अगर मैं करता हूं तो इसको मैं बोलता हूँ या फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना फाइनल कितना हुआ बी डैश माइनस बी है ना ये किस में आएगा नेगेटिव में आएगा किस में आएगा नेगेटिव में आएगा क्योंकि बी डैश छोटी वैल्यू है बी डैश में से बी माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी आएगी कि नहीं आएगी हाँ सर नेगेटिव वैल्यू आएगी ये क्या है दिस इज लैटरल डिफॉर्मेशन दिस इज लैटरल डिफॉर्मेशन अच्छा इसका मतलब यह है कि जब आपने लीनियरली डिफॉर्म किया किसी चीज को तो वो अपने आप आपके हाथों तो में नहीं था ये तो परवर दिगार के हाथ में है तो प्रकृति के हाथ में है कि अपने आप वो जो ऑब्जेक्ट था वो मेटालिक रॉड थी वो क्या हो गई पतली हो गई है ना जैसे आपने देखा होगा वायर ड्राइंग में किसमें एक मोटा सा रॉड डालते हैं एक डाई के अंदर एक डाई होती है उसके अंदर मोटा सा रॉड डालते हैं और दूसरी तरफ से उसको खींच लेते हैं तो वो क्या बन जाती है वायर बन जाती है पतली सी क्या बन जाती है वायर बन जाती है इतना मोटा रॉड आपने अंदर डाला था और बाहर निकली क्या पतली सी रॉड पतली सा वायर तो लंबा हो गया और बहुत पतला हो गया यही तो हुआ अभी आगे जाके आपको दिखाऊंगा इसको बोलते हैं वायर प्रोसेस आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग में वहां आएगा चलिए तो लॉन्गिट्यूडल डिफॉर्मेशन आप लाए इस ये आया पॉजिटिव में लेकिन आपने जब लैटरल डिफॉर्मेशन में लेटरल डिफॉर्मेशन देखा वो नेगेटिव में आ गया अच्छा अगर ये फोर्स मैं उल्टा कर दूं कंप्रेसिव कर दूं तो क्या होगा तो क्या होगा रॉड की लेंथ कम हो जाएगी और चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी तब मैं बोलूंगा लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन नेगेटिव है लेकिन जो लेटरल डिफॉर्मेशन है वो पॉजिटिव है क्योंकि फिर पर, क्योंकि फिर क्या हो जाएगी रॉड मोटी हो जाएगी ना हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक रेशो बनाया ध्यान से समझिएगा इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी आगे बढ़ते हैं

लेकिन डिफॉर्मेशन आपको लेटरली भी दिखा ये देखो लेटरली डिफॉर्मेशन भी दिखा ये अपने आप हुआ ये मैंने नहीं किया इस मटेरियल को अगर लंबा होना है तो उसको जो वॉल्यूम चाहिए वो कहाँ से आएगी इसी के पतले होने से तो वॉल्यूम मिलेगी तभी तो ये आगे बढ़ा है ना ये जो चीज़ यहाँ से ये पतली हुई है ये देखो ये जितना हैच कर रहा हूँ एरिया में जितना ये जितने वॉल्यूम यहाँ से कम हुई है वही वॉल्यूम तो यहाँ सप्लाई हुई है बाबा ठीक पक्का हाँ सर समझ में आ गया ओके चल आगे बढ़ते हैं तो ये होता क्या है पॉइजन रेशो इसका एक फॉर्मूला है भाई प्यारा सा फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है पॉइजन रेशो को मैं रिप्रेजेंट करता हूं भाई म्यू से है ना आपको सिग्मा से बताया जाता है बुक्स में लेकिन मैं उसको नहीं मानता मैं म्यू से करता हूं तो परेशान मत होना मैं म्यू से करता हूं प्लीज थोड़ा सा क्योंकि मैंने सिग्मा से ऑलरेडी स्ट्रेस मान लिया है ठीक है चलो तो म्यू इज नथिंग बट ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है याद रखना इट इज ऑलवेज पॉजिटिव चलो इसके बारे में बात करते हैं नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन थ्योरेटिकली होता है कोई बात नहीं म्यू इज़ इक्वल टू लेटरल लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ठीक चलो आप जानते हो कि मान लो अब इस इस डायग्राम को देखो ध्यान से देखना इस डायग्राम को ये पहले ऐसे रॉड थी ठीक है ना इस रॉड का रेडियस था आर रेडियस कितना है भाई आर रेडियस है आर और 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 इसको जब मैंने खींचा शुरू में रेडियस था आर जब मैंने इसको खींचा तो यह क्या बन गया भैया क्या बन गया एक लंबी रॉड बन गई क्या बन गई जिसमें डिफॉर्मेशन आया डेल्टा एल का नहीं आई बात समझ में अरे आई ना सर देखो पहले इसका देखो आपको दिख नहीं रहा होगा मैं इसका कलर चेंज करके जरा इसको ड्रॉ कर देता हूँ इनिशियली ये है टू मतलब ये है टू दिस इज टू आर सो दिस इज आर दिस इज आर ठीक है अब आई बात समझ में हाँ सर अब दिख रहा है तो मैं आपसे यह बोल रहा हूं कि पहले तो रॉड यहां तक थी है ना इनिशियल कंडीशन थी रॉड की ये ये देखो है ना इस पर एफ फोर्स लगाया है ना उसकी लेंथ इनिशियली एल थी रेडियस आर था इस पर फोर्स लगाया एफ का तो डेल एल उसमें elongation आ गया डेल एल आ गया और वो इतनी पतली हो गई डेल्टा आर उसमें क्या आ गया भाई रेडियस में चेंज आ गया चेंज इन रेडियस डेल्टा आर हो गया तो हम बोल सकते हैं कि अब रेडियस कितनी बची ये रेडियस कितनी है आर माइनस डेल्टा आर आर माइनस डेल्टा आर बात समझ में आई कि नहीं आई हाँ सर समझ में आई ठीक है अब आप देखो कि दिस इज डेल्टा एल बाय अगर आप करोगे तो क्या आपको लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन मिलेगी हाँ सर बिल्कुल मिलेगी लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन मिलेगी हाँ सर बिल्कुल मिलेगी क्योंकि लेंथ बड़ी है तो ये पॉजिटिव आने वाली है लेंथ बड़ी है तो पॉजिटिव आने वाली है तो डेल्टा एल बाय एल दिस इज़ लॉन्गिट्यूडर स्ट्रेन ठीक लैटरल स्ट्रेन क्या होगी लैटरल स्ट्रेन क्या होगी देखो फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा आर ठीक इनिशियल रेडियस कितनी थी आर तो ये हो गई फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करना है उनको फाइनल रेडियस कितनी थी आर माइनस डेल्टा आर इनिशियल कितनी थी आर तो ये आर से ये आर कट जाएगा क्या बचेगा माइनस डेल्टा आर यही तो आया ना इतना ही तो चेंज आया रेडियस में हाँ सर इतना ही चेंज आया तो हम बोलेंगे माइनस ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर ये क्या हुआ लेटरल स्ट्रेन हुआ माइनस क्यों क्योंकि भाई रेडियस कम हुई है पतली हुई है आपकी वायर इसलिए अगर मोटी हुई होती आपकी वायर तो भाई वो पॉजिटिव होता लेकिन भाई जब यहां आ गई पॉजिटिव स्ट्रेन तो यहां पे नेगेटिव ही आनी है ये पक्की बात है एक डायमेंशन बढ़ेगा तो दूसरे को घटना ही पड़ेगा अगर आपकी वायर लंबी हुई है तो पक्की बात है कि वो पतली हुई होगी अगर आपकी वायर छोटी हुई है है तो पक्की बात कि वो मोटी हुई होगी तो अगर एक डायमेंशन कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ेगा अगर एक डायमेंशन बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा ठीक है ना चलिए तो ये हो गया भैया हमारा लेटरल स्ट्रेन ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन तो चलिए इससे आपको समझ में आ गया कि जो म्यू है म्यू क्या होता है म्यू इज नथिंग बट देखो ये

उस जनरल केस के हिसाब से मैं लिख दे रहा हूं कि भाई जब भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा तो हम उसको बोलेंगे एक्स और और जो दूसरा है 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 वो तो वाई वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन तो इसके आगे एक माइनस पहले से लगा देते हैं हम क्योंकि हमको पता है कि ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा ठीक मतलब एक एक स्ट्रेन होगी पॉजिटिव एक होगी नेगेटिव ये नेचुरल चीज है कभी 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 एक कैसे कोई आप मटेरियल uh, देखोगे ऐसे कोई पॉलीमर्स देखोगे जिसमें आप इस रॉड को खींच मतलब कोई पॉलीमर इसको आपने खींचा तो खींचने के बाद भाई वो पतला नहीं हुआ वो और मोटा हो गया तब तो आप देखोगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव आने लग जाएगी मतलब ये पॉजिटिव आई है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा समझे मेरी बात की नहीं समझे नहीं समझे चलो उसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है इतना समझ जाओ कि जब भी आप किसी मटेरियल को खींचोगे तो वो लंबा होगा लंबा होगा पॉजिटिव चेंज आएगा और पतला होगा नेगेटिव चेंज आएगा या आप किसी मटेरियल को दबाओगे फोर्स लगा के तो वो छोटा होगा नेगेटिव चेंज आएगा और मोटा होगा यानी कि पॉजिटिव चेंज आएगा दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिस इज लेटरल स्ट्रेन ठीक है क्लियर क्लियर चलो दिस इज याद रखना चलो भैया है ना चलो दिस इज पॉइजन रेशो नोट लिया हुआ है नोट दिया हुआ है आपको द थेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू लाइज बिटवीन माइनस वन टू 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 जीरो पॉइंट फाइव ये इसकी क्या है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है कहाँ से कहाँ लाई करती है माइनस वन से जीरो पॉइंट फाइव सर अभी तो आपने बोला कि माइनस नहीं होती है। होती है कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें वैल्यू नेगेटिव भी आती है वो हम स्पेशली डिजाइन करते हैं ठीक है चलो बट इन प्रैक्टिस द वैल्यू ऑफ म्यू लाइज बिटवीन जीरो पॉइंट टू टू जीरो पॉइंट फाइव ये वैल्यू जीरो टू जीरो पॉइंट फाइव भी हो सकती है सही होगी है ना जीरो टू जीरो पॉइंट फाइव भी हो सकती है वैल्यू ऑफ म्यू फॉर रबर इज जीरो पॉइंट फाइव रबर के लिए क्या होती है भाई हमारी वैल्यू म्यू की क्या होती है जीरो पॉइंट फाइव होती है कई कई जगह आपको जीरो पॉइंट फोर फाइव भी लिखी हुई मिलेगी टेंशन मत लेना ठीक है चलो आगे बढ़े हाँ सर आगे बढ़ें. सर म्यू का यूज क्या है सर म्यू का यूज क्या है तो देखो कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि एक्स डायरेक्शन में यानी कि लॉन्गी स्ट्रेन है मान लो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स ऐसा बोल दिया गया ठीक और उस मटेरियल का म्यू है 0.25 तो आपसे बोला जाएगा बताओ उस मटेरियल में लैटरल स्ट्रेन कितना आया ठीक आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बता दिया आपको म्यू बता दिया तो आप आराम से बता सकते हो माइनस एप्सलिन वाई अपॉन एप्सिलन एक्स ये आपको पता है ये आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आपको मिल जाएगा मतलब वाई डायरेक्शन में कितना चेंज आया होगा मतलब उसकी मोटाई पतलाई कितनी हुई होगी ये आपको समझ में आ जाएगा ठीक है हाँ सर दिस इज द केस ऑफ पॉइजन रेशो चल आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं चलो ये देखो ये पॉइजन यहां पर देखो आप क्या हो रहा है इसको, इसको बोलते हैं वायर ड्राइंग है ना वायर ड्राइंग अब आप देखो अगर ध्यान से तो देखो इसकी विथ में कितना अंतर आ गया देखो कितना अंतर आ गया इतना ज्यादा अंतर आ गया कि नहीं आ गया बिल्कुल आ गया इसको हम क्या बोलते हैं भाई ये देखो कितना लेटरल स्ट्रेन आ गया है इसमें ठीक है ना पक्की बात है चलो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था आ जाओ लंबी भी हो गई यह चीज और पतली भी हो गई आ जाओ नेक्स्ट अब हमको बात करनी है पॉइजन रेशो में चेंज इन वॉल्यूम की किसकी बात करनी है भाई चेंज इन वॉल्यूम की आपको बात करनी है हम जानते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल है ना पाई आर स्क्वायर एल किसकी बात कर रहे हो ये हम रॉड बात, बात कर रहे हैं किसकी

टू डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय इस तरीके से लिख सकते हैं क्या हम इसको इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं क्या सर बिल्कुल लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते आप जानते हो आप जानते हो कि जो हमारा म्यू होता है वो होता है माइनस डेल्टा आर बाय आर डिवाइड बाय डेल्टा एल बाय होता है कि नहीं तो डेल्टा आर बाय आर की जगह आप क्या लिख सकते हो देखो 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 डेल्टा आर बाय आर की जगह हम लिख सकते हैं माइनस म्यू डेल्टा एल बाय लिख सकते हैं क्या इधर चला जाएगा तो डेल्टा आर बाय आर की जगह इसको पुट करता हूं मैं देखिएगा क्या आता है डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ माइनस म्यू डेल्टा एल बाय प्लस डेल्टा एल बाय ठीक है ना ओके डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू इसको हमने ले लिया क्या कॉमन डेल्टा एल वाई एल अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा माइनस टू म्यू प्लस वन कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर कोई परेशानी नहीं तो डेल्टा वी वाई वी इज इक्वल टू इसको लिख देता हूं मैं वन माइनस टू म्यू डेल्टा एल ये डेल्टा एल बाय आपको देखा देखा सा लग रहा है क्या हाँ सर इसको तो मैं स्ट्रेन बोलता हूं इसको तो मैं क्या बोलता हूँ स्ट्रेन बोलता हूँ एप्सिलॉन

तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला आपके पास आया वन माइनस टू म्यू डिड बाय डिवाइडेड बाय ई इनटू सिग्मा ये कब ये कब का फॉर्मूला है जब आपकी वन डी स्ट्रेस होगी जब एक स्ट्रेस लग रही है है ना है ना अभी ज्यादा समझने की जरूरत हमको इसको नहीं है जब वन डी स्ट्रेस का केस हो हायर स्टडीज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि टू डी थ्री डी स्ट्रेसो सी है यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू बदलती जाएगी वो बात की बात है अभी हमको ये सब नहीं पढ़ना है ठीक है ना अच्छा एक चीज मैंने आपको बताई थी लास्ट स्लाइड में कि म्यू की वैल्यू म्यू की वैल्यू रबर के लिए होती है जीरो पॉइंट फाइव रबर के लिए म्यू की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट फाइव ध्यान रखिएगा चलो तो अगर मैं यहां फॉर रबर म्यू की वैल्यू रख दू अगर रबर की फॉर रबर फॉर म्यू इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव है ना या ऐसा कोई वैल्यू या ऐसी कोई ऑब्जेक्ट ऐसा कोई मटेरियल जिसका म्यू जीरो पॉइंट फाइव है ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ऐसा कोई मटेरियल सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं मटेरियल ऐसा कोई मटेरियल जिसका पॉइजन रेशो क्या है जीरो पॉइंट फाइव है उसको यहां पुट करो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आएगा यहाँ हमने जीरो पॉइंट फाइव पुट किया तो वो आ जाएगा जीरो है ना फॉर मटीरियल फॉर मटीरियल्स हैविंग हैविंग चेंज तो मतलब ही नहीं आएगा लगाने पे. कोई है आपके पास. इसका बता दिया गया कि वन बाई टू है इस पर जब मैं फोर्स लगाऊंगा ना इस पर जब मैं फोर्स लगाऊंगा ना तो भैया इसमें कोई वॉल्यूम का चेंज आएगा ही नहीं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा जीरो होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा जीरो होगा बाबा चलो तो हम यहां बोलते हैं रबर के लिए फॉर हैविंग इज टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज है क्लियर नो वॉल्यूम चेंज यहां लिखता हूं मैं नो वॉल्यूम चेंज क्लियर है हाँ सर पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबर के लिए या ऐसे मटेरियल्स के लिए जिसके लिए म्यू की वैल्यू 0.5 है उसके लिए बताओ वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो आंसर है है ना और याद रखना पॉइजन रेशो किस पे डिपेंडेंट डिपेंडेंट है मटेरियल पे डिपेंडेंट है किस पे डिपेंडेंट है मटेरियल पे डिपेंडेंट है फोर्स पे डिपेंड नहीं करता हर एक मटेरियल के लिए हर एक यूनिक मटेरियल के लिए पॉइजन रेशो डिफाइंड है चाहे वो कॉन्क्रीट हो चाहे वो स्टील हो किसी भी चीज के लिए क्या है भाई पॉइजन रेशो बाय एक्सपेरिमेंट क्या है डिफाइंड ठीक पक्का हंड्रेड परसेंट हाँ सर चलो आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला याद रखना चलिए क्लियर आगे बढ़ते हैं

परसेंटेज चेंज इन रेडियस प्लस 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 परसेंटेज चेंज इन लेंथ ठीक है आपको लेंथ सिलेंडर इंक्रीज बाय वन परसेंट आपको परसेंटेज चेंज इन लेंथ बता दिया है एक परसेंट है यानी इसकी वैल्यू आपको बता दिया है कितनी है एक परसेंट है ठीक चलो आगे देखते हैं आपको निकालना है इसकी वैल्यू ठीक है डेल्टा वी बाई वी इन टू हंड्रेड इज इक्वल्स टू अब इसके बारे में क्या करें इसके बारे में तो हमको कुछ भी नहीं पता लेकिन आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या म्यू म्यू क्यों दिया हुआ है फालतू तो दिया नहीं होगा हम जानते हैं जो म्यू होता है वो क्या होता है माइनस माइनस डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल यही होता है कि नहीं होता है ना अब आपके पास इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है लेकिन डेल्टा एल बाय एल के बारे में आपको बात पता है कि नहीं पता बिल्कुल पता है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा एल बाय एल इसके बराबर हुआ ठीक वैल्यू पुट करें बिल्कुल करो सर टू टाइम्स ऑफ इसकी क्या वैल्यू होगी इसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ म्यू डेल्टा एल बाय इन टू हंड्रेड ठीक है ना प्लस एक परसेंट इसको क्या बोल रहा हूं मैं एक परसेंट ठीक है सिमिलरली इसको भी आप क्या बोल सकते हो एक परसेंट बोल सकते हो अरे हाँ कि ना हाँ सर इसको भी एक परसेंट बोला जा सकता है तो चलो लिखते हैं इसको परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम टू इंटू वन परसेंट म्यू की वैल्यू कितनी है म्यू कितना है माइनस वन बाय टू परसेंट माइनस वन बाय टू परसेंट है ना वन बाई टू परसेंट प्लस वन परसेंट ये कितना आ जाएगा भाई माइनस वन बाय टू प्लस वन इज पॉइंट फाइव तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना आया परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पॉइंट फाइव परसेंट आंसर ये क्वेश्चन अगर मैं आपको पॉइजन रिशो नहीं भी बताता है ना तो भी आपको ये क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि एरर का फॉर्मूला एरर, एरर का क्वेश्चन है आराम से बन जाता है कोई बड़ी बात नहीं थी है ना थोड़ा सा बस एक कंसेप्ट था पॉइजन का वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है मेन तो था ये फॉर्मूला है ना प्लीज इसको याद रखिएगा ये मैं आपको ऑलरेडी पुरानी क्लासेज में बता चुका हूँ ठीक चलिए एक छोटा सा टॉपिक है चेंज इन डेंसिटी का यहाँ पर मान लीजिए कोई बॉडी है कंसिडर अ बॉडी ऑफ डेंसिटी रो है ना एक आपको बॉडी कंसिडर करनी है जिसकी डेंसिटी क्या है रो है एंड इट इज सराउंडेड बाय अ प्रेशर ऑफ कंसिडर अ बॉडी ऑफ डेंसिटी रो एंड इट इज सराउंडेड बाय अ प्रेशर ऑफ पी ठीक क्या किया भाई एक बॉडी है उस पर क्या किया भाई मैंने सराउंड कर दिया उसको प्रेशर पी से क्या हुआ होगा वही हुआ होगा सर जो मंजूर है खुदा हुआ होगा अरे तुम लोग यार मान लीजिए इसका इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वॉल्यूम कितना है इनिशियल वॉल्यूम है इसका v आपने जब इसको चारों तरफ से कंप्रेस मतलब वो किया एक यूनिफॉर्म प्रेशर के से सराउंड किया तो भाई अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो मैंने मान लिया अब इसका वॉल्यूम कितना बचा v माइनस डेल वी बचा ठीक है हम जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम होती है मान लीजिए इसका मास कितना था m वॉल्यूम थी v ठीक डेंसिटी तो होती है मास अपॉन वॉल्यूम जो नया जो नया हमारी बॉडी बनी मतलब जो नया हमारी बॉडी बनी प्रेशर को सराउंड मतलब बॉडी को प्रेशर से सराउंड करने के बाद जो नया वॉल्यूम बना वो नई बॉडी कहला गई है ना उसकी डेंसिटी निकाल सकते हो क्या हां सर मास वही सोच नहीं, नहीं। अरे बाबा मास अपॉन वॉल्यूम कर दो है ना वॉल्यूम क्या होगा वी माइनस डेल वी ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है अच्छा ये कंप्रेस हुआ है तो यहाँ बल्क मॉडलर्स ऑफ इलास्टिसिटी भी इन्वॉल्व होगी के हाँ की ना हाँ सर तो के की वैल्यू क्या होती है पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी यही होती है कि नहीं हाँ सर यही होती है हम्म हाँ सर यही होती है ठीक है तो अब यहाँ से आप डेल्टा वी की अगर वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो क्या ये वी ऊपर चला जाएगा वी ऊपर चला जाएगा तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी पी वी बाय के कितनी आ जाएगी पी वी बाय के इस डेल्टा वी को उठाकर आप यहां पुट कर दो तो रोड एश इज इक्वस टू एम अपॉन वी माइनस डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है बाय ठीक है हाँ कि ना हाँ सर अब क्या करो इसमें से वी कॉमन ले लेते हैं तो रोड एश इज इक्वस टू एम अपॉन वी कॉमन लिया तो बचा वन माइनस पी बाय के ठीक है अभी एम बाई वी क्या होता है एम बाई वी क्या होता है एम बाई वी है रो तो हम एम बाई वी को क्या लिख देते हैं रो लिख देते हैं तो ये रिलेशन होता है भाई डेंसिटी का डेंसिटी दें, देंस, डैश इज इक्वल टू रो अपन वन माइनस पी बाय के जिस प्रेशर से सराउंड किया होगा उस बॉडी का जितना बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो लिखने के बाद आप उसकी नई डेंसिटी निकाल सकते हो बहुत छोटी सी चीज थी बाबा है ना ये आपको दिया गया था तो मैंने सोचा एक बार पढ़ा दू है ना तो ये थोड़ी सी चीज आपसे मैंने डिस्कस कर लिया क्लियर है हाँ सर क्लियर है कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है क्वेश्चंस आते हैं भाई जब आप जाके पास कर लो पढ़ लोगे बोल दोगे भाई किसी बॉडी को किसी वाटर पे या किसी भी लिक्विड की एक मीटर डेप्थ तक लेके गए तो डेंसिटी में चेंज बता दो तो इसी फॉर्मूले से आप उसको सॉल्व कर लोगे आपको आगे जाके पता चलेगा कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है रोजिए अभी आपने वो पढ़ा नहीं है इसलिए इस चीज़ को मैं बाद में डिस्कस करूंगा अभी ये टॉपिक क्योंकि पॉइजन रेशो के बाद चेंज इन वॉल्यूम हमने पढ़ा था तो चेंज इन डेंसिटी भी हमें देखनी थी तो ये छोटा सा टॉपिक था मैंने आपको करा दिया है ठीक है चलिए भाई तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है जिसमें हमने पॉइजन पॉइन पॉइजन रेशो को डिस्कस कर लिया है प्लास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्टैंड स्टैंडर्ड बॉडी स्ट्रेन बॉडी सॉरी ये स्ट्रेंड बॉडी होना चाहिए क्या होना चाहिए स्ट्रेन बॉडी है ना चल इसको बोलते हैं हम स्ट्रेन एनर्जी क्या बोलते हैं भाई स्ट्रेन एनर्जी सर ये किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं एफ फोर्स लगा के खींचूं तो उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगी आप ऐसा बोलना चाह रहे हो मैंने कहा हाँ मैं ऐसा ही बोलना चाह रहा हूं अच्छा <coughs> हा तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि, कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाऊं तो उसके अंदर यह जो मैंने फोर्स लगाई है ये जो मैंने वर्क डन किया है उस पे, उसके अंदर क्या हो जाता है स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी क्योंकि मैंने उसको खोल उसको डिफॉर्म करने की कोशिश की है ना जैसे ही मैं एयर फोर्स हटाऊंगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चला जाएगा क्यों क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई है वो वापस अपने आप को ले जाएगी ओरिजिनल पोजीशन में अच्छा सर ये थोड़ा सा ना इमेजिन नहीं हो पा रहा कि ऐसा होता है क्या सही में देखो भाई जब भी आप पे कोई फोर्स लगाता है ना आप पे कोई डिफॉर्मेशन लगाता है ना तो आपके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है मान लो आपने कोई गलती कर दी घर पे ठीक है ना कोई भी गलती आपने कर दी अब आपके पापा आपसे बहुत तेज गुस्सा है है ना और उन आपके पापा ने जब गुस्सा नहीं होते तब वो एक आधा झापड़ मार देते हैं आप तो गुस्सा हैं वो है ना तो आपके पापा ने क्या किया आपको दो तीन झापड़ मार दिए ठीक है ना आपको जैसे ही झापड़ पड़े जैसे ही आप पर फोर्स लगा है ना थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हुआ चेहरे का जो भी जै, जैसे ही आपको फोर्स लगा आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ गई आई कि नहीं आई गुस्सा आया आपको आपने बोला यार अपने तो रूम में गया आप रूम में जाके आपने दीवार पे हाथ मार दिया आपने टेबल पे हाथ मार दिया आपने गद्दे पे हाथ मार दिया मारा कि नहीं मारा वो एनर्जी कहाँ से आई कहाँ से आई वो स्ट्रेन एनर्जी आपके अंदर स्टोर हो गई कैसे क्योंकि वो आपके पापा ने डिफॉर्मेशन के लिए जो फोर्स लगाया था ना वो क्या बन के स्टोर हो गई स्ट्रेन एनर्जी बन के आपके अंदर स्टोर हो गई ऐसा मटेरियल के साथ भी होता है मैंने आपको एक ग्राफ बताया था याद हो अगर आपको तो ऐसा कुछ ग्राफ था पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का ऐसा कुछ ग्राफ था याद हो तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है ना इस डिस्टेंस को आप बोल दो आर ये आर नॉट डिस्टेंस बोल दो है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट इस पर्टिकुलर पोजिशन पर अगर आपके मॉलिक्यूल्स इस आर नॉट डिस्टेंस पर है ना ये एक मॉलिक्यूल हो गया ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया अगर इनके बीच की डिस्टेंस आर नॉट है तो वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा किस पे रहेगा इक्विलिब्रियम पे रहेगा और स्टेबल रहने वाला है कैसा रहने वाला है स्टेबल इक्विलिब्रियम पर रहने वाला है ठीक लेकिन अगर आप इसकी डिस्टेंस बढ़ा दो इस मॉलिक्यूल को उठाकर यहां रख दो तो अब डिस्टेंस आर नॉट ना रह के आर हो गई है यानी कि बढ़ गई है तो अगर आप यहां से डिस्टेंस बढ़ाओ ये देखो यहां पर आ जाओ तो ये इस पॉइंट पर आपको देखेगा कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ चुकी है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ चुकी है और अगर आप इस मॉलिक्यूल को उठाकर आगे ले जाओ मान लो ये लोश हो गया तो भी आप देखोगे R हो गया तो भी आप देखोगे कि भैया अगर आपने रेडियस कम करी तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है क्लियर है कि नहीं तो आपने अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम से हटाया आपने मॉलिक्यूल को तो आपके अंदर आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी आपके अंदर मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है देखो ना बाबा यहां पर भी तो वही हुआ है यहां पर भी तो यही हो रहा है जब मैं फोर्स लगा रहा हूं इस ऑब्जेक्ट पर खींचने के लिए तो अंदर मैं क्या कर रहा हूँ आर नॉट डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी बनकर अंदर स्टोर हो रही है आई बात समझ में हाँ अब हमको उसी का ना फॉर्मूला निकालना है तो चलिए हम लेते हैं भाई ये जो हमारी रॉड ये हमारी रॉड है या वायर जो भी है इसका एरिया ए है ऑफ इलास्टिसिटी ई है ठीक है तो आप समझ गए और लेंथ कितनी है भाई इसकी इनिशियली लेंथ है एल लेंथ है इसकी एल कलर दूसरा कर लेता हूं मैं यह जानता हूं यह इसकी इनिशियल कंडीशन है और यह इसकी फाइनल कंडीशन है दिस दिस इज इज योर योर इनिशियल कंडीशन कंडीशन एंड फाइनल तो मैंने बोला भाई इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन के बीच में एक मीडियम मतलब क्या बोलते हैं उसको एक बीच की कंडीशन ले, ले लेता हूं मैं इंटरमीडिएट कंडीशन है ओके okay. उसमें क्या हुआ है मैंने यह बोला ध्यान से सुनना कि ये रॉड अब जो खिंची है आगे ध्यान से सुनना वो कितनी खिंच गई है वो x खिंच गई है कितनी खिंच गई है x खिंच गई ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं भी बताऊंगा ये हमारी इनिशियल कंडीशन थी l ये हमारी फाइनल कंडीशन हो गई फाइनल कंडीशन क्या हुई है भाई फाइनल कंडीशन ये हो गई है कि टोटल इसमें कितना डिफॉर्मेशन आ गया है डेल एल का डिफॉर्मेशन आ गया है ठीक है हा कि ना हाँ बाबा यहाँ से इनिशियल कंडीशन से यहां तक इस वायर में कितना डिफॉर्मेशन आ गया है टोटल

स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन दिस अप्लाइज स्ट्रेस इज इक्वल टू एप्सिलन ई या ई e एप्सिलन देखा है कि नहीं देखा है बिल्कुल देखा है सर आप सिग्मा को लिख सकते हो एफ बाय ए ई इनटू एप्सलन को लिख सकते हो डेल्टा एल बाय एल लिख सकते हो क्या हाँ यहाँ से आप एफ की वैल्यू निकाल सकते हो फोर्स इज इक्वल टू ए डेल्टा एल बाय एल दिस इंप्लाइज देखो ए कॉन्स्टेंट इनिशियल ए कॉन्स्टेंट ई कॉन्स्टेंट एल कॉन्स्टेंट इनिशियल लेंथ तो हम बोल सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डेल्टा एल देखो क्या समझ में आया इससे जब हमने इस रॉड को खींचना चालू किया होगा तो रॉड पहले इतनी खींची होगी है ना तो डेल्टा एल इतना हुआ होगा इनिशियल में डेल्टा एल इतना हुआ होगा फिर डेल्टा एल और बढ़ा होगा फिर डेल्टा एल और बढ़ा होगा और फिर डेल्टा एल बढ़ते 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 कितना हो गया इतना हो गया समझे मेरी बात की नहीं समझे डेल्टा एल पहले कम था एक ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि आपने एक बार में फोर्स लगाया और खींच के पूरा डेल्टा एल कर लिया नहीं बाबा आपने धीरे धीरे इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया है धीरे से फोर्स लगायाब्रियम फिर धीरे से लगाया फिर धीरे से लगाया फिर धीरे से लगाया फिर धीरे से लगाया ऐसा किया ठीक है ना धीरे 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 डिफॉर्मेशन हो रहा है लेकिन आप यह समझो कि पहले तो छोटा डिफॉर्मेशन हुआ होगा फिर धीरे धीरे करके आपने फोर्स की वैल्यू बढ़ाई होगी तब जाके डिफॉर्मेशन इतना बढ़ा होगा तो आप यह समझो कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन लेंथ के डिफॉर्मेशन के है ना फोर्स जो है वो डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके डिफॉर्मेशन के इससे आपको क्या समझ में आया मतलब जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपको फोर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी समझो फील करो किसी भी चीज को जब आप शुरू में खींचते हो तो वो खिंच जाती है आसानी से फिर उसको और ज्यादा खींचना होता है तो आपको और फोर्स लगाना पड़ता है फिर उसको और ज्यादा डिफॉर्म करना होता है तो आप और ज्यादा फोर्स लगाते हो है ना फिर और ज्यादा खींचना पड़ता है तो और ज्यादा फोर्स लगाते हो होता है कि नहीं होता ऐसा बिल्कुल होता है होता है कि नहीं होता है बिल्कुल होता है है ना तो वही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपको जो फोर्स ये लगा रहे हो ना आप इसकी वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी बढ़ानी पड़ेगी ठीक है हाँ मतलब ये फोर्स कैसा हो गया मतलब ये फोर्स कैसा हो गया एफ इज वेरिएबल इसका मतलब ये हो गया एफ इज वेरिएबल अगर आपसे कोई बोले वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालो दिस इज वर्क डन बाय फोर्स वर्क डन बाय फोर्स एफ बाय फोर्स एफ क्योंकि ये जो वर्क डन आप करोगे ना इस वायर पे या इस ट्यूब पे वही जाकर स्टोर हो जाएगी स्ट्रेन एनर्जी बनके इस वायर पे हाँ कि ना ठीक है तो हम बोलते हैं कि भाई ये तो वेरिएबल फोर्स आपने बता दिया सर वेरिएबल फोर्स बता दिया जो dl पे डिपेंड कर रहा है मतलब मैं यहां पर अब वर्क डन बाय फोर्स इस फार्मूले से तो नहीं निकाल सकता जो कि f.s हुआ करता था या f.dl से तो निकाल ही नहीं सकता आई बात समझ में क्योंकि ये होता है कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए वेरिएबल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स आई बात समझ में? हाँ सर। आप समझ में में सर आया कि मैंने इंटरमीडिएट कंडीशन क्यों ली है इसलिए क्योंकि मुझे एक्स को इन्वॉल्व करना था मुझे हर डी एक्स एलोंगेशन के लिए देखना था कि कितना वर्क मुझे करना पड़ रहा है हर डी एक्स एलोंगेशन के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ये फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है क्लियर बात हाँ सर ओके okay. अब देखो <coughs> वर्क डन बाय फोर्स ये जो है ये वर्क डन बाय फोर्स है इन प्रोड्यूसिंग डीएक्स इलांगेशन इन प्रोड्यूसिंग डीएक्स इलोंगेशन आफ्टर आफ्टर एक्स डिफॉर्मेशन एक्स अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एक्स अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन ये बात आपको समझ में आई dx हम x के बाद कर रहे हैं ना dx हम x के बाद कर रहे हैं ठीक है ओके तो हम वर्क डन निकाल रहे हैं कि जब आपने वायर में x डिफॉर्मेशन आ चुका था पहले ही और आप dx और लाना चाहते हो ये स्मॉल से डिफॉर्मेशन के लिए आपको कितना वर्क कर, वर्कडन करना पड़ेगा बाय फोर्स f वो निकालना पड़ेगा ठीक है तो भाई f फोर्स का f फोर्स का फॉर्मूला आप लिख सकते हो क्या हाँ सर एफ फोर्स का फॉर्मूला सर हम जानते हैं वो होगा डेल्टा एल बाय ठीक है डेल्टा एल बाय एल आई बात समझ में अरे बाबा देखो ना आपको यहां एफ की वैल्यू पुट करनी है एक्स डिफॉर्मेशन e, से से आ चुका है डी एक्स तो लाना है ना आपको उसके लिए तो वर्क कर रहे हो आप अभी यहां कितना डिफॉर्मेशन चुका है एक्स डिफॉर्मेशन आ चुका है तो डेल एल की जगह आप क्या पुट कर दोगे डेल एल की जगह पुट कर दोगे एक्स

हाँ भैया तो एफ की वैल्यू यहां पुट करी तो वर्क डन बाय दिस फोर्स क्यों वर्क कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्स इलाशन के बाद डीएक्स और डिफॉर्म करना है एक्स इलॉन्गेशन करके बाद हमको डीएक्स को डीएक्स और डिफॉर्म करना है उसके लिए हमको कितना वर्क करना पड़ेगा वो देख रहे हैं एफ की वैल्यू कितनी आ गई एक्स बाय इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक भैया यहां से आप चालू कर रहे हो यहां तक जा रहे हो टोटल डिफॉर्मेशन हुआ है डेल्टा एल का तो यहां वैल्यू एक्स की कितनी हो गई डेल एल और यहां एक्स की वैल्यू कितनी थी जीरो जीरो थी यहां डेल एल हो गई एक्स थी ठीक है चलो तो यहां डालते हैं हम से लेके तक चलो तो वर्क डन बाय फोर्स एफ इज इक्वल टू ए कॉमन ए कॉन्स्टेंट ई कॉन्स्टेंट एल कॉन्स्टेंट एक्स का इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर जीरो से लेके डेल एल तक ठीक है तो वर्क डन बाय फोर्स क्वल टू एन टू एल इन टू डेल एल का होल स्क्ल एल का होल सा मॉडिफाई कर रहा हूं मैं क्या मॉडिफिकेशन ला रहा हूं इसमें इसमें मॉडिफिकेशन ला रहा हूं मैं ऊपर एल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं नीचे एल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ठीक है चलो अब देखना इसको रीअरेंज करूं थोड़ा सा अच्छे से तो वर्क डन बाय फोर्स एफ इज इक्वल टू ए ए ई ई ए तो यहाँ पे लिख रहने देता हूँ मैं अच्छा वन बाई टू है पहले वन बाई टू रहने देता हूँ फिर ये डेल एल है एक डेल एल नहीं डेल एल नहीं एक एल ले लेता हूँ और एक ए ले लेता हूँ ये ए और एल मिलकर वॉल्यूम बना देंगे ए और एल मिलकर वॉल्यूम बना देंगे तो ये एक मैंने ए ले लिया एक मैंने एल ले लिया ठीक है ना वन बाई टू मैंने ऑलरेडी ले लिया है एक डेल एल है और एक एल स्क्वायर है डेल एल का स्क्वायर है और एल का स्क्वायर है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल एल बाय एल का स्क्वायर ठीक और क्या बच रहा है ई e बच रहा है ये देखो ई e. यहां लिख दिया मैंने e. ठीक अब आप देखो वर्क डन बाय एफ4 जो वर्क डन हमने किया है वो इसमें जाके क्या कैसे स्टोर होगा स्ट्रेन एनर्जी बनके स्टोर होगा देखो वो कितना है 1/2 एएल एएल क्या बनेगा वॉल्यूम बनेगा एएल क्या बनेगा वॉल्यूम बनेगा इनटू डेलएल बाय एल क्या बनता है स्ट्रेन बनता है क्या बनता है स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू ई चलो आओ अब देखो प्यार से समझो जो बताना चाह रहा हूं हमने बोला जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेन एनर्जी का देखो आपने फोर्स लगाया तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस बनी आपने वर्क डन किया तो बॉडी के अंदर स्ट्रेन एनर्जी बनी तो स्ट्रेन एनर्जी जिसको आप किससे बताते हो यू से भी बताते हो इज इक्वल्स टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में ये मैंने पहले आपको बताया नहीं मैं बाद में बता रहा हूँ जो एक्चुअल में होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ठीक है ये है टोटल स्ट्रेन एनर्जी है ना टोटल स्ट्रेन एनर्जी बोलता हूँ उसको टोटल स्ट्रेन एनर्जी ठीक है ना अच्छा इज इक्वल्स टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ठीक है अच्छा हम ये भी जानते हैं कि स्ट्रेस को कैसे लिखा जा सकता है स्ट्रेस को लिखा जा सकता है एप्सलन इंटू 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 वॉल्यूम ठीक है इज टू हाफ का स्क्वायर ई वॉल्यूम ये आ गया किसका भाई टोटल स्ट्रेन एनर्जी का टोटल स्ट्रेन एनर्जी का इसको कैपिटल यू से बताते हैं ये आ गया आपके पास फॉर्मूला ये होना चाहिए है ना अब देखते हैं कि हमने ये जो चीज डिराइव की है क्या ये वही वही बन रही है कि नहीं बन रही है देखते हैं हाफ इंटू ए एल क्या बनेगा ए एल क्या बनेगा वॉल्यूम ये क्या बनेगा स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू e. वही बन रहा है कि नहीं बन रहा है हाँ सर वही बन रहा है तो आओ ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया क्या टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो हमने ड्राइव करी वो बनी हाफ ए इंटू एल यानी कि ये क्या है दिस इज वॉल्यूम दिस इज वॉल्यूम इंटू डेल एल बाय का होल स्क्वायर ये क्या है एप्सलन का स्क्वायर इंटू ठीक है मतलब ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है जो एक्चुअल में टोटल स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्लियर है बात हाँ सर ये फॉर्मूला आज के बाद आप क्या करोगे याद रखोगे अच्छा दूसरे तरीके से भी इस फॉर्मुले को देख सकते हो देखो स्ट्रेस को आपने एप्सिलन ई पुट कर दिया उसकी जगह आप ये भी कर सकते हो टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस को रहने दो एज इट इज स्ट्रेन को आप क्या लिख सकते हो सिग्मा बाय ई टू वॉल्यूम है ना तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय ई इंटू वॉल्यूम ठीक है पक्का अच्छा आप इस इस फॉर्मूले को देखो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन अगर मैं वॉल्यूम को नीचे ले जाऊं अगर मैं वॉल्यूम को नीचे ले जाऊं तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको क्या मिलती है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन ये आपको क्या दिख रहा है बाबा यह आपको क्या दिख रहा है अगर मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूँ देखना ध्यान से ये ग्राफ बनाया मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ और एक ऐसे लाइन दे दी है ना इस पॉइंट को आप बता सकते हो इस पॉइंट का आप कॉर्डिनेट बता सकते हो एप्सिलेन इन टू एप्सिलेन एंड सिग्मा अगर मैं बोलूँ एरिया अंडर द कर निकालो तो आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दोगे इस ट्राइंगल का एरिया प्रोजेक्टेड ऑन स्ट्रेन एक्सिस कितना होगा इसका एरिया इसका एरिया होगा हाफ बेस कितना है बेस कितना है एप्सलन हाइट कितनी है सिग्मा क्या ये हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन नहीं बन रहा बन रहा है तो जो हमने कल स्ट्रेस इंट जो हमने कल माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस ट्रेन ग्राफ पढ़ा था ना ये बात याद रखना कि एरिया अंडर द स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम आपको क्या देता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या देता है भाई स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखो क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपसे मैं ये बोलना चाह रहा हूं नोट पॉइंट है भाई नोट नोट एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्रोजेक्टेड ऑन स्ट्रेन एक्सेस प्रोजेक्टेड ऑन स्ट्रेन एक्सेस प्रोजेक्टेड ऑन स्ट्रेन एक्सेस गिव्स स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम गिव्स स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अच्छा सर ठीक है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिल रहा है अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया प्रोजेक्ट कर दें स्ट्रेन एक्सिस पे लेकिन सर फिर ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या है फिर ये हमको कैसे मिलेगी टोटल स्ट्रेन एनर्जी अच्छा ये भी गुड क्वेश्चन है भाई ये टोटल टोटल स्ट्रेन एनर्जी आपको कैसे मिलेगी देखते हैं भाई ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो स्ट्रेस को मैं कैसा लिख सकता हूं ध्यान से देखना है ना ये चीज आपको समझ में आई है कि नहीं आई है हाँ सर समझ में आई है देखो ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्व टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम है ना ठीक है हाफ स्ट्रेस को आप क्या लिख सकते हो फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेन को आप लिख सकते हो डेल एल अपॉन एल डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूम को आप लिख सकते हो ए इंटू एल देखो ए से ए कट जाएगा एल से एल कट जाएगा यह है एफ इंटू डेल एल यानी कि अगर आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी चाहिए टोटल एनर्जी टोटल स्ट्रेन एनर्जी चाहिए तो आपको एरिया अंडर कर निकालना पड़ेगा उस ग्राफ का जो कहां कहा, किसके किसके बीच में प्लॉट हो फोर्स और डिफॉर्मेशन के बीच में किसके किसके बीच में फोर्स और डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ के बीच में अगर आप कोई कोई कर्व बनाते हो उस कर्व का जो एरिया होगा उस कर्व का जो एरिया होगा उस कर्व का जो एरिया होगा बाबा यह एरिया आपको क्या देगा ये एरिया आपको देगा टोटल स्ट्रेन एनर्जी हाफ फोर्स इनटू डिफ्लेक्शन यानी कि डिफॉर्मेशन क्लियर है तो ये बात पक्की है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया आपको स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देता है और फोर्स इनटू डिफ्लेक्शन फोर्स डिफ्लेक्शन का डायग्राम एरिया अंडर द फोर्स डिफ्लेक्शन डायग्राम आपको क्या देता है टोटल स्ट्रेन एनर्जी देता है पक्की बात है क्लियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बताई नहीं जाती है बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन याद रखिएगा ठीक है पक्का चलो इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे बढ़ते हैं क्लियर चलिए क्लियर क्लियर ये भी लिख लो भाई सब स्क्रीन ले लो भाई है ना सब इंपॉर्टेंट है ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चलो सब कुछ क्लियर कर दो अब देखो एक चीज है एनालॉजी क्या एनालॉजी सर एनालॉजी ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच वायर या रॉड वर्सेस स्प्रिंग हमने स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल स्ट्रेन एनर्जी हमने पढ़ी है स्प्रिंग के लिए भी स्प्रिंग में भी तो एक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी तो इलास्टिक ही होती है सर तो उसमें और इसमें क्या रिलेशन है सेम ही है एक ही चीज है कुछ अंतर नहीं है लेकिन सर स्प्रिंग में तो स्टिफनेस होती थी यहां तो हमको रॉड या वायर में कोई स्टिफनेस जैसी चीज ही नहीं दिखी वेरी गुड आइए देखते हैं है ना इस चीज को भी समझते हैं मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है है हाँ ना स्प्रिंग पर आपने एक एफ फोर्स लगाया क्या लगाया एक एफ फोर्स लगाया आप जैसे ही स्प्रिंग पर एक एफ फोर्स लगाते हो स्प्रिंग अपना एक अपना एक रिस्टोरिंग जनरेट करती है क्या एफ आर जनरेट करती है क्या हाँ सर जनरेट करती है बिल्कुल ठीक है अब आप धीरे धीरे लगा रहे हो तो एफ इजिकल्स टू एफ आर हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है मान लीजिए कि भाई कितना डिफ्लेक्शन आया है हाँ ना एफ फोर्स लगाने के बाद कितना खिसका एफ फोर्स लगाने के बाद मैं बोलता हूं ये खिसक गया डेल्टा एल कितना खिसक गया डेल्टा एल इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी एल थी है ना और एफ फोर्स लगाने के बाद इसमें कितना डिफॉर्मेशन आया कितना इलांगेशन आया डेल्टा एल तो आप बोलोगे कि भाई स्प्रिंग फोर्स कितना हुआ स्प्रिंग फोर्स कितना बोलोगे आप स्प्रिंग फोर्स बोलोगे के डेल्टा एल माइनस साइन लगेगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा ठीक है तो आप यहां से स्टिफनेस क्या बताते हो आप बोलते हो एफ अपॉन डेल्टा एल ये स्टिफनेस है हमारी स्प्रिंग की कुछ गलत नहीं है सब बढ़िया है अगर भैया स्प्रिंग की जगह मैं यहां पर एक रॉड लगा दू है ना ये देखो पतली सी रॉड है बहुत पतली सी वायर ही मान लो भाई है ना पतला सा वायर मान लो ये लो ठीक है ना ठीक अब देखो इस पर भी मैंने क्या लगाया हुआ था भाई एक एफ फोर्स लगाया हुआ था ठीक है ना जिसके कारण क्या आएगा इसमें भी इलांगेशन आया मान लीजिए भाई कितना इलोंगेशन आया हमने मान लिया इसमें भी इलांगेशन आया है कितने का डेल्टा एल का इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है एल है ओहो रे 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 रे, क्या हो गया चलो ओरिजिनल लेंथ कितनी इसकी एल है अब हम जानते हैं भैया कि अगर इसका एरिया ए है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है तो हम ये जानते हैं कि इस f की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ये फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा को हम लिख सकते हैं एफ बाई एक्वल टूटू एफ बाई एल हा कि ना अरे हाँ ना सर देखो यहां आपने फोर्स का फॉर्मूला लिखा k इंटू डेल्टा l यहां भी आप लिख सकते हो उसको इसी तरीके से एफ इज इक्वल टू ई इंटू ए बाई एल इंटू डेल्टा एल ये देखो आई बात समझ में E into A upon L into delta L. अब देखो, force is equals to K into delta L. Force is equals to K into delta L. ये आपको दोनों फॉर्मूले एनालॉगस नहीं लग रहे, एक जैसे नहीं लग रहे? हाँ सर, लग रहे। हैं। इसका मतलब ये है कि ये थी हमारी स्प्रिंग की स्टिफनेस, ये थी हमारी स्प्रिंग की स्टिफनेस, तो ये बनेगी हमारी, हमारी इस rod या वायर की stiffness. ये बनेगी हमारी इस rod या wire की stiffness. आई बात समझ में? एनालॉजी बोलते हैं कभी कभी आपको बोल देगा कि इस रॉड की स्टिफनेस निकाल कर बताओ तो आप फिर डरना नहीं याद रखना दिस इज दी फॉर्मूला फॉर स्टिफनेस यूनिट चेक कर लो ना यूनिट चेक कर लो इसकी यूनिट कितनी होगी स्टिफनेस की यह न्यूटन अपॉन मीटर न्यूटन पर मीटर आनी चाहिए ई e की यूनिट कितनी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एरिया की कितनी है मीटर स्क्वायर नीचे क्या आएगा मीटर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा न्यूटन पर मीटर आ गई कि नहीं आई तो ये स्टिफनेस ही तो हुई हाँ कि ना तो ये इस रॉड या वायर की क्या आ गई भाई स्टिफनेस आ गई अच्छा सर अगर इतना ही एनालोगस है ये सब तो आप एक बात बताओ इसकी तो खुद की पोटेंशियल एनर्जी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है सर है ना जिसको आप बोलते हो हाफ के एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले से निकालते हो जिसकी वैल्यू तो फिर इसका भी फॉर्मूला सेम वैसे ही होना चाहिए ना सर हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो इसके लिए भी जो आप स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहे हो उसका फॉर्मूला आप हाफ के एक्स स्क्वायर से निकाल सकते हो यहां पर हमारा जो एक्स है वो डेल्टा एल का स्क्वायर है सिमिलरली यहां भी एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूं डेल्टा एल का स्क्वायर इतना ही तो खिंचाव है इतना ही तो एलोंगेशन है ठीक है हाफ के की वैल्यू कितनी है के की वैल्यू है सर ई एन एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर सर ये तो नहीं बना सर ये तो देखो फॉर्मूला सेम नहीं बन रहा ये था पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के लिए लेकिन इसका तो फॉर्मूला कुछ और आता है सर इसका फॉर्मूला तो होना चाहिए हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम या पर यूनिट वॉल्यूम से निकाल लो आप अगर ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है या अगर मान लो ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी है तो यहां पर क्या होना चाहिए सर हाफ स्ट्रेस होना चाहिए स्ट्रेन होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए यहां पर तो मुझे दिख ही नहीं रहा मैंने बोला आप भूल गए एक चीज एल और एल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना अब देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा अब बन रहा है टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज हाफ एन टू एल बन के मिलकर बनेगा वॉल्यूम डेल एल बाय एल का होल स्क्वायर बनेगा स्ट्रेन इन टू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू ये फॉर्मूला एकदम सही है और हम स्प्रिंग और टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और टोटल स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ठीक है पक्का हा सर चलो भाई। इसको नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं चलो चले चलिए भैया एक न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अ उनके पैर जो दिए हैं भाई साहब के चालीस किलो का बच्चा है उसके लेग्स का एरिया दिया हुआ है चार सेंटीमीटर स्क्वेयर का और लेंथ भी दी गई है पचास सेंटीमीटर लॉन्ग फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ टू मीटर कितनी हाइट से गिर रहे हैं भाई दो मीटर की हाइट से गिर रहा है

उसके पास लैंड होने से पहले कितनी एनर्जी होगी भाई ऊपर से जब वो कूदा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी ना दो मीटर की हाइट के कारण हाँ सर दो मीटर की हाइट के कारण उसके पास क्या थी पोटेंशियल एनर्जी थी ठीक पोटेंशियल एनर्जी थी जब वो जमीन पर गिरा तो दचका आया इंपैक्ट आया उसकी बॉडी पे उसकी बोन्स में है ना तो वो जो इंपैक्ट आया वो उसकी बॉडी ने क्या कर लिया स्टोर किया इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी है ना हम बीच के लॉसेस को क्या कर रहे हैं निगलेक्ट कर रहे हैं जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वही स्ट्रेन एनर्जी में बन गया बदल गया क्लियर है हाँ सर चलो तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी थी उसके पास कितनी भाई एम जी एच ओके ओके ठीक हम जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वॉल्यूम है ना लेकिन ये तो एक ही लेग के लिए हुआ ना ये तो एक लेग की स्टैंड एनर्जी हुई अरे भाई एक क्या लंगड़ी से कूदेगा क्या वो ऊपर से गिरेगा तो क्या लंगड़ी पे गिरेगा क्या नहीं दोनों पैरों पे गिरेगा ना तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से फॉर बोथ लेग्स इसके लिए लिख देता हूं मैं फॉर बोथ लेग्स फॉर बोथ लेग्स ठीक है चलिए वेरी गुड आगे बढ़ते हैं मास कितना है भाई फोर्टी के जी जी की वैल्यू ले रहा हूं मैं टेन एच की वैल्यू आपको गिवन है कितने हाइट से गिरा दो मीटर से ठीक है ना टू से टू काट दो तो सिग्मा की वैल्यू आपको दी गई है मैक्सिमम कितनी है भाई टू द पास्कल ओके स्ट्रेन आपको दिया है क्या नहीं स्ट्रेन तो हमको नहीं दिया हम्म mm -hmm. कोई बात नहीं स्ट्रेन हम ऐसे ही लिख लेते हैं स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है भाई ये आपको दिया है एरिया लेग्स का एरिया दिया है चार सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो चार सेंटीमीटर यानी कि टेंट दो पार माइनस फोर मीटर में आप चेंज कर लिए इंटू पचास सेंटीमीटर यानी कि जीरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर यह हो गया एरिया इंटू लेंथ यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेन का हम क्या करें स्ट्रेन का हम क्या करें स्ट्रेन तो आपको चाहिए नहीं ना आपको क्या चाहिए आपको चाहिए यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ओके 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 तो हम यहां पर एप्सिलॉन को स्ट्रेन को चेंज कर लेते हैं किसके फॉर्म में किसके फॉर्म में सिग्मा बाय ई के फॉर्म में हाँ कि ना सिग्मा बाय बाय ई ई सॉरी सिग्मा के फॉर्म में लिख सकता हूं लिख सकता? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हो अरे भैया ये याद नहीं है। क्या? Into into बताया था कि नहीं बताया था अभी बताया था मैंने आपको है ना इसको आप क्या ले सकते हो हाफ स्ट्रेस एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हो सिग्मा बाई वॉल्यूम इसको आप क्या लिख सकते हो हाफ इन सिग्मा का स्क्वायर अपॉन इसको आप लिख सकते हो सिग्मा स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम कुछ गलत कहा क्या मैंने है ना तो वही तो मैं बोल रहा हूं यहां पर आप क्या कर लो टू से टू कट गया सिग्मा का स्क्वायर कर दो ये सिग्मा का स्क्वायर ये देखो इसको हटाया और इसको क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया इसके अपॉन में लिख दिया मैंने ई e. इसके अपॉन में लिख दिया ई e, और ये लिख दिया मैंने इसके पास में फोर इंटू टेन टू माइनस फोर पचास सेंटीमीटर है तो जीरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर यहां से आप ई e की वैल्यू क्या कर लोगे कैलकुलेट कर लोगे अरे हाँ कि ना अरे सर बहुत आसान है समझ में आ गया सर सर समझ में आ गया इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ई e की वैल्यू आ जाए चलिए भाई तो ये हो गया आपका क्वेश्चन ई e की वैल्यू आएगी टू पॉइंट जीरो फाइव इंटू टेंट द पार नाइन समथिंग है ना क्या आएगी भाई ई e की वैल्यू आने वाली है टू पॉइंट जीरो इंटू द पार नाइन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है क्लियर है सॉल्व कर लेना भाई बहुत आसान है कुछ भी नहीं है इसमें बस यह समझना टफ था कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होगी उतनी ही स्ट्रेन एनर्जी उसकी बढ़ेगी भाई ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी के साथ नीचे धम्म से गिरा लड़का तो भाई पूरा इंपैक्ट किसने झेला उसके लेग्स ने झेला लेग्स ने अपनी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया उसकी स्ट्रेन एनर्जी बढ़ गई वही हमने किया है और आंसर निकाला है ठीक है पक्का चलिए भाई क्या है भाई पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन सब फॉर्मुले क्वेश्चन है देखिएगा स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 4.7 मीटर ठीक है भाई चलो जो जो दिया है सीधे सीधे लिखते चलो आपको स्टील वायर की लेंथ दी गई है लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 4.7 मीटर ओके एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ थ्री इंटू एरिया ऑफ स्टील वायर थ्री पॉइंट जीरो इंटू टेन माइनस फाइव मीटर स्क्वायर स्ट्रेचेस बाय स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट एज अ कॉपर वायर देखो आपने खींचा है स्टील वायर को वो उतने ही अमाउंट से स्ट्रेच हुआ है जितना कि एक कॉपर वायर होगा ठीक है तो कॉपर वायर की लेंथ दे दी गई है लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 3.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर वायरेज फोर इंटू टेंट दर माइनस फाइव मीटर स्क्वायर ठीक है ओके अंडर अ गिवन लोड वॉट इज द रेशो ऑफ यंग्स मॉडल्स ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर वो पूछ रहा है आपसे क्या वो पूछ रहा है रेशो बता दो यंग्स मॉडल ऑफ स्टील टू द यंग्स मॉडल्स ऑफ कॉपर का ठीक है भाई बता देंगे गिवन ये ये दे दी गिवन उसने ये दे दिया है और क्या दे दिया है कि स्ट्रेचिंग दोनों में सेम है मतलब कॉपर वायर को जितने अमाउंट से आप स्ट्रेच कर रहे हो उतने ही अमाउंट से कौन स्ट्रेच होगा कॉपर वायर भी होगा स्टील वायर और कॉपर वायर दोनों सेम अमाउंट से स्ट्रेच होंगे है ना ये आपको गिवन कंडीशन दे दी है ठीक है एक और चीज लिख लेता हूं देखो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं डेल्टा एल जो होता है वो इलोंगेशन भी हो सकता है है ना और वो कंप्रेशन भी हो सकता है

तो आपके पास डेल निकालने का फॉर्मूला डेल्टा निकालने का एक फॉर्मूला था डेल्टा इज इक्वल टू डेल एल डिफॉर्मेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था एफ एल अपॉन ए याद है नहीं याद है हाँ सर याद है ठीक अब आप ये जानते हो कि कॉपर का जो कॉपर वायर में स्ट्रेच हुआ है वही स्टील वायर में होगा है ना उसने बोला है गिवन कंडीशन है ये ठीक है हाँ सर ठीक है तो हम ये लिख सकते हैं डिफॉर्मेशन इन कॉपर वायर इज एफ एल अपॉन एफ एल सी अपॉन

एफ इंटू लेंथ ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील वायर और मॉडल ऑफ एसलो चाहिए भैया हमको और स्टील टू कॉपर चाहिए है तो एफ एल एस एफ एल एस अपॉन ए एस ई एस इन टू ए सी ई सी बाय एफ एल सी सही लिखा है हाँ अब क्या क्या कर सकता है देखो फोर्स तो गिवन लोड सेम दिया हुआ है दिया हुआ है कि नहीं हाँ सर सेम दिया हुआ है एल एस एस एल सी ए सी सबकी वैल्यू आपको गिवन है हाँ तो क्या आप सीधे सीधे वैल्यू नहीं निकाल पाओगे है हाँ, ना अच्छा ये बताओ डेल एस डेल सी टू डेल एस भी दिया हुआ है मतलब ये भी कट जाएगा वन आ जाएगी वैल्यू ठीक है तो चलो लिखते हैं इसको ए वन इज इक्वल टू एल एस इन टू ए सी इन टूसी डिवाइडेड बाय ए एस इन टूस इंटू एल ठीक है ना आपको किसका इसका रेशो चाहिए ई एस बाई ई का रेशो चाहिए ई एस यहाँ से उठाओ यहाँ ले जाओ ये हो जाएगा ई एस ई यहाँ से नीचे उतार लाओ ये हो जाएगा ई ये चला गया ये चला गया ठीक है ना चलो क्या बचा ए और ये बचा ए क्या मिटा दिया मैंने क्या मिटा दिया मैंने हाँ ठीक है ये बचा हमारे पास क्या

एल सी है थ्री पॉइंट फाइव मीटर ये लिख दिया मैंने थ्री पॉइंट फाइव मीटर बस इसको सॉल्व करोगे आपके पास रेशो आ जाएगा जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट रेशो आता है वन पॉइंट एट के बराबर ठीक है ना आपसे रेशो पूछा था कि स्टील का मॉडल लॉस ऑफ इलास्टिसिटी और कॉपर के मॉडल लॉस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच का रेशो बता दो तो आंसर कितना है वन पॉइंट एट ठीक है चलिए नोट डाउन करिए आगे बढ़ते हैं ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था बाबा है ना ये पहले भी बता चुका हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको याद रखिए आगे बढ़े हाँ सर चलो क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे ओहो हो ग्राफ का क्वेश्चन है चलिए आइए फिगर शोज द स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेन स्ट्रेस कर स्ट्रेन स्ट्रेस कर फॉर अ गिवन मटेरियल व्हाट आर यंग्स मॉडुलस एंड अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है सर आपने तो बताया ही नहीं यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है तो चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ाया था माइल्ड स्टील का अगर आपको याद हो तो है ना कुछ ऐसा सा था वो हम्म ऐसा 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 कुछ ऐसा सा था ठीक है यहां तक आपकी प्रपोशनैलिटी लिमिट थी ए आपकी इलास्टिक लिमिट थी बी आपकी इलास्टिक लिमिट थी बी है ना और ये थी आपकी यील्ड स्ट्रेंथ ये थी आपकी यील्ड लिमिट ये सी पॉइंट है ना या मैं बोलूं ये सी और बी दो बहुत पास में होते हैं क्या होते हैं सी और बी पॉइंट बहुत पास में होते हैं तो मतलब मटेरियल फेलियर शो करता है फेलियर का मतलब ये होता है देखो एक मटेरियल को आपने खींचा छोड़ दिया तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया फिर आपने खींचा फिर छोड़ा अपने शेप और साइज में आ गया फिर आपने खींचा फिर शेप और साइज में, में वापस आ गया छोड़ने के बाद तो मतलब जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा रहे हो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज पर पर आ जा रहा है 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 ठीक लेकिन एक एक पॉइंट पॉइंट होगा जिस पर आप जब उसको ले जाकर छोड़ दोगे मतलब फोर्स मान लो आपने दस न्यूटन का फोर्स लगाया था और बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गई थी अब आपने दस न्यूटन से बारह न्यूटन का फोर्स लगा दिया बढ़ा के क्या किया आपने बारह न्यूटन का फोर्स लगाया एक मटेरियल पे मटेरियल को खींचा लेकिन अब मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जा पाया

है ना लेकिन पहली बार जब वो प्लास्टिसिटी शो करता है पहली बार जब उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है परमानेंट पहली बार जब मटेरियल फेल कर जाता है जिस स्ट्रेस पे करता है उसको हम बोलते हैं मटेरियल की ही स्ट्रेंथ ठीक है हाँ सर चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ठीक है अब वो पूछ रहा है कि यंग्स मॉडल्स आप निकालकर बताओ यंग्स मॉडल्स क्या होता है कैसे निकालते हैं इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको सर बिल्कुल याद है यंग्स मॉडल्स निकालने के लिए हम बोलते हैं कि अगर आपको यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है तो आपको स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्योंकि ये जो कर्व है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है इसमें आप जो भी कर्व बनाओगे उसका जो स्लोप होगा वो आपको क्या बताएगा वो आपको बताएगा क्या मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है आओ निकालते हैं स्लोप निकालते हैं चलिए तो यहाँ से यहां तक तो लाइन देखो आप सीधे 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 एकदम सीधी लाइन बनी हुई है तो आप कोई पॉइंट मान लो भाई ये पॉइंट है कितना हो गया और स्ट्रेस कितनी हो 150. एक हो गया 150 है ना तो यहां हम बोल सकते हैं इस पॉइंट के लिए हम बोल सकते हैं कि सिग्मा की वैल्यू है पार्स है ना बोल रहे पार सिक्स पास्कल न्यूटन पर मीटर ठीक और स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू कोई यूनिट नहीं होती है ये देखो ठीक है हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो सर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करके देख लें बिल्कुल करके देख लें सर वन फिफ्टी इंटू टेंट द पार माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू ठीक है पक्का हाँ सर पक्का ठीक है ना आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो ये हो गई मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी की बात आइए अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ की बात करें अप्रोक्सीमेट की बात करते हैं तो देखो भाई अप्रोक्सीमेट की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ कहीं मटेरियल क्या कर रहा है यील्ड हो जा रहा है है ना ये देखो पास में ही है यहाँ कहीं मटेरियल क्या कर जा रहा है यील्ड कर जा रहा है तो हम बोलेंगे 250 फिफ्टी मेगा पास्कल से लेकर 300 हंड्रेड मेगा पास्कल के बीच में क्या है इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है ना बीच में हो सकती है कोई वैल्यू तो हमने मान लिया भाई 280 एट्टी मेगा पास्कल पर क्या हो जाएगी इसकी यील्ड हो जाएगी ठीक है चलिए आगे बढ़े ठीक है तो आप समझ गए भाई यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है यील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेस की वो वैल्यू होती है जिसमें मटेरियल यील्ड कर जाता है पहली बार फेलियर दिखता है मटेरियल में है ना फेलियर का मतलब ये नहीं है कि मटेरियल फ्रैक्चर हो जाए फ्रैक्चर और फेलियर में अंतर होता है फ्रैक्चर और मटेरियल फेल मतलब फेल मतलब खत्म और फेलियर में पहली बार मटेरियल अपनी इलास्टिक लिमिट से निकलकर प्लास्टिक लिमिट में आता है ठीक है ना उसको भी हम यील्ड बोल देते हैं उसी को हम यील्ड बोलते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखो ये ये वाली वैल्यू अगर टच हो जाती तो हम इसको तीन बोल देते हैं थ्री हंड्रेड एंड टू सिक्स पास

इसका इसका e ज़्यादा ज़्यादा है 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 ठीक ठीक ना क्योंकि इसका स्लोप है। अब ये मत पूछना स्लोप से कैसे बता दिया आपने चलो पहला पार्ट कर लिया दूसरा भी कर लेंगे स्ट्रॉगर मटेरियल बाबा अगर आप देखोगे ना एनसीईआरटी में डायग्राम तो उस डायग्राम के हिसाब से आपको ये वाला जो डायग्राम है ये थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा क्या कैसा क्या, दिखाई देगा थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देगा इस वाले डायग्राम से देखो ऐसा दिखाई देगा ऐसा ऐसा बना होगा ठीक है अब वो बोल रहा है कि बताओ कौन सा मटेरियल ज्यादा स्ट्रोंगर है तो बाबा जिसका जिसकी मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज्यादा हो देखो ये वाली स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज्यादा इसमें है ना ए में और ये देखो इसकी वैल्यू क्या है सबसे कम है सबसे कम मतलब बी की स्ट्रेस की वैल्यू ए की स्ट्रेस की वैल्यू से कम है नीचे है है ना अगर ये वैल्यू ऊपर होती तो हम बोलते बी वाला मटेरियल ज्यादा स्ट्रांग है तो यहाँ पे आने वाली जो अल्टीमेट स्ट्रेस है जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो क्या है बाबा ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी वाली तो हम बोलेंगे

रबर इज ग्रेटर देन स्टील देखेंगे देखो हम जानते हैं कि भैया यंग्स मॉडलर्स बाद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये फॉर्मूला होता है हाँ सर ठीक चलो रबर की बात करते हैं और स्टील की बात करते हैं ठीक है ना रबर में मैंने मान लो सिग्मा दिया कितना पचास मेगा पासकल का या पचास पास्कल का ठीक इस पर भी मैंने सिग्मा दिया कितना 50 पास्कल का दोनों जगह दोनों जगह रबर में भी और स्टील में भी मैंने क्या दिया 50 पास्कल 50 पास्कल का स्ट्रेस दिया ठीक है ना जब मैंने स्ट्रेन देखा जब मैंने स्ट्रेन देखा रबर में तो रबर मुझे स्ट्रेन दिखाई दिया मान लीजिए 0.0 9 का मान लीजिए है ना कोई ऐसी रैंडम वैल्यू है 0.09 का और जब मैंने स्टील में स्ट्रेन देखा इसको

पचास पास कल वैल्यू लिए ठीक है हाँ सर तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सल है यानी कि स्ट्रेन है तो सेम स्ट्रेस के लिए अगर स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा है किसी केस में तो उसके लिए मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा है ना तो हम यहां बोल सकते हैं कि मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रबर इज लेस देन मॉडलर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील क्योंकि सेम स्ट्रेस पे हमको जो स्ट्रेन है वो कम देखने मिलती है स्टील में और अगर स्ट्रेन कम है सेम स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन कम है तो फिर ऑफ ज़्यादा होना है ये बात ये बात पक्की मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है तो वो बोल रहा है कि बताओ ऑफ स्टील ट्रू और रीजन क्या है बता दिया मैंने द स्ट्रेचिंग ऑफ इज डिटरमाइंड बाय शेयर मॉड्यूल अब देखो ये जरा समझने की कोशिश कॉइल जो होती है वो शेयर मॉड्यूल से कैसे डिफाइंड होती है कैसे डिटरमाइंड होती है देखो ये है आपकी क्या भैया स्प्रिंग ठीक इस पर अगर मैं लगा देता हूं फोर्स अभी कोई फोर्स नहीं लगा इस पर ठीक है ना कोई फोर्स नहीं लगा लेकिन इस पर अगर मैं फोर्स लगाता हूं एफ फोर्स मैंने इस पर लगाया क्या लगाया भाई एफ फोर्स इस पर लगाया तो एफ फोर्स लगाने के बाद यह स्प्रिंग क्या हो जाएगी स्ट्रेच हो जाएगी क्या हो गई स्ट्रेच हो गई क्या इसका शेप बदल गया पहले देखो कैसे हेलिकल थे पतले पतले पास पास अब देखो कैसा हो गए क्या इसका शेप बदल गया हां सर तो फोर्स के लगने के कारण क्या बदल गया है इसपे क्या बदल गया है इसका शेप बदल गया है और जब आप इंजीनियरिंग में पढ़ने जाओ इंजीनियरिंग पढ़ोगे ना तो इंजीनियरिंग में आपको स्प्रिंग का फेलियर पढ़ना पड़ेगा क्या पढ़ना पड़ेगा

अभी हमको कैसे समझना है अभी हमको ये समझना है कि भाई जब हमने फोर्स लगाया तो इस इस स्प्रिंग का क्या चेंज हो गया शेप चेंज हो गया और शेप कब चेंज होता था जब आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते थे देखो ना आपके पास एक ब्लॉक हुआ करता था ऐसा ब्लॉक हुआ करता था और ब्लॉक को आप ऐसे फिक्स कर देते थे ज़मीन से फिर उस पर क्या लगाते थे ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाते थे और टेंजेंशियल फोर्स लगाने से फिर क्या होता था आपका फाइबर ऐसे मुड़ जाता था ये देखो मुड़ जाता था कि नहीं मुड़ जाता था ऐसे मुड़ जाता था ठीक है ना तो आप बोलते थे ये शेयर स्ट्रेन आ गया और ये शेप क्या हो गया डिफॉर्म हो गया शेप क्या हो गया अब ये थोड़ी ना शेप रह गया वैसा जैसा पहले था तो यहां से हम समझ पा रहे हैं कि यहां पर शेयर स्ट्रेस आया है शेयर फोर्स आया है शेयर स्ट्रेन आया है वैसे हम यहां बोल रहे हैं कि ये जो स्प्रिंग है इस पर जब आपने फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज हो गया और शेप चेंज हो गया इससे मतलब है कि भाई यहां पर शेयर मॉड्यूलस ही होगा और अच्छे से अगर मैं आपको समझाऊं तो जब आप प्रैक्टिकल करते हो जब आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि स्प्रिंग का जो फेलियर होता है वो इनर फाइबर से होता है अंदर वाले फाइबर से होता है और शेयर स्ट्रेस के कारण होता है तो वहां से भी ये थ्योरी पक्की हो जाती है कि भाई यहां पर शेयर मॉड्य डिटरमाइंड होगा ठीक है क्लियर ठीक है सर ठीक है सर चलो ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर दिया भाई ध्वस्त कर दिया बड़े अच्छे क्वेश्चन दिए बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए मजा आ रहा है करने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा है सर आओ आगे बढ़ते हैं अरे ये क्वेश्चन तो किया है हमने ये क्वेश्चन हमने किया है कि नहीं भाई आप पुराने लेक्चर में जाओ वहां पर हमने क्वेश्चन किया है जहां इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स किए हैं हमने है ना आप वहां जाओगे देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा क्वेश्चन हमने अच्छे से ध्वस्त किया है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द एज ऑफ एन क्वेश्चनियम क्यूब इज टेन सेंटीमीटर लॉन्ग अच्छा वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स टू द वर्टिकल वॉल मास ऑफ इज देन अटैच टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब क्या बोल रहा है ये ऐसे वर्टिकल वॉल है और उससे क्यूब मैंने क्या कर दिया ऐसे लटका दिया है क्यूब क्या कर दिया ऐसे लटका दिया है ठीक क्यूब क्या कर दिया ऐसे लटका दिया है इसका वजन यहां से वजन लटका दिया हमने सौ के का यानी कि हजार न्यूटन का ठीक मान लीजिए इसकी लेंथ क्या है भाई एल है जब इस पर आप ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो इसमें क्या आ जाएगा ऐसा डिफॉर्मेशन आ जाएगा ठीक मान लिया हमने कितना आया वो डेल एल का डिफॉर्मेशन आया ये शेयर स्ट्रेन ठीक है अरे क्वेश्चन भी तो हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन भी तो हम कर चुके हैं एल की वैल्यू आपको दस सेंटीमीटर दी गई है ये है 10 cm, ये है ना दस सेंटीमीटर यह है न्यूटन आप इससे शेयर स्ट्रेस निकाल लोगे एरिया आपको दिया हुआ है 10 का सेंटीमीटर का क्यूब है तो है ना तो आप इससे शेयर स्ट्रेस निकाल लोगे शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया यानी कि फोर्स कितना बनेगा हजार न्यूटन और एरिया कितना आएगा दस सेंटीमीटर इंटू दस सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि 10 दो पार माइनस फोर मीटर निकाल लोगे आपको डेल्टा एल निकालना, है, आपको निकालना, है, निकालना है।, है तो भाई हम जानते हैं और हम जानते हैं कि टाउ इज इक्व टू फाइव जी होता है टाउ आपके पास आ गया इससे जी की वैल्यू आपको गिवन है ट्वेंटी फाइव जी पी ए इससे आप फाइव निकाल लोगे और फाइव क्या होगा टेन फाइव क्या होगा टेन फाइव होगा भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस डल एल अपॉन एल एल की वैल्यू आपको पता है फाइव आप यहां से निकाल लोगे टेन फाइव लगा के आप डे डल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते कर सकते हैं क्वेश्चन मैंने कराया हुआ अच्छा है अच्छा याद आया मुझे है ना ये दोनों क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके आपको आसपास पास आजू बाजू करवाए थे ठीक है चलिए क्लियर करूं क्लियर करिए सर आइए चलिए नेक्स्ट भैया फोर आइडेंटिकल हॉलो सिलेंडर कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास जो जो दिया हुआ है भाई में लिखते चलते हैं फोर आइडेंटिकल सिलेंडर कॉलम चार कॉलम है चार कॉलम है जैसे दीवार होती है ना भाई एक दीवार ये दो दीवार ये तीन दीवार ये, ये चार दीवार चार दीवार है एक कॉलम ये एक कॉलम ये देखो ना एक कॉलम ये डला है एक ये डला है एक ये डला, डला है नहीं ऐसे कॉलम नहीं तो बीम होती है एक कॉलम ये डला है दीवार खड़ी होती है ना एक कॉलम ये एक कॉलम ये, ये इसके बीच में दीवार है ना वैसे ही चार कॉलम है एक कोना ये एक कॉलम ये एक 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 ये एक ये एक ये चार कॉलम है और चार कॉलम के ऊपर क्या डाली हैड्रिकल कॉलम ठीक है माइल्ड स्टील है. है? है. है? के हैं सपोर्ट बिग स्ट्रक्चर एक बिग स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं ठीक है हजार के जी मतलब ये छत जो डाली है आपने मान लो पचास हजार किलो की ठीक है. है ना द इनर एंड आउटर रेडिया आपको दे दिया है तीस और साठ सेंटीमीटर अज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू यू टू बी यूनिफॉर्म कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ द ईच कॉलम ईच कॉलम का आपको कंप्रेशनल स्ट्रेन निकालना है तो मैं एक कॉलम बनाता हूं आपकी आंखों के सामने और फिर कोशिश करेंगे समझने की ठीक है बड़ा बन गया थोड़ा छोटा बनाता हूं ठीक है हम्म hmm. hmm. चल ये है आपका भाई होलो सिलेंड्रिकल कॉलम क्या है ये आपका हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम ठीक अब ऐसे कितने कॉलम है चार कॉलम है एक दो तीन चार इस पर क्या रख दिया है? हमने कुछ वजन रख दिया है पचास हजार किलो का अब बताओ टोटल वेट जो है आपका जो टोटल वेट है वो कितना बनेगा वो बनेगा सर पचास हजार इंटू जी पचास हजार और जी की वैल्यू मैं ले रहा हूं टेन तो हो जाएगा पांच लाख पचास हजार और एक जीरो और एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच न्यूटन ठीक है ना लेकिन ये तो टोटल वेट है इस टोटल वेट को कौन कौन बियर कर रहा है चार कॉलम बियर कर रहे हैं तो एक कॉलम पे कितना आएगा तो लिख लेते हैं वेट वेट ऑन वन कॉलम वेट ऑन वन कॉलम कितना होगा भाई वो होगा फिफ्टी थाउजेंड सॉरी फाइव लाख डिवाइड बाय फोर ठीक है कितना आ जाएगा भाई पच्चीस पच्चीस का आधा साढ़े बारह है ना चलो तो दो धुनी चार दो पच्चीस लाख ढाई लाख ठीक है ना अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा टू वन जा टू टू वन जा टू 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 ज़ा फोर टू टू ज़ा फोर टू फाइव जेन एक दो तीन एक दो ठीक है बारह बारह एक लाख पच्चीस हजार ठीक है ना ठीक है तो यह एक, एक कॉलम पर वेट आ रहा है कितना एक लाख पच्चीस हजार न्यूटन का कोई दिक्कत है नहीं सर आपको फोर्स मिल गया कितना फोर्स मिल गया आपको फोर्स मिल गया एफ इज इक्वल्स टू एक लाख पच्चीस हजार न्यूटन ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब कॉलम हमेशा याद रखना आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे पढ़ोगे कि कॉलम हमेशा कंप्रेसिव फोर्स के अंडर में रहता है कॉलम हमेशा कंप्रेसिव फोर्स पर होता है कॉलम पर कभी कोई दूसरा फोर्स नहीं लगता क्योंकि वो कंक्रीट का बना होता है कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है और कभी भी टेंसाइल फोर्स झेल नहीं सकता झेल सकता है मतलब उसकी लिमिट बहुत कम होती है वो मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड के लिए होता है ठीक है ना तो इसलिए आप याद रखना कॉलम की एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है कि कॉलम हमेशा कंप्रेसिव लोड के अंडर में होता है तो हमेशा पक्की बात यह है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या आने वाला है भाई इसमें कुछ ना कुछ इसकी लेंथ में कमी आने वाली है इसकी लेंथ में क्या आने वाली है कमी आने वाली है ना उसी को वो पूछ रहा है कि बताओ कैलकुलेट देशनल स्ट्रेन ऑफ द ईच कॉलम ठीक है भाई तो हम जानते हैं हम जानते हैं कि जो स्ट्रेन है यानी कि जो स्ट्रेन है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है डेल एल बाय एल यानी कि इसको मैं बोलता हूं डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन बाय एल बोल सकता हूँ कि नहीं हाँ सर ठीक है अगर मैं कैसे भी करके ये डेल निकाल लूँ कैसे भी करके ये डेल निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा है ना चलो तो फो इसका फॉर्मूला क्या होता है एफ एल बाय ए यही फॉर्मूला होता है हाँ सर माइनस लगा दूँ क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स है ठीक है हाँ सर चलो आपको निकालना है डेल एल बाय डेल बाय एल ठीक एल को नीचे ले जाऊं एल को नीचे ले जाऊं हाँ क्या यही चीज़ स्ट्रेन है हाँ सर यही चीज़ स्ट्रेन माइनस एफ बाय ए e कर दोगे तो आपको क्या मिल जा रहा है स्ट्रेन मिल जा रहा है आओ तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल बाय एल इज इक्वल्स टू माइनस एक लाख पच्चीस हजार न्यूटन एक लाख पच्चीस हजार न्यूटन डिवाइड बाय एल लेंथ कितनी है भैया लेंथ कितनी है लेंथ कितनी है लेंथ कितनी है अच्छा लेंथ की जरूरत हमको है ही नहीं लेंथ की जरूरत हमको है ही नहीं क्योंकि हम डेल के अपॉन में एल ले गए है ना हमको सिर्फ एफ रखना है ऊपर नीचे एरिया रखना है एरिया इन टू ई अब ई आपको दिया नहीं है स्टील का मैं आपको ई दे देता हूँ स्टील का कितना है मान लेते हैं हम ई का स्टील है टू इंटू टें दो पार एलेवन पास कल कोई दिक्कत ये मैंने मान लिया है टू इंटू टेंट दोपार एलेवन पास कल जो भी आपको गिवन होगा वहां पर वो वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर मैंने ई की वैल्यू पुट की टू इंटू टेंट दो पार एलेवन पास कल अब एरिया की बात आ गई कि एरिया क्या होगा इसका आप मुझे बता सकते हो इसका एरिया कहाँ क्या होगा इस पर जो ये फोर्स लग रहा है इसकी मैंने इसकी मैंने जरा लोकेशन गलत बना दी ये फोर्स लग रहा है कहाँ पर जहाँ पर एरिया है ये इधर ये इधर जहाँ जहाँ एरिया है वहाँ लग रहा है ये फोर्स ठीक है तो अब एरिया बताओ कितना होगा सर एरिया जो होगा ना वो हम बचपन से पढ़े हैं हमको हमारा मकसद डेफिनेट हो गया है पाई बाय फोर अच्छा क्या दिया है आउटर रेडिया दिया है इनर रेडिया दिया है आउटर रेडिया दिया है इनर रेडिया दिया है आपको तीस सेंटीमीटर और आउटर रेडिया आपको दिया हुआ है साठ सेंटीमीटर लेकिन याद रहे कि सेंटीमीटर में दिया है किसमें दिया है सेंटीमीटर में दिया है और रेडियाई दिया हुआ है तो रेडियाई के फॉर्म में हम फॉर्म लिख लेते हैं पाई आर टू स्क्वायर आउटर का रेडियस इनर का रेडियस टू माइनस एक लाख पच्चीस हजार न्यूटन डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर सिक्सटी का स्क्वायर माइनस थर्टी का स्क्वायर सिक्सटी स्क्वेयर माइनस थर्टी स्क्वेयर तो चलिए लिख लिया आपने अच्छा इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास लगभग लग वैल्यू आएगी सेवन पॉइंट टू इंटू टेंट दाइनस सेवन ठीक है ना स्ट्रेन की वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि क्या है कम्प्रेशनल स्ट्रेन है एक कॉलम की चार से मल्टीप्लाई करोगे तो चारों कॉलम की कम्प्रेशनल स्ट्रेन आ जाएगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्लियर करता हूं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 15.2 पॉइंट टू एम एम इंटू नाइनटीन पॉइंटीन पॉइंट पुल्ड इन टेंशन विद फोर्टी न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन चलो भाई तो रिजल्टिंग स्ट्रेन की बात कर रहा है तो हमने मान लिया भैया कि ऐसा कोई रेक्टेंगुलर हमारे पास क्या है हमारे पास क्या है भाई ऐसे कोई रेक्टेंगुलर बार है ठीक है ना उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है ऐसा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है ठीक है सीधी लाइन बनाओ सीधी लाइन सीधी लाइन बनाओ सीधी लाइन सीधी लाइन बनाओ सीधी लाइन ठीक है ओके क्रॉस सेक्शन ऐसा है ठीक है ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इसका आपको क्या दे दी भाई वैल्यू दे दी गई है देखो इसको ऐसे भी बनाया देते हैं बुक में फ्रंट फ्रंट व्यू इसका ऐसा बना देंगे कि आप इससे साइड व्यू जब इसको ऐसे देखोगे तो यह ऐसा दिखाई देगा ठीक है तो स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बना लेते हैं थोड़ा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं ठीक है हाँ सर क्या दी गई है वैल्यू एम एम में दी गई है इस पुल्ड इन टेंशन टेंशन से पुल किया गया है भाई इसको इसमें एफ फोर्स लगाया है टेंशन वाला ठीक है ओके okay. क्या है आपकी वैल्यू फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड न्यूटन फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड न्यूटन है ना आप चाहो तो किलो न्यूटन से भी सॉल्व कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन तो बाबा स्ट्रेन ने कहा इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई यही होता है कि नहीं स्ट्रेस अपॉन ई मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है तो स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं एफ बाई ए इन ई ठीक अब कॉपर का ही आपको दिया नहीं गया है तो कॉपर का ही मैं आपको बता देता हूँ ई ऑफ कॉपर इज वन पॉइंट टू इंटू टेंट इलेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर कोई परेशानी नहीं ठीक है ना गिवन डेटा है बाबा ये सारी बुक्स में होता है गिवन डेटा है ये बात ज क्या बोलते हैं जग जाहिर है यूनिवर्सल है चेंज नहीं हो सकती क्योंकि कॉपर की ये वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंट से करके निकाल ली है ठीक है चलो आगे सॉल्व करते हैं फोर्थ की वैल्यू आपको दे दी गई है कितनी चवालीस हजार पांच सौ फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड न्यूटन डिवाइडेड बाई सीस हज़ार है ना कई लोग होगा जिनको फोर्टी फोर का मतलब नहीं पता होगा हिंदी में चवालीस होता है कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ अच्छा एरिया निकालना है एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ तो फिफ्टीन पॉइंट टू पॉइंट वन ये क्या आएगा भाई एम एम स्क्वायर में आएगा तो इंटू टेन टू पार माइनस सिक्स है ना माइनस थ्री की पावर टू होता है तो माइनस सिक्स चलो ये आ गया मीटर स्क्वायर में

आ गई ठीक है ना ये कैसी स्ट्रेन है भाई लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन है कैसी स्ट्रेन है लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन है आपने ऐसे फोर्स लगाया तो उसमें स्ट्रेन इस तरीके से आ गई ठीक है ना क्वेश्चन बदल भी सकता था यहाँ अगर आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दे देता तो आपको सर्कल का एरिया रखना पड़ता ठीक है ना आपको यहाँ ट्राइंगुलर दे देता क्रॉस सेक्शन तो आपको ट्रैंगर रखना पड़ता ठीक है ना तो वो क्वेश्चन बदल सकता है आप आराम से सॉल्व कर सकते हो तो चलिए इसको लिखिए नोट डाउन करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं आइए कर दूँ चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टील केबल विद रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर आप देखो रेडियस आ गया स्टील केबल है उसका रेडियस आपको दे दिया 1.5 सेंटीमीटर सपोर्ट्स अ चेयर लिफ्ट एट अ स्की एरिया चेयर लिफ्ट एट अ एट अकी एरिया स्कीइंग करते हैं ना जहाँ पे वहाँ पे चेयर लिफ्ट है है ना आप ऐसे नहीं है दस्सी से जाते हो ऐसे वैष्णो देवी जा रहे हो दर्शन करने तो भैया आप रोप वे के थ्रू जा रहे हो ना वो वैसी चीज है इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड दिस मच वट इज द मैक्सिमम लोड दैट केबल कैन सपोर्ट अच्छा या देखो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है आपको मैक्सिमम क्या निकालना है मैक्सिमम लोड निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम लोड ठीक तो आपको एफ मैक्स निकालना है एफ मैक्स या क्या होगा एफ मैक्स होगा एफ <laughs> मैक्स होगा एफ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स इनटू एरिया अब देखो आपको केबल का तो डायमीटर दे दिया गया ना केबल का रेडियस तो दे दिया गया है तो एरिया तो फिक्स हो गया अब आपको एरिया तो कम ज्यादा नहीं कर सकते है ना दूसरी बात आपको यह बोल दिया गया कि जो स्ट्रेस है उस वायर की जो मैक्सिमम स्ट्रेस है झेलने की जो क्षमता है मैक्सिमम वो कितनी है वो है टेंट दोपहर एट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अच्छा ठीक है अब आपको मैक्सिमम लोड निकालना है आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेस है वो कितनी है टेंट दोपहर एट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और आपको एरिया भी दिया बने आप रेडियस से एरिया निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर से पाई इंटू आर का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर यह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इसको चेंज कर लेते हैं किसमें मीटर स्क्वायर में टेंट दो पार माइनस फोर मीटर स्क्वायर ठीक है हाँ सर यहाँ से वैल्यू आ गई किसकी एफ मैक्स मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू ठीक इसको सॉल्व करोगे तो टेंट दो पार एट पाई इंटू फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन बाई टेन टेन सही लिखा क्या हाँ सर सही लिखा है इंटू टेन टू द पार माइनस फोर डा 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 टा डा डा चलो तो यहाँ से काट दो भाई एट माइनस फोर कितना बचा एट माइनस फोर से ये फोर बचा ठीक हाँ सर ये ऊपर जाएगा टेन टू द पार माइनस टू बन जाएगा टेन टू द पार माइनस टू तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टेन द पार टू तो फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन इंटू पाई टू टेन टू दू ठीक है ये फोर्स से टेंट टू माइनस टू चला जाएगा ठीक ये हो जाएगा कितना <coughs> ये टू ट्वेंटी फाइव पाई इंटू द पार टू न्यूटन ये गई वैल्यू कितनी मैक्सिमम फोर्स की ठीक है चलिए कुछ भी था इस क्वेश्चन में ऐसा जो आपको नहीं बनता कुछ भी नहीं था वो बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इतने क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनेंगे तो फिर आपको वापस पढ़ने की जरूरत है इस चैप्टर को है ना चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन इजेट बार ऑफ मार्स फिफ्टीन के जी सिमेट्रिकली बाय थ्री मीटर लॉन्ग कॉपर एंड मिडिल वन इज ऑफ आयरन डिटरमाइन द रेशो ऑफ देयर डायमीटर्स इफ टू हैव द सेम टेंशन अच्छा अब जब वो क्वेश्चन बोल रहा है बाबा अपन को वैसे वैसे करना पड़ेगा है ना अपना दिमाग हम बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे अभी बाद में जो चलाना पड़ेगा अभी नहीं चलाएंगे तीन वायर है एक दो तीन तीन वायर है तीनों वायर मिलकर क्या कर रहे हैं भाई सपोर्ट कर रहे हैं एक रॉड को मोटी रॉड बना दू दूसरे कलर की भी बना देता हूँ ये है हमारी रॉड इस रॉड को ये तीन वायर क्या कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं आओ आगे बढ़ते हैं ठीक 15 के ये जो बार है इसका वजन कितना है 15 के कितना एक्ट करेगा नीचे पंद्रह जी ठीक है ना सपोर्टेड सिमेट्रिकली सिमेट्रिकली है, मतलब डिस्टेंस सबके बीच की क्या है सेम है बाय थ्री वायरस टू मीटर लॉन्ग सारे ही वायर की लेंथ कितनी है दो मीटर लॉन्ग है ना तो मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ दो मीटर आप समझ जाना भाई सारे ही वायर की लेंथ कितनी है दो मीटर ठीक चलो एट ईच एंड आर ऑफ कॉपर देखो एंड पर जो वायर है वो कॉपर की है तो यहां लिख देता हूं सी सी ठीक है एंड द मिडिल वन इज ऑफ आयरन यहां लिख देता हूं आई ठीक है ओके डिटरमाइन द ऑफ देयर ईच टू हैव द सेम टेंशन तीनों ही वायरस में टेंशन की वैल्यू क्या है भाई सेम है टेंशन टी टेंशन टी एंड टेंशन टी 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 ठीक है ना सब में टेंशन क्या है बराबर है अब देखो भाई ध्यान से समझना आपको रेशो ऑफ डायमीटर्स निकालना है क्या निकालना है रेशो ऑफ डायमीटर्स निकालना है आप टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हो क्या कितनी होगी हाँ सर निकाल सकते हैं थ्री टी इज इक्वल टू फिफ्टीन जी होगी क्या हाँ सर दिस एम्प्लाइज टी इज इक्वल टू फिफ्टीन जी बाय थ्री यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा टेंशन बराबर हो जाएगा फाइव जी के कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर कोई परेशानी नहीं ठीक है हाँ सर ठीक है टेंशन की वैल्यू आ गई फाइव जी अब समझना मेरी बात ध्यान से कि भाई जो तीनों वायर है ये तीनों सेम टेंशन को झेल रहे हैं सिमेट्री है इनके बीच में अब सिमेट्री तभी बरकरार रहेगी जब जब ये पूरी रॉड एक साथ नीचे आए अगर इसमें डिफ्लेक्शन आ भी रहा है मान लो अगर डिफ्लेक्शन आता है मान लो डिफ्लेक्शन आता है मान लो रॉड आपकी यहां तक आ गई थोड़ा और मोटा कर देता हूँ रॉड को आपकी रॉड इस फिफ्टीन जी फोर के कारण कहाँ तक आ गई यहां तक आ गई तो डिफ्लेक्शन तीनों ही तीनों ही तीनों ही वायर में क्या है भाई सेम है ये देखो है ना ये तीनों वायर में क्या है डिफ्लेक्शन सेम है मानते हो कि नहीं मानते बिल्कुल मानते हैं सर तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर तीनों वायर में डिफ्लेक्शन सेम है तो हम बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्शन इन कॉपर वायर इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन इन आयरन वाली वायर डिफ्लेक्शन का मतलब समझते हो ना चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ दिस इज दिस इज ठीक है हाँ सर ओके okay. तो हम जानते हैं कि कॉपर वायर में जो भी डिफ्लेक्शन आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा फोर्स इनटू उसकी लेंथ अपॉन एरिया ऑफ कॉपर वायर इनटू ई ऑफ कॉपर वायर ठीक है इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू लेंथ ऑफ आयरन वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ आयरन वायर इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आयरन वायर ठीक है ना अब देखो टी और टी तो सेम है लेंथ भी सेम है आपको निकालना है डायमीटर का रेशो तो यहां पर देखो एरिया है एरिया के अंदर डायमीटर छुपा हुआ है तो चलो निकालते हैं डाटा है। तो चलो 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 आ जाओ तो ईआई अपॉन ईसी इज इक्वल टू ईआई ऊपर ईसी नीचे एसी अपॉन एआई ठीक एसी अपॉन एआई दिस इंप्लाइज अब आपको ई आई और ईसी की वैल्यू गिवन नहीं है मतलब अगर आप देखना चाहो तो उसको स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर यहाँ चुपचाप लिख सकते हो ठीक है चलिए लिखते हैं वैल्यू को 190 into 10 to the power 9. ठीक है ये वैल्यू आ गई किसकी भैया आपके मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आयरन की और कॉपर की मैं दे देता हूँ वन वन जीरो इंटू टेंट दो पार नाइन ठीक है इज इक्वल टू अब भैया एरिया एरिया के अंदर डायमीटर छुपा होगा आप जानते हो है ना रिजिट बार है तो भाई सर्कुलर होती है बार तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पाए बाय फोर डायमीटर ऑफ कॉपर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाए बाय फोर डायमीटर ऑफ आयरन का स्क्वायर पाए बाय फोर से पाए बाय फोर हटा दो स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो स्क्वायर स्क्वायर हटा दो यहाँ क्या लगा दो रूट लगा दो ठीक है ना ठीक ये स्क्वायर हटा दिया यहाँ से और क्या लगा दिया रूट लगा दिया तो आप देखो क्या आएगा रेशो भाई डायमीटर ऑफ कॉपर वायर डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ आयरन वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट वन नाइनटी इंटू टेंट तो दो पार नाइन डिवाइडेड बाई वन वन जीरो इंटू टेंट दो पार नाइन ये वैल्यू आ गई इसको आप रेशो लोगे तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए आनी चाहिए आनी चाहिए डी सी अपॉन डी आई इज इक्वल्स टू वन पॉइंट थ्री वन फोर कितनी वैल्यू आएगी वन पॉइंट थ्री वन ठीक क्लियर आ गया रेशो हाँ भाई ऐसे इस क्वेश्चन को क्या करना था ध्वस्त करना था चाहो तो आप इसको नोट डाउन करो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट फाइव के जी मास फास्टिंग टू एंड ऑफ अ स्टील वायर ऑफ अनस्ट्रेच लेन मीटर इज वर्ल्ड इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल अच्छा वर्टिकल सर्कल विद एन एंगर वेलोसिटी ऑफ टू रेवोल्यूशन पर सेकेंड अच्छा 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 अच्छा

कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं इसका खुद का एम वेट नीचे की तरफ होगा हाँ सर होगा ऊपर की तरफ क्या होगा यहाँ पर होगा टेंशन लोएस्ट मोस्ट पोजिशन है हाँ सर अब पूछ रहा है कि ओमेगा की वैल्यू जो जो गिवन है यार पहले वो लिख लेता हूँ सोल्यूशन गिवन में हमारे पास क्या क्या है लेंथ लेंथ है आपके पास एक मीटर मास है आपके पास कितना 14.5 पॉइंट का 14.5 पॉइंट का क्या है आपके पास मास है ठीक है वर्ल्ड इन आर्टिकल सर्कल विद एन एंगुलर विलोसिटी ऑफ टू रेवोल्यूशन पर ओमेगा इज इक्वल टू टू रेवोल्यूशन पर सेकेंड अच्छा 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 टू रेवोल्यूशन पर सेकेंड का आपको ओमेगा दिया हुआ है ठीक है भाई एट द बॉटम ऑफ द सर्कल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज एरिया आपको दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर दिया है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फाइव इंटू टेंट द पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर ठीक है हाँ कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ़ द वायर तो हम देख सकते हैं एलोंगेशन निकालने के लिए हमको यहाँ पर एक चीज़ और देखनी पड़ेगी क्या भैया जब आप इसको घुमा रहे हो क्या कर रहे हो वैसे घुमा रहे हो इसका वेट तो नीचे लगी रहा है टेंशन ऊपर लग रही है लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये घूम रहा है सर्कुलर मोशन में है इसके पास एक क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होने वाला है और वो कितना होगा एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा एम आर एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है ना अरे अरे बाबा एम एल स्क्वायर ओमेगा नहीं एम एल ओमेगा स्क्वायर है ना एम 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 आर ओमेगा स्क्वायर ठीक है एम वी स्क्वायर बाय आर होता है अरे बाबा देखा होगा ना आपने एम वी स्क्वायर बाय आर इसको आप चेंज कर लो वी को क्या लिख लो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर आर से आर कट गया तो एम आर ओमेगा स्क्वायर आ गया ठीक है ना लेंथ क्या है भाई रेडियस क्या है लेंथ है रेडियस क्या है लेंथ के बराबर है इसलिए मैंने रेडियस क्या एम एल ओमेगा स्क्वायर ठीक है लिख दिया है चलो तो हम देख सकते हैं कि यहाँ टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी टेंशन की वैल्यू आएगी एम जी प्लस ml ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगी कि नहीं आएगी बिल्कुल आएगी टेंशन इज इक्वल्स टू mg प्लस ml ओमेगा स्क्वायर ओके 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 यहां पर एलॉन्गेशन जो आएगा आपके वायर में वो किस कारण आएगा भाई जब आप वायर को घुमाओगे ऐसे घुमाओगे 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 जब लोएस्ट पोजीशन पे आपका मास पहुंचेगा तो उसको कोई बाहर की तरफ खींच रहा होगा है ना कौन खींच रहा होगा ये एम एम एल ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी खींच रहा होगा हाँ कि ना हाँ सर तो यही वो फोर्स बनेगा यही वो फोर्स बनेगा जो क्या लेकर आएगा भाई क्या लेकर आएगा इस वायर में इलांगेशन लेकर आएगा ठीक है अब यहाँ देखोगे तो टेंशन टेंशन ऊपर की तरफ है यहां बैठकर देखोगे तो टेंशन बाहर की तरफ है ना हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट होती है टेंशन चलो भाई एम जी फोर्टीन पॉइंट फाइव इंटू टेन यानी कि वन फोर्टी फाइव न्यूटन प्लस फोर्टीन पॉइंट फाइव के जी इंटू लेंथ कितना है लेंथ है एक मीटर ठीक ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर रेवोल्यूशन पर सेकेंड दिया हुआ है है ना इसको आपको किसमें चेंज करना है भाई ये आपको एन दिया हुआ है एन दिया हुआ है रेवोल्यूशन पर सेकेंड में और वो कितना है दो रेवोल्यूशन पर सेकेंड हम जानते हैं ओमेगा अगर हमको निकालना है तो वो निकलता है टू पाई एन बाई सिक्सटी से लेकिन एन बाई सिक्सटी तब हम करते हैं जब एन पर मिनट में दिया हो लेकिन यहां एन आपको पर सेकेंड में दिया हुआ है तो हम इसी से निकाल लेंगे एन की की वैल्यू वैल्यू रख दो, तो ओमेगा की कितनी आ गई? गई, गई? पाई 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 आ आ ठीक ठीक? है? ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई रेडियन पर कोई कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नहीं सर। जाएगी फोर पाई का स्क्वायर इंटू वन इंटू फोटीन पॉइंट फाइव प्लस वन फोर्टी फाइव कितना आ गया भाई ये टोटल <coughs> आ गया हमारे पास टू फोर थ्री फोर पॉइंट सेवन फोर न्यूटन ठीक है ये वैल्यू आ गई किसकी आपकी टोटल फोर्स की जो इस हमारी हिम हमारी स्ट्रिंग पर लग रहा होगा ठीक है अब आपको बोला कि भाई इसका एक्सटेंशन निकालो इलॉन्गेशन निकाल लो कितना होगा तो हम जानते हैं कि भाई इोंगेशन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एफ एल बाय ए का ठीक फोर्स आपने कितना निकाला है टू फोर थ्री फोर पॉइंट सेवन फोर न्यूटन इंटू लेंथ कितनी है लेंथ है एक मीटर डिवाइडेड बाय एरिया कितना है एरिया है ये ज़ीरो पॉइंट जीरो सिक्स फाइव इंटू टेंट माइनस फोर ई की वैल्यू कितनी है अब क्या है भाई स्टील वायर है स्टील वायर के लिए हम ले लेते हैं टू इंटू टेंट ना मैं आपको यहाँ वैल्यू दे देता हूँ e इससे आपका क्या निकल आएगा इलोंगेशन निकल आएगा सॉल्व करता हूँ टू फोर थ्री फोर पॉइंट सेवन फोर इंटू वन डिवाइडेड बाय जीरो पार माइनस फोर ठीक है और क्या है डिवाइडेड बाई टू इंटू टू दोपहर इलेवन आ गई वैल्यू वन पॉइंट एट सेवन टू ठीक है ना तो ये आ गया डिफ्लेक्शन आपका वन पॉइंट एट सेवन टू इंटू टेंट दोपहर माइनस थ्री मीटर का ठीक है चलिए भाई ये आ गई आपकी वैल्यू ठीक है यही तो पूछा था आपसे आपने सॉल्व कर दिया कैलकुलेट दी इलांगेशन ये है इलागेशन भाई ये वही टेंशन है ये टेंशन इसको खींचेगी और खींच के लंबा कर देगी ठीक है चलो भाई आगे बढ़े हाँ सर आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो वट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा कंप्यूट द बल्क मॉडल्स ऑफ वाटर फ्राम द फॉलोइंग डेटा इनिशियल वॉल्यूम इज दिस प्रेशर इंक्रीज इज दिस फाइनल वॉल्यूम इज दिस कम्पेयर द बल्क मॉडल्स ऑफ वाटर विधायर हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है भाई है ना आप जाकर देखोगे तो हमने एक क्वेश्चन पहले ही किया हुआ है बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी है ना पॉट भी लगा सकते हो ठीक अच्छा यहाँ पर आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर सीधे पी लिखा हुआ है यहाँ पर सीधे पी लिखा हुआ है इधर बाबा वो प्रेशर चेंज ही है क्या है वो प्रेशर का चेंज ही है है ना अब मान लो कोई एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक ग... प्रेशर को हम अपना रेफरेंस मानते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या ले लेते हैं जीरो ले लेते हैं है ना इसलिए यहाँ पर पी लिख देते हैं ठीक है ना वैसे ये होता है डेल्टा पी पी माइनस पी ए टी एफ ऐसा जो भी वैल्यू दी हो ठीक है चलिए तो आप इस, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया हुआ है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वॉट इज द डेंसिटी ऑफ वॉटर एट अ डेप्थ वेयर प्रेशर इज एटी एटमोस्टर अच्छा गिवन दैट इट्स डेंसिटी एट द द द इज टू टू है है बाबा ये क्या है? 10 to the आगे देखते हैं हमने एक फॉर्मूला देखा था डिराइव किया था चेंज इन डेंसिटी का अगर आपको याद हो तो वो क्या था था? वो क्या रहता था रो डैश टू रो अपॉन वन माइनस पी के ऐसा कोई फॉर्मूला हमने देखा था क्या हाँ सर देखा था बिल्कुल देखा था आप लेक्चर देखोगे देखोगे कौन सा पॉइजन रेशो वाला लेक्चर देखना उसमें आपको दिख जाएगा ठीक तो वहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लूं तो हमारे पास आंसर सीधा आ जाएगा ठीक है नहीं तो बहुत लंबी प्रोसेस है उससे हमें देखने की जरूरत नहीं है सीधा हम फॉर्मुला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे हमको नई डेंसिटी निकालनी है कब, कब 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 जब किस आप डेप्थ पर चले जाओ, उस डेप्थ पर 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 चले चले जाओ जाओ उस जहां प्रेशर कितना हो एटी एटमोसफेयर हो सरफेस पर कितना है ये पानी है इसके सरफेस पर प्रेशर कितना है भाई पी ए टी एम है ठीक है ना ठीक यहां पर हम गए एट्टी मीटर एट्टी मीटर मतलब एट्टी मीटर नहीं हम नीचे गए इतनी डेप्थ पर मान लिया एच डेप्थ पर हम नीचे गए है ना और एच डेप्थ पर हमने जाकर देखा कि इस पर्टिकुलर वाटर के एक मास पर हमने बोला कि प्रेशर कितना है तो आपने बोला भाई एट्टी एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है ठीक है ना समझ में आई मेरी बात तो नेट प्रेशर कितना है इस पर भाई नेट प्रेशर कितना है यहां पर था एक एटमोस्फेयर यहाँ पे था 80 एटमॉस्फेयर नेट कितना हुआ चेंज इन प्रेशर कितना हुआ 79 एटमॉस्फेयर, एटमोसफेयर हाँ कि ना अरे हाँ कि ना फाइनली फाइनल प्रेशर कितना है 80 एटमॉस्फेयर इनिशियल कितना था एक एटमॉस्फेयर बाबा जब हमने इस वाटर का मास सरफेस पे लिया होगा तो उसमें एक एटीएम का तो प्रेशर लग रहा था है ना ये इसका इनिशियल प्रेशर था जब वाटर के सरफे वाटर के सरफेस पे हमने कोई मास लिया था वाटर का तो जब वही वाटर का मास एट्टी एट एक एच हाइट पे चला गया वहाँ पर कितना प्रेशर हो गया एट्टी एटीएम का प्रेशर हो गया तो दिस इज द फाइनल दिस इज द इनिशियल तो चेंज इन प्रेशर कितना हुआ सेवेंटी नाइन ए एम यहाँ लिख देता हूँ मैं चेंज इन प्रेशर कितना हुआ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल यानी कि एट्टी माइनस वन यानी कि चेंज इन प्रेशर कितना आया सेवेंटी नाइन एम कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर कोई परेशानी नहीं तो वहां पर हमने देखा था इस फॉर्मुले को यहां पर हम प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहां चेंज इन प्रेशर आता है बल्क मॉडल जब भी आएगा याद रखिएगा प्रेशर नहीं प्रेशर का चेंज आएगा ये याद रखिएगा क्योंकि आप बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी के लिए दबाते हो किसी चीज को है ना ये अंदर से प्रेशर लगाते हो या बाहर से प्रेशर लगाते हो मानो बाहर से प्रेशर लगाया तो आपने दबाया है तो पहले जो प्रेशर था बाद में जो प्रेशर हुआ उसके चेंज को ही आप डेल्टा पी बोलते हो चलो इनिशियल डेंसिटी कितनी दी है वन इंटू टेंट टू द पार थ्री चलिए डिवाइडेड बाय वन माइनस चेंज इन प्रेशर कितना है सेवेंटी नाइन एटमोसफियर चलो तो इसको चेंज कर लो वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टें टू द पार फाइव पासकल ठीक है सही लिखा कि नहीं लिखा बिल्कुल सही लिखा सर टेंट टू द पार फाइव पास्कल डिवाइडेड बाय के के की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है वाटर के लिए के की वैल्यू होती है टू पॉइंट टू इंटू टेंट टू दार नाइन पासकल आई थिंक यही होती है एक बार देख लूँ वैल्यू है वाटर की होती है टू पॉइंट टू इंटू टेंट दोपहर नाइन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो यहां पर लिखेंगे हम टू पॉइंट टू इंटू टेंट दोपहर नाइन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है या आ गई वैल्यू किसकी के की ठीक चलो अब प्रेशर की यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नीचे भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है तो यूनिट यूनिट कट गई भैया सीधी बात है डेंसिटी की यूनिट आनी चाहिए क्योंकि नई डेंसिटी आपको निकालनी है इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको नई डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है इसको सॉल्व करने के बाद आपको डेंसिटी मिलेगी वन पॉइंट जीरो थ्री फोर इंटू टेंट द पार थ्री ऑलमोस्ट ठीक है ऑलमोस्ट के जी पर मीटर क्यूब ज़्यादा अंतर नहीं आया क्या नहीं ज़्यादा अंतर नहीं आया लेकिन आया है है ना 1.03 थी 1.034 हो गई है तभी हम बोलते हैं कि जो हमारा पानी है वो क्या होता है इनकम्प्रेसिबल होता है उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है प्रेशर के साथ हल्की फुल्की होती है एक परसेंट डेढ़ परसेंट है ना एक परसेंट डेढ़ परसेंट का अंतर बहुत नहीं होता है है ना उसके लिए आपको सौ एक एटमॉसफेयर से हो सकता है सौ एटमॉसफेयर तक जाना पड़े तब जाके आपको एक डेढ़ परसेंट दो परसेंट का चेंज दिखे तो वो हम नेग्लेजेबल ही मानते हैं देख लो ना आप आप एक एटमॉसफेयर से एट्टी एटमोसफेयर तक गए तो कितना चेंज आया वन थी सरफेस पे और नीचे कितनी हुई वन ज्यादा अंतर नहीं आया क्लियर है पक्का हंड्रेड आगे बढ़ूँ हाँ सर आगे बढ़िए चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसको करता हूँ मैं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन

Hydraulic pressure है hydraulic वाला pressure, ठीक है वाला ठीक ना चलो तो हम यहाँ पर लिखते हैं सुनना मेरी बात ध्यान से का का ठीक है कुछ गलत लिखा है इसमें नहीं सर कुछ भी गलत नहीं लिखा आपको क्या चाहिए डेल वी बाय वी चाहिए ना डेल वी, वी चाहिए कैसे निकालोगे आप डेल पी बाय के करके लो निकाल लो आ जाएगा फ्रैक्शनल चेंज करें चलो डेल्टा वी बाय वी आपको निकालना है

ये ये भी newton per meter square है चलिए निकालते हैं कितनी 10 into कितनी आएगी आ जाएगी आपकी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर कोई भी परेशानी हमको नहीं है आगे बढ़े सर आगे बढ़ जाओ सर आगे बढ़ जाओ देखो यहाँ पर इनिशियल कोई कंडीशन आपको नहीं दी गई थी इसलिए मैंने यहां पर 10 रख लिया अगर वो बोल देता इनिशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप इतने प्रेशर पर ले गए तो फिर आपको यहाँ पर प्रेशर चेंज लिखना पड़ता है ना क्लियर है हाँ सर चलो ओके okay, आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर ट्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ दिस अच्छा

माइनस सिक्स मीटर क्यूब सही किया क्या, क्या मैंने बाबा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया ना क्लियर है कि नहीं है हाँ सर क्लियर है ये माइनस थ्री है या प्लस थ्री है तो ये कितना हो जाएगा माइनस थ्री ठीक चलो उसको लिख देता हूँ टेंट दोपहर माइनस थ्री मीटर क्यूब माइनस थ्री मीटर क्यूब ये इनिशियल वॉल्यूम है ठीक है ओके अब वो बोल रहा है कि आप चेंज इन वॉल्यूम निकालो वेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ सात सात पास कर सात इंटू टेंट दोपहर सिक्स पास कर तो भाई आपको बोल दिया है प्रेशर कितना है सेवन इंटू टेंट दोपहर सिक्स पास कर आओ आपको दिख गई होगी पिक्चर एकदम क्लियर अगर आपको मैं यहां पर बता दूं कि कॉपर का बल्क मॉड्युल्स कितना है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे चलिए तो दिखाता हूं मैं आपको कॉपर का कितना होता है वन फोर्टी इंटू टेंट दोपहर नाइन वन फोर्टी इंटू टेंट दोपहर नाइन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्लियर बात है हाँ सर हम जानते हैं कि बल्क फॉर्मूला होता है, P v v, है ना तो डेल्टा तो डेल्टा के लिए आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा पी वी बाई के इज इक्वल्स टू प्रेशर है आपके पास सेवन इंटू टें टू दिक्स इंटू वॉल्यूम कितना है टेन टू पावर थ्री टेंट दो पार थ्री मीटर क्यूब में सॉरी 10 टू पार थ्री नहीं पार माइनस थ्री है ना 10 टू पार माइनस थ्री ओके और के कितना है के है आपका वन फोर्टी टेंट पार नाइन वन फोर्टी इंटू टेंट पार नाइन इससे आपको पर, इसको इससे आपको क्या मिल जाएगा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मिल जाएगा ठीक है आइए सेवन इंटू टेंट दोपार सिक्स इंटू टू दो पार माइनस थ्री डिवाइडेड बाय वन फोर्टी इंट टेंट दो पार नाइन उसने हमको खुद ही बता दिया है कि ये वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन है ना मतलब कॉन्ट्रेक्शन उसने खुद बता दिया तो माइनस लगाने की जरूरत यहां पर नहीं है अगर माइनस आता तो हम गैस करते कि वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन है उसने पहले ही बता दिया कि वॉल्यूम क्या है कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है ठीक है चलिए आगे बढ़े चलिए इसको मिटाता हूं मैं

जो वाइड एंड है वाइड एंड पे आपने कितना फोर्स देख लिया वाइड एंड पे आपने फोर्स देखा है फिफ्टी थाउजेंड न्यूटन का कितना फोर्स फिफ्टी थाउजेंड न्यूटन का ठीक है हाँ सर तो वो पूछ रहा है कि बताओ वॉट इज द प्रेशर एट द टिप ऑफ द एनविल यहाँ टिप पर कितना प्रेशर जनरेट हुआ होगा बाबा हम जानते हैं कि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एफ बाई ए जितना एरिया कम करोगे प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ जाएगा सेम प्रेशर सेम फोर्स के लिए सेम फोर्स अगर आप कम एरिया पे लगाओगे तो प्रेशर ज्यादा जनरेट करेगा अगर सेम फोर्स आप ज्यादा एरिया पे लगाओगे तो प्रेशर कम जनरेट होगा ये वही बात हो गई कि आपने वाला केस देखा होगा ना कि वो पुराने टाइम में वो बाबा नहीं होते थे जो जादू दिखाते थे क्या करते थे वो कील के जो बेड होता था कील के बेड पे लेटे जाते थे कील समझते हो ना खिले होते हैं जो खिले है ना नेल्स ठोकने वाले उससे एक बेड बना होता था उस बेड पर खड़े हो जाते थे पैर रख के उस पर लेट जाते थे उनको कुछ नहीं होता था वो इसलिए नहीं होता था क्योंकि आपने एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है एरिया जब आप बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो प्रेशर बहुत कम हो जाता है इसलिए आपकी बॉडी को कुछ नहीं होता लेकिन अगर उसी बाबा को आप ये बोल दो कि सारे कील हटा दो सारे कीले हटा दो सारे नेल्स हटा दो और सिर्फ एक नेल रहने दो जब वो एक नेल आप छोड़ दोगे तो एक नेल का एरिया बहुत कम होता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एक नेल का एरिया होता ही नहीं है एक पॉइंट एक नेल जो होता है बाबा एक कील जो होती है कीला ये ऐसा होता है ना है ना अब इस पॉइंट का क्या एरिया पॉइंट का कोई एरिया नहीं होता तो एरिया आपने बिल्कुल जीरो कर दिया नियर अबाउट जीरो कर दिया तो प्रेशर घुस तो तो जाएगी? जाएगी आई मेरी बात समझ में यहां पर भी वही केस है यहां पर हम देख रहे हैं कि हमको प्रेशर निकालना है फोर्स अपॉन एरिए से बट वो जहां पर हमसे प्रेशर पूछ रहा है वहां का एरिया बहुत कम है डायमीटर देखो कितना छोटा सा है ना तो हम क्या करेंगे एरिया निकाल लेंगे और प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे चलो तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स आपको कितना दिया हुआ है 50000 न्यूटन ना कहां गया हाँ ठीक है सर डिवाइडेड बाय एरिया एरिया इज पाई बाय फोर डी स्क्वायर डी स्क्वायर डायमीटर है 0.50 0 तो 0.50 एमएम है लेकिन इसको चेंज करो मीटर में और इसका कर दो स्क्वायर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए तो आंसर इसका लगभग लगभग आएगा केल, केल, चलो रखा नहीं है आंसर है इसका टू द पास्कल ठीक है क्लियर पक्का हाँ सर चलो तो ये क्वेश्चन हो गया इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास था भी नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आने 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 आने, आने वाले, वाले, वाले क्वेश्चन देखो चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन

और एल्यूमिनियम वायर का एरिया है टू एम एम स्क्वायर ठीक है ओके एट वॉट पॉइंट अलॉन्ग द रॉड शुड अ मास एम बी सस्पेंडेड यहां पर आपको क्या दिया हो गया है दिया गया है भाई एक मास एम सस्पेंड करके दिया गया है ठीक किस डिस्टेंस पे एक्स डिस्टेंस पे मान लिया हमने वो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है एट वॉट पॉइंट अलोंग द रॉड शुड मास एम बी सस्पेंडेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस

पहले देखते हैं कि चीजें हमको जो गिवन है उससे हम क्या निकाल कर रख सकते हैं हम ये जानते हैं कि यहां पर इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड हम ये बोल सकते हैं देखो मास की तो कोई वैल्यू दी नहीं गई है ना मैं अगर ये बोल दूं कि इस पर आने वाला फोर्स एक सेकेंड मैंने यहां स्ट्रेस लिख दिया सीधे स्ट्रेस बनेगा तो फोर्स तो आएगा ही आएगा है ना तो मैं मान लेता हूं कि यह एफ वन फोर्स और ये है F2 फोर्स है ना चल तो हम ये बोल सकते हैं भाई नीचे की तरफ mg लग रहा होगा नीचे की तरफ mg लग रहा होगा है ना mg is equal to F1 plus F2 होगा ठीक चलो mg is equal to F1 plus F2 होगा ठीक है एक बात तो हमको समझ में आई लेकिन हम इससे निकालेंगे कुछ कैसे क्योंकि हमको m की वैल्यू तो दी नहीं गई इक्वेशन का हम कोई यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि F1, F1 तो दूसरी बात हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट को ओ मान लें ठीक तो हम ये बोलते हैं कि अगर है, तो बी जीरो हम ओ पॉइंट अबाउट टॉर्क क्या कर रहे हैं अपना नेट टॉर्क जीरो कर रहे हैं क्योंकि हमारी रॉड क्या है इक्विलिब्रियम में maintained. चलो आओ निकालते हैं टॉर्क टॉर्क निकलेगा एफ वन इंटू एक्स ये देखो एफ वन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स कैसा कैसा टॉर्क है भाई ये क्लॉक वाइज टॉर्क है माइनस कर दो उसको माइनस मान लो माइनस मान लो सर एम जी का तो कोई टॉर्क बनने वाला नहीं है बनेगा एफ टू का एफ टू इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव इसको प्लस मान लेता हूँ क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज बनेगा एफ टू इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव माइनस एक्स वन पॉइंट जीरो फाइव माइनस एक्स सही किया मैंने हाँ सर सही किया इज इक्वल्स टू जीरो ठीक इससे आपको क्या निकल कर मिला इससे हमको एक रेशो मिलेगा देखो ध्यान से देखो एक रेशो मिलेगा एफ वन एक्सलूरो माइनस एक्स आज थोड़ा मेरे चेहरे पे आपको डलनेस सी दिख रही होगी शायद क्योंकि स्वास्थ्य जरा सा हिला हुआ है लेकिन कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है चलिए एफ वन एक्स चलिए अब एफ वन बाई एफ टू का रेशो निकाल लो यार जरा एफ वन बाई एफ टू इज इक्वल टू एफ वन एफ टू का रेशो इसको मैं ले जाता हूँ नीचे और इसको ले जाता हूँ इसके नीचे तो जाएगा वन पॉइंट जीरो माइनस एक्स डिड बाई एक्स दिस इज द रेशो एफ वन बाई एफ टू इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फाइव माइनस एक्स अपॉन एक्स अब याद करो कि आपको उसने बोला है कि सिग्मा वन इज इक्वल टू तो सिगमा टू होना चाहिए मतलब एल्यूमिनियम वायर पर जो सिग्मा है जो स्ट्रेस है वही स्ट्रेस होना चाहिए स्टील के वायर पर भी तो हम जानते हैं सिग्मा वन इज नथिंग बट एफ वन बाय ए वन एफ वन बाय ए वन ठीक है ना इसका एरिया ए वन ले रहा हूं मैं इसका एरिया ए टू लूंगा ठीक है एंड सिग्मा टू इज इक्वल टू एफ टू बाई ए टू कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं सर कोई परेशानी नहीं ठीक अब वो बोल रहा है सिग्मा वन सिग्मा टू के बराबर होना चाहिए इसका मतलब यह है कि एफ वन बाय ए वन इज इक्वल टू एफ एफ टू बाई ए टू होना चाहिए बोला कि नहीं बोला उसने बिल्कुल बोला मुझे बताओ f1 by f1 by f2 का एक रेशों आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है एक रेशों यहां से आ रहा है ये देखो f1 by f2 f1 by f2 is equal to a1 by a2 अब मुझे बताओ a1 by a2 का रेशों कितना है a1 है 1 mm square a2 है 2 एम स्क्वायर मतलब a1 की वैल्यू है 1 a2 की वैल्यू है 2 तो f1 by f2 का रेशों कितना आ गया 1 by 2 आ गया चलो तो यहाँ पर एफ वन बाई एफ टू की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे आप वन बाई टू पुट कर दोगे बिल्कुल कर देंगे सर तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी कितनी by ठीक है अब आप इसको सॉल्व करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो कि किस इज इक्वल एक्स ठीक ये कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो टू पॉइंट वन जीरो माइनस टू एक्सर जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री एक्स इज इक्व टू टू पॉइंट वन जीरो टू पॉइंट की वैल्यू आ रही है आपकी टू पॉइंट वन जीरो बाय थ्री एम एम मीटर ठीक है ये आ गई आपकी वैल्यू एक्स की सिंपल कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं थी तो हमने ए पार्ट को क्या कर लिया सॉल्व कर लिया और जरा बी पार्ट को देखते हैं पहले पार्ट में उसने स्ट्रेस इक्वल करने को बोला था अब दूसरे पार्ट में आपसे बोल रहा है स्ट्रेन इक्वल करने को क्या इक्वल करने को स्ट्रेन इक्वल करने को बोल रहा है तो आप चलो स्ट्रेन इक्वल कर देते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले तो वाइट स्क्रीन करनी पड़ेगी सर एक उम्र के बाद ऐसा लगता है सांस फूलने लगी है ना आपको सडनली फील होता है कि आप बूढ़े से हो रहे हो लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है वो तो तबीयत के कारण ऐसा लग रहा है बूढ़ा नहीं हूं मैं बिल्कुल नहीं हूं

मेरे पास डेल का फॉर्मूला है डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला है मेरे पास चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है और वो क्या है एफ एल बाई ए है कि नहीं है बिल्कुल है अब वो स्ट्रेन की बात कर रहा है स्ट्रेन क्या होता है डेल बाय होता है तो एल को नीचे ले जाऊल बाई एल टू स्ट्रेन इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है है ना ठीक है अब वो बोल रहा है कि एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू के बराबर हो इसका मतलब ये है कि एफ वन डिवाइडेड बाई ए वन ई वन इज इक्वल टू एफ टू बाय ए टू टू होना चाहिए ठीक है कि नहीं है बिल्कुल है सर आओ यहां से देखते हैं हमारे पास एक रेशो आएगा एफ वन बाई एफ टू इज इक्वल टू एफ वन बाई एफ टू इज इक्वल टू ए वन ई वन अपॉन ए टूट ए वन ए टू का रेशो आपको पता है वन बाय टू है ना e1 ई टू में आपको बता दूंगा तो आप सीधे सीधे इसको सॉल्व कर लोगे बट एफ वन बाई एफ टू का एक रेशो हमारे पास और है वन पॉइंट जीरो फाइव माइनस एक्स अपॉन एक्स देखो ना वन पॉइंट जीरो फाइव माइनस एक्स अपॉन एक्स एक और चीज़ है आपके पास ठीक ए वन बाई ए टू के रेशो कितना है वन बाय टू तो ई वन बाय ट्वाइस ऑफ ई टू इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फाइव माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स सही कहा क्या हाँ सर सही कहा बिल्कुल सही कहा चलो अब यहां पर आपको स्टील और एल्यूमिनियम का क्या होना चाहिए इवन और ई टू गिवन होना चाहिए कहीं क्वेश्चन में गिवन है क्या नहीं क्वेश्चन में तो गिवन 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 नहीं नहीं है 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 क्या चलो तो हम अपने आप यहां पर वैल्यू हमको माननी पड़ेगी तो मैं आपको वैल्यू दे देता हूं तो ईवन है भाई आपका टू इंटू टेन टू दार एलेवन ठीक ट्वाइस ऑफ ई टू की वैल्यू आपको मैं दे रहा हूं सेवन इंटू टेन तो दार टेन ये मैं दे नहीं रहा हूं ये होती है ना स्टील और एल्यूमिनियम एक मटेरियल है जिसका मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी निकाल गया निकाला जा चुका है है ना वो बदल नहीं सकता स्वयं ब्रह्मा जी भी आ जाए नीचे तो अब उस चीज़ को बदल नहीं सकते चलिए 1.05 पॉइंट ज़ीरो फाइव माइनस एक्स अपॉन एक्स अब आपको एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है ठीक इसको सॉल्व करोगे आप उसे टू काट दोगे ये बचेगा टेन ये कट जाएगा ठीक है तो हो जाएगा टेन एक्स इज इक्व टू वन पॉइंट ज़ीरो फाइव इंटू सेवन माइनस सेवन एक्स ठीक इधर जुड़ जाएगा जाके हो जाएगा सेवनटीन एक्स इज इक्व टू वन पॉइंट जीरो फाइव इंटू सेवन है ना वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई वन पॉइंट जीरो फाइव इंटू सेवन डिवाइडेड वैल्यू आ गई जीरो पॉइंट फोर थ्री टू थ्री है ना एक्स की वैल्यू आ गई जीरो पॉइंट फोर थ्री टू थ्री मीटर यानी कि फोर्टी थ्री सेंटीमीटर है ना फोर्टी थ्री सेंटीमीटर क्लियर है आसान क्वेश्चन था कुछ भी नहीं था इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम के से हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है बस ये दो वैल्यू की जरूरत थी वो हमने पुट कर दिया आंसर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है बढ़िया कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर चलो आगे बढ़े आगे बढ़ो सर चलो इसको करूँ क्लियर क्लियर इसको भी कर दू क्लियर क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अ माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ चलो ये तो बड़ा क्वेश्चन है आगे देखते हैं कोई छोटा तो पहले इसको करें टू स्टेप्स ऑफ मेटल आर टुगेदर एट देयर एंड्स हाँ ये क्वेश्चन करते हैं पहले टू स्टेप मेटल टूगेदर एट दियर एंड दो स्टेप है ऐसी की, उनको क्या कर दिया गया है रेविट कर दिया गया है ठीक है ना एट दियर एंड बाय फोर रिविट्स चार रिविट के द्वारा इच ऑफ डायमी सिक्स एमएम चलो जो जो दिया है लिखते चलो सोल्यूशन डायमीटर आपको दे दिया है सिक्स एम एम का ठीक ओके okay. व्हाट इज द मैक्सिम टेंशन दैट कैन बी एक्सर्टेड बाई द रिवेट इज नॉट टू एक्सड आपको शेयरिंग स्ट्रेस दे दे कितनी? 10 7 मेरी बात ध्यान सुनना, है तो शेयरिंग फोर्स भी आएगा अगर मैक्सिमम शेयरिंग शेयरिंग स्ट्रेस आपको दिया मैक्सिमम शेयरिंग फोर्स आपसे पूछेगा बट वो यहां पर किस फॉर्म में है मैक्सिमम टेंशन के फॉर्म में. में है किसके फॉर्म में है मैक्सिमम टेंशन के फॉर्म में ज टू कैरी वन क्वार्टर ऑफ द लोड अगर पी लोड लगा लो एफ लोड लगा हुआ है तो एफ बाय फोर एफ बाय फोर लोड आएगा एक रेबिट पर ठीक है ना अगर आपने ऐसे खींचा प्लेट रिबिटेड है, एक, एक है दूसरी प्लेट है इस पर आपने रिबिट डाल के इसको ऐसे कस दिया है ना रिबिट समझते हो कि नहीं समझते हो एक ऐसी प्लेट है एक दूसरी ऐसी प्लेट इन दोनों को जोड़ के जोड़ने के लिए आपने क्या लगा दिया इनके बीच में एक ऐसे रेबिट लगा दिया ठीक है दिस इज कॉल्ड रिबिट तो भाई अगर इस पर फोर्स लगाया मैंने एक फोर्स मैंने इधर एफ फोर्स लगाया इधर एफ फोर्स लगाया इसको मैं खींच रहा हूँ तो इस रिवेट पर फोर्स आएगा कि नहीं और ये ब्रेक होगा यहां पर शेयरिंग स्ट्रेस जनरेट होगी इधर ऐसे फिसल के टूट जाएगा ठीक है हाँ सर ठीक है ओके चलो तो अब वो बोल रहा है कि इससे जनरेटेड जो मैक्सिमम टेंशन है वो आप निकालो ठीक है भाई लेकिन ये याद रखना कि कितने हैं भाई कितने हमारे पास रिबिट थे चार रिबिट थे है ना तो चार रिवेट में टोटल एफ फोर्स डिवाइड होगा तो एक रिवेट पर कितना आएगा एफ बाय फोर्स एफ बाय फोर आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल आएगा अरे बाबा टोटल फोर्स लगाया मैंने एफ बट वो बोल रहा है कितना आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल आएगा सर चलो तो ध्यान से सुनना टाउ मैक्स मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू जो भी आप मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो एक रिमिट पे डिवाइडेड बाय उसका एरिया ठीक है इसकी वैल्यू आपको गिवन है सिक्स

चलो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एफ़ बाय फोर नीचे फोर से फोर काट दो फोर से फोर हटा दो ठीक है ना एफ़ की वैल्यू आपको निकालनी है तो निकाल लेता हूँ मैं सिक्स पॉइंट नाइन इंटू टें तो पार सेवन ठीक है इंटू सिक्स इंटू टें तो पार माइनस थ्री का स्क्वायर इंटू पाई वैल्यू कितनी आ गई भाई एफ़ की वैल्यू आ गई सेवन एट ज़ीरो थ्री एफ की वैल्यू आ गई सेवन एट ज़ीरो थ्री पॉइंट सेवन टू न्यूटन ये आ गई आपकी फोर्स की वैल्यू एक रिबिट पे ठीक है एक बार फिर कैलकुलेट कर लूँ भाई नहीं तो पता चला कि कुछ इधर उधर ना हो जाए इंटू पाई इंटू सिक्स पॉइंट नाइन इंटू टेन टू द पार सेवन ओके सेवन एट जीरो थ्री सही है ओके okay. क्लियर बढ़िया क्वेश्चन हो गया द्वास्त? कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक hmm, चलो नेक्स्ट मरीना ट्रेंच इज लोकेट इन दैसेफिक ओशन एक प्रैक्टिकल आपको क्वेश्चन दिया गया एट वन प्लेस इट इज नियरली इलेवन किलोमीटर बीनीथ सर्फेस ऑफ वॉटर द वॉटर प्रेशर एट दॉटम ऑफ द ट्रेंच इज अबाउट आपको बोला गया है दॉटर प्रेशर एट दॉटम ऑफ द ट्रेंच इज अबाउट बॉल ऑफ इनिशियल वॉल्यूम इतनी इज ड्रॉप्ड इंटू द ओशन ड्रॉप्ड इन दू द ओशन एंड फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द ट्रेंच आपने क्या किया स्टील बॉल को लिया उसको ट्रेंच में डाल दिया खाई मतलब उसको क्या बोलते मतलब खाड़ी बोलते हैं उसमें डाल दिया और वो नीचे तक चली गई नीचे नीचे तक चली नीचे तक चली तक चली गई 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 स्टील बॉल है है भारी डूबती 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 भाई वहां तक चली गई जहां पर प्रेशर कितना है 1.1 पॉइंट वन इंटू टेन दोपहर एट है तो वो पूछ रहा है इस प्रेशर के कारण बताओ उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया होगा है ना अच्छा बॉल पर पहले क्या होगा वाटर के सर्फेस पर एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा है ना तो हम जानते हैं कि आपको निकालना है चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास फॉर्मूला है एक बेहतरीन सा जरा देखेंगे क्या फार्मूला है के इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है ना और लगा दो पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए अब भाई चेंज इन वॉल्यूम चाहिए आपको तो क्या करना होगा इस वी को ऊपर ले जाओ इस के को इस के को नीचे ले आओ और यहाँ पर डेल्टा भी लिख दो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर आओ चेंज इन वॉल्यूम निकालें अब चेंज इन प्रेशर आप लिख सकते थे भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करके बट आप देखो जो प्रेशर यहां पर आपको दिया गया है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा है तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर सकते हो निगलेक्ट कर सकते हो सीधे वैल्यू हाँ, पुट कर सकते हो डेल्टा पेट इन टेंट दिन पॉइंट पासकल इन टू द इन टू इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम कितनी है इनिशियल वॉल्यूम है डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय भैया डिवाइड बाय के के ऑफ वॉट के ऑफ स्टील है ना स्टील की बॉल है ना स्टील कितना दबेगा बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी किसकी डालेंगे स्टील की डालेंगे और वो होती है टू द पार इलेवन ठीक है इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना वॉल्यूम का चेंज आता है एट इंटू जीरो पॉइंट थ्री टू डिवाइडेड बाय वन पॉइंट सिक्स दो पार इलेवन आंसर आ गया टू पॉइंट टू इंटू टेंट द पार कितना आया था भैया माइनस फोर मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम में चेंज जा आ जाएगा किसमें स्टील की बॉल में क्यों क्योंकि भाई इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा अंदर जाके जितनी नीचे आप जाओगे मैरीना ट्रेंच में उतना ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा यूनिफॉर्म प्रेशर हर, हर तरफ से तो इतना वॉल्यूम चेंज आने वाला है किसमें स्टील बॉल में शेप चेंज होगा क्या उसका नहीं शेप चेंज नहीं होने वाला है ठीक है क्योंकि हर जगह से होगा प्रेशर ठीक है भाई तो ये एक और क्वेश्चन हमने कर लिया है चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बड़ा क्वेश्चन था उस पर चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन को करते हैं खत्म चलिए भाई अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आगे देखो अ माइल स्टील वायर ऑफ लेंथ वन मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस ठीक है न? चलो उसको क्या किया गया है स्ट्रेच्ड वेल विद इन इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू पिलर्स ठीक है तो दो पिलर बना लो भैया दो पिलर बना लिए हमने एक पिलर ये ओहो क्या है ये क्या है ये क्या है चलो एक पिलर ये ठीक इस पिलर से लेकर जाता हूं मैं अपनी वायर को ये मैं लेकर गया और ये है मेरा दूसरा पिलर ठीक है ये है मेरा दूसरा पिलर अब अब वो बोल रहा है भैया हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू पिलर्स अ मास ऑफ ग्राम अच्छा लेंथ भी आपको दे दी गई है टोटल लेंथ आपको एक मीटर दे दी गई है टोटल लेंथ आपको एक मीटर दे दी गई है ठीक अ मास ऑफ हंड्रेड ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट लो भाई मिड पॉइंट से आपने क्या किया हंड्रेड ग्राम का मास क्या कर दिया सस्पेंड किया है ना हंड्रेड ग्राम का मास सस्पेंड किया आपने तो वायर क्या होगी थोड़ी सी झूल जाएगी मान लिया ऐसे वायर हल्की सी झूल गई ठीक है ना इस पर आपने क्या लगाया हुआ था हंड्रेड ग्राम का मास लटकाया हुआ था तो हंड्रेड जी नीचे की तरफ क्या लगेगा उसका वेट होगा है ना डब्ल्यू इज इक्व टू हंड्रेड जी ये उसका वेट होगा क्लियर है हाँ सर चलो अब क्या कह दिया एक, एक एक मीटर की तो लेंथ दे दी गई है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया गया है चलो तो ये भी लिख लेता हूँ ना भाई साइड में मैं सब सारी चीज़ें लिख लो भाई ताकि क्वेश्चन में जहां जरूरत लगेगी वहां हम लिख लेंगे काम कर लेंगे उसका चलो जीरो पॉइंट फाइव जीरो इंटू टेंट टू द पार माइनस टू सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया गया है ठीक है ना इसको आप क्या करो इंटू टें टू द पार माइनस फोर से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर कर दो कोई दिक्कत है क्या ये सेंटीमीटर स्क्वायर था मल्टीप्लाई कर दिया टेंट टू दाइनस फोर से मीटर स्क्वायर में आ गया ठीक है चलो अब 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 क्या? अब हमको निकालना है कैलकुलेट द डिप्रेशन एट मान लीजिए ये point, point कहां आ गया यहां आ गया तो मैंने बोला कि भाई कितना क्यों क्योंकि भाई ये दोनों बराबर होंगी आधी आधी होंगी ना ठीक है चलो और ये लेंथ मान ली हमने कितनी हो गई एल अब आप ये समझो कि ये जो एल लेंथ होगी एलेवन से तो ज्यादा हो गई होगी या आप अगर चाहो तो इसको इस तरीके से देख सकते हो कि नाम दे दो इसको ए बी सी डी ये हमने नाम दे दिया ठीक अब आप देखो आप ये बोलोगे कि जो ए बी सी लेंथ है जो क्या है भाई जो ए बी सी लेंथ है वो क्या हो सकती है मुझे बताओ क्या हो सकती है वो ए सी से तो बड़ी होगी ए बी सी लेंथ जो है वो ए सी से तो बड़ी होने वाली है ये बात पक्की है ठीक है ना हाँ सर ये बात पक्की है क्योंकि वो खिंच गई है उसमें क्या आ गया है इलोंगेशन आ गया है ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि जो डेल एल है चेंज इन लेंथ है वो क्या होगा एल माइनस एल वन होगा मानते हो कि नहीं मानते एल माइनस एलवन होगा बाबा जैसे ये टोटल लेंथ बड़ी होगी वैसे ही तो ये लेंथ भी बड़ी होगी ना समझ रहे हो कि नहीं जितना यहां इलोंगेशन आया होगा उस इलोंगेशन को मैं डबल कर दूंगा तो मैं बोलूंगा इस वायर में भी इस पार्ट में भी उतना ही इलांगेशन होगा ठीक है पक्का हाँ सर तो देखो एल की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो एल की वैल्यू आप लिख सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल वन स्क्वायर लिख सकते हो हाँ सर अच्छा मान लीजिए मैंने यहां पर थीटा का एंगल ऑब्जर्व किया कितना डिफ्लेक्शन आया भाई थीटा का ठीक है ना थीटा का डिफॉर्मेशन आया तो थीटा यहां हम क्या बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स बाय वन ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर कोई परेशानी नहीं है ठीक आ जाओ तो यहां पर जो डेल्टा एल है इलांगेशन जो आपके सामने आया वो एल माइनस एलवन आया एल की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस एलवन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल वन स्क्वायर माइनस एलवन ठीक है यहां से एलवन स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं मैं लू लो ना सर यार कोई बात है क्या आपके लिए ये लो एल वन का स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई एलवन स्क्वाइनस एलेवन एल वन स्क्वा बाहर निकल जाएगा रूट के तो क्या बना देगा भाई डेल्टा एल इज इक्वल टू एल स्क् बाहर निकला तो बचा एल वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय एलवन स्क्वायर की पावर वन बाय टू यही बचा क्या यस सर माइनस एलेवन माइनस एलेवन माइनस एलेवन ठीक ध्यान से देखो यहां पर आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते बिल्कुल लगा सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू क्योंकि यहां पर ऑब्वियस बात है जो एक्स है वो एल से तो बहुत छोटा होने वाला है ठीक है ना तो चलो ये रेशो क्या है वन से बहुत कम होगा आ जाओ तो वन प्लस वन बाय टू ठीक है ना माइनस ऑफ एल वन बात आगे बात समझ में हाँ सर समझ में आ गया अब क्या करें L1 को अंदर अगर, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई L1 को अगर अंदर यहाँ पे L1 होना चाहिए ये क्या होना चाहिए L1 होना चाहिए L1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये L1 बनेगा ठीक और ये L1 इससे कट जाएगा तो डेल्टा L इज इक्वल टू एल वन प्लस हाफ एक्स स्क्वेर अपॉन एल माइनस एल सही कहा कि नहीं कहा ठीक ये प्लस ये माइनस उड़ गए ठीक है तो यहां पर डेल एल कितना आया एलोंगेशन कितना आया भाई डेल एल आया आपका सौ हाँ 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 ग्राम का मास लटकाया था जो वेट बनाया जितना जिसने वेट बनाया कितना हंड्रेड जी का तो आप मेरी बात समझना आपको ऐसा नहीं लगता कि वायर पर टेंशन भी बढ़ी होगी टेंशन आई होगी हाँ सर ये टेंशन आई होगी डायरेक्शन में टी कि ना हाँ सर अगर आप देखो ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो ठीक अब देखो यहां पर टेंशन है ये टेंशन है ऊपर हो जाएगा टू टी साइन ना भाई इसका टी साइन थीटा हो जाएगा उसको कौन बैलेंस कर रहा है नीचे तक नीचे लगने वाला वेट ठीक है हाँ सर ओके आओ जरा समझते हैं यहां पर जो थीटा है वो बहुत छोटा है बाबा है ना थीटा इज वेरी स्मॉल थीटा इज वेरी स्मॉल दिस एम्प्लाइज साइन थीटा जो होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा लिख सकता हूं ठीक है चल चलो 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 तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि जो W है वो क्या बैलेंस कर रहा है टू टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है टू टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है ठीक है मैंने बोला कि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई थीटा लिख सकता हूँ सिर्फ यहां से आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी और वो कितनी होगी डब्ल्यू अपॉन टू W अपॉन टू थीटा. थीटा हो जाएगी थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी एक्स अपॉन एलेवन है थीटा की वैल्यू पुट कर दूस अपॉन एलेवन चलो थीटा की वैल्यू यहां पुट करी मैंने एक्स अपॉन एलेवन कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर कोई परेशानी नहीं चलो यहां से आपके पास टेंशन की भी वैल्यू आ गई है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझना हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक हमको इस वायर पर फोर्स नहीं मिलेगा हम इसका एलोंगेशन थोड़ी ना बता सकते हैं मतलब हम ये एक्स थोड़ी ना बता सकते हैं हमको जानना पड़ेगा कि भैया इस पर जितना फोर्स आया उससे वायर में जो एलोंगेशन आया है ना उससे एक्स का क्या रिलेशन है क्योंकि अगर हमारे पास ये एलवन आ गया एलवन आ गया हमको सॉरी ये एल आ गया एलवन हमको पता है एक्स हमारे पास आ जाएगा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ठीक है सर ओके चलो आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखना मैं इसको मिटा दूँ क्या मैं इसको मिटा दू नहीं सर मिटाओ मत उसमें लिखो पीछे लिखो ओके okay, चलो हम जानते हैं कि जो मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है क्या होता है stress upon strain होता है ठीक है हाँ सर यानी कि वो होता है एफ A एफ बाई ए डिवाइडेड बाय डेल एल बाय ठीक है हाँ सर अब देखो ई इज इक्वल्स टू ध्यान देना एफ की वैल्यू यानी कि टेंशन है एफ हमारे पास कितना है टेंशन के बराबर है तो टेंशन की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू वन अपॉन टू एक्स यहाँ पुट करता हूं डब्ल्यू वन अपॉन टू एक्स अपॉन एरिया ठीक है ना जो हमको गिवन है ठीक है चलिए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय ठीक है ना डेल्टा एल बाय डेल्टा L बाय डेल्टा एल बायवन ठीक है ना एलवन होगा ना डेल्टा एल बाय एलेवन होगा ना इनिशियल इनिशियल क्या था ठीक है ओके 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 चलो डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास है डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास है कितनी है वो वो है एक्स स्क्वायर बाय टू वन एक्स स्क्वायर बाय टू आओ पुट करते हैं ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टू एक्स ए डेल्टा एल की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन टू एलेवन एक्स स्क्वायर अपॉन टू अपॉन टू यहाँ पर स्क्वायर था एलवन का ठीक है ना तो एलेवन घूम के ऊपर चला जाएगा एलवन घूम के ऊपर चला जाएगा इस टू से टू कट जाएगा तो इसको हटा देता हूँ ठीक है तो ये बचा हमको चाहिए है एक्स यही चाहिए था ना आपसे वो पूछ रहा था कैलकुलेट द डिप्रेशन एट द मिड पॉइंट और वो कितना है एक्स है तो यहां से हम एक्स को ले जाते हैं इधर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू डब्ल्यू एल वन क्यूब अपॉन ए इंटू ई डब्ल्यू एलेवन क्यूब अपॉन ए इंटू ई एक्स की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो वो होगी क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ डब्ल्यू एलेवन क्यूब अपॉन ए की वैल्यू आपको गिवन है ए की वैल्यू आपको गिवन है डब्ल्यू हंड्रेड ग्राम आपको दिया हुआ है हंड्रेड जी आपको दिया हुआ है सॉरी और एलेवन की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है एक मीटर का आधा आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर कोई भी परेशानी हमको नहीं है, ठीक है चलिए यह था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमने भली भाती कर लिया है बहुत अच्छे से कर लिया है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसको है ना हमने उसको समझने की कोशिश की और आंसर हमारा लगभग आ गया इसी से आंसर आपका क्लियरली आ जाएगा और आंसर कितना होगा आंसर है जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर ठीक है ना आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर ठीक है चलिए भाई इसको नोट डाउन करिए नोट डाउन करिए ठीक चलिए यह हो गया भाई हमारा एनसीआर न्यूमेरिकल्स पूरा का पूरा खत्म और करते हैं इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड और हमारे सेकेंड बुक के पहले चैप्टर को भी खत्म ठीक है ना नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आऊंगा नए चैप्टर को जिसमें हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो तैयार रहिएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम थर्मल का सब कुछ पढ़ लेंगे फिर भी हम कंप्लीट कर लेंगे फिर धीरे से हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या हाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स भी पढ़ लेंगे इसको हम फ्लूड मैकेनिक्स भी बोलेंगे उसको करने के बाद आपके तीन चैप्टर बने बचेंगे जो थोड़े से थोड़े से पिक्यूलियर उस उसमें भी मैं बोलूँ तो तीन में से दो है जो पिक्यूलियर पिक्यूलियर बनूंगा थोड़े से अलग से हैं अजीब से हैं थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा बाकी ये सारी चीज बहुत ईजी है जैसे मैकेनिक्स में हमको बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा था ना वैसे ही हमको इस दूसरी बुक के लास्ट के जो दो चैप्टर है उसमें दिमाग लगाना ज्यादा पड़ेगा अभी तो बहुत मक्खन जैसे आपके चैप्टर्स खत्म होते हुए चलेंगे ठीक है तो चलिए भाई करते हैं इस लेक्चर को खत्म मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में तब तक सावधान रहिए सतर्क रहिए पढ़ते रहिए थैंक यू